आपको कोई दुनिया की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सी बुक पढ़ेंगे सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ेंगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझना है कहीं से भी इधर उधर मारामारी नहीं करनी आपका बिल्कुल का बिल्कुल क्योंकि मैंने बहुत लंबा चौड़ा ये बनाया है मैंने कई सारे नोट्स थे जिसमें मैं कभी पढ़ा करता था उनको बिल्कुल करेंट से जोड़ा है मैंने और दो तीन कोचिंग सेंटर और कई सारी जो बेस्ट थे बेस्ट बुक थी उनके बारे में मैंने उनके बारे में पढ़ा उन्हें ख़रीदा जो सबसे बेस्ट लगी जैसे कि मेरी सबसे पसंदीदा बुक है उसको मैं कहता हूं खुल्लर की तो जोग्रफी मैंने सिर्फ और सिर्फ खुल्लर से पढ़ने के बाद नोट्स बनाए थे जो भी एक्स्ट्रा ठीक है तो बेस्ट से बेस्ट मैंने आपको दिया है तो खुल्लर वाला जो आप अगर जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो खुल्लर की ले सकते हैं बुक उससे बेस्ट आपको कोई नहीं क्योंकि वो सीधी सीधी एन बेस्ड है पूरा का पूरा आपको एन क्योंकि कैसे क्या लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा परचय करा देता हूँ इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को पांच वीडियो दे चुका हूँ ज्योग्राफी के चार वीडियो वीडियो मैंने बनाए हैं पॉलिटी का मैंने एक पूरा बनाया है जिसमें दस घंटे का वीडियो है उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया है इंडियन इकोनॉमी का अभी तक मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरा मन भी नहीं है और हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कर दिया है मैंने आप लोगों का साइंस का इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसके बाद मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये आखिरी वीडियो होगा इसके बाद एक और वीडियो डाल दूंगा उसके बाद क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बार सब्जेक्ट तो कम्प्लीट कर ही दूँ उसके बाद फिर मैं और भी काम करूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं चलिए तो चलिए देखते हैं ये क्या है आपका वर्ल्ड जोग्राफ़ी का या कहें बिस्का गूगल का ये है आपका तीसरा वीडियो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि इस वीडियो को तीनों को अगर मिला के मैं बात करूं तो पच्चीस से तीस घंटे के वीडियो बैठ रहे हैं ये सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी के और यकीन दिलाता हूं कि इन वीडियो को देखने के बाद दुनिया का कहीं पर भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है रही बात पीडीएफ की तो वो मैंने 100 से 200 पेज की मैंने आप लोगों को पीडीएफ दे दी है अब पेज ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके पीडीएफ का जो पेज संख्या होगी वो होगी हजार से करीब नौ और हजार या बारह करीब होगी पेज तो वो आपको पढ़ना होगा अगर आपको चाहिए हो तो वो बता देना मैं मैं दे दूंगा क्योंकि वो 100 से 200 पेज ही दे सकता हूँ क्योंकि तो जो मैंने अभी मैंने YouTube पे सर्च किया था तो दो चार मेरे YouTube पे फ्रेंड भी हैं जो काफ़ी समय, समय से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने राय भी दी कि 200-300 पेज तक मैं फ्री दे सकता हूँ उसके आगे नहीं दूंगा और क्योंकि बहुत सारा इसका लंबा प्रोसेस है चलिए वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये है ग्रांड फादर ऑफ ऑल वीडियोज यानी कि जितने भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो देखेंगे उनमें ये सबसे बेस्ट यानी कि पापा जी ना होकर ये दादाजी होगा कैसे होगा वो आप जब वीडियो देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सबका दादाजी कैसे है तो आइए समझते हैं ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट यानी इससे पहले मैंने सात घंटे का एक वीडियो आप लोगों को दे दिया है दूसरा पार्ट था आठ घंटे आप लोगों को दे दिया है आप उसमें से देख सकते हैं नोट्स बना सकते हैं जैसे आप चाहें जिस तरह से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं ठीक है ये तीसरा वीडियो है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले आपने क्या क्या पढ़ा था पहले पार्ट में मैं उसको एक नजर डाल देता हूं मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तारे सूर्य सौरमंडल सूर्यमंडल सौरमंडल की संरचना सौरमंडल के पिंडों के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था बौने ग्रह के बारे में पढ़ाया था ग्रहों के बारे में पढ़ाया था पृथ्वी की गतियां सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिन रात ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ाया था ठीक है अनांत क्या होता है संक्रांति क्या होती है विश्व क्या होती है अक्षांश रेखा क्या होती है देशांतर क्या होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित देश के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में समय का निर्धारण कैसे किया था इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी उसके बाद हम इसी में जो बात की थी वो था भू आकृति विज्ञान के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना चट्टानों के बारे में भूकंप के बारे में ज्वालामुखी के बारे में ठीक है इसके बाद हमने इसी में जाना था पठार पर्वत ठीक है मैदान दीप झील अंतरजात बल बहिर्जात बल स्थलाकृतियां डेल्टा जलप्रपात डेजर्ट यानी विश्व इसके प्रमुख मर, मरिस्थलों के बारे में बा, बात की थी इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ा था जो कि मैंने सोलह सत्रह अगस्त को डाल दिया था, था इसमें हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में जलमंडल या समुद्र विज्ञान के बारे में महासागरीय नेतल के बारे में महासागरी उच्चावत के बारे में महासागरी कटक के बारे में महासागरीय ताप तथा लबड़ता के बारे में महासागर महासागरी लवड़ता के स्रोत के बारे में पढ़ा महासागरी धारा में पढ़ा एलो एलिनो और लालिनो के बारे में हमने पढ़ा ठीक है इसके बाद महासागरी धाराओं का प्रभाव क्या क्या पड़ता है इसके बारे में जाना है ज्वार भाटा जल संधियां, प्रवाल तथा प्रवाल वित्तियां, प्रवाल व्यंजन क्या होता है जलवायु विज्ञान तथा वायुमंडल के बारे में हमने बात की वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन के बारे में हमने बात की थी वायुमंडल की संरचना के, के बारे में बात की मौसम तथा जलवायु विज्ञान के बारे में बात की मौसम तथा जलवायु जलवायु के तत्वों के बारे में हमने बात की ठीक है चलिए इसके बाद इसी में हम जाना है वायुमंडल का तापमान या वायुमंडल का तापन के बारे में बात की आदरता के बारे में बात की संगनन के रूपों के बारे में बात की वायुमंडल में जल के बारे में बात की संगणन के बारे में बात की बादल या मेघ के बारे में बात की वर्षा के बारे में बात की वर्षा के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में बात की बात तथा चक्रवात के बारे में हमने सेकंड पार्ट में बात की ठीक है इसके बाद शीतोत्ति चक्रवात के बारे में बात की उस कृविधित चक्रवा के बारे में बात की चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है इसके बारे में बात की चक्रवातों को एक निश्चित नाम क्यों दिया जाता है इसके बारे में बात की वायुदा तथा पवनों के बारे में बात की पवनों के प्रकारों के बारे में बात की प्रचलित के बारे में बात की समसामयिक पवनों के बारे में बात की पछुआ पवनों के बारे में समुद्र तथा स्थलीय समीर के बारे में पर्वत तथा घाटी समीर के बारे में ट्रेड विंस तथा वेस्टर्ली के बारे में भी बात की स्थानीय पवनों के बारे में बात की जिसमें स्थानीय पवनों को दो भागों में बांटा गया था इसके बारे में बात की थी गर्म तथा शुष्क पवनों के बारे में हमने जाना था ठीक है चलिए तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पार्ट थ्री में यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में महाद्वीप तो आप सभी लोगों को पता है कि महादीप कुल सात हैं इनके बारे में बता दूंगा मैं आप लोगों को एशिया के बारे में अफ्रीका के बारे में यूरोप के बारे में दक्षिण अमेरिका के बारे में उत्तरी अमेरिका के बारे में ऑस्ट्रेलिया के बारे में अंटार्टिका के बारे में ठीक है बहुत जो जो जरूरी होगा उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा ठीक है सभी महाद्वीपों के बारे में कौन कौन से महाद्वीप में कितने कितने स्थल अवरुद्ध देश हैं कौन कौन से प्रमुख स्थल अवरुद्ध देश हैं स्थल अवरुद्ध क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे ठीक है घास के मैदानों के बारे में बात करेंगे जिसे हम ग्रास लैंड्स कहते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे ठीक है इसी में ही मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इसके बाद कृषि के बारे में इसी में बात करने वाले हैं कृषि के प्रकारों के बारे में बात करेंगे जैसे कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है निर्वाह कृषि क्या होती है विस्तृत कृषि क्या होती है मिश्रित कृषि क्या होती है भूमत सागरी कृषि क्या होती है पगानी कृषि क्या होती है गहन कृषि क्या होती है इसके बारे में बारे में हम इसी में बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण के बारे में हम इसी बात करेंगे नकदी फसल फसलें क्या होती हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में दिया जाता है लेकिन मैंने अलग तरह से यहाँ पर दिया है मैंने नकदी फसलों के रूप में मान दिया पेय फसलें रेशेदार फसलें खाद्यान्न फसलें तिलन फसलों के रूप में मान दिया कुछ लोग नकदी फसलों के रूप में बांट देते हैं पे को भी नकदी फसलों में डाल देते हैं और तंबाकू वगैरह जो होते हैं इसी में डाल देते हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से बांट दिया ठीक है तो नकदी फसलों के बारे में हम बात करेंगे जैसे रबड़ है गन्ना है तंबाकू है पे फसलों के बारे में बात करेंगे इसी में चाय कहवा यानी कॉफ़ी है रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे कपास जूट के बारे में कौन से देश उत्पादक देश हैं कौन सा नंबर वन नंबर टू पे इस तरह की सारी चीजें जानेंगे और कौन सा निर्यातक देश है इस तरह की चीजें हम इसमें बात करेंगे इसके अलावा खाद्यान्न फसलों के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे इस चावल है गेहूं है मक्का है ज्वार है बाजरा है दालें हैं चौ है, है तिलहन फसलों के बारे में बात करेंगे जो तेल जिनसे तेल प्राप्त होता है मूंगफली है सरसों है तेलताड़ है और भी कई छोटी मोटी चीजें होंगी उनके बारे में हम इसी में बात करेंगे विश्व के प्रमुख देशों की कृषि पर आधारित जनसंख्या के बारे में बात, बात करेंगे विश्व में कृषि योग्य भूमि देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के बारे में बात करेंगे कृषि के विशेष प्रकारों के नामों के बारे में जानेंगे जैसे बिटी क्या होता है पिसी कल्चर क्या होता है सीरीकल्चर क्या होता है हॉर्टिकल्चर क्या होता है एपीकल्चर क्या होता है फ्लोरिकल्चर क्या होता है सिल्वीकल्चर क्या होता है बिजी कल्चर क्या होता है नोमी नेमोरीकल्चर क्या होता है ठीक है इस तरह के कुछ कल्चर होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे प्रमुख फसलें उन फसलें फल और उनके उत्पादक राष्ट्रों के बारे में और उनमें फसल होगी उनके स्थान कौन सा होगा कौन सा स्थान कौन सा देश प्रथम स्थान पर है कौन सा दूसरे स्थान पर कौन सा तीसरे स्थान पर और भारत का उन फसलों या उन फलों में कौन सा स्थान है इसके बारे में हम इसी में बात करेंगे इसके बाद पौधों के उत्पत्ति स्थलों के बारे में बात करेंगे जैसे मक्का कहाँ मक्का की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है सोयाबीन कहाँ मानी जाती है सूरजमुखी कहाँ मानी जाती है मूँगफली आलू शकरगंध तंबाकू गन्ना चावल केला राई जय चाय जो इस तरह के ये हैं कहाँ से इनका उत्पत्ति स्थल है ठीक है इसके बाद हम इसी में बात करेंगे खनिज संसाधनों के बारे में जिन्हें हम मिनरल्स रिसोर्स कहते हैं ठीक है खनिजों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे ठीक है खनिजों के प्रकार में जैसे कि आपका धातु खनिज क्या होता है ठीक है धातु खनिज में लोअ खनिज क्या होता है अल... आपका लोअ खनिज में जैसे लोअ एस्क हो गया मैगनीज हो गया क्रोमियम हो गया निकल हो गया टंक्शन हो गया कोवाल्ट हो गया फिर अलोअ खनिज के बारे में बात करेंगे जिसमें तांबा हो गया एल्यूमिनियम हो गया टेन हो गया शीशा हो गया सोना हो गया चांदी हो गया प्लेटिनम हो गया जिंक हो गया विरक हो गया ठीक है इसी के बाद हम इसमें आधात्मिक खनिजों के बारे में बात करेंगे जिसमें होगा जिप्सम एवेस्टस नमक नाइट्रेट गंधक संगमरमर हीरा ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे ठीक है इसके बाद ईंधन खनिज के बारे में बात करेंगे खनिज ईंधन के बारे में मिनरल्स फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका पेट्रोलियम पेट्रोलियम हो गया कोयला हो गया प्राकृतिक गैस हो गया यूरोनियम हो गया थ्योरियम हो गया इसके बाद हम इसी में बात करेंगे गैर नवीकरण योग्य या परंपरागत ऊर्जा संसाधन तथा नवीकरण योग या परम्परागत ऊर्जा जिसमें हम जानेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे किस तरह से इसका निर्माण होता है कौन कौन सी इसका कितना कितना उत्पादन करते हैं कौन सा नंबर एक पर कौन सा नंबर दोपहर इस तरह की चीजें हम जानेंगे ठीक है इसके बाद पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में बात करें आर्विक शक्ति के बारे में हम इसी में बात करेंगे ठीक है इसी के नंबर थ्री में ही आपका जो नंबर थ्री यानी कि जो वीडियो नंबर थ्री है इसी में हम जो बात करेंगे उद्योगों के बारे में उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कुटुर उद्योग क्या होता है लघु उद्योग क्या होता है बृहद उद्योग क्या होता है विष्क प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करेंगे जैसे लॉ इस्पात उद्योग जूट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग रेशम वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग कालीन उद्योग ठीक है जहाज निर्माण उद्योग के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं इसके बाद परिवहन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है परिवहन के साधन क्या क्या होते हैं जैसे स्थल परिवहन होता है वायु परिवहन होता है वायु में स्थल में जैसे आपका सड़क हो गया महामार्ग हो गया हाईवेज हो गया जिनको हम

नौ नहर और पनामा नहर ठीक है और भी कुछ आपकी कुछ प्रमुख देश हैं उनमें कुछ प्रमुख नहर है उनको बारे में भी हम अलग से बात करेंगे लेकिन प्रमुख जो है दो उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे सामाजिक तथा संस्कृत भूगोल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी होता है जिसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है जनजातियों के बारे में तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे मानव मानव का प्रजातीय वर्गीकरण के बारे में ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं जैसे कौ के प्रजाति कहां पर पाए जाते हैं प्रजाति प्रजातिग्रोइट निग्रोइट प्रजाति अफ्रीकी निग्रो निग्रोइट ठीक है इसके बाद एशियाई निग्रोइ के बारे में बात करेंगे द्रविड प्रजाति कौन सी होती है ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति कौन सी होती है ठीक है इसमें हम कुछ जनजातियों के बारे में बात करेंगे पिछले प्रमुख जनजातियां विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जैसे आपकी चांगपा हो गई निग्रो हो गई हो गई नुब्रा हो गई इग्लू हो गई हो गई इग्लू जनजाति नहीं है उसके बारे में हम जानेंगे जनजाति कैसे नहीं है हो गई टपीरो हो गई बिंदु हो गई फलानी हो गई कजाक हो गई बद्दू हो गई सोमां हो गई पापुआंस हो गई माउचो हो गई बोर बुस्मैन हो गई हौसा हो गई पिग्मी हो गई मसाई हो गई एक्समो हो गई चुक्सी हो गई ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप जो आ, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम आ, इधर उधर गड़बड़ लग रहे होंगे वो मैंने जब मैंने आप लोगों के लिए जब बनाया था तो वो सही कर दिया है ठीक है वो इंग्लिश में भी मैंने उनको लिख दिया है, जो कि आसानी रहे आपको याकूत हो गई जुलू हो गई माओरी हो गई लैप्स सामी हो गई इस तरह की कुछ जनजातियाँ उनके बारे में बात करेंगे उनकी विशेषताएँ जानेंगे क्षेत्रफल क्षेत्र तो जानेंगे मैप के बिना मैं कुछ नहीं बताता हूँ आप लोगों को बिना मैप मैपे यहाँ पर मैं अपने आप को भी नहीं बताता हूँ कि मैं किस जगह गूँ ठीक है इसके बाद हम इसी में बात करेंगे विश्व में दस सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश दस सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर ठीक है इसके बाद विश्व के प्रमुख नगरीकृत देशों के बारे में भी बात करेंगे ठीक है नगरीकृत महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे नगरी शहरों के बारे में बात करेंगे और नगरी देशों के बारे में बात करेंगे इसी में ठीक है जो कि पूछ लिया जाता है जैसे दो तीन शहर दे दिए जाएंगे या दो तीन देश दे दिए जाएंगे जैसे तो पाकिस्तान दे दिया जाएगा मलेशिया दे दिया जाएगा भारत दे दिया जाएगा और रूस दे दिया जाएगा तो पूछेंगे सबसे ज्यादा अधिक नगरीकरण देश कौन सा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम इसी में बात करने वाले हैं इसके बाद लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में भी हम बात करेंगे जैसे कि सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है जैसे कि स्पेनिश हो गई आपकी चीनी हो गई चीनी नहीं मतलब मंगालन हो गई और आपका इंग्लिश हो गई हिंदी हो गई बंगाली हो गई मराठी हो गई इस तरह की भाषा जो है

पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं विश्व में यानी कि पूरी पृथ्वी पर सात महाद्वीप हैं, जो कि पृथ्वी के कुल 29% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं यानी कि पूरी पृथ्वी पर कितने भाग पर पानी है 71% भाग पर पानी है और पूरी पृथ्वी पर 29% भाग पर क्या है आपके महाद्वीप फैले हुए हैं बिस्के महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है आपका एशिया उसके दूसरे नंबर पर अफ्रीका तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका पांचवें नंबर पर अंटार्टिका छठवें नंबर पर यूरोप सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ऑस्ट्रेलिया तो मैं यहां पर दिखा देता हूं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका ठीक तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका पांचवें नंबर पर आपका अन, यहाँ पर अंटार्कटिका, ठीक है और यहाँ पर है, यह है अंटार्कटिका, छठवें नंबर पर है आपका यूरोप सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा कौन सा हो गया एशिया ठीक चलिए जनसंख्या के आधार पर भी प्रमुख महाद्वीपों को देख लेते हैं सबसे पहला अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बात जनसंख्या वाले महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया नंबर दो पर आपका अफ्रीका नंबर तीन पर यूरोप नंबर चार पर आपका दक्षिणी अमेरिका नंबर पाँच पर उत्तरी अमेरिका नंबर छः पर आपका है ऑस्ट्रेलिया ठीक है नंबर छः पर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया और आखिर में ये है आपका अंटार्क्टिका जिसपे कोई भी नहीं रहता है के आपके स्थायी रूप से कोई रहता ही नहीं है ना के बराबर मान सकते हैं आपका अंटार्कटिका वाला चलिए विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं सबसे अधिक प्रतिशत किसमें है आपका फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स नाइन या फिर हम मोटा मोटी इसको सिक्सटी परसेंट मान लेते हैं तो सिक्सटी परसेंट आपका है एशिया में अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में जो कुल जनसंख्या जो पूरे विश्व में है उसकी कितनी है सिक्सटीन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट यानी कि साढ़े सोलह परसेंट ठीक है इसके बाद अगर तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो यूरोप में कितनी है नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट या इसको मोटा मोटी हम दस मान सकते हैं तो आइए एक फिर से मैं बता देता हूँ एशिया में आपकी साठ मोटा मोटी एशिया में साठ अफ्रीका में सोलह और यूरोप में दस परसेंट कुल जनसंख्या का है ठीक है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में जितना जरूरी है उतना ही मैंने यहां पर बताया है फालतू का खिचड़ी नहीं पकाया है जो कि आप लोग कन्फ्यूज हो तो आइए देखते हैं कुछ सबसे पहले छोटे मोटे फैक्ट्स देख लेते हैं सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोग जानते होंगे किसकी एशिया महाद्वीप की तो वो है माउंट एवरेस्ट बिस्की है और एशिया महाद्वीप की तो है ही है ठीक है कहां पर है आपका हिमालय पर्वत पर सबसे गहरा गर्त की अगर बात की जाए तो चैलेंजर गर्द कहाँ पर स्थित है फिलीपींस फिलीपींस नामक नामक ये देश है मैं आप जून कर देता हूँ फिलीपींस फिलीपींस की राजधानी यहाँ पर है मनीला मनीला के यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रशांत महासागर में खाई है इसको हम कहते हैं म, आ, मेरियाना गर्द या चैलेंजर गर्द हम इसको कह देते हैं तो दोबारा दिखा देता हूँ जूम करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चैलेंजर खाई या मैरियाना गर्द ठीक तीसरे नंबर की बात की जाए सबसे ऊंचा पठार जो है आपका पामीर का पठार पामीर का पठार कहाँ है ये आपका पामीर का पठार वाला क्षेत्र है ठीक है विश्व की इसको छत भी कह देते हैं सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर है जो कि आपका रूस में स्थित है ठीक है सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो ये पाकिस्तान है पाकिस्तान में ही एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं जैको बाद जैको बो सॉरी जेकोबावाद आपका पाकिस्तान में कितना तापमान हो जाता है यहां पर कभी कभी हो जाता है माइनस बोसॉरी सॉरी 52 डिग्री सेल्सियस तक ठीक सबसे ठंडा स्थान की अगर बात की जाए तो बार्खोयांश है जो कि आपका साइबेरियाई क्षेत्र में है मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्खोयांश पर्वत श्रेणी इसी के पास में एक क्षेत्र है उसको कहते हैं वार्खोयांश कहाँ पर है साइबेरियाई क्षेत्र में कितना तापमान हो जाता है माइनस डिग्री पृथ्वी पर यह शीत उपग्रह के नाम वो ध्रुव के नाम से जाना जाता है इसको सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान की अगर बात की जाए तो वो भारत देश में है कहाँ पर है यहाँ पर है ये जूम कर देता हूँ यहाँ पर पड़ेगा आपका मेघालय के पास में ही आपका राजधानी भी आपकी शिलांग यहीं पर आपकी जगह पड़ती है इसको कहते हैं मासिन राम चिरे चिरापूंजी के पास में ही है मासिन राम जो कि विश्व में पूरे विश्व में ही है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसको हम साग से आद्र स्थान भी कह सकते हैं चलिए और देखते हैं फैक्ट सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश की अगर बात की जाए तो वो है आपका चीन आपको यहाँ पर दिख सकता दिख रहा होगा चीन ठीक है इसके बाद सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यांगसी है चीन में ही है ये आपकी पाँच हजार सात सौ सत्तानवे किलोमीटर ये है आपका चीन वाला क्षेत्र यहीं पर है यांगसी नदी ठीक सबसे छोटा देश की अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है मालदीप मालदीव कहाँ पर है ये आपका है भारत भारत के दक्षिण में चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका श्रीलंका श्रीलंका के पास ही यहाँ पर आपका प्रवाल द्वीप है इसको हम कहते हैं माली वो सॉरी मालदीप मालदीव की राजधानी कहाँ पर है माली जो कि एक देश है सबसे छोटा देश है सबसे लंबा रेलमार्ग की अगर बात की जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है कहाँ पर है ये आपका रूस को यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है रूस में एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं मास्को ठीक है रूस से ऐसे जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे मास्को से यहां पर पहुंचेंगे किनारे तो इसको हम कहते हैं नोखास नोको दकता, नोको दकता कहेंगे ठीक है यहां हाँ पर ठीक है नोको दता ठीक समझ आ गया तो सबसे लंबा रेल मार्ग है कहां का आपका एशिया का ठीक है चलिए कहां से क्या नाम है इसका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कितनी लंबाई है नौ हजार से अधिक चलिए शुरुआत कर लेते हैं एशिया में एशिया जो है एशिया नामक जो महाद्वीप है उसका जो नाम रखा गया है वो हिब्रू शब्द से लिया गया है यानी कि एशिया हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज किसका मतलब हो गया एशिया का मतलब हो गया यह महाद्वीप भूमध्य सागर कौन सा आपका जो एशिया महाद्वीप है यह भूमध्य सागर आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है तो आइए मैं दिखा देता तो हूं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ आपका भूमध्य सागर ये आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है भूमध्य सागर इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर इसके बाद पूर्व में जाएंगे तो प्रशांत महासागर और दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर समझ में आ गया ना कि आपका जो प्रशांत महासागर वो सरी, आपका एशिया महाद्वीप आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर दक्षिण में हिंद महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है एशिया महाद्वीप जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यानी कि आपका तो ये उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध का देश कैसे तो आइए मैं आपको हल्के से दिखा देता हूं ये मान लीजिए आपका जीरो डिग्री देशांतर ठीक मान लीजिए वैसे है नहीं जीरो डिग्री देशांतर क्योंकि ये बीच में है इसलिए मैं हल्का सा बता दे रहा हूं आप लोगों को ये जीरो डिग्री देशांतर है तो जीरो डिग्री देशांतर का पूर्व भाग जो है वह पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और जीरो डिग्री का पश्चिमी वाला भाग जो है वह पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है ठीक है अब दूसरा यहां पर गोलार्ध बना लेते हैं ठीक है ये है आपका जीरो डिग्री आचांश जीरो डिग्री आछाश का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है तो जो आपका एशिया महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है इस तरह से यहाँ से एशिया महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध तथा उत्तर में यानी कि जीरो डिग्री के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है ठीक है एशिया महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप पूरी पृथ्वी पर जो ट्वेंटी नाइन परसेंट कुल क्षेत्र पर है उसके उस कुल क्षेत्रफल में से एक बट्टे तीन भाग पर यह आपका एशिया महाद्वीप मौजूद है जिस जिस पर की दो बटे पांच जनसंख्या निवास करती है कितने भाग पर एक तिहाई भाग पर दो बट जनसंख्या निवास करती है इस महाद्वीप महाद्वीप की 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 अगर बात की जाए एशिया इस तो इसमें लगभग क्या पूरा मानते हैं अड़तालीस देश है लगभग का कोई मतलब ही नहीं है अड़तालीस देश हैं लेकिन एक देश और है उसको हम कहते हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन को अगर जोड़ लिया जाए क्योंकि ये बिना आ, यहां पर देश तो है लेकिन इसकी कोई अपनी खुद की सरकार नहीं है ये भटकती आत्मा है तो फिलिस्तीन को अगर जोड़ लिया जाए मान लेते हैं अगर देश के फिलिस्तीन भी एक देश है तो इसमें जो देश की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ठीक है समझ उनका चलिए देखते हैं तो एशिया महाद्वीप जो है यूरोप से अगर बात की जाए कि कैसे सीमा बनाता है तो यूरोप से सीमा बनाने वाली जो आपके आकृतियां हैं उसको हम सबसे पहले कहेंगे यूराल पर्वत यूराल नदी कैस्पियन सागर काके पर्वत और काला सागर ठीक है फिर से मैं आप लोगों को ज़ूम करा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूराल पर्वत जो कि आपका आ, यूरोप तथा एशिया के बीच में क्या करता है ये सीमा का कार्य करता है क्या क्या सीमा बनाती है यूराल पर्वत यहाँ पर ये यूराल नदी उसके बाद कैस यहाँ पर आप देख देख सकते हैं काकेशस पर्वत ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर आ गया ना फिर से मैं बता दूं क्या क्या सीमा बना रहे हैं आपका यू यूरोप का है यूराल पर्वत और यूरा यूराल नदी कैस्पियन सागर काकेश पर्वत और काला सागर से आपका एशिया महाद्वीप जो है यूरोप से अलग होता है एशिया महाद्वीप जो है अफ्रीका से बात की जाए कि तो अफ्रीका महाद्वीप से किस तरह से अलग होता है तो अफ्रीका महाद्वीप से यह है लाल सागर तथा स्वेज नहर से अलग होता है अब लाल सागर है यह आपका लाल सागर है और यहाँ पर देखेंगे आप स्वेज तो नहर तो स्वेज नहर तथा लाल सागर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप अलग होता है उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका से यह महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका से एशिया महाद्वीप बेरिंग जलसंधि के द्वारा अलग होता है मैंने आप लोगों को जब जलसंधिया पढ़ाई तब मैंने बताया था कि दो जलराशियां जो होती हैं जो जल संधियां होती हैं या संधियां होती हैं वह दो जलराशियों को जोड़ता है लेकिन दो स्थल खंडों को क्या करता है अलग करता है तो मैंने क्या बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया उत्तरी अमेरिका है उत्तरी अमेरिका से एशिया महादीप बेरिंग जल संधि के तहत क्या होता है अलग होता है यहां पर मैं आप लोगों को बेरिंग बेरिंग जल संधि दिखा देता हूं ये इस तरह से ये इस तरह से यहां पर बेरिंग सागर है यहीं पर है इन दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया कैसे सीमा बनाता है ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के बीच में एक द्वीप पड़ता है उसको कहते हैं न्यू गिनी द्वीप तो जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही है तो ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप के बीच में न्यू गिनी द्वीप जो है वह सीमा बनाता है ठीक है चलिए

यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जल संधि है इसको हम कहते हैं हॉर्मुज जल संधि यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्मुज यहाँ पर यह है हॉर्मुज जल संधि तो हॉर्मुज जल संधि जो है बहरीन बहरीन और कतर के बीच में आपका बहरीन और कतर के बीच में क्या है आपका हॉर्मुज जल संधि ठीक है इसके बाद तो एशिया का जो एक देश है जिसको हम कहते हैं भारत तो भारत जो है वह विश्व में सबसे अधिक अब्रक का क्या करता है उत्पादन करता है या हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला अब्रक का उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है आपका भारत देश है ठीक है इसके बाद एशिया की और खासियत जाने तो एशिया विश्व में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला क्षेत्र है यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जलयान बनाए जाते हैं एशिया को धर्मों की भूमि भी कहा जाता है या कहें धर्मों की जन्मभूमि कहा जाता है क्योंकि एशिया महाद्वीप से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अन्य क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं जैसे कि आपका इस्लाम का यहीं पर हुआ था हिंदू धर्म का तो आप जानते हैं वो तो सदियों से चला ही आ रहा है और भी जैसे बौद्ध धर्म हो गया जैन धर्म हो गया ऐसे बहुत सारे धर्म धर्म हैं जो कि एशिया महाद्वीप में ही पैदा हुए थे ठीक है एशिया में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी स्थित है जिसको जिसको रेलवे हम कह सकते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है जो कि भारत नामक देश में स्थित है जो कि भारत में एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक जिला है उसको हम कहते हैं गोरखपुर गोरखपुर में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं खड़गपुर तो इस विश्व का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि एशिया में स्थित है कहां पर स्थित है गोरखपुर में खड़गपुर नामक रेलवे प्लेटफॉर्म है ठीक है तो एशिया जो है वह विश्व में सबसे अधिक देशों से सीमा बनाने वाला महाद्वीप है जो कि कितने देशों से सीमा बनाता है कुल तेरह देशों से सीमा बनाता है कौन सा आपका एशिया महाद्वीप चलिए आगे बात करते हैं विस्तार की अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप के विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका आछांसी विस्तार अक्षांश आछांस आप जानते हैं इस तरह से उत्तर से दक्षिण अगर अक्षांश की बात की जाए साढ़े तेईस उत्तरी आछांश साढ़े तेईस दक्षिणी आक्षांश तो उत्तर और दक्षिण वाला जो लिया जाता है उसको आछांश के हैं, पूरा पश्चिम लिया जाता है उसको हम देशांतर कहते हैं तो अक्षांश की बात मैं कर रहा हूं तो मैंने क्या बताया अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो यह 10 10 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है यानी कि आपका 10 डिग्री कहां पर हो जाता है आपका यह है आपका 0 डिग्री 0 डिग्री के और नीचे जाएंगे इस तरह से तो आपका दस डिग्री दक्षिणी आचान से लेकर उत्तर में चले जाएंगे बिस्वत रेखा आ जाएगी फिर और उत्तर में आएंगे कर्क रेखा आ जाएगी और उत्तर में चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी अस्सी डिग्री अस्सी डिग्री आक्षांश तो अस्सी डिग्री उत्तरी आछांश से लेकर दक्षिणी दस डिग्री दक्षिणी आछान तक का इसका फैलाव है यानी कि इसका कुल कितने डिग्री आक्षाश इसका फैलाव है सत्तर डिग्री आछांशों में फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण दच्टिड से उत्तर की बात कर ली जाए ठीक है इसके बाद पूर्व और पश्चिम लिए जाते हैं या तो पूर्वी होगा या पश्चिमी हो तो तो पूर्वी देशांतर है यानी कि पश्चिम डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर इस तरह से आप चले जाएंगे पच्चीस छब्बीस सत्तर अट्ठाईस करते चले जाएंगे यहां पर पहुंच जाएगा आपका 180 पूर्वी देशांतर तक इसीलिए मैंने क्या बताया इसका जो एशिया महाद्वीप है वह पूर्वी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध का देश है समझ में आ गया क्योंकि इसका उत्तरी गोलार्ध में कितना इसका विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में इसका 60 डिग्री का विस्तार है और पूर्वी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो पूर्वी गोलार्ध में तो पूरा का पूरा ही फैला हुआ है ठीक है तो एशिया में स्थित तिब्बत का जो पठार है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तिब्बत का पठार ये यह यहाँ पर इस चीन चीन के इधर है आपका तिब्बत का पठार तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ पठार है इस महाद्वीप में मृत सागर के तट पर इजराइल फिलिस्तीन और जॉर्डन स्थित है कहाँ पर है अब ये आपका मिर्थ सागर ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं कहाँ पर है बेटा फिलिस्तीन वाला क्षेत्र ये है फिलिस्तीन इसमें नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं मीर सागर मीरज सागर की सीमा पर आपका फिलिस्तीन जॉर्डन और इजरायल ठीक है कौन कौन से देश हैं फिलिस्तीन जॉर्डन और इजरायल किसकी सीमा पर मेरज सागर यानी कि मरा हुआ सागर के तट पर ठीक चलिए आगे टेंसनल पर्वत पहाड़ और रेगिस्तान और नदियों के बारे में मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ा दिया है और जो नदियां हैं वो अलग कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा एक एक ही चीज़ में आ, कई सारी चीज़ को मिक्स कर दो तो कंफ्यूजन पैदा बना रहता है इसमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ मैं आप लोगों को दूंगा क्योंकि तो ये सारी चीज़ जो है महाद्वीपों के बारे में हल्का हल्का जानेंगे क्योंकि सब चीज़ों के बारे में हम अलग से टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं ठीक है इसके बाद सबसे पहले देशों के बारे में बात की जाए तो एशिया के देशों के बारे में तो एशिया का प्रमुख एक देश है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान के बारे में हम हल्का सा बात करते हैं पाकिस्तान में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका किरथर रेंज ठीक है यह आपका सुलेमान रेंज और यह है आपका साल्ट रेंज ठीक है तो मैं फिर से बताता हूं पाकिस्तान में साल्ट रेंज किर्थुर या किरथर रेंज और यह है आपका सुलेमान पर्वत प्रमुख रूप से कहां पर स्थित है आपके पाकिस्तान में स्थित है तो पाकिस्तान की ये तीन प्रमुख श्रेणियां प्रमुख हैं आपकी सुलेमान श्रेणी किरथर श्रेणी साल्ट रेंज कहां पर है ये मैं आपको अगर जूम करके यहां पर दिखाऊं तो यह है आपका सुलेमान यह है आपका किरथर और यह है आपका साल्ट रेंज ठीक इन श्रेणियों को केवल यानी कि श्रेणियां हैं इन श्रेणियों को केवल दर्रों से पार किया जा सकता है जिनमें प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि आपका खैबर दर्रा गोमल दर्रा बोलन दर्रा ये ऐसे प्रमुख दर्रे हैं जो कि एक पर्वत श्रेणी से या कहें पर्वत से दूसरी तरफ जाया जा सकता है मान लीजिए कोई पर्वत है तो अब बीच में से हम चाकू छुरी से काट तो सकते नहीं है तो इनके बीच में कुछ दर्रे हैं या ठीक है तो इन दर्रों से हमें ये इस पर्वत श्रेणी से इस ओर से उस ओर जा सकते हैं हम इससे ठीक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो वो आपकी तारवेला सिंचाई परियोजना है तारवेला आपकी कहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं तारवेला ये है आपका ये है आपका तारवेला बांध ठीक किस पर है आपका ये इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी पर स्थित है ठीक चलिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान राज्य में हामुम ई मस्कुल मस्कुल है भैया बलूचिस्तान कहाँ ये आपका बलूचिस्तान राज्य है बलूचिस्तान जिसको हम कहते हैं तो बलूचिस्तान में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मरिस्तल है इसको हम क्या कहते हैं हारुल ई मस्कुल ठीक चलिए आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में हल्की सी जान, जानकारी ले लेते ले हैं नेपाल तक, जो है नेपाल चीन तथा भारत के बीच में एक प्रतिरोधी राज्य के रूप में स्थित है ठीक है नेपाल एक स्थल अवरुद्ध देश है स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में हम अलग से बात करेंगे स्थल का अवरुद्ध का मतलब होता है ऐसा देश या ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो उसको हम स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं तो नेपाल क्या हो गया एक स्थल अवरुद्ध देश हो गया नेपाल का विदेशी व्यापार की अगर बात की जाए तो वह भारत देश के द्वारा भारत देश में एक जगह पड़ती है उसको हम पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता तो कोलकाता पत्तन से सभी व्यापार होते हैं यानी कि जो भारत इस तरह से नेपाल जो है पहले कोलकाता वाले में सारा माल पहुंचाएगा कोलकाता के बंदरगाह पे फिर आसपास के जहां पर भी करना है जैसे म्यांमार से करना है या फिर थाईलैंड से करना है या फिर श्रीलंका से करना है कहीं पर भी करना है तो ये कहाँ किसके द्वारा करेगा कलकत्ता से करता है ठीक है बता दे रहा हूँ नेपाल का विदेशी व्यापार कोलकाता पत्तन से होता है या बंदरगाह से होता है इसके बाद भूटान के बारे में किसी जानकारी ले लेते हैं भूटान भी एक स्थल अवरुद्ध देश मैंने स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में बताया कि वो देश या वो स्थलखंड चीन जिनकी सीमा किससे नहीं लगती है समुद्र से नहीं लगती है उसको हम स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं यानी कि स्थल से घिरा हुआ अवरुद्ध मतलब स्थल से अवरुद्ध ठीक चलिए भूटान भी एक स्थल अवरुद्ध देश है ये दस्ता नहीं निगल जाता है ठीक है यानी कि यह चबाता नहीं है डायरेक्ट अंदर पेट में कर लेता है ठीक है भूटान की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो कुला कांगड़ी इसको बोलते हैं कुल कंगड़ी इसमें लिखा कुला कांगड़ी या कुली कुल कंगरी ही इसको हम पढ़ सकते हैं जो कि आपकी ब्रद हिमालय पर स्थित है यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यह नेपाल ये है भूटान भूटान की राजधानी थिंपू नेपाल की राजधानी काठमांडू तो भूटान में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो निकलती है जब तो भूटान में एक पर्वत श्रेणी स्थित है यह कहीं एक चोटी स्थित है उसका नाम है कुला कांगड़ी ठीक जो कितनी ऊंचाई है इसकी आठ हजार दो सौ मीटर इसकी ऊंचाई है ठीक है चलिए चलिए साथियों श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है पूर्व मतलब ईस्ट का मोती कहा जाता है श्रीलंका और भारत के बीच की अगर बात की जाए तो भारत और तो श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं पाक स्टेट या पाक जल संधि ये जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ पर जो श्रीलंका के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कई सारे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिनमें जिनमें सबसे प्रमुख जो है उसको हम कहते हैं है एडम्स का पुल ठीक है जिनमें आदम का पुल प्रमुख है ठीक है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो माउंट तालागाला है आप देख सकते हैं पिद्रू ताला गाला, ठीक है कहां पर है ये ये इस तरह से ठीक ये ठीक है आपको दिख गई पिद्रू गाला माला चलिए तो फिर से रहा हूं श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट पिद्रू गाला सॉरी माउंट पिद्रू ताला गाला है ठीक है श्रीलंका की यह सबसे ऊंची चोटी है महावेली गंगा नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है मैं आपको महावेली गंगा नदी दिखा देता हूं ये आप यहां से देख सकते हैं ये इस तरह से निकलती है महादेवी गंगावेली जो नदी है इस तरह से ये जा रही है ये इस तरह से चलती चली गई चलती चली गई और यहां पर इस तरह से यहां पर आ जाती है और ये इस तरह से महावेली गंगा नदी इस तरह से और ये आकर आखिर समुद्र में मिल जाती है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है श्रीलंका की महाबेली गंगा नदी चीन के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं एशिया में विश्व का सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन करने वाला देश चीन है आपका चावल का भी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है ठीक है शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है ये बात आप ध्यान रखें आप शंघाई कहा है शंघाई भाई साहब ये है ठीक संघाई चलिए चलिए म्यांमार थाईलैंड इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं देखते हैं म्यांमार की नई राजधानी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूँ पहाड़ पर्वत रेगिस्तान और नदियों के बारे में मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ा दिया है नदियों के बारे में ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा मैं नदियों के, के बारे में नहीं घुसूंगा रेगिस्तान या मरुस्थलों के बारे में नहीं घुसूंगा और पर्वतों के बारे में ज़्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि सबको मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है चलिए इसलिए उतना ही जितना जरूरी है उतना बता देता हूँ बस मैप में एक बार स्थिति दिखा दूँ इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है जो जरूरी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है आइए देखते हैं म्यांमार थाईलैंड और इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार की नई जो राजधानी बनाई गई है उसका नाम है न्याय पीदा न्याय पीदा ठीक म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट हाका का है अब माउंट हाका का कहाँ है ये आपका है म्यांमार म्यांमार के यहाँ पर उत्तर में बिल्कुल चलते चले जाएंगे यहां पर तो मैं आपको मैप कर देता हूँ जूम यहां पर एक चोटी दिखेगी हाकागा राजी हा काबो यहां पर तो लिखा है हा काबो राजी इसी को ही हम बोलते हैं माउंट हा काका ठीक जो कि <coughs> सॉरी जो कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है म्यांमार में सालवी नदी के पूर्व में एक सुनहरा त्रिभुज है जो कि अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है भैया सालवी नदी कहाँ है ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र म्यांमार में ये इस तरह से एक नदी निकलती है इस तरह से यहाँ पर और हम इसको क्या कहते हैं सालवी नदी सालवी नदी के मैंने पूर्व बताया एक सुनहरा त्रिभुज या एक ट्रेंगल है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम वो किसके लिए प्रसिद्ध है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है मैं झूम करके इसमें भी दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से ये सालवीन नदी चलती चली जाती है और यहाँ पर ये गिर जाती है ठीक चलिए, ठीक है किसके लिए प्रसिद्ध है सालमीन का पूर्व वाला क्षेत्र इसे क्या कहते हैं सुनहरा त्रुवे किसके लिए अफीम की खेती के लिए एशिया में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं थाईलैंड ठीक रबर का उत्पादन करने वाला थाईलैंड रबर के बारे में हम जब कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो रबर के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है इसलिए मैंने कहा जितनी जरूर है उतनी के बारे में यहाँ जानकारी दूंगा ज्यादा जाऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मैंने देखा है एवरेज लगाया है पच्चीस से तीस घंटे का पूरा ये पूरा का पूरे जो सारे वीडियो है मतलब पूरा जो जियोग्राफी खत्म कर रहा हूँ वो पच्चीस से तीस घंटे का हो रहा है चलिए तो मैंने क्या बताया एशिया में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करने वाला जो देश है वह है आपका थाईलैंड ठीक इंडोनेशिया के बारे में अगर आ जाते हैं हल्का सा तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसको हम कहते हैं जकार्ता ठीक है तो जकार्ता जो है वह यहां पर एक द्वीप दिखेगा आपको जावा द्वीप तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ठीक है किस द्वीप पर स्थित है जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी ठीक है इंडोनेशिया में यहां पर एक जगह दिखेगी आपको दिखेगा मलक्का मोलक्का लिखा है ना मलक्का दीप को मसालों का दीप भी कहते हैं ये आपका मलक्का किसका दीप है ये ये आपका इंडोनेशिया का दीप है मोलक्का दीप दीप को हम मसालों का दीप कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे खासे मसालों का उत्पादन होता है चलिए फिलीपींस और जापान के बारे में हल्का सा देखते हैं ये आपका फिलीपींस देख सकते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला है यहां पर आप देख सकते हैं ताइवान ताइवान की राजधानी ताइपे है ठीक है ये आपका जापान जापान की राजधानी यहां पर आप देख सकते हैं टोक्यो ठीक चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं फिलीपींस फिलीपींस सबसे ज्यादा नारियल पैदा करने वाला देश है फिलीपींस सबसे अधिक नारियल पैदा करने वाला देश है ठीक है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है उसको हम कहते हैं इंडोनेशिया नंबर वन पर आपका फिलीपींस और नंबर दो पर इंडोनेशिया आता है ठीक है फिलीपींस में एक उष्ण कटबंधी घास फिलीपींस में फिलीपींस को मैं जूम कर देता हूं यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हरारा क्षेत्र है फिलीपींस में मैं मैंने क्या फिलीपींस में एक उष्णकटिबंधीय प्रतिबंधित घास उगती है जिसको हम कज, कगोन कहते हैं क्या कहते हैं कगोन कहते हैं कहां पर उगती है फिलीपींस नामक देश में उगती है कैसी घास है यह उछड़ी कटबंधी घास है ठीक चलिए इसके बाद करते हैं जकोट त्रिभुज के बारे में जकोट त्रिभुज क्या है जकोट त्रिभुज तीन देशों को मिलाकर या तीन देशों को संयुक्त रूप से जकोट ट्रेंगल कहते हैं तो जिसमें आपका जापान साउथ कोरिया ताइवान तीनों मिलकर बनते हैं तो मैं आप लोगों को जापान दिखा दूं ये आप जापान जापान साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया ठीक है ये दक्षिण कोरिया इसके बाद ये है ताइवान ठीक है तो ताइवान जापान और दक्षिण कोरिया को तीनों को सम्मिलित रूप से जकोट त्रिभुज कहते हैं यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है तीनों को संयुक्त रूप से, से, से मिलाकर ठीक है जापान में बसंत के अंत में या फिर कहें गर्मियों की शुरुआत में तुर्वीय सागरीय वायु राशियां जब आपस में मिलती हैं तो वो आपके मध्य जापान में मध्य तथा दक्षिणी जापानी क्षेत्र में क्या करते हैं भारी वर्षा करते हैं जिसको हम बायु यहां पर मैंने लिख दिया है यहां यहां पर पर मैंने मैंने लिख दिया बायु या पिलम वर्षा कहते हैं फिर से मैं बोल दे रहा हूं पर जो लिखा है बसंत कहां जा रहा है आ, बसंत के अंत में या फिर गर्मियों की शुरुआत में ध्रुवीय सागरी वायु राशियां जब आपस मिलती हैं तो मध्य तथा दक्षिणी भाग में जापान के भारी वर्षा होती है जिन्हें हम बायू या पिलम वर्षा कहते हैं जापान में टोक्यो तथा याकोहामा शहर जो है क्वांटो के मैदान में स्थित है यहाँ पर जो जापान है ये आपका जापान जापान का मैंने क्या बताया टोक्यो और याकोहामा जो है ये यहां पर देख सकते हैं याकोहामा जापान तथा याकोहामा क्वांटो के मैदान में स्थित है ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप के बारे में जो प्रमुख जानकारी थी नदियों के बारे में मैंने जितना हो सका मैंने बता दिया है पर्वतों के बारे में जितना जरूरी था उतना बता दिया तो पर्वतों को मैं अलग पढ़ा चुका हूँ नदियों को मैं अलग पढ़ा चुका हूँ विश्व के भूगोल में ठीक है और आपका मरिस्तरों के बारे में मैं अलग से पढ़ा चुका हूं चलिए समझते हैं दूसरा महाद्वीप देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप समझते हैं पहले तो सब छोटे मोटे फैक्ट्स देख लेते हैं सर्वोच्चतम बिंदु की बात की जाए सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए किल मंजारो ठीक है किल मंजारो कहाँ है यहाँ पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किल मंजारो एक पर्वत है यहाँ पर नरोवी में ही है ठीक इसके बाद न्यूनतम बिंदु की बात की जाए तो असाल झील समुद्र तल से कितनी गहराई है एक 156 मीटर नीचे तो आप ये असल झील कहाँ आइए मैं जूम कर देता हूं यहाँ पर आप देखें देखेंगे जीबूती जीबूती नामक जो हॉर्न अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ता है तो जीबूती के ठीक नीचे यहाँ पर एक झील देख रही होगी असल झील ठीक तो असल झील एशिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है ठीक है चलिए सबसे गर्म स्थान की बात की जाए अगर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान की बात की जाए तो अल अजीजिया है जो कि लीबिया में पड़ता है यह है लीबिया का मरुस्थल यहीं पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं अल अजीजिया लीबिया में स्थित है ये अफ्रीका तो सबसे अफ्रीका का तो सबसे गर्म क्षेत्र है ही साथ ही साथ विश्व का भी सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है जिसका कितना तापमान हो जाता है फिफ्टी एट डिग्री सेल्सियस तक माइनस में नहीं मतलब 58 डिग्री सेल्सियस ठीक चलिए सबसे लंबी नम, नदी की बात की जाए तो यह है आपकी आ, नील नदी नील नदी कहां से निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से इस तरह से ये गई ये गई और ये इस तरह से यहां पर भूमत सागर में जाके मर गई मतलब समाप्त हो गई विक्टोरिया झील से निकली वैसे तो नील नदी के बारे में अगर पढ़े इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है टेढ़ा मेढ़ा तीन चार पाँच छे इसमें आके नदियां मिल जाती हैं तब ये नील बनती है हमें मतलब नहीं उससे हम नील के बारे में सिर्फ जानेंगे नील इस तरह से यहां से निकली और ये इस तरह से यहां पर पहुंच गई ठीक है चलिए सबसे बड़ी मैंने क्या बताई सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी कितनी लंबाई इसकी छ हजार छ सौ पचास किलोमीटर ठीक सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो विक्टोरिया झील है किसकी अफ्रीका महाद्वीप की विश्व नहीं अफ्रीका महाद्वीप की यह नील नदी का उद्गम स्थान है ठीक जूम कर दे रहा हूं मैं ये आप देख सकते हैं विक्टोरिया झील के गाली यहीं पर पड़ता है क्षेत्र ठीक चलिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो दुनिया जानती है सहारा मरुस्थल ठीक विशेष भौतिक इस लक्षण की बात की जाए आपका अफ्रीका महाद्वीप की तो महान भ्रंश घाटी ठीक है ये इस तरह से प्रिसिद, प्रिसिद पिरामिड और इस थिं, इस कहां पर पाए जाते हैं वो है आपके मिस्र वाले क्षेत्र में चलिए इसी में जानते हैं देखते हैं समझते हैं एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तथा जनसंख्या में जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है सब क्षेत्रफल में भी बड़ा है दूसरे नंबर पर और जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर है पृथ्वी के कुल भाग का 20 परसेंट भाग पर फैला हुआ है यानी कि पृथ्वी पर कितना परसेंट आपका स्थलीय क्षेत्र है 29 परसेंट और उस 29 परसेंट में अगर 20 परसेंट निकाल दिया जाए तो आपका एशिया अफ्रीका महाद्वीप का क्या निकल आएगा कुल क्षेत्रफल निकल आएगा ठीक है तो फिर से यह महाद्वीप यह महाद्वीप कुल पृथ्वी के स्थलीय भाग का बीस भाग में फैला हुआ है इस महाद्वीप के उत्तर की बात अगर कर ली जाए तो उत्तर में आपका भूमध्य सागर ठीक उत्तर में आपका भूमध्य सागर उत्तर पूर्व में सूएज नहर यहां पर नहर तथा लाल सागर ठीक है इसके बाद सिनाई प्रायद्वीप यहीं क्षेत्र पर सिनाई सिनाई प्रायद्वीप इसके बाद दक्षिण पूर्व की अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व में आपका हिंद महासागर ठीक है पश्चिम की अगर बात की जा जाए तो दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर आइए मैं जूम कर देता हूं उत्तर की मैंने क्या बात बताई उत्तर में आपका भूमध्य सागर उत्तर पूर्व की बात की जाए सुज की खाड़ी सुयज नहर और लाल सागर ठीक है आपका ये है आपका ये है, हिंद महासागर ठीक है हिंद महासागर आपका दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में है ठीक है और ये है आपका पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक महासागर चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कुल चौवन देश हैं एशिया में कितने थे अड़तालीस थे फिलिस्तीन को मिलाकर उनचास थे एस, आपका इसमें कितने हैं कुल चौवन देश हैं चलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का देश कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत कम वर्षा होती है इसलिए बहुत सारे पठार पाए जाते हैं ठीक है सभी महाद्वीपों में से अफ्रीका सबसे गर्म महाद्वीप यानी कि कुल सात महाद्वीप हैं उन सभी सातों महाद्वीप में से अफ्रीका का जो तापमान है वह सबसे अधिक रहता है यह है अकेला और इकलौता महाद्वीप है, है जिसमें आपकी कर्क रेखा मकर रेखा और विश्वत रेखा एक साथ गुजरती है मतलब एक साथ नहीं अलग अलग क्षेत्रों से गुजरती है तो आइए मैं यहां पर दिखा देता हूं मैंने क्या बताया ये मान लीजिए एशिया महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप से साढ़े तेईस उत्तरी अक्षांश वाला कर्क रेखा जीरो डिग्री आचांश वाला आपका विश्व मक... रेखा और साढ़े तेईस दक्षिणी यानी कि मकर रेखा आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन सा जो न... वो रेखा है गुजर रही है तो भूमध्य रेखा की बात में भूमध्य रेखा यानी कि आपका जीरो डिग्री आक्षांश की अगर बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्रों से गुजर रही है आपका जीरो डिग्री आक्षांश आपका ठीक ये इस तरह से इस तरह से कौन कौन से देश है आइए देखते हैं गेवन यहां पर गेवन देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कांगो तीसरे नंबर पर कांगो प्रजातांत्रिक गणराज जिसको हम जायरे भी कहते हैं इसके बाद यहां पर है ओ युगांडा। ये इसके बाद है केन्या या केन्या इसके बाद है सोमालिया मैं झूम करके दिखा देता हूं यहां पर आपको दिख दिख रहा होगा इसकी आ, लिब्रे बिल्ले इसकी राजधानी है लिब्रे बिल्ले गेवन की राजधानी है कांगो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कांगो ब्रिज बिल्ले जो भी है ब्रिज बिल्ले और बिल्ले इसकी राजधानी कांगो की कांगो गढ़राज जो कि जायरे के नाम से भी जाना जाता था इससे भी आपका जीरो डिग्री आचान जाता है जिसकी राजधानी है किन्सासा युगांडा की अगर बात की जाए तो युगांडा की यहां पर राजधानी जो है उसको हम कहते हैं कंपाला ठीक है कंपाला युगांडा से आपका जीरो डिग्री अचानक जाता है केन्या की अगर बात की जाए केन्या कीनिया की बात की जाए तो नेरो ने भी आपकी राजधानी है सोमालिया की बात की जाए तो सोमालिया यहां पर सोमालिया इसकी अफ्रीका में एक देश है, अफ्रीका वाला है तो सोमालिया से भी जीरो डिग्री गुजरता है, रेखा, इन से गुजरती है। की जो राजधानी है वो है मोगा चलिए कर्क रेखा या फिर साढ़े तेईस उत्तरी अक्षांश के बारे में हम हल्की से बात कर लेते हैं कौन कौन से देशों से जाती है अफ्रीका के तो आइए देख लेते हैं पहले ये आपका पश्चिमी सहारा ठीक है मोरिटानिया माली से भी जाती है अल्जीरिया से भी जाती है नाइजर से भी जाती है लीबिया से भी जाती है मिस्र से भी जाती है चाड़ से भी जाती है ध्यान रखें सूडान से नहीं जाती है ठीक ये सूडान से नहीं है यहाँ पर मुझे दिख रहा है चाड़ तो हल्का सा टच कर रहा है चलिए इन क्षेत्रों से जाती है और देख लेते हैं और ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि क्या सूडान से कर्क रेखा जाती है क्या दक्षिणी सूडान से कर्क रेखा जाती है नहीं इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं चलिए देख लेते हैं ये आपका पश्चिमी सारा ठीक पश्चिमी सहारा की अगर बात की जाए इस राजधानी की तो लाइले है ठीक और मोरिटानिया की राजधानी अगर बात की जाए तो दुआक शॉर्ट ऐसी कुछ लिखा है इसमें माली की अगर बात की जाए तो माली की जो है बामाको राजधानी है माली जा, माली से जाती है अल्जीरिया की अगर बात की जाए तो अल्जीरिया से भी जाती है अल्जीरिया की अल्जेरियस राजधानी है ठीक है इसके बाद नाइजर यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी टच करती है नाइजर से करके रेखा जो है हल्की सी तो नाइजर की जो राजधानी है वो न्यामे है इसके बाद लीबिया की लीबिया से भी आपकी कर्क रेखा जाती है लीबिया की जो राजधानी है उसको हम कहते हैं ट्रिमपोली ट्रिपोली ट्रिपोली ठीक इसके बाद मिस्र से भी जाती है कर्क रेखा मिस्र से भी कर्क रेखा जाती है सूडान से नहीं जाती है मिस्र की आप लोगों को पता ही राजधानी काहिरा है ठीक का है, है चलिए इसके बाद बात करते हैं मकर रेखा मकर रेखा आपका है साढ़े तेईस दक्षिणी आछंद तो आइए देखते हैं साढ़े तेईस दक्षिणी आछंद किन किन क्षेत्रों से जाता है सबसे पहले आता है नामीबिया पहले मैं इसकी साढ़े तेईस दक्षिणी आछंद बना दूं सबसे पहले नामीबिया बोध ठीक इसके बाद है आपका मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका ठीक है समझ आ गया यहां पर मेडागास्कर चलिए मैं जूम कर देता हूं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा नामीबिया की राजधानी भी यहां पर बताता जाऊंगा नामीबिया से जाती है बिधोंग राजधानी है इसकी किसकी नामीबिया की बोध से भी जाता है बोसबाना की जो राजधानी है गेबो रॉन है इसकी दक्षिण अफ्रीका क्या की दो राजधानी है प्रिटोरिया वैसे तो तीन राजधानी बताई जाती है तो उसके बारे में यहाँ पर सिर्फ अभी देख लो प्री टोरिया इसकी राजधानी है किसकी दक्षिण अफ्रीका में से भी जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह है उसको कहते हैं मोजाम्बिक हजारे से नहीं जाती है ध्यान रहे जिम्बाबे से नहीं जाती है, जिसकी राजधानी हजारे है ध्यान रहे ठीक है मोजाम्बिक की राजधानी की अगर बात की ली जाए तो केरली माने मोजाम्बिक की राजधानी भी है मडागास्कर की अगर बात की जाए तो अंता नाना इसकी राजधानी है ठीक है कौन कौन से क्षेत्रों से जा रही है आपके नामीबिया दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक और मडागास्कर से होकर जाती है कौन मकर रेखा? चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका से समझते हैं अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि से यूरोप से अलग होता अब है अब जिब्राल्टर जल संधि कहां है जूम करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर यह है जिब्राल्टर जल संधि यह है उ... स्पेन आपका यूरोप यूरोप का एक देश स्पेन और यहां पर एक देश पड़ता है इसको कहते हैं मोरक्को मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है ठीक तो इसका जो नाम रखा गया था यानी कि अफ्रीका जो नाम रखा गया था इसका नाम अफ्रीका की एक बौर्ग जनजाति थी जिसका नाम था फरीदी ठीक है तो फरीदी के नाम पर रखा गया था अफ्रीका का दो तिहाई भाग उत्तरी गोलार्ध में एक तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ठीक है समझ में आ गया यानी कि अफ्रीका का एक तिहाई भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध में और दो तिहाई भाग किस में है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ठीक अफ्रीका के उत्तर में एटलस पर्वत ठीक उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत दक्षिण में आपका ड्रांकेश वर्ग पर्वत है मैं जूम करके दिखा देता हूं यहां पर उत्तर में यहां पर देख सकते हैं ये एटलस पर्वत ठीक एटलस पर्वत यहां पर है और दक्षिण में आप देख सकते हैं यहां पर ड्रांकेश वर्ग पर्वत ठीक चलिए अफ्रीका के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात की जाए तो अफ्रीका के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो, जो है वो है किली जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है ठीक है एटलस की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो तुबाकल तुबाकलो में आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर यह है आप लोगों को दिख रही होगी चोटी इसको हम कहते हैं तुबाकल ठीक है क्या कहते हैं तुबाकल चलिए अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल जिसका नाम है सहारा सहारा के रेगिस्तान में तिबेस्ती का पठार अहागर पर्वत तथा एयर पर्वत पाए जाते हैं मैं आप लोगों को एक-एक करके दिखा देता हूं अहाहर पठार एयर का पठार ठीक और यहां पर यह है तिलिस ति, इस पे तासली लिखा है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं तासली का पठार आ अद्रार पर्वत, ठीक? और एयर का पठार फिर से मैं बता दूं सहारा के रेगिस्तान में तिविस्ती का पठार आहार का पर्वत तथा एयर पर्वत यहाँ पर प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं इसके बाद अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप स्वेर जल संधि के द्वारा स्वेज, स्वेज जल संधि के द्वारा एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है ठीक है ईसिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्ण घास के मैदान घास के मैदानों के बारे में डीप में नहीं जाऊंगा घास के मैदान में अलग से पढ़ाऊंगा अफ्रीका के मैंने क्या बताया अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान यानी कि जो गर्मी वाले यानी गर्मी क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम सवाना कहते हैं और जो ठंडे क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं उनको हम या शीतोष घास के मैदान अफ्रीका के वेट्स कहलाते हैं ठीक है समझ आ गया? क्षेत्र वाले वाले अफ्रीका में पाए जाने घास के मैदान सबाना और क्या कहलाते है? कहलाते हैं? हैं। चलिए अफ्रीका में सबसे अधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश है उसका अगर नाम की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं कोस्ट दे आइवरी कोस्ट दी आईवरी आइवरी कोस्ट तो मैं आप लोगों को जूम कर देता हूं यहां पर अफ्रीका महाद्वीप यहां पर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप तो ये आपका इस वैसे यहां पर है कोस्ट डे आइवरी यहां पर अगर देख सकते हैं कोस्ट डे आइवरी इसको हम क्या कहते हैं कोको का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश ठीक है विश्व का किस महाद्वीप में स्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है जिससे सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है बांधों के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगा ठीक है इसलिए आप कंफ्यूज न होना जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है जो जिससे सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है कहां पर महा अफ्रीका महाद्वीप अब जाम्बेजी नदी कहा है यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपकी जाम्बेजी नदी जाम्बेजी नदी के पास यहाँ पर एक बांध है यह है आपका करीवा बांध आप लोगों को शायद दिख रहा होगा अगर आप लोग मैप खुल के बैठेंगे तो आप मुझे बहुत खुशी होगी और आपको दिमाग में सीधा सीधा कनेक्ट होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं लुसाका है ना लुसाका लुसाका ठीक ये दक्षिण पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर करीवा बांध दिख जाएगा चलिए अपने पूर्वज देख लेते हैं अपने रिश्तेदार देख लेते हैं चलिए समझते हैं मनुष्य यानी कि इंसान जो था इंसान या कहें मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से यू ही मानी जाती है अफ्रीका में जैतून का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं ट्यूनिशिया ट्यूनियस ट्यूनिशिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो ट्यूनिस है ठीक चलिए अफ्रीका में जैतून का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा बताया मैंने ट्यूनिश अब जैतून को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल ओल। ठीक चलिए कसावा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है हम इसको क्या कह देते हैं हैं जायरे देश भी हमको इसको कहते क्योंकि कांगो अलग है और यहां पर ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य अलग है ठीक है चलिए तो कसावा का कसावा क्या होता है उसको हम आगे बात करेंगे कसावा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्या कौन सा देश है जायरे तथा कांगो ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं नाइजीरिया मैं जूम कर देता हूं ये ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जिसकी राजधानी मैंने क्या किंसासा जायरे इसको हम कह देते हैं नाइजीरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह है नाइजीरिया ठीक चलिए तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्या करता है नाइजीरिया आपका का चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं यहां पर एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं कीनिया ये है आपका यहाँ पर यह है ठीक केन्या कीनिया ठीक है इसके बाद जूम कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से आप अपने मैप में लगा सकते हैं ठीक ठीक है चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश मैंने क्या बताया तो अफ्रीका में सबसे अधिक बोआक्साइड का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं विश्व की नहीं कर रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप की यहां पर एक नुन्ना सा देश है इसको हम कहते हैं गिनी अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले अफ्रीका क्या है नंबर वन का है ठीक है अफ्रीका में नंबर वन है और विश्व में दूसरे नंबर पर अफ्रीका का जो घाना देश है उसको हम गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं फिर से बता देता हूं अफ्रीका का जो घाना नामक देश है मैं जूम कर देता हूं जिसको हम क्या कहते हैं गोल्ड कोस्ट कोस्ट मतलब कोस्ट जिसको हम तट तो, ठीक है इसकी राजधानी की बात बात की जाए घाना की तो अक्रा है आकरा या अक्रा ठीक चलिए अफ्रीका का घाना जो किसके नाम से जाना जाता है गोल्ड कोस्ट के चलिए कांगो देश को बनोका देश कहा जाता है भैया कांगो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज के बारे में बात नहीं हो रही इसके बारे में नहीं इसको कांगो जो है इसको क्या कहते हैं बनों का देश कहते हैं अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हॉर्न में या कहें हॉर्न 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 ऑफ मतलब बजाने वाला नहीं सीघ वाला हॉर्न तो अफ्रीका के हॉर्न में या कहें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देशों की संख्या जो है वह चार है कौन कौन से हैं आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर चार देश दिखेंगे आपको आपका ये है आपका इरिट्रिया इरिट्रिया जिसकी राजधानी अरवारा इथियोपिया आदिस अबाबा इथियोपिया की सोमालिया की बात की जाए तो मोगा ठीक है तो एक दो तीन चार और एक छोटा सा नुन्ना सा देश है जिसको हम कहते हैं जीबूती जीबूती की राजधानी क्या है जीबूती तो इरिट्रिया जीबूती सोमालिया और इथियोपिया ये चार देश हैं किसमें शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ठीक है तो यहां पर मैंने बताया था कि कसावा क्या होता है कसावा जिस तरह सकरगंध होती है ना उसकी जड़ होती है खाई जाती है इसी तरह से यहां पर कसावा होता है कसावा का बनता है साबुदाना तो यहां पर मैंने लिखा है साबुदाना इज द वेज एज द मेड फ्रॉम द रूट लाइक स्वीट पोटैटो ठीक है साबुदाना इज मेड फ्रॉम द टैपोका टैपियोका तथा कसावा प्लांट्स ठीक है तो ये जो कसावा की ज, जो होता है ना जड़ वगैरह से बनते हैं आपके स्वीट तो जैसे हम सकरगंध कहते हैं उससे भी आपका साबुदाना वगैरह बनाया जाता है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया होती है तो कसाबा से खासकर बनता है चलिए सबसे बड़ा अफ्रीका का सबसे सबसे बड़ा आ, या कहें लंबा रेल मार्ग की की बात जाए तो केप काहरा, रेल मार्ग है जो कि आपका अफ्रीका के केप के टाउन से मिस्र के काहरा तक जाता है मैं आप लोगों को ये दोनों चीजें दिखा देता हूं दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पर थी इसको हम कहते हैं केप टाउन और यहां पर ऊपर चलते चले मिस्र मिस्र में एक जगह पर थी उसको हम कहते हैं केप सॉरी क्या कहते हैं उसको मिस्र की राजधानी काहरा तो भाई जूम कर देता हूँ मैं ये अफ्रीका का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केप टाउन और ये इस तरह से अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका देश में होते हुए बोज नामी जाम्बिया उसके बाद कांगो कटराज उसके बाद दक्षिणी सूडान फिर सूडान फिर मिस्र में कारा तक जाता है चूंकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ठीक है कालाहारी की अगर बात की जाए तो कालाहारी जनजातियों के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा कंफ्यूज नहीं होना कि कम पढ़ाई मैंने कालाहारी क्षेत्र में बुस्मैन और कांगो क्षेत्र में पिग्मी तथा सहारा क्षेत्र में बंदू बद्दू नामक जनजातियां पाई जाती हैं मैं फिर से बता देता हूं बुस्मैन जो जनजाति है यह कालाहारी बुस्मैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है कालाहारी आप यहां पर देख सकते हैं कालाहारी जो बुस्माना वाला क्षेत्र है तो बुस्मैन कालाहारी वाले क्षेत्र में पाई जाती है कांगो क्षेत्र में कांगो कौन सा कांगो बेसन वाला क्षेत्र कांगो में पिग्मी नामक जो जनजाति है वो पाई जाती है और सहारा क्षेत्र में सहारा क्षेत्र ये है आपका सहारा क्षेत्र में बद्दू जनजाति पाई जाती है यहाँ यहाँ पर निवास करती है मिस्र में रहने वाले किसानों को फैल्लाह कहते हैं फैल ठीक है फैल्लाह कहते हैं ठीक है अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में अगर की बात की जाए तो स्थल अवरुद्ध देश सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी सूडान ठीक दूसरे नंबर पर आता है आपका माली आजा बेटा कहाँ है माली तीसरे नंबर पर आता है आपका चाड़ चौथे नंबर पर आता है आपका यहाँ पर युगांडा पांचवें नंबर आता है मालावी मालावी मैं भी ढूंढ दूंगा जूम करके बोस्त बना है आपका यहाँ ठीक है तो मालावी में आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर होना चाहिए ये आपका हल्का था एक जैसा मालावी चलिए तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को जूम करके देशों का जो स्थल अवरुद्ध देश है ध्यान रहे स्थल अवरुद्ध देश वो होते हैं जिनकी सीमा क्या हो रही होती है समुद्र से न लगती हो ठीक है तो आइए दिखा देता हूँ मैं स्थल अवरुद्ध देश माली के अगर देखता हूँ माली के जो प्रमुख देश हैं कौन कौन से देशों सीमा लगा रहा है अल्जीरिया से नाइजर से आपका घाना से कोस्ट दे आइवरी से और ध्यान रहे मैंने इससे पहले आप लोगों को गिनी बताया था ना गिनी यहाँ पर बताया था ना मैंने गिनी यहाँ पर लगा लेना मैंने ध्यान नहीं दिया था ये कलर लग गया था तो गिनी यहाँ पर कर लेना ठीक है तो गिनी से सीमा लगाता है और मोरिटानिया मौ, से इसके बाद नाइजर की बात की जाए तो अल्जीरिया लीबिया चार्ड नाइजीरिया और माली से सीमा लगाता है ठीक है इसके बाद चाट की बात की जाए जो कि चाट भी एक स्थल तरफ देता है सूडान से मध्य अफ्रीकन गणराज्य से आपका कैमरून से नाइजीरिया से और नाइजर से और लीबिया से इसके बाद दक्षिणी सूडान की बात की जाए यह भी एक इस तरफ से इथियोपिया से केन्या से युगांडा से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से मध्य अफ्रीकन गणराज्य से और सूडान से ठीक है इसके बाद युगांडा की बात की जाए तो केन्या से आपका यहाँ पर है तंजानिया से और कांगो गणराज्य से ठीक है और दक्षिणी सूडान से भी सीमा लगाता है यहाँ पर अगर बात की जाए तो मालावी से तो मालावी एक दो तीन चार देशों से घिरा हुआ है आपका तंजानिया से मोजाम्बिक से जिम्बाब्वे से और यहाँ पर है जाम्बिया से इसके बाद बोस्वाना की बात की जाए तो बोस्वाना आपका जिम्बाम्बे से आपका जाम्बिया से नामीबिया से और ठीक है और दक्षिण अफ्रीका से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं एक और स्थल अवरुद्ध देश है जो कि स्थल अवरुद्ध से भी खतरनाक देश है एक ऐसा देश है जो कि मान लीजिए ये मैंने बताया ये है दक्षिण अफ्रीका देश है ना इसके अंदर ही एक देश है मतलब चारों ओर से देश से घिरा हुआ है तो वो दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश ये भी स्थल अवरुद्ध देश ही कहेंगे इसे हम कहते हैं ले सेथो ले सेथो देश है ये दक्षिण अफ्रीका का ही है चार ओर से इससे गिरा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं अपने मैप में जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिएगा ले सेतु ठीक है इसके बाद बात करते हैं नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं भैया नाइजर नदी कहां है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यहीं पर एक नदी हो रही होगी नाइजर नदी अब नाइजर नदी कहां से आती है ये इस तरह से ये इस तरह से ठीक है ये इस तरह से यहां पर ये नाइजर नदी गिरती है ठीक है चलिए ये नाइजर नदी क्या कहते हैं पाम तेल की नदी मोरक्को ट्यूनिशिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बरावरी स्टेट कहा जाता है फिर से दिखा देता हूं मोरक्को मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनिशिया के जो उत्तरी भाग है इसको हम क्या कहते हैं बराबरी स्टेट कहते हैं चलिए तो अफ्रीका के भूमधरेखी झील तंत्र में शामिल झीलों के बारे में देखते हैं भूमधरेखी मतलब जीरो डिग्री आचान से यानी कि विश्वत रेखा पर कुछ प्रमुख झीलें हैं उनको हम देखते हैं ये आपकी विश्वत रेखा तो आइए देख लेते हैं इनमें कुछ झीलें हैं जिसमें हम आपको देखते हैं टोकारना एलवर्ड टांगनिका और न्यासा आइए दिखा देता हूँ मैं सबको यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यासा झील ये आपका यहाँ पर ठीक है न्यासा झील यहां पर आप देख सकते हैं टाइंगा नायका जिसको हम टांगा निका कह देते हैं इसके बाद यहां पर देख सकते हैं एल्वर्ट झील ठीक ये और ये है झील तो तीन चार और भी कई सारी झील है इसमें ये प्रमुख है टोकारना एल्वर्ट झील ठीक और ये आपका विक्टोरिया झील टेंगा नायिका झील और यहाँ पर है न्यासा झील ये आपकी भूमध्य रेखीय झील तंत्र में झील तंत्र का भाग है ठीक है इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका में पाए जाने वाले पशु पक्षी जो हैं कुछ उनको देख लेते हैं सबसे पहला जो है आपका गोरिल्ला ठीक जिराफ चिंपांजी जिराफ ठीक है वो जैबरा और ये है ठीक है तो जैबरा जिराफ शतुरमुर्ग गुरिला और चिंपांजी अफ्रीका में पाई जाने वाली घास इस पार्टो एस पार्टो से कागज बनाया जाता है कौन सी एस पार्टो घास से कागज बनाया जाता है कहां पर पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर आशा अंतरीप कहलाता है यानी केप ऑफ गुड होप कहलाता है ये केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप कहलाता है ठीक है लेसोतो देश दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है जिसकी राजधानी मासेरू है वो मासेरू वाला मासेरू नहीं ये मोसेरू ठीक मौसेरा भाई होता है ना उसी तरह से मोसेरू देश है इसका कैसे मोसेरू इसका नाम क्यों रखा गया है क्योंकि ये मौसेरा ही भाई है अफ्रीका का कैसे ये अफ्रीका महादीप सॉरी ये अफ्रीका महाद्वीप है मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है उसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में एक अंदर ही एक देश घुसा हुआ है अंदर ही पेट के अंदर पेट ये कहते हैं ना पेट के अंदर पेट है ये ठीक तो ये अंदर है जिसको हम क्या कहते हैं ले राजधानी क्या है मोसेरो क्यों मोसेरो क्यों है क्योंकि ये मोसेरा भाई है किसका दक्षिण अफ्रीका का चलिए दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अगर बात की जाए तो नाइजीरिया है मैं जूम कर देता हूं यह है नाइजीरिया नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अलहे अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है इसकी राज, इसकी बारे में अगर बात की जाए सबसे छोटा देश की अगर बात की जाए तो सेशेल्स सबसे छोटा देश है भैया सेशेल्स कहाँ हैं मैं आपको जूब करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एक दिखेगा विक्टोरिया सेशेल्स ठीक है एक द्वीप है जो कि एक देश के रूप में है तो ये सबसे छोटा देश है ठीक नाइजीरिया को तेल का देश भी कहते हैं मैंने कह है, पाम तेल पाम आ, ऑयल या कहें तेल ताड़ का देश भी कहते हैं ठीक है लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं द्वीप तथा जंजीवार आइए मैं जूम करके दिखा देता हूं यह हिंद महासागर हिंद महासागर में यहां पर आप देख सकते हैं पेम्बा तंजानिया इसके ठीक पूर्व में पेम्बा और जंजीवार ये आपके लौंग का उत्पादन करने वाले देश हैं ठीक है क्षेत्र है विश्व में सबसे अधिक नगर के उत्तरी तट पर सोएज नगर के भूमध सागरी तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह तथा लाल सागरी तट पर सुएज बंदरगाह है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ सबसे पहले ये भूमध सागरी क्षेत्र तो यहाँ पर पोर्ट सईद है और लाल सागर वाले क्षेत्र में पोर्ट आपका सुएज बंदरगाह है यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट सईद और ये आपका पोर्ट ये जूम ये ये, ये कहाँ पर है भूमध सागरी क्षेत्र में चलिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के बारे में अगर बात की जाए तो वो है स्वाहिल ए, स्वाहिली ठीक है तो ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में <coughs> सॉरी नॉर्थ अमेरिका चलिए समझते हैं उतनी ही जितनी की जितनी की जरूरत है तो एक सेकंड कलर थोड़ा कर दूं चेंज इसका मैं कलर कर दूं आपका फेवरेट सॉरी मेरा फेवरेट है चलिए समझते हैं सबसे पहले इसका छोटा छोटा फैक्ट समझते हैं सर्वोच्चतम बिंदु यानी कि सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पर्वत का जो शिखर है उसको देखते हैं तो माउंट मै किनले ठीक किन है कहाँ पर है माउंट मै ये आप देख सकते हैं अलास्का पर्वत श्रेणी है अलास्का पर्वत श्रेणी पर यहीं पर एक है माउंट मै ठीक है चलिए निम्नतम बिंदु की बात अगर की जाए तो एक जगह पड़ती है मृत्यु की घाटी इसको हम डेथ वैली भी कहते हैं डेथ वैली कहाँ पर स्थित है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका ग्रैंड कैनियन के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत घाटी अगर आप मैप लेकर बैठेंगे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लग आपको लगता है कि दुनिया में बेस्ट से बेस्ट पढ़ना है तो आप एक मैप भी साथ रखें क्योंकि इससे बेस्ट में मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं मिलना नहीं है कि देखो तो इस, इसकी एक लंबी कहानी सुनाऊँगा कि इससे बेस्ट क्यों नहीं हो सकता उसका कार्ड मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये मैंने ना आपके लिए बनाया है ना मैंने मैंने अपने लिए बनाया है ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया है जो कि मुझे अपनी जान से प्यारा है तो उन उनके लिए बनाया है ये वीडियो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसमें बेचते बेच दूंगा क्या है इस वीडियो की कहानी मैं किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा तो इसलिए आप एक मैप लें और उस मैप को जब जो मैंने बोला मैप में आप अगर देख लेंगे तो आप जब आंखें बंद करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करने के बाद उस मैप पे उंगली रखेंगे तो आप अपने आप देख जाएगा क्योंकि हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ जब शुरुआत में मैप देखा जाता है तो आप कभी भी उस पर कलाकृति ना करें क्या आप उस पर कभी भी ना रेड पेन चलाएं ना ब्लू पेन चलाएं न व्हाइट न चलाएँ कम से कम तीन चार बार मैप देखने के बाद जब आपको दिमाग में आ जाए क्योंकि अगर आप मैप लगा देंगे ना मतलब आपने वाइटनर चला दिया मान वो वाइटनर नहीं आपने यहाँ पर जैसे हाइलाइटर चला दिया तो आपको क्या है कि पता चले गया कि हाइलाइटर से हम वहाँ देख लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आप तीन चार बार जब ढूंढें तो बिना हाइलाइटर के ढूंढें उससे क्या रहेगा कि आपको आइडिया लगने लगेगा क्योंकि जब आइडिया लगने लगेगा ना फिर जब दो चार बार के बाद हाइलाइटर हाई लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बिना हाइलाइटर के इससे क्या रहता है कि एक आइडिया लगता है जैसे कि आपने कभी कीबोर्ड पे बटन देखे कभी आपने देखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ई के हिसाब से नहीं होते हैं बल्कि कभी ए होता है फिर क्यू एस होता है फिर डी होता है एफ होता है जी ए होता है एच एच होता है तो इस तरह से वो क्यूवर में जिस तरह से होता है ना तो आपको आइडिया नहीं है मतलब ये देख के नहीं करना है कि आपको ए के बाद बी ढूंढना है आप अपने आप एकदम ऐसे उंगली चला रहे होंगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है क्या आप वहाँ पर वाइटनर लगाते हैं आप सब कहें कि ए ए फॉर एप्पल फिर बी ऐसे करते हैं ऐसे यहाँ पर होता है आप वाइटनर नहीं चलाएँ केवल वहाँ देखें जब आप दोबारा देखेंगे तो अगर आपको याद होगा तो आपको वाइटनर की जरूरत है या फिर हाईलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ देखने आपको अपने आप आ जाएगा क्योंकि मैं कोशिश करता ना कि मैंने मैं मैंने मैप तो मैप में जैसे जैसे लगा रखा है मुझसे किसी ने पूछा कि वो कहां पर है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में है मैं कहूंगा इस जगह मैंने देखा ये उंगली रख दूंगा मैं उंगली रख दूंगा अगर नहीं याद आ रहा है कि उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका में बस मैं उंगली घुमाऊंगा इस तरह से और वो उसी जगह पहुंच जाएगी जिस जगह वो है क्यों मैंने वहाँ पर देखा था अब हाईलाइटर चला देंगे तो सब जगह हाईलाइटर या हाईलाइटर दिखेंगे हमें बिना हाईलाइटर के देखना है फिर जब मन है दो चार बार के बाद जब हम उसे मैप को देख लेंगे फिर हाईलाइटर चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन शुरुआत में ना चलाएं चलिए तो आगे चलते हैं टॉपिक में इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की अगर बात की जाए तो कनाडा है ठीक है और ताज़ा पानी की बिज की सबसे बड़ी झील और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है सुपीरियर झील में आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपकी ग्रेट लेक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देख सकते सुपीरियर यहाँ पर मिशीगन यहाँ पर है यूरन यहाँ पर है ईरी यहाँ पर है ऑन्टेरियो तो कौन सी मैंने बताया बिजकी सबसे मीठे पानी की मीठे पानी की मतलब पीने योग्य पानी की तो वो है आपकी सुपीरियर इसके बाद महान झीलों का महाद्वीप या कहीं ग्रेट लेक्स वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है आपका उत्तरी अमेरिका उनमें कौन कौन सी झीलें आती हैं आपकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई सुपीरियर झील मिशीगन झील यूरन झील इरी झील और ऑन्टेरियो में फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका उत्तरी अमेरिका और कैनेडा उत्तरी अमेरिका का जो देश है यूएसए और कैनेडा के सीमा पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका है, यहाँ पर है सुपीरियर मिशीगन आपका यूरन इरी और ऑंटोरियो अगर पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो आपको भी आइडिया होनी चाहिए किस तरह से मैप में दिया गया ठीक है इसके बाद बात करते हैं उत्तरी है अमेरिका के बारे में सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान सबसे गर्म की बात की जाए तो मौत की घाटी यानी कि डेथ वैली में कितना है वो सेवन फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस गर्म स्थान की बात की जाए तो योलो यो, योलो स्टोन येलो स्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल नामक विश्व का सबसे बड़ा कीचर इसी क्षेत्र में अभी ये ओल्ड सॉरी येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर आइए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान यहां पर देख सकते हैं प्रेरी का जो मैदान है ठीक ऊपर ठीक है वृद्ध मैदान है उसमें ठीक है आपका जो रॉकी पर्वत है इसके पूर्व में ठीक चलिए बिश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात की जाए तो आपका विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका जो है उसको कहते हैं न्यूयॉर्क ठीक है इसका सबसे बड़ा बंदरगा न्यूयॉर्क में है इसका सबसे व्यस्तम तो हवाई अड्डा है वो भी आपका न्यूयॉर्क सिटी का ही है ठीक है कैनेडी हवाई कैनेडी एयरपोर्ट या हवाई अड्डा इसका सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात की जाए इसका सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ठीक तो शिकागो यूएसए में है यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग क्षेत्र कौन सा है हॉलीवुड जिसको हम लॉस एंजल्स में है ये आपका यूएसए में ही है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका है यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित जैसे यानी कि आपको इस तरह से मैं दिखा दूं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी में ये आपका एशिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है ठीक है एशिया है ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर अगर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका वो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर यूरोप देख लेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यह आपका दक्षिणी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका जो है वो आपका पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ठीक है यह एशिया अफ्रीका यूरोप दक्षिण अमेरिका के बाद पांचवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यानी कि इस सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश एशिया दूसरे नंबर पर अफ्रीका तीसरे नंबर पर यूरोप चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और पांचवें नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका आता है ठीक है इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है इसलिए सबसे समृद्धशाली महाद्वीप कहा जाता है इसको नई दुनिया भी कहा जाता है इसके उत्तर में यानी कि आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर यहां पर आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर ठीक है इसके पूर्व में अट्ठा अटलांटिक महासागर पश्चिम तथा दक्षिण में पश्चिम और पश्चिम में आपका पश्चिम तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दिखा देता हूं उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर और प, पश्चिम तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर इसके स्थित इस है ठीक है आपका जो उत्तरी अमेरिका है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में ही एक महाद्वीप है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका तथा कैरिबियाई सागरीय क्षेत्र में कुल 23 देश हैं यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और ये मध्य अमेरिका को मिलाकर यहाँ पर कुल कितने देश हैं ये वाला जो क्षेत्र ये इस तरह से ये वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ठीक कितने देश हैं इसमें कुल तेईस देश हैं चलिए आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक दीप स्थित है यानी कि जो आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके दक्षिण में एक सागर देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरवियाई सागर ठीक है तो इसके दक्षिण में अनेक दीप हैं ठीक है जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में कैरबियाई सागर स्थित है जो कि मैंने आप लोगों को भी सागर स्थित है कैरबियाई सागर में या कैरबियन सागर में कई सारे द्वीप मौजूद हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पश्चिमी द्वीप या बेस्ट इंडीज कहते हैं समझ में आ गया बेस्ट इंडीज कहते हैं वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है बल्कि क्या कहते हैं इसको सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज कहते हैं जिसमें आपका क्यूबा डोमिनियन गणराज या डोमिनियन रिपब्लिक जेमैका ग्रेन, ग्रेनाडा ट्रेनाड टोबैको ठीक है बारबादोस बहामास और प्रोटोरिका ठीक है चलिए तो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर मैंने बताया ये है कैरिबियाई क्षेत्र कैरिबियाई क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कुछ द्वीप पाए जाते हैं जिनको सम्मिलित रूप से बेस्ट इंडीज कह देते हैं क्या कह देते हैं बेस्ट इंडीज कह देते हैं ठीक है आइए देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं क्यूबा यहां पर है बहामास यहां पर है जमैका यहां पर है हैथी यहां पर है डोमिनियन रिपब्लिक यहां पर है प्यूर्टो प्यूर्टो रिको ठीक है यहां पर है साडुआ सानजुआन यहां पर है बरमूडा ठीक है यहां पर है ग्रेनाडा यहां पर है तिरिनाड और टोवेको सही है चलिए इसके बाद मध्य अमेरिका के कुछ प्रमुख देश हैं मध्य अमेरिका के देश भी देख लेते हैं जिसमें आपका ग्वाटेमाला वेलीज एल सलवाडोर होंडोरास निकारागुआ गुआ कोस्टारिका पाना आइए दिखा देता हूं मैं ये भी मैप में मैंने क्या क्या बताया ग्वाटे यहाँ पर है ग्वाटेमाला ठीक यहाँ पर है ग्वाटेमाला एल एलसलवाडोर वेलीज हॉन्डूरास निकारागुआ गुआ कोस्टारिका पानमा ठीक है यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाए तो ग्वाटेमाला एल एलसलवाडोर ंडूरास निकारागुआ, हुआ और पनामा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी महाद्वीप में इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है स्थित है जिसको हम ग्रीनलैंड है? है रूप से आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके बीचों बीच से आपकी सौ डिग्री देशांतर गुजरती है किससे गुजरती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच से सौ डिग्री देशांतर गुजरती है यूएसए के दक्षिण पूर्वी भाग में चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं दक्षिण पूर्वी कौन सा है यह आपका मैं आपको पहले दिशा हल्का सा समझा देता हूं यह आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो उत्तर पूर्व ठीक दक्षिण तो कौन सी हो गई ये हो गई दक्षिण पूर्व ठीक है तो अब आपकी दक्षिण पूर्व अपने आप समझ में आ गया होगा ना ये है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर जो आने वाले चक्रवात हैं उनको हम क्या कहते हैं हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं जो कि बहुत भयंकर होते हैं बहुत प्रचंड गति से चलते हैं ठीक है सान फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट कहते हैं कहां पर गोल्डन गेट है आपका जो उत्तरी है मेरे का है उत्तरी अमेरिका का इसको हम हम यूएसए यूएसए कहते हैं हैं में पर आप देख सकते हैं फ्रांसिस को क्या बीच में है। आपको मैं दिखा दूं। ये है आपका ऑनटेरियो ऑनटोरियो और इंटोरियो और, और, और इरी जो झीलें हैं उनके बीच में आपका न्यागरा जलप्रपात स्थित है चलिए ये आपका न्यागरा जलप्रपात है आगे बात करते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको हम माउंट मैकिले कहते हैं जो कि अलास्का में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मैं दिखा देता हूं यह आपका पश्चिमी कार्डिलेरा लेरा पश्चिमी कार्डिलेरा जो है यह कहां पर स्थित है आपका अलास्का वाले क्षेत्र में अलास्का वाले क्षेत्र में इसी पर एक चोटी है उसको हम कहते हैं माउंट मैकिले है एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ठीक है तो सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक या कहें महान झील क्षेत्र से निकलकर उत्तरी क्षेत्र में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्तम अंतर जलमार्ग है इसके बारे में जब हम परिवहन पढ़ेंगे तो वहां पर जलमार्गों के बारे में पढ़ेंगे आपका समुद्री जलमार्ग अंतर स्त्रीय जलमार्ग और भी कई सारी चीजें पड़ेंगे तो आइए मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या बताया यहां से एक नदी निकलती है इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस लोरेंस यह आप यहां पर देख सकते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी है यहां पर ठीक है जो कि आपका उत्तरी अटलांटिक वाले क्षेत्र में पड़ता है तो ये है आपका ऑन्टोरियो वाला क्षेत्र ऑन्टोरियो वाले क्षेत्र यानी कि महान झील वाले क्षेत्र से ये सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये बहती 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 ये आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है जो कि अटलांटिक महासागर का ही भाग समझ में आ गया चलिए ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अंत पर्वतीय पठार है अब ग्रेट बेसिन पठार कहा है यह है आपका मैं आपको दिखा दू ग्रेट बेसिन पठार मैं आपको वेसिन पठारे है आपका रॉकी पर्वत रॉकी पर्वत का यह भाग है अंत पर्वतीय पठार यानी पर्वत के अंदर जो पठार होता है उसको अंत पर्वतीय पठार कहते हैं तो मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि मैंने बताया कि ग्रेट बेसिन जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अंत पर्वतीय पठार है इस इस महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान है उसका नाम है सेनोस ठीक है से, आ, सोनोस या सेनोस ठीक है जो कि आपका एरिजोना जो कि यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का ही राज्य है और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है एरिजोना कैलिफोर्निया और मेक्सिको में फैला हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम कहते हैं सेनोस ठीक इसके बाद यहाँ की यहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती बल्कि यहीं क्षेत्र में ही विलीन हो जाती हैं। रेड इंडियंस तथा तो एक्सिमो जो थे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे एक्सिमो आप देख सकते हैं जो कि इग्लू नामक घर बनाते हैं या कहीं जो एक्सिमो जो जनजाति होती है वह बर्फ के घर बनाती है उसको हम इग्लू कहते हैं इग्लू कोई जनजाति नहीं है इतना ध्यान रखें इग्लू जनजाति नहीं है कंफ्यूजन पैदा न करें ठीक है चलिए मैंने क्या बताया रेड इनियस तथा अमेरिका के मूल्यवासी या उत्तरी अमेरिका के मूल्यवासी हैं एक्सिमो सर्दियों में बर्फ के घर जो है बना कर रहते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं ये यानी कि एक्सिमो जो जनजाति है वह है रेंडियर एक्सिमो जो है वह रेंडियर कुत्तों से गाड़ी खिंचवाते हैं ठीक है कुत्तों से गाड़ी हैं जो गाड़ी होती है उससे स्लेज कहते हैं ठीक है इनका जो हथियार होता है जो एक्सिमो लोग होते हैं इनका हथियार हारफून कहला जाता है ठीक है ये हारफून देख सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही इस महाद्वीप की प्रमुख फसलें जो हैं इस उसमें सबसे प्रमुख है आपकी गेहूं प्रेरी का मैदान आप लोगों को बता दूं यहां पर जो प्रेरी का मैदान है उसमें प्रेरी का मैदान में गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर गेहूं की मंडी है प्रसिद्ध विनीपेक कहाँ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं विनीपेक आपका यहाँ पर यह कनाडा कनाडा में एक जगह पड़ती है यहां पर आप देख सकते हैं विनी ठीक है दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ आजा बेटा साफ हो जा मर जाता है कभी कभी हाँ, यह बिनी पेक ठीक है जो कि आपका कनाडा में एक जगह है तो बिनीपेक गेहूं की प्रसिद्ध मंडी है मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा इसी महाद्वीप में होता है यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है भैया सेंट लुइस कहाँ है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं सेंट लुई यह आपका मेक्सिको का ठीक है मेक्सिको में आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है इसको हम कहते हैं मेक्सिको मेक्सिको में यहां पर देख सकते हैं सेंटली यहां पर प्रमुख मक्का की मंडी है ठीक है मिसिसिपी ड्रोड़ी का दक्षिणी भाग कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है अब भैया मिसिसिपी कहाँ है आपको ले चलता हूं उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का यह है आपका अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका में एक नदी बहती है इसको हम कहते हैं मिसिसिपी मिसिसिपी इस तरह से उत्तर से आती है और ये ये यहाँ तक नीचे ओहायो और मिसिसिपी में होती हुई थी यहाँ पर मिसिसिपी का लुसियाना के पास मिसिसिपी का मुहाना बनता है तो मिसिसिपी का मिसिसिपी का दक्षिणी भाग यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यह है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्यूबा यहीं पर बात करेंगे क्यूबा के बारे में ये है आपका कैरवियाई द्वीप इसको हम कहते हैं क्यूबा क्यूबा जो है क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक चीनी का उत्पादन होता है जब हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम गन्ने के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे गन्ने की जो फसल होती है क्योंकि गन्ने से चीनी बनाई जाती है गन्ने का कभी निर्यात वगैरह नहीं किया जाता क्योंकि उसके बारे में हम वही बात करेंगे तो गन्ने जो यहाँ पर क्यूबा है क्यूबा में जो निर्यात किया जाता है यानी बाहर जो इसका भेजा जाता है उसका 80 परसेंट सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही निर्यात होता है बाहर जो जो भी व्यापार होता है इनका विदेशी व्यापार उसमें चीनी का 80 परसेंट रोल होता है ठीक है चलिए केला उत्पादन करने के लिए जमायका आपका यहां पर प्रसिद्ध है ये यहां पर का देख सकते हैं जो कि कैरिबियाई एक द्वीप है ठीक है केला उत्पादन के लिए जमे विश्व में प्रसिद्ध है यूएसए के टुंडरा प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकुधारी वन यहाँ पर अब ये 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 वाला जो क्षेत्र है ये वाला ये वाला क्षेत्र आपका टुंडरा प्रदेश में आता है ठीक है महाद्वीप महाद्वीप सेल पर स्थित कुल कुछ प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं जैसे कि ग्रांड बैंक जॉर्ज बैंक न्यू बैंक तथा न्यू फॉकलैंड ठीक है जो कि मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैंने जब आप लोगों को महासागरी धाराएं बताई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर गर्म और ठंडी दो जल धाराएं मिलती हैं तो उन क्षेत्रों में क्या होता है मत्स्य क्षेत्र होता है का क्या मत्स्य क्षेत्र मतलब मछली पकड़ने का केंद्र बन जाता है ठीक है समझ में आ गया मछली पकड़ने केंद्र कौन सा बन जाता है जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं चलिए आगे बात करते हैं देखते हैं इसी महाद्वीप में यानी कि जो कनाडा है यहीं पर आपको मैं दिखाऊंगा तो कैनेडियन सीरीज में कैनेडियन शील्ड जो है शील्ड जो है विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता पा है कैनेडियन शील्ड कहां पर है यह आपका कैनेडा वाला देश कैनेडा में ये इस तरह से देख सकते हैं ये इसको हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड तो यह है खनिजों का प्रमुख भंडार पाया जाता है इसमें ठीक है कनाडा में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं क्या कहते हैं लंबर जैक कहते हैं यहीं पर यानी कि कनाडा महाद्वीप में ही सॉरी कनाडा जो देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसमें सॉरी इसमें एक द्वीप पाया जाता है इसमें एक द्वीप स्थित है ठीक है उसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं तो इसपे जो द्वीप है उसका नाम सॉरी पानी नहीं मैं मंगा लूंगा चलिए कोई बात नहीं तो एलिजाबेथ जो द्वीप है एल, एलिजाबेथ द्वीप जो है कनाडा तथा ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है यह इस द्वीप पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है ठीक है मैंने आप लोगों को बताया था उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव होता है तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कहां पर स्थित है यह है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह जो कि आपका कनाडा और डेनमार्क कनाडा और जो आपका ग्रीनलैंड है उसके बीच में स्थित है क्योंकि जो द्वीप है जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी जब घूमती है तो ये उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो हिस्सा होता है दक्षिणी ध्रुव वैसे तो जो जब घूमती है तो उस हिसाब से देखेंगे ध्रुव और यहां पर क्या होगा ध्रुव लेकिन, गरिफ, लेकिन रियल में जो है नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक पोल जो है वो उससे यहां पर है तो कहां पर पड़ेगा ये पड़ेगा एलिजाबेथ द्वीप समूह में ठीक है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यूएसए को यू की मेसावी बर, बर्मी नल प्रमुख लोहे की खाने जो कि सुपीरियर झील में स्थित हैं अब सुपीरियर झील मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर आपका सुपीरियर झील है जो कि कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है इसमें इस क्षेत्र में, इस में कुछ खाने हैं कौन कौन सी हैं आपकी मेसाबी तथा बर्मी लन बर्मी लन जो कि किसकी खाने हैं लोहे की प्रमुख खाने हैं इसके बात करते हैं सुपीरियर झील के किनारे स्थित दुलुत जो है इस्पात का प्रमुख केंद्र है अब दुलुत कहां है यहां पर आप देख सकते हैं ये है सुपीरियर यहीं यही पे यहां पर आप देख सकते हैं एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं दुलुत ठीक है तो दुलुत में मैंने क्या बताया सुपीरियर झील के किनारे स्थित दुलुत इस्पात का प्रमुख केंद्र है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अजायब घर हम कहते हैं अजायबघर किसको कहते हैं म्यूजियम ठीक है तो मैंने क्या बताया विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक जो अजायब घर है या कहें जो आपका म्यूजियम है वो न्यूयॉर्क सिटी में है न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है आपका अमेरिका में एक जगह पड़ती है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिटी है उसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी चलिए आगे बात करते हैं केप केप रेवल केप केप रेवल यूएसए का प्रमुख प्रक्षेपण भूपरे प्रक्षेपण केंद्र अब ये केप के पेवल कहाँ है ये आपका जगह है आपको इसको मैं बता दूं ये है आपका फ्लोरिडा फ्लोरिडा में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिडा नामक जो राज्य है यूएसए का यहीं पर स्थित है केप केनेवरल ठीक है के, केनेवरल नामक जगह है उसको हम वहाँ से क्या छोड़ा जाता है वो पृचेपड़ छोड़े जाते हैं इसके बाद बात करते हैं डच हार्वर डच हार्वर आपका वैसे इसमें नहीं है ना इसमें है मैंने यहाँ पर अलग से दे दिया है तो ये आपका अलास्का जो है अलास्का ये जो अलास्का वाला क्षेत्र यही है यहीं पर पड़ता है डच हार्वर ठीक तो यूएसए की यूएसए में स्थित डच हार्बर पर जो आपका जापान था जापान ने क्या कर दिया था नौसेना का जो स्टेशन था उस पर हमला कर दिया था किसने जापान ने 1942 में और इसके बदले में नागा सागी और हीरो पर अपना परमाणु बॉम्ब फेंक दिया था किसने अमेरिका ने कब क्यों फेंक दिया था क्योंकि जो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं अलास्का ये इसका राज्य है यूएसए का इसमें जगह पड़ती है डचारवर हार्वर जो कि आपका नौसेनक केंद्र था या स्टेशन था यहां पर जो आपका जापान था उसने क्या कर दिया था यहां पर हमला कर दिया था उसके बदले में अमेरिका ने बॉम्ब फेंक दिए थे चलिए आगे बात करते हैं यूएसए को यूएसए की जो रेड नदी है रेड नदी की घाटी रोटी का कटोरा कहलाती है अब मैं रेड नदी आप लोगों को दिखा दूं यह है आपका बृद मैदान यहीं पर आपकी एक नदी बहती है इसको हम कहते हैं रेड नदी ये आपको दिख रही होगी रेड नदी की जो घाटी है उसको हम रोटी का कटोरा कहते हैं ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो भी जानकारी थी चलिए आगे बात करते हैं चलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका चलिए देखते हैं इसके पहले प्रमुख वो समझते हैं हम छोटे छोड़ छोटे फैक्ट्स देख लेते हैं एक नज़र पहले उसके बाद फिर हल्की सी जानकारी लेंगे जितना जरूरी है उतना चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं सर्वोत्तम बिंदु यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट एंका कागुआ अब माउंट एंका कागुआ कहाँ का है आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका मैं पहले आप लोगों को नाम बता दूं ये पर्वत श्रेणी है इस तरह से उत्तर से दक्षिण फैली हुई है इसको हम कहते हैं एंडीज पर्वतमाला ठीक है तो एंडीज में एंडीज में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर ये है छोटी सबसे ऊंची आपकी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की इसको कहते हैं आंका कागुआ ठीक है क्या कहते हैं आंका कागुआ पर्वतों के बारे में पठारों के बारे में और मरुस्थलों के बारे में अलग से मैंने बता दिया तो यहां पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे ठीक है इसका निम्नतम बिंदु की बारे में बात की जाए उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के तो बाल प्रायदीप है कहां पर है वाल्डेस वालदीप में आपको उम्मीद है दिख जाए यहां पर वाल्डेस प्रायदीप जो है यहां पर वाल्डेज वाल्डेज है इसमें ठीक है वाल्डेस प्रायदीप जो है यहां पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु पाया जाता है यानी माइनस थर्टी नाइन मीटर समुद्र से तल से ठीक है भू प्रमुख भौगोलिक लक्षण की अगर बात की जाए तो एंडीज पर्वतमाला जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है विश्व की समझा गया एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे, की सबसे अधिक लंबी पर्वतमाला है हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला भी है यानी कि हिमालय प्रथम स्थान पर आता है और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका एंडीज पर्वतमाला आता है समझ आ गया चलिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी जो है यही इसी महाद्वीप पर है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी आपकी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है स्थित है जो कि किसकी राजधानी है बोलिविया नामक एक देश है यहीं पर इसी की राजधानी है लापाज लापाज है मैं इस यहाँ पर भी दिखा देता हूँ लापाज है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी ठीक किस देश की राजधानी है बोलेविया की समझ में आ गया चलिए बोलोबिया की बोलोबिया की संविधानिक राजधानी की अगर बात की जाए तो सोके है सोके सोके उठते ना वो वाला सोके है चलिए विश्व की सर्वोत्तम विश्व की सबसे उन्... सबसे सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है कोटोपैक्सी जो कि एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है कोटोपैक्सी कहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं क्यूटो क्यूटो आपकी किसकी राजधानी है क्यूटो जो है इक्वेडोर की राजधानी है इक्वेडोर में ही एक वो स्थित है उसको क्या बोलते हैं ज्वालामुखी स्थित है जो कि दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है चलिए आगे बात करते हैं स्थल अवरुद्ध देश के बारे में बात करें आपके दक्षिणी अमेरिका के तो दो प्रमुख स्थल अवरुद्ध देश हैं स्थल अवरुद्ध देश, देश वो होते हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती उनको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं यानी कि स्थल का अवरुद्ध यानी चारों ओर से स्थल से अवरुद्ध होना या घिरा होना ठीक है तो कौन कौन से देश हैं वो इसी महाद्वीप के तो आइए दिखा देता हूँ बोलोविया और पराग्वे ये आपका बोलोविया बोलोविया के दक्षिण में पराग्वे बोलोविया की अगर बात की जाए तो बोलोविया आपका ब्राजील पेरू परागवे आपका अर्जेंटीना और चिली नामक देशों से घिरा हुआ है या कहें इन देशों से यह सीमा बनाता है इसके बाद पराग्वे की बात की जाए तो आपका ब्राजील ब्राजील के बाद यहाँ पर देखते हैं तो आपका अर्जेंटीना और पोलिबिया से सीमा साझा करता है चलिए शुष्कतम क्षेत्र की अगर बात की जाए यानी कि सबसे शुष्क प्रदेश क्षेत्र की बात की जाए तो वो है आपका उत्तरी चिली में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं एरिका उत्तरी चिली कहाँ है यह है आपका चिली देश यानी कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश है पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल ये सटा था लंबा था अगर लंबे देश की बात की जाए तो उम्मीद है यही वाला लंबा निकलेगा चलिए तो देखते हैं इसको हम देखते हैं कहाँ पर है एरिका एक जगह पड़ती है यहीं पर यहाँ पर लिखा आरिका क्या है ये ये सबसे शुष्क वो शुष्क मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नमी बहुत कम हो तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे शुष्क शुष्कतम क्षेत्र अरिका या एरिका है ठीक उत्तरी चिली में ठीक है चलिए शुष्क क्षेत्र एरिका सबसे बड़ा नगर की बात की जाए आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तो वो है रियो डी जेनेरियो जो कि बहुत मन करता है मेरा यहाँ पर जाने का तो अभी नहीं फुर्सत में जाऊंगा अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ बहुत खूबसूरत शहर बताते हैं और बहुत मूवी वगैरह में देखा है तो प्यारा लगता है बताते हैं तो रियो डी जेनेरियो जो कि आपका ब्राज़ील ब्राज़ील नामक देश का का ही हिस्सा है है या भी सबसे बड़ा नगर है ठीक है विश्व का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात की बात की जाए तो उसे कहते हैं एंजेल जलप्रपात जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप वो सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का

ज्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर पश्चिम कौन सा ये वाला यहाँ पर आप देख सकते इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर उत्तर पूर्व में अटला उत्तर पूर्व पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व हो गया और उत्तर पूर्व तथा पूर्वी भाग में जो है वह क्या है अटलांटिक महासागर फिर से मैं बता दे रहा हूं यह उत्तर पूर्व और पूर्वी भाग में आपका अटलांटिक महासागर इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो उत्तर में इसका कैरवियाई सागर ठीक है फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि इसके उत्तर में आपका कैरवियाई सागर पूर्व और उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व की अगर बात की जाए तो आपका अटलांटिक महासागर ठीक है समझ में आ गया इसके दक्षिणी भाग की अगर बात की जाए तो दक्षिणी महासागर स्थित है यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिणी भाग में दक्षिणी महासागर इसका सीमा बनाता है ठीक है इस, इस महाद्वीप का सबसे इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी सिरा जो है आइए मैं जूम करके दिखाता हूं ये है सबसे दक्षिणी सिरा दक्षिणी सिरे को हम केप ऑफ हॉर्न कहते हैं केप ऑफ हॉर्न अंतरीप कहते हैं क्योंकि ये सबसे दक्षिणी सिरा है ठीक है इस महाद्वीप में कुल बारह देश हैं इस महाद्वीप का इस महाद्वीप का फॉकलैंड जो द्वीप है फॉकलैंड द्वीप है जो कि एक देश भी है यह इस पर यूके का अधिकार में जूम कर देता हूँ यहां पर देख सकते हैं फॉकलैंड द्वीप इस पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का अधिकार है और यहीं पर उत्तर में एक देश देखेंगे इसको हम कहते हैं गुआना इसको हम फ्रेंच गुआना भी कह देते हैं फ्रेंच गुआना पर आपका फ्रांस का अधिकार है ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस महाद्वीप का जो फॉकलैंड नामक देश है उस पर ब्रिटेन का अधिकार है जबकि जबकि इसी महाद्वीप का गाना नामक जो देश है उस पर फ्रेंच फ्रांस का अधिकार है जो कि इसी महाद्वीप का देश है किसका आपका दक्षिण अमेरिका का उसके बाद ही फ्रांस और दूसरा वाला ब्रिटेन का इन पर अधिकार है यह महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यानी कि एशिया अफ्रीका ठीक है एशिया अफ्रीका यूरोप और दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर आया पांचवें नंबर पर मैंने क्या बताया था उत्तरी अमेरिका है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही देखते हैं इस महाद्वीप के चिली पेरू बोलिबिया इक्वेडोर कोलंबिया को इंडियन देश कहते हैं फिर से मैं बोल देता हूं इस महाद्वीप के चिली पेरू बोलिबिया बोलिबिया है, है ये बोलबिया ये है आपका हाँ बोलिबिया और ये है आपका इक्वेडोर ठीक है और ये है आपका कोलंबिया मैं जूम कर देता हूँ मर क्यों रहा है ये बिना कहे आ जाना इधर हाँ मैं जूम कर रहा हूँ वो हाँ मैंने क्या बताया इस महाद्वीप के कोलंबिया इक्वेडोर पेरू और बोलविया और चिली को हम इंडियन देश कहते हैं इंडियन का मतलब यहाँ पर जो जनजाति है उसको हम कहते हैं रेड इंडियंस क्योंकि इस क्षेत्र में रेड इंडियंस नामक जनजाति निवास करती है जो कि दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी हैं हमेशा ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी कौन से है? आपके रेंड हैं आपके रेड इंडियंस हैं जिन्हें जिनके कुछ देश भी हैं जैसे चिली पेरू बोलिविया इक्विडोर और कोलंबिया को सम्मिलित रूप से या कहें इन देशों को हम इंडियन देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड इंडियंस की तादाद कुछ ज्यादा है अर्जेंटीना के पूर्व में शीतोष्ठ घात के मैदान पाए जाते हैं मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यह आपका अर्जेंटीना वाला भाग अर्जेंटीना के पूर्व में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम पंपास कहते हैं घास के मैदान जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर अलग से जानेंगे से में बता दे क्या कहते है? पंपास कहते हैं हैं कहां पर यह अर्जेंटीना अर्जेंटीना का पूर्व भाग और यह पश्चिम तो पूर्व में स्थित जो घास के मैदान है उनको हम पंपास कहते हैं अमेजन नदी बेसन में विश्वती वर्षा बनो को सेलवास कहते हैं आइए मैं दिखा देता हूं आपको यह है अमेजन नदी का तंत्र ठीक है जो कि दुनिया का सबसे अधिक ज्यादा क्षेत्र में सबसे अधिक या कहें सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ क्या है या कह अफवाह अफवाह की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ी नदी है लंबाई में तो आपकी नील है ही लेकिन अफवाह की दृष्टि से कौन सी सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी और दूसरे नंबर पर कौन सी है कांगो नदी जो कि अफ्रीका की है चलिए मैं कहा था और अ, मैंने बताया था अर्जेंटीना का चेको का मैदान कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मैं आपको कोशिश करता हूं अर्जेंटीना का यहां पर पड़ता है चेको का मैदान जो किसके लिए प्रसिद्ध है कपास के लिए प्रसिद्ध है? है ठीक है इसके बाद अमेजन नदी बेसन में विश्वती वर्षा बनो को सेलवास कहते हैं ये आपका अमेजन नदी का बेसन यहीं पर जो विश्वती वन है इनको हम क्या कहते हैं इनको हम सेलवास कहते हैं ठीक है लानोस से लानोस लानो घास लानो के मैदान है वो और नदी की द्रोणी तथा ग्वाना उच्च भूमि में पाए जाते हैं और नदी द्रोणी कहाँ है यहाँ पर ये यह नदी देख सकते हैं और ठीक है और निको ठीक है और यह है आपका गुआना उचुमी इस मैदान को क्या कहते हैं का भी के है जो कि शैलवास के दक्षिण में पाए जाते हैं यह शैलवास है? है सेलवास के दक्षिण की तरफ पाए जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कैंपोस कैटिगस ठीक है जो कि आपका यहां पर मैंने बताया था कि कैम्बोस कहलाते हैं क्या है ये, ये आपके उष्ण कटबंधी घास के मैदान है ठीक है सेवलवास के दक्षिण में, है? में। कहां है? विराजील, विराजील के है। हैं। पर है मध्य ब्राजील में ब्राजील है है ब्राज़ील ब्राज़ील के मध्य में स्थित हैं आगे बात अमेजन नदी कौन सी है आपकी नील नदी ठीक है पराना परागवे और उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के तंत्र को हम पिलाया कहते हैं फिर से बताते हुआ यहां पर मैंने क्या बताया परागवे और पराना नदियों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं इनके नदी तंत्र को क्या कहते हैं हम पिलाया कहते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है पिलाया कहते हैं ब्राजील कोलंबिया और इक्वाडोर में इक्वेडोर विश्व में कहवा उत्पादन के सबसे प्रमुख देश है फिर से मैं बता देता हूँ कि यहां पर मैंने क्या कौन कौन से देश बताए आपका इक्वेडोर कोलंबिया और ब्राजील जो देश हैं ये कहवा का बहुत बड़े स्तर पर क्या करते हैं आपका कहवा यानी कि कॉफी का उत्पादन करते हैं कॉफी के बारे में जब हम खेती या कहें जब हम कृषि के, तो के, के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ फसलों के बारे में पढ़ेंगे तब कॉफी के बारे में डिटेल से बात करेंगे इसके बाद बात करते हैं ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागों को फजेंडा कहते हैं जो कॉफी के बड़े बड़े बाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है फजेंडा कहा जाता है ठीक है साओ पालो की अगर बात की जाए तो बिस् की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है साओ पालो कहाँ है यहां पर आप लोगों को मैं दिखा दूँ ये है आपका साओ पालो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राजीलिया है ना ब्राजील ब्राजील में यहाँ पर है साओ पाउलो ठीक है किस किस देश में स्थित है साओ पालो ब्राजील में स्थित है ये क्या है सबसे बड़ी कहवा की या कॉफी की मंडी है ब्राजील का सेंटोज बंदरगाह जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ब्राजील में अब सेंटोज कहाँ है अब आ, आ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये साओ पाउलो है ना साओ पाउलो और यहाँ पर स्थित है तो सेंटोज तो सेंटोस का जो बंदरगा वह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दू ये इस तरह से आपका जो साओ पावलो है ना साओ पावलो मान लीजिए ये साओ पावलो है और ये सेंटो था। तो सेंटो से साओ पावलो से जो सेंटो से जो माल जाता है कॉफी वगैरह जाती है हैगा की तरफ तो इस मार्ग को हम कॉफी मार्ग या कॉफी रोड कहते हैं कहाँ पर स्थित है आपका ये भी ब्राजील में ही स्थित है चलिए इसके बाद बात करते हैं चिली का चुक्की कमाता चुक्की कमाटा क्षेत्र तांवा खनन, खनन के लिए प्रसिद्ध है चुक्की कमाटा कहाँ है यहाँ पर आप देख सकते हैं चुक्की माटा ठीक है चलिए ये इस तरह से यहां पर ठीक है जो कि मैंने यहां पर बना रखा है चुकी कमाटा ठीक है किसके लिए प्रसिद्ध है यह तावा खनन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है आगे बात करते हैं तांवाजेला है का उत्तर में बेनजेला है ठीक है तो बेनिज्वेला का मरकेबो झील क्षेत्र प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है ये मैं जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं मरकेबो झील यह यार की सिमेटो नामक क्षेत्र है यहीं पे पड़ती है मरकेबो झील कहां पर है बैनजा नामक देश में मरकेबो झील यहां पर आगे बढ़ेंगे तो मरकाइबो आपको एक वो भी मिल जाएगा यहां पर शहर भी है यहीं पर ठीक है मरकाइबो झील के नाम पर ही ठीक है तो ये मैंने क्या बताया ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये तेल उत्पादक क्षेत्र है आटा कामरुस्थल में नाइट्रेट का बहुत बड़ा भंडार मिलता है आटा कामा मरुस्थल कहां पर है आटा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली वाले क्षेत्र में यह आपका चिली वाला क्षेत्र इस तरह से तो आटा काम में, आटा काम में, क्या का बहुत बड़ा भंडार है क्योंकि का का मैंने, तो मैंने सात से आठ बुक पढ़ी उसमें किसी में एशिया दे रखा था एशिया था पांच में क्या था आपका दक्षिणी अमेरिका लिखा था और फिर ऑनलाइन चेक किया तो फिर आपका आपका दक्षिणी अमेरिका ही निकला चलिए आगे बात करते हैं इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील तथा सबसे छोटा देश जो है फॉकलैंड है फिर से बता देता हूं इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है जिस पर किसका कब्जा है या किसका अधिकार है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का कब्जा है ठीक चलिए आगे बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल तो नहीं इस महाद्वीप का सबसे ठंडा मरुस्थल है जबकि इस महाद्वीप का सबसे लंबा मरुस्थल की बात की जाए ठीक है लंबा लंबा मरुस्थल मरुस्थल की की बात की जाए तथा तो शुष्क तो वह आटा आइए मैं आप लोगों को दिखा दूं मैंने बताया इस महाद्वीप का पेंटा गोनिया का जो मरुस्थल है यह का सबसे ठंडा मरुस्थल है और आटा कामा मरुस्थल की अगर बात की जाए तो इस महाद्वीप का सबसे लंबा और शुष्क भी है चलिए आगे बात करते हैं मध्य चिली के बारे में बात करते हैं चिली ये है आपका चिली वाला क्षेत्र चिली में इसको हम कहते हैं मध्य चिली क्योंकि ये ऊपर ऐसे मान लीजिए ये लाइन खींच इसका मध्य वाला भाग कौन सा हो हो जाएगा जाएगा ये ऐसे ही मध्य कौन सा हो गया ये तो इस मध्य चिली में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं कहाँ पर पंपास है यह है अर्जेंटीना अर्जेंटीना के पूर्व में पंपास का मैदान है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है ठीक है चलिए इस महाद्वीप का, का ही एक शहर की, ग्याँ की। चंद्रकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है यानी कि गेहूं की चंद्रकार पेटी चंद्रकार क्या है जब आपने छोटे होंगे तो शायद उम्मीद है वो याद होनी चाहिए छोटे पे एक कविता हुआ करती थी एक कोई हुआ करती थी उसका नाम था उठ हटकर बैठा चांद एक दिन माता से है बोला तो उसमें एक इस तरह का चांद दिखाया जाता है ये चांद का जो हिस्सा रहा है ना इस तरह से तो मैंने क्या बताया चंद्रकार यानी चंद्रमा के आकार की ये पेटी आपकी दक्षिणी अमेरिका में ही पाई जाती है जो कि कहां पर स्थित है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में स्थित है इसको बात करते हैं उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश है नगरीकरण के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का उरुग्वे सबसे अधिक नगरीकृत देश है ब्राजील में पाई जाने वाली बालसा की लकड़ी जो है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है जो कि नाव बनाने के काम आती है ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ठीक है जो भी जानकारी दे यूरोप के बारे में बात कर लेते तो हैं यूरोप हल्का सा पहले फैक्ट समझते हैं यूरोप के बारे में सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज अब माउंट एल्ब्रुज कहा है आइए मैं आप लोगों को माउंट एल्ब्रुज दिखा देता हूं यहां पर ये काकेश पर्वत है ना यहां पर इसको हम कहते हैं माउंट एल ठीक है चलिए निम्नतम बिंदु की बात की जाए जो कि यह कैस्पियन सागर में माइनस ट्वेंटी एट मीटर समझ आ गया कहां पर है कैरिबियन बो सॉरी कैस्पियन सागर में ठीक है जिसका सबसे उत्तर में स्थित शहर की बात की जाए तो हैमर फेस्ट है जो कि नॉर्वे में स्थित है सबसे उत्तर में स्थित शहर के बारे में यह आपका हैमर फेस्ट कहाँ पर स्थित है नॉर्वे में यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्वे वाले क्षेत्र में चलिए आगे बात करते हैं सबसे लंबी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वह बोलगा नदी है तो वहीं आपको बोलगा नदी दिखा देता हूँ ये इस तरह से यहाँ से आती है बोलगा 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 और ये नीचे चलती चली आती है चलती चली आती है चलती चली जाती है कैस्पियन सागर में आके अपने प्राण त्याग देती है ठीक है तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई आपकी यूरोप की वो हो गई आपकी बोलगा नदी सबसे महत्वपूर्ण रेलगा रेल मार्ग की बात की जाए इस यूरोप की तो वो है ओरिएंट रेलवे पेरिस टू कुंस्तुन तुनिया, अब पेरिस टू, कुंस्तु तुनिया है? ये आपकी फ्रांस की राजधानी पेरिस चले जाएंगे और ये, ये, ये इस तरह से यहां पर पहुंच जाएंगे इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हाँ इसको कहते हैं हम यहाँ पर तुर्की ठीक है तुर्की तो तुर्की में जगह पड़ती है कुंस्तुन चलिए आगे बात करते हैं फ्यार्ड, फ्यार्ड तटों का देश ठीक है फ्यार तटों का देश बहुत सारे फ्यार्ड कहां पाए जाते हैं नॉर्वे में जैसे कि आपका फ्यना फ्योर्ड, फ्योर्ड, फ्योर्ड आपका यहाँ पर यह बेस्ट और है बा, आ, बारांगर तो इस तरह से तो फ्यड का देश कौन सा कहलाया आपका नॉर्वे कहलाया सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण की अगर बात की जाए तो ऐप्स पर्वतमाला है जो कि यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है ठीक है इस तरह से एप्स पर्वतमाला चलिए आगे बात करते हैं यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी सबसे पहले नंबर वन पर कौन सा आता है एशिया फिर अफ्रीका उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिणी अमेरिका उसके बाद पांचवें नंबर पर जो आता है आपका ये अंटार्कटिका महाद्वीप ठीक है उसके बाद छठवें नंबर पर कौन सा आता है आपका यूरोप आता है चलिए समझते हैं आगे इस महाद्वीप यह महाद्वीप यानी कि आपका जो यूरोपीय महाद्वीप है यह गोलार्ध के आधार पर

पश्चिम में तथा उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पट्टी में स्थित है ये मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या बताया यह महाद्वीप यानी कि यूरोपीय महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यह है एशिया महाद्वीप का पूर्व और यह है पश्चिम तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में और जो उत्तरी गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पट्टी में ये उत्तरी गोलार्ध का निचला भाग हो गया ये ऊपरी भाग हो गया तो उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी उत्तरी पट्टी में यह है इस तरह से फैला हुआ है ठीक है इस महाद्वीप के उत्तर में उत्तरीय ध्रुवीय सागर यहां पर आप देख सकते हैं इस महाद्वीप के उत्तर में उत्तरीय ध्रुव सागर ठीक इसके बाद दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में आपका भूमध्य सागर ठीक है पश्चिम की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर ठीक है इसके बाद पूर्व की बात की जाए तो यूराल पर्वत और यहां पर देखेंगे यूराल नदी और यहां पर नीचे चलते चले आएंगे तो ये आपका काकेस पर्वत भी दिख जाएगा और कैस्पियन सागर आपका एशिया से अलग करता है ठीक है एशिया से क्या क्या अलग करता है आपका यूराल पर्वत यूराल नदी में झूम करके दिखा देता हूं यह आपका यूराल पर्वत आप अगर मैप रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के लिए तो यूराल पर्वत यहां पर देखेंगे आपकी यूराल नदी और यहां पर देखेंगे कैस्पियन सागर और ये काकेस पर्वत चलिए आगे बात करते हैं जी में इस महाद्वीप में कुल पचास देश हैं छोटे 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 छोट पचास देश हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर ऐसे मान लीजिए देशों की फैक्ट्री यहीं से शुरू हुई तो हर दो तीन साल में एक आध देश यहाँ पर निकल ही आया करता था तो यहाँ पर लगभग पचास देश हैं क्योंकि बहुत छोटे छोट छोट ऐसे मान लीजिए यूरोप है तो यूरोप सॉरी आपका जो रूस है ना रूस में कम से कम इसके तीस चालीस देश बन जाएंगे इतना इतने छोटे छोटे देश हैं ठीक है तो इस महाद्वीप में कुल पचास देश हैं जहाँ महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कैसे नंबर वन पर कौन सा आता है आपका नंबर वन पर एशिया नंबर दो पर आपका अफ्रीका और नंबर तीन पर कौन सा आता है आपका यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है छठवें नंबर पर आता है ठीक है यानी कि एशिया फिर अफ्रीका फिर यूरोप के आधार पर यह तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्या है महाद्वीप है यह विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप भी है इस महाद्वीप को राजनीतिक आधार पर कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया है जैसे कि आपके स्कैंड देश हो गए और भी कई सारे हो गए आपका निम्न भूमि क्षेत्र हो गए आपका एक एक करके समझते हैं पहले तो स्कैंडेवेई देश देख लेते हैं स्कैंडी नेवीआई देश ठीक है इसमें आपका स्कैंडी ने जो देश हैं उसमें आपका नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क को शामिल किया जाता है मैं आप लोगों को दिखा दूं डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन को स्कैंडे देश कहा जाता है लेकिन अगर फिनलैंड को भी शामिल कर लिया जाए मैंने क्या जा बताया लेकिन इसमें फिनलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो जा 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 इसे फिनलैंड को भी शामिल करते हैं तो इसे फेनोडी नेवियन कहा जाता है यानी कि स्कैंडी नेवियन जो देश होते हैं उसमें आपका फिनलैंड को शामिल नहीं किया जाता कितने देश शामिल हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन देश शामिल अगर फिनलैंड को भी शामिल किया जाता है तो इसके इसे फेनो स्कै कहा जाता है ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ कलाकृति की है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या बताया कि नेविया जो प्रायद्वीप है उसमें ये आपका उत्तरी यूरोप वाले क्षेत्र में पड़ता है और इसमें कितने देश शामिल किए जाते हैं नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क अगर इनके अलावा इन तीन देशों के अलावा नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क के अलावा अगर फिनलैंड आइसलैंड तथा फेरो द्वीप समूह को अगर साथ में रख लिया जाए तो इसको सम्मिलित रूप से नॉर्डिक देश कहते हैं नॉर्डिक कंट्री इनको कहते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं आपका डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन को ए, ए, करते हैं तो स्केंडेवियन देश फिनलैंड को भी शामिल कि, किया जाता है तो फेरोकेडेवियन अगर आइसलैंड और फेरो द्वीप समूह को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो क्या कहते हैं हम सम्मिलित रूप से पूरे को नॉर्डिक कंट्री चलिए आगे बात करते हैं चलिए बाल्टिक राज्य देखते हैं भौगोलिक स्थिति में कुछ देश हैं उनको सम्मिलित रूप से बाल्टिक राज्य या बाल्टिक कंट्री कहा जाता है तो आइए देखते हैं कौन कौन से है बाल्टिक राज्य में आपका बाल्टिक जो राज्य है या कहें बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं आपका, आपका एस्टोनिया लिथुआनिया तथा लातविया को सम्मिलित रूप से बाल्टिक राज्य कहा जाता जा है अब ये कहा है तीनों एस्टोनिया जिसकी राजधानी तालिनी है वो तालिन है ठीक है इसके बाद लातविया जिसकी राजधानी रीगा है और लिथुआनिया जिसकी राजधानी है विल्नियस है क्या है इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है नॉर्डिक सॉरी वाल्टिक राज्य कहा जाता है निम्न भूमि क्षेत्र देश देख लेते हैं लोलैंड कंट्री देख लेते हैं लोलैंड कंट्री कौन कौन से होते हैं आपके बेल्जियम नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग को सम्मिलित रूप से लोलैंड कंट्री कहा

इसके तहत पहले क्या हुआ करता था पहले यूगो यूगोस्लाबिया ठीक उसके बाद ब्लोगारिया ग्रीस और रोमानिया और अल्वानिया को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते थे वाल्कन राज्य कहते थे यहाँ पर मैंने क्या बताया ये आपका रोमानिया बुल्गारिया ठीक है इसके बाद यहीं पर एक देश है उसको हम कहते हैं अलवानिया कहाँ है बेटा चलिए अलवानिया यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं है, ये अल्वानिया में एक सेकंड कलर चेंज कर दूँ ये लग रहा है साफ नहीं दिख रहा है मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बुल्गारिया ठीक उसके बाद रोमानिया उसके बाद यहां पर एक देश है ग्रीस उसके बाद यहां पर एक देश है अलवानिया ठीक है तो अलवानिया ग्रीस बुल्गारिया और रोमानिया

स्लोवेनिया मेसोडोनिया बोस्निया हरजे गोविना इतने इसमें से किसमें से निकले युगोस्लाविया में से ये सारे देश निकले मैं दिखा देता हूं आपके कौन कौन से देश में सारे किए जाते हैं स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया हरजियो गोबिना आपका सर्बिया अल्वेनिया मेसोडीनिया ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया इस तरह के इसमें कुछ देश हैं इनको सम्मिलित रूप से हम लो ले, वो सॉरी बाल्कन कंट्री या बाल्कन राज्य कहते हैं ठीक है इसके बाद आई वेरियाई देश कौन कौन से हैं आपका पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित रूप से हम आ, इस आई वेरियाई कंट्री कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ ये है इटली इटली में इसकी राजधानी है रोम रोम में ही एक जगह पड़ती है वो उसको हम कहते हैं वेटिकन सिटी जो कि एक देश है ठीक है चलिए आइए समझते हैं मैंने क्या बताया जब मैंने आपको एशिया महाद्वीप बताया था तब मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप में मालदीप जो देश है वह विश्व का वो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा है तो इसमें हम बात करते हैं आपका यूरोप में जो सबसे छोटा देश है उसको हम वेटिकन सिटी कहते हैं वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है ठीक है तो मैं फिर से यहां पे बता देता हूँ वेटिकन सिटी यह विश्व का सबसे छोटा देश है यह इटली की राजधानी रोम में एक जगह पर स्थित है यानी कि इटली है उसमें राजधानी है उसकी उसी में एक छोटा से क्षेत्र चे, है वहीं पर जैसे मान लीजिए आप को किसी में शहर में रहते हैं तो उसमें कोई बड़ा सा मोहल्ला है बड़ा सा मोहल्ला है और उसमें क्या कर दिया जाए उसे एक देश बना दिया जाए उसी तरह से ये एक देश बना दिया है मोहल्ले की तरह है ये उसका नाम क्या रखा गया है वेटिकन सिटी ठीक है यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च है चर्च का मुख्यालय तथा पोप का निवास स्थान है कौन सा आपका जो वेटिकन सिटी है वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है ठीक है वेटिकन जो देश है उसकी क्या है राजधानी वेटिकन सिटी यहां पर मैंने क्या बताया रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय तथा पोप का निवास है ठीक है यूरोप के स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं यूरोप के जो स्थल अवरुद्ध देश है उसमें आपका हंगरी आता है आपको यहां पर हंगरी देख जाएंगे हंगरी किन किन के देशों से घिरा हुआ है रोमानिया सर्बिया आपका क्रोएशिया आपका स्लोव स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है ठीक है कौन सा देश आपका हंगरी और यहां पर देखेंगे तो ये यहां तक अंदाज है ए, वो होना चाहिए यूक्रेन आपका ठीक है इसके बाद चेक गणराज्य की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं चेक गढ़राज चेक गणराज्य भी स्थल अवरुद्ध देश स्थल अवरुद्ध देश कौन से होते हैं वो देश जिनकी सीमा आपकी समुद्र से नहीं लगती उनको इस, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं तो चेक गणराज्य से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं पोलैंड जर्मनी आपका ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया इसके बाद तीसरा देश जो है स्लोवाकिया जो कि यह भी स्थल अभरूस देश है स्लोवाकिया आपका पोलैंड यहाँ पर यूक्रेन आपका रोमानिया हंगरी और ऑस्ट्रिया और चेक गटराज सीमा लगाता है इसके, इसके बाद ऑस्ट्रिया की बात की जाए यहाँ पर ऑस्ट्रिया देख सकते हैं ऑस्ट्रिया भी एक स्थला ब्रूस देश है आपका चेक गटराज स्लोवाकिया हंगरी और इटली और यहाँ पर जर्मनी इन देशों से ये सीमा लगाता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड से भी ये सीमा लगाता है इसके बाद स्विट्जरलैंड की बात की जाए स्विट्जरलैंड जो है जर्मनी फ्रांस आपका इटली और ऑस्ट्रिया से सीमा साझा करता है इसके बाद वेटिकन सिटी की बात की जाए तो वेटकन सिटी एक स्थल देश है, <tlab> है। किसमें है आपका देश के अंदर देश है जिसको हम क्या कहते हैं वेटकन सिटी किस तरह से जिस तरह से मैंने आपको एशिया में वो सॉरी कौन सी जगह थी हां जिस तरह से मैंने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप बताया तो था अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में एक देश पड़ता है अंदर ही पेट के अंदर पेट मैंने बताया था पेट के अंदर पेट या जैसे कह सकते हैं बच्चे किसी के पेट में बच्चा है और उसके पेट में भी बच्चा हो जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में एक अफ्रीका महाद्वीप का पेट जिसमें आपका क्या बच्चे का क्या नाम है, आपका दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का भी पेट है उसमें एक बच्चा है उसका क्या नाम है इसी तरह से इटली में भी इटली के पेट में भी रोम रोम के पेट में आपका वेटिकन सिटी चलिए तो यहां पर जानकारी वेटिकन सिटी के दे देता पोप के सरकारी निवास का नाम भी वेटिकन है जो कि आपका वेटिकन सिटी में रोम जो आपका इटली की राजधानी है टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है जहां पर एक पहाड़ी है उसको हम कहते हैं वेटिकन की पहाड़ी वेटिकन की पहाड़ी वहां पर यह रोम जो वेटिकन सिटी है वहीं पर बसा हुआ है वेटिकन सिटी की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वेटिकन सिटी की कुल जनसंख्या आपकी एक हजार है यानी कि वेटिकन सिटी में कितने लोग रहते हैं एक हजार लोग रहते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यूरोप में स्थित आपकी बोलगा नदी

इसके बाद इस तरह से ये इस तरह से आकृति बनाता है जूते जैसी ये इस तरह से हील वाला सैंडल मान लीजिए तो जूते जैसी आकृति वाला जो देश है इसको हम इटली कहते हैं इटली में पर एक देश देख यहां पर देख सकते हैं लेम बाड़ी का मैदान है लोम बाड़ी का मैदान लोम बाड़ी के मैदान में एक नदी बहती है उसको हम कहते हैं पो पोन नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए इसके बाद बात करते हैं डेन्यू नदी डेन्यू नदी यूरोप के चार शहरों से होकर बहती है अब ये भैया डेन्यू नदी कहाँ है मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूं यहाँ से एक नदी निकलती है डेन्यूब नदी इस तरह से आती है और ये इस तरह से यहाँ पर बहती 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 और ये यहाँ चली आती है ठीक है तो डेन्यूब नदी आपकी कौन कौन से शहरों से होकर जाती है बुखारेस्ट वेलग्रेड बुड्डा पेस्ट और वियना से होकर काला सागर में अपना जल गिरा देती है मैं आप लोगों को काला सागर इसमें नहीं दिखा पा रहा हूं आ, हाँ यहां पर है तो मैंने क्या बताया ये आती है आपकी डेन्यूब नदी ये ये डेन्यूब का मुहाना आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपका ये इस तरह से वर्सा वियना बुखारेस्ट बुड्डा पेस्ट इस तरह से बुड्डा बुड्डा जो भी चीजें हैं ये आकर इसमें काला सागर में गिर जाती है लेम्बाडी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में स्थित है ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है लेम्बाड़ी या लोम का मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पो नदी इसी क्षेत्र में बहती है नीदरलैंड के समुद्र के मैदान को सुखाकर कृषि के युग बनाया जा रहा है जिसे

कर रहे हैं उन मैदानों को हम पोल्डर कहते हैं। आगे समझते हैं तो आल्पस आल या आल पर्वत जो है ये कई सारे देशों में यूरोप के कई सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे कि आपका स्विट्जरलैंड हो गया ऑस्ट्रिया हो गया यहां पर इटली हो गया इस छोटे छोटे देशों में फैला हुआ है तो सबसे अधिक आपका जो पर्वत है सबसे अधिक जो फैला हुआ है वो किस देश में फैला हुआ है स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक विस्तार है ठीक है हंगरी में यूरोप के शीतोष घास के मैदान को पुस्ताज तथा यूक्रेन में इनको स्टेपी कहते हैं आपका जो ये आपका यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है यूक्रेन में शीतोष घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है और यहाँ पर हंगरी का जो हंगरी का जो मैदान है हंगरी का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं पुस्ताज कहते हैं वहां पर जो घास के मैदान है हंगरी में उसको पुस्ताज कहते हैं ठीक है इसके हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैदान और मैदानों में अच्छा खासा गेहूं पैदा हो जाता है यूरोप में विश्व का 60 परसेंट चुकंदर पैदा होता है कितना 60 परसेंट कुल विश्व में जितना भी उत्पादन होता है उन सभी में से कितना परसेंट यहां पर होता है 60 परसेंट उत्पादन आपका यूरोप में होता है इसके बाद इटली में एक शहर है उसको हम कहते हैं त्यूरिन यहां पर तुरिन लिखा है त्यूरिन या तुरिन इटली का डेट्रॉय तथा मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं ठीक है डेनमार्क की राजधानी कोपनेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है अब भैया डेनमार्क कहां पर है आपको मैंने बताया था कि स्केंडेवियन जो देश है उसमें कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है आपका यहाँ पर कितने देश बनाए तीन देशों को शामिल किया जाता है उसमें एक देश आपका डेनमार्क भी है तो डेनमार्क में यहां पर एक राजधानी है डेनमार्क की जो राजधानी उसको हम कहते हैं कोपने हेगन तो कोपने हेगन की यहां पर बाल्टिक सागर की क्या कहते हैं कुंजी कहते हैं यानी कि की ऑफ वाल्टिक सागर ठीक है तो जो राय नदी है राय नदी कहां से निकलती है आपको मैं यहां पर दिखा दूं इस तरह से ऊपरी क्षेत्र से राय नदी निकलती है और ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा पे होते 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 होते, होते, होते इस तरह से यहां पर गिर जाती है सागर में ठीक है तो जो राय नदी है इसको राय नदी का जो जलमार्ग है यानी कि जो नदी है उसमें क्या किए जाते हैं आपके वो क्या बोलते हैं नावें वगैरह चलाई जाती है तो वहां पर क्या है अंत स्थलीय जलमार्ग है तो इसको हम क्या कहते हैं यह है सबसे व्यस्तम जलमार्ग किस देश का या किस महाद्वीप का आपका यूरोपीय महाद्वीप का या यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है ठीक है जब हम पर जल परिवहन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जल परिवहन के बारे में बात करेंगे वहां पर समुद्री जलमार्ग के साथ साथ आपका अंतर स्तरीय जलमार्ग के बारे में भी बात करेंगे चलिए आगे बात करते हैं नॉर्वे स्वीडन तथा फिनलैंड तथा साइबेरिया क्षेत्र के प्रमुख कोणदारी वन पाए जाते हैं कि आपका मैंने क्या बताया उत्तरी क्षेत्र है जो कि यहाँ पर नॉर्वे है आपका नॉर्वे के बाद यहाँ पर स्वीडन है ठीक है उसके बाद यहाँ पर फिनलैंड है और यहाँ पर साइबेरिया क्षेत्र में जो न, बन वन पाए जाते हैं वो कोणदारी वन है जो कि ठंडे क्षेत्रों में होते हैं ठीक है इसका यूरोप विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप मा, है यानी कि सबसे अधिक लोग यहाँ पर शहरों में रहते हैं ठीक है यूरोप विश्व का अकेला महाद्वीप है जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है फिर से मैं बता देता हूं यूरोप विश्व का अकेला महाद्वीप है जहां पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है ठीक है विश्व की सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला जो महाद्वीप है वो आपका यूरोपीय है क्योंकि आप देखेंगे इसके चारों ओर इस तरह से ये पूरा नहीं दिख रहा है इसमें चारों ओर से क्या किससे घिरा हुआ है ये सागर या महासागरों से घिरा हुआ है ठीक है आगे बात करते हैं तो यूरोप यूरोप में एक देश है इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन लंदन जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर है फिर से मैं बता दे रहा हूं लंदन जो है सबसे बड़ा नगर है और यह थेम्स यहां पर लिखा है वैसे टेम्स लिखते हैं एच इसमें साइलेंट होती है तो टेम्स नदी के नदी के किनारे बसा हुआ है के, के, कितना बड़ा देश शहर है ये सबसे बड़ा शहर है किस महाद्वीप का यूरोपीय महाद्वीप का चलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं या कहें नॉर्वे जो है मध्य रात्रि का देश कहलाता है क्योंकि रात में क्या होते हैं सो रहे होते हैं तो छत पर जैसे आप सो रहे हैं तो रात में हल्का सा सूरज जो है निकलता है और फिर से चला जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए निकलता है रात में 12 एक बजे के टाइम पे मध्य रात्रि का देश कहलाता है कौन सा नॉर्वे और डूबते सूरज का देश की अगर बात की जाए तो आपका यूनाइटेड किंगडम या कहें इंग्लैंड को कहते हैं डूबते हुए सूरज का देश आपका ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है ठीक इसके बाद जो आपका फिनलैंड नामक देश है इसमें हजारों नदियां बहती हैं इसलिए हम इसको झीलों का देश कहते हैं भले ही आप यहां पर देख सकते हैं और भी कोई देश ऐसा दिख रहा है जो कि तितर बितर हो रहा है यहां पर देखें सिर्फ और सिर्फ यहां पर झीलें झीलें दिख रही होंगी इस तरह से तो इसमें हजारों झीलें बह रही हैं इस कारण हम इसको क्या कहते हैं झीलों का देश कहते हैं क्योंकि झीलें अब ये कहो बहती बहती क्या है कि वहां पर बर्फ के रूप में भी बहुत सारी झीलें हैं यानी कि ऊपर बर्फ जम गई है और नीचे क्या है झीलें हैं ठीक है यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है लाडोगा है आइए मैं दिखा देता हूं आपको लाडोगा जो कि आपकी रूस वाले क्षेत्र में यहां पर पड़ती है यहां पर भी आपको देख सकती है लाडोगा झील जो कि आपकी रूस वाले क्षेत्र में है ठीक है समझ में आ गया लाडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो कि मीठे पानी की झील है इंग्लिश चैनल फ्रांस व यूरोप की मुख्य भूमि से यूनाइटेड किंगडम को क्या करता है अलग करता है ये मैं आप लोगों को इंग्लिश चैनल दिखा देता हूं मतलब मूवी वाला चैनल नहीं है ये इंग्लिश चैनल है वैसे नाम से ठीक है आप ये मत कहना कि हम चैनल पे जा रहे हैं ये इंग्लिश चैनल नामक एक यहाँ पर छोटी सी धारा जाती है जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को अलग करता है और उत्तरी सागर उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ठीक है चलिए इंग्लिश चैनल फ्रांस तथा यूरोप की मुख्य भूमि से यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है ठीक है जो आपकी गल्फ स्टीम धारा है गल्फ स्टीम धारा यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र पर यानी कि ये पश्चिमी क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र पर क्या करती है तापमान को बढ़ा देती है वहां का तापमान गर्म कर देती है वहां माहौल थोड़ा अच्छा देती कर देती है क्योंकि कड़कड़ाती यहां पर बहुत ठंड पड़ती है तो यहां पर क्या है बहुत तापमान को काफी गिरा देती है काफी बढ़ा देती है इससे क्या रहता है वहां थोड़ा सा माहौल बन जाता है इसलिए जो गल्फ स्टीम धारा है इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है खुजली वाला कंबल नहीं खुजली वाला कंबल आपका भारत देश में मिलता है वो जो कंबल उड़ने ना रात में में खुजली हो जाती है वो वाला कंबल नहीं इससे गर्मी पैदा होती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं पोलैंड तथा जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसको हम हिंडन वर्ग या ऑर्डर निशे रेखा कहते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पोलैंड और ये आपका जर्मनी है इसके बीच में जो ये आपकी जो बॉर्डर है या कहें जो सीमा रेखा है इसको हम हिंडन वर्ग या ऑर्डर निशे रेखा कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं जो ओ, आपका मैसेटो का जो पठार है वो है आइवेरियन प्रायद्वीप पर मौजूद है या कहें प्रायद्वीप प्रायद्वीप के का जो है उसमें आंतरिक रूप से ये मौजूद है जो मेसोटो का पठार है उसी पर ही जो आपका स्पेन है स्पेन नामक जो देश है स्पेन की राजधानी मेसोटो को पठार पर ही बीच में मौजूद है यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने बताया कि मेसोटो का पठार जो है पुर्तगाल और इसके बीच में मौजूद है किसके बीच में आपका पुर्तगाल और स्पेन के बीच मौजूद है जो कि प्रायद्वीप पर मौजूद है आइवेरिया प्रायद्वीप पर पर प्रायद्वीप का पठार है के पठार में बीच में राजधानी स्थित जिसको हम मैड्रिड कहते हैं मेड्रिड किस देश की राजधानी है स्पेन की ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सेंट जॉर्ज का पटना सेंट जॉर्ज चैनल जो है आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच में स्थित है अब भैया आयरलैंड कहां पर आई मैं आप लोगों को आयरलैंड दिखा देता हूं पहले तो मैं यहां पर दिखा देता हूं यह आयरलैंड और यह है यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं सेंट जॉर्ज चैनल है और यहां पर आपका आयरिश सागर भी स्थित है ठीक है चलिए समझ आ गया सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच में स्थित है पिरेनीज पर्वत फ्रांस से स्पेन को अलग करता है आइए मैं प्रेनीज पर्वत दिखा देता हूं यह है आपका फ्रांस और यह है आपका स्पेन तो प्रेनीज पर्वत जो है स्पेन तथा फ्रांस के बीच में सीमा का निर्माण करता है कौन सा प्रेनीज पर्वत आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोग अगर मैप अपने पास रखे हुए हैं तो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा ठीक है इसके बाद करते हैं एंटबर्फ एंटबर्फ जो है बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापारिक का केंद्र है अब ये एमेस्टर वो बेल्जियम कहां है आइए मैं आप लोगों को बेल्जियम दिखा देता हूं यहां पर आप बेल्जियम है बेल्जियम में एक जगह है उसको कहते हैं एंटबर्क ठीक है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है जर्मनी में आप लोगों के लिए चलता हूं यह आपका जर्मनी जर्मनी में एक क्षेत्र है उसको कहते हैं रूर तो जर्मनी में रूर क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ठीक है इसके बाद विश्व में डे दे, डेनमार्क जो है आपका मैं यहां पर दिखा देता हूं डेनमार्क जो है डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा डेयरी से बने हुए या कहें दूध से बने चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है फिर से में बता देता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक जहां तक अंदाजा दूध का जो उत्पादन करने वाला जो देश है वो भारत है लेकिन दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि आपका सूखा हुआ दूध आप लोगों ने देखा होगा तो दुकान पर एक रुपए का पाउच आता है सॉरी एक का नहीं दो रुपए का आता होगा या दस का पचास का जितने का भी आता हो तो कान पर बच्चे लेते हैं एक रुपए का पाउच ऐसे दूध लिया और ऐसे करके खा गए तो वो सूखा हुआ दूध हो गया चीज यानी कि जो उसको चीज को क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में आ, पनीर जैसे हो गया और भी जो दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं तो उनका उनका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है आपका डेनमार्क है ठीक है समझ में आ गया चलिए और दूध का उत्पादन कौन करता है सबसे अधिक भारत देश करता है कंफर्म कर लेता वैसे मेरी 99% परसेंट ये उम्मीद है कि भारत देश ही करता है चलिए वेनिस को एट्रियार्टिक की रानी कहा जाता है अब भैया वेनिस बे, कहाँ है वेनिस है आपका इटली में इटली है जो एक देश चप, मैंने बताया था सैंडल या चप्पल जैसी आकृति बनाता है इस तरह से और यहाँ पर एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं वेनिस वेनिस को एट्रियार्टिक की रानी कहा जाता है ठीक है वेनिस को, को का खेल का कहते हैं। अब भैया स्विट्जरलैंड कहा है मैं जूम कर देता हूं यहां पर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के पूर्व में चलेंगे तो यहां पश्चिम में चलेंगे तो यहां पर एक देश पड़ता है स्विट्जरलैंड जो कि बहुत खूबसूरत देश बताते हैं मूवी वगैरह में देखा हुआ है चलिए इसके बाद उसको क्या कहते हैं खेल का मैदान इसके बाद आयरिस की जो गढ़राज है आयरिस गढ़राज को एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं अब ये आयरिस गढ़राज कौन सा है आयरलैंड वाला जो क्षेत्र है ये है आयरिस या आयरलैंड वाला जो क्षेत्र है इसको हम एमराल्ड एमरालीप कहते हैं एमराल्ड जहां तक अंदाजा है मोती वगैरह होता है इसको रोम को शाश्वत शाश्वत या सदा रहने वाला नगर कहते हैं क्योंकि रोम जो है बहुत पुराना है रोम भैया कौन सी देश की राजधानी है इटली की राजधानी रोम है सदा रहने वाला देश कहते हैं चलिए वो सदा रहने वाला शहर नगर तो ये हो गया आपका यूरोप के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी चलिए आगे बात करते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं अंटार्कटिका चलिए देखते हैं खूबसूरत और कड़कड़ाती ठंड वाला और कुल्फी जमा देने वाला महाद्वीप चलिए समझते हैं छोटा सा पहले फैक्ट समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च सर्वो, बिंदु यानी सबसे ऊंची चोटी आपकी विंसन मौसिफ। विंसन मौसिफ आप लोगों को मैं दिखा विंसन जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो पंद्रह इक्यावन चालीस यानी कि पांच हजार एक सौ चालीस पांच किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित आपकी चोटी है ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात की जाए यहां पर तो उसका क्या नाम है उसका नाम है माउंट एरेबस यह है। दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है लेकिन अगर मरावा ज्वालामुखी बात की जाए या ज्वालामुखी की की बात जाए तो सिडली पर्वत है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है यानी कि मैं आप लोग सॉरी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैंने क्या बताया सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है सिडली जिसकी ऊंचाई है चार सबसे ऊंचा जो कि मरा हुआ है लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मरा हुआ कि नहीं सक्रिय ज्वालामुखी यहां पे सबसे ऊंचा है क्या नाम है इसका माउंट एरेबस ठीक है माउंट एरेबस है इस क्षेत्र में माउंट एरेबस आप लोगों को दिख जाएगा माउंट एरेबस ठीक इसके बाद माउंट एरेबस के बारे में हल्का सा बता दूं माउंट एरेबस दूसरा सबसे ऊंचा है लेकिन सक्रिय के रूप में देखा जाए तो सबसे ऊंचा है ठीक और जो सिडली है यह है, सबसे ऊंचा है लेकिन यह मरा हुआ है यानी कि ज्वालामुखी है चलिए आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ठंडा स्थान है यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है ठीक है कितना स्थान सबसे ठंडा है इसका माइनस नाइनटी फाइव डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसका जो दक्षिण ध्रुव वाला जो क्षेत्र है यह आपका यहां पर सबसे ठंडा क्षेत्र पाया जाता है जो कि माइनस नाइनटी एट माइनस नाइनटी फाइव डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान चलिए तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है किस तरह से चार कौन कौन से आपका एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है यानी इस महाद्वीप के 98 परसेंट भाग पर बर्फ पाई जाती है इसलिए इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है इस महाद्वीप का जो आर्कट पालम आर्कट पाल पालमर बाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ही थोड़ा सा जल पाया जाता है यानी कि जो पूरा महाद्वीप है इसके पूरे भाग पर जल बर्फ जमी हुई है यानी कि वहां पर बिल्कुल भी रहने की स्थिति नहीं है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ नहीं पाई जाती यानी कि जल पाया जाता है इसको हम पालमेर लैंड या पालमर भूमि कहते हैं अराकट पालमर ठीक है इस महाद्वीप को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कहते हैं क्योंकि और भी मरुस्थल हैं जो ठंडे हैं लेकिन अगर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अगर उसमें ऑप्शन में है तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप लगाना ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वैसे ठंडा मरुस्थल मरुस्थल क्यों हैं क्योंकि यहां पे जैसी स्थिति ही है ठीक है है यह एक ऐसा महाद्वीप जिस पर एक भी व्यक्ति क्या है स्थायी रूप से नहीं रहता है क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई साहब कहा कौन से देश में रहते हैं भैया हम अंटार्क्टिका महाद्वीप में रहते हैं ऐसा कभी नहीं अंटार्क्टिका में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है ठीक है समझ में आ गया ठीक है ना क्योंकि यहां पर रहने की स्थिति नहीं है यहां पर क्या है जैसे आपके वैज्ञानिक वगैरह हैं वैज्ञानिक शोध करने वाले तो अलग अलग देशों से जाते हैं अमेरिका से यू, यूरोपीय देशों से फ्रांस से इटली से पेरिस से इस तरह के देशों से शहरों से पहुंचते हैं लोग बात लेकिन स्थायी रहने, रहने के लिए नहीं दो चार पांच साल की ड्यूटी हुई वहां से फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए अपने घर पर पहुंच गए कहीं और पर ड्यूटी लग गई लेकिन परमानेंट नहीं रहते हैं नहीं बीवी बच्चे वहां पर ले गए आराम से वहां शादी विवाह हो रहा है इस तरह की चीजें नहीं होती है ठीक है यह कैसा महाद्वीप है जिस पर एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है इस महाद्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे एमंड, एमंड सन थे, क्या नाम था? एमंड सन थे, 1911 में नॉर्वे के रहने वाले थे एमंड सन ने इनकी खोज की थी यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे एमंड सन ही थे इस महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला जो थी किरोलिन मिले मिकेलसन थी

चलिए आगे बात करते हैं इस महाद्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है जिसका नाम लेमबर्ट है आइए मैं आप लोगों को लेमबर्ट दिखा देता हूं लेम्बर्ट विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है ठीक है ये आपको यहां पर दिख रहा होगा लेमबर्ट हिमनदी ठीक है इस महाद्वीप को यानी कि जो अंटार्क्टिका महाद्वीप है इस महाद्वीप को एक पर्वत मारता है दो भागों में कि क्या नाम है इसका क्यून मार क्यून मार पर्वत ठीक है कितने भागों मारता है दो भागों में बांट देता है चलिए इस महाद्वीप पर छः महीने की रात और छह महीने का दिन होता है मैंने है आप लोगों को जब गुड़न तथा आपका गुड़न तथा जो आपका परिक्रमण तथा परिभ्रमण पड़ाया था, पर था। उसमें मैंने बताया था तो जो पृथ्वी होती है किस तरह से जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है कि कब उत्तरी ध्रुव आपका यहाँ पर झुक जाता है उत्तरी ध्रुव आपका कभी यहाँ पर झुक जाता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव झुक जाता है जब उत्तरी ध्रुव झुकता है तब क्या होती है उत्तरी ध्रुव में दिन होता है और जब दक्षिणी ध्रुव झुकता है तो दक्षिणी ध्रुव के समय आपका दिन होता है ठीक है तो चलिए समझते हैं मैंने क्या बताया इस इस महादि पर छह महीने की रात तथा छह महीने का दिन होता है जैसे कि बाईस मार्च से लेकर तेईस सितंबर तक रात होती है 22 सितंबर 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ पर रात होती है जबकि 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक यहां पर 6 महीने का दिन होता है इस महादि पर वैज्ञानिकों ने कई सारे अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं इसलिए इस महाद्वीप को वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं इस महाद्वीप पर भारतीयों के बारे में हल्की बात कर ली जाए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में तो इस महाद्वीप पर भारतीयों ने भी अनुसंधान संस्थान खोले हैं जिनमें आपके मैत्री तथा भारती नामक कुछ प्रमुख है सॉरी मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं यहां पर दन, द, गंगोत्री आपको दिख रहे होंगे भारतीय और यहां पर मैत्री नामक कुछ अनुसंधान केंद्र दिख रहे होंगे जो कि आपके भारत से संबंधित हैं ठीक है इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पह, पहुंचने वाले पहले भारतीय जो थे गिरिराज सुरोही थे जबकि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे मैं फिर से बता देता हूं कि दक्षिण ध्रुव को अगर पहुंचेंगे तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप को पार करके पहुंचना होगा तो इसका मतलब यह है कि अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे आपके गिरिराज डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे जो कि आपके पहले व्यक्ति थे जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति भारतीय व्यक्ति जो थे रामचरण जी थे ठीक है रामचरण जी जो थे आपको यहाँ पर ये रामचरण जी दिख जाएंगे और ये डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे ठीक है क्योंकि अंटार्कटिका महा पर जब पहुंचे तो इनकी स्थिति नहीं थी कि दक्षिणी पर पहुंच पहुंचाए तो अंटार्कटिका के बाद ये लौट आए थे वापस चले, आगे बात करते हैं इसी में ही यहां पर पाए जाने वाले पक्षियों में आपका पेंगवेन नोड़ने वाला पक्षी अलवातरोस और पेटले और भी कई सारे हैं जिनमें हमें बात नहीं करनी है इनमें तीन ही आपके प्रमुख है यहाँ पर कुछ स्तनधारी भी पाए जाते हैं जिनमें सबसे प्रमुख है आपका सील मछली सील मछली एक स्तनदारी मछली है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर सा प्यारा सा मुखला आपका यहाँ पर ये सील मछली है इस तरह के आपके जो जीव होते हैं ये स्तनदारी होते हैं इस महाद्वीप पर एक भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं लेकिन इस महाद्वीप पर लाइकन तथा मौ, मौस जैसे कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं छोटे 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 होते हैं बिल्कुल लायकन मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप यहाँ पर लाइकन देख सकते हैं और मौस ये छोटी छोटी वनस्पतियां होती है ठीक है अंटार्क्टिका संधि उन्नीस के तहत इस महाद्वीप को अंटार्क्टिका संधि अंटार्क्टिका महाद्वीप से संबंधित एक संधि हुई थी अंटार्कटिका संधि उन्नीस अंटार्कटिका संधि उन्नीस के तहत इस महाद्वीप को केवल शांति उद्योग शांति उद्देश्य के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा यह नहीं कि आप चिलगोजे टाइप के हैं। आप कह रहे हैं कि हम अंटार्कटिका पर जाएंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे तो वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में आप परमाणु परमाणु का परीक्षण करेंगे अगर आपने परमाणु बॉम्ब का छोड़िए कोई हल्का सा बॉम्ब का भी अगर वहां पर के तो अगर दसवीं पचास किलोमीटर का अगर क्षेत्र पर अगर कोई परीक्षण करते हैं वहां पर दसवीं पचास किलोमीटर की क्षेत्र की एकदम बर्फ पिघल जाती है तो ऐसी की तैसी और लेने के देने पड़ सकते हैं तो आप वहां पर परमाणु बॉम्ब का परीक्षण नहीं कर सकते

ठीक इसके बाद गुलगुल है ना ये इसके बाद यहां पर इस तरह से चलते चले जाएंगे तो यहां पर देखिएगा प्रशांत महासागर और ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप फिर से बता देता थी इस महाद्वीप को तीन महासागरों ने घेरा हुआ है हिंद महासागर महासागर प्रशांत और अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर ठीक अंटार्टिका नहीं अटलांटिक महासागर और यहां म... पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका महासागर भी है चलिए यह अकेला महाद्वीप है जिस पर कोई भी टाइम जोन नहीं है यानी कि जितने भी आपके महाद्वीप हैं उन सभी पर टाइम चार है किसी में बारह किसी में चौदह है ऐसे टाइम जोन है ठीक है लेकिन आ, 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 ये आपका अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं है आपका रिक्तिकरण के बारे में उन्नीस में इसी महाद्वीप से ही हमें पता लगा था तो ये हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जितनी जानकारी थी जो भी जरूरी थी उसके बारे में अब ये कहेंगे पर्वत पहाड़ी नदियों के बारे में और झीलों के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ इन्हीं में ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ तो द्वीप में जाने की कोई मतलब नहीं थी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की झीलें देख लो या फिर आपकी नदियाँ देख लो तो इनकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट भी है और जानना जरूरी है हमारे लिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या प्रमुख है और क्या क्या यहां पर देखते हैं सब तो सबसे पहले सबसे छोटे छोटे समझते हैं सबसे तो पहले यहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसको हम कहते हैं माउंट कोज युस्को यस्को या युस्को हम कह सकते हैं माउंट कोजयो को। कितनी ऊंचाई है इसकी दो हजार दो सौ तो तो आइए मैं कोजो को दिखा देता हूं आप लोगों को यहां पर राजधानी है कैनबरा यानी कि ये है आपका डिवाइडिंग रेंज ठीक है यहाँ पर इसकी ओर चलेंगे पूर्व की ओर तो यहाँ पे देखेगा आपके हॉबे अंतरिप हॉबे अंतरिप के ठीक ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर देखेगा कॉस कौ, की, की इसको यहाँ पर लिखा है तो का मैंने क्या पढ़ दिया है कौसी इसको ठीक है अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर जिसको जो समझ में आए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ठीक है निम्नतम बिंदु की अगर बात की जाए तो आयर झील है आयर झील में यहाँ पर एक मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो मरिस्थल है विक्टोरिया मरिस्थल के पूर्व में यहाँ पर देख दिखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे दिख रहा होगा आपको आयर झील अगर आपके पास मैप है तो आप वहाँ पर खोल के उसको देख सकते हैं मैप बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है मैप नहीं तो कुछ नहीं समझ आया अगर मैप नहीं है मैप क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ले लें मैप इस दुनिया में अगर जोग्रफी पढ़ना है तो उसके बिना जोग्रफ़ी अधूरी है ठीक है तो चलिए समझते हैं आयरे झील ठीक है यहाँ पर क्या है इसका निम्नतम बिंदु है सबसे बड़ा नगर की बात अगर की जाए तो सिडनी है अब भैया सिडनी कहाँ है, है? आइए मैं आप लोगों को सिडनी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिडनी ठीक चलिए भौगोलिक लक्षण की बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रेप इसका यहाँ का प्रमुख भौगोलिक लक्षण है चलिए खोजकर्ता के बारे में बात कर लेते हैं इस महाद्वीप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो थे कैप्टन कुक ठीक है सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सिडनी से पर्थ अब भैया सिडनी कहाँ है सिडनी आपका पूर्वी क्षेत्र में और ये है आपका पर्थ यहां से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं सिडनी से ये इस तरह से आपका चला ट्रेन में जब आप बैठे चलते चले जाएंगे 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 बोल्डर पहुंचेंगे कुल गाड़ी पहुंचाएंगे और यहां पर इस तरह से आपको यहां पर आपको दिख जाएगा पर्थ पूर्व से पश्चिम तक आपको पार करने वाली जो ट्रेन है उसका क्या नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग सिडनी से लेकर पर्थ ठीक है चलिए यहाँ का प्रमुख नदी वेशम के बारे में बात कर लेते हैं तो मरे नाम मरे और डार्लिंग सम्मिलित रूप से मरे डार्लिंग को हम इसको कह देते हैं जैसे ऊपर से एक डार्लिंग आ रही है मान लीजिए एक डार्लिंग आ रही है और डार्लिंग आकर यहाँ पर मर जाती है यानी कि मदे मे, मरे में मरे में आकर क्या हो जाती है सम्मिलित तो हो जाती है मरे मतलब नदी में जाकर मिल जाती है तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है मरे डार्लिंग वाला पूरा क्षेत्र आप कह सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह जो है सिडनी बंदरगाह जो कि आप पूर्वी तट पर स्थित है सबसे गर्म स्थान क्लॉन करी है आपको मैं क्लॉन करी आपको दिखा देता हूं क्वींसलैंड यहां पर जगह है यहीं पर एक जगह पड़ती है क्लॉन करी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं क्रॉन करी ऑस्ट्रेलिया अब इसका सबसे छोटा महाद्वीप है सात महाद्वीप मैंने आप लोगों को बताया सबसे बड़ा एशिया दूसरे नंबर पर अफ्रीका तीसरे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका पांचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप छठवें नंबर पर आपका यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है ठीक है चलिए आइए समझते हैं ऑस्ट्रेलिया अब इसका इकलौता देश है जो कि पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया इकलौता एक, एक ऐसा देश है यानी कि ऑस्ट्रेलिया जिसका छोटा महाद्वीप है और यह एक ऐसा इकलौता देश है जो कि पूरे के पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ देश है ऐसा तो कोई देश महाद्वीप नहीं है जिस पर पूरे पर सिर्फ एक ही देश फैला हो जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि ये इस तरह से मान लीजिए ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है आपका क्वींसलैंड और न्यू पातियागिनी और तमाम छोटे मोटे देश हैं है तंजा, तस्मानिया ठीक है इस तरह से छोटे मोटे देश हैं तो सबसे अधिक जो पूरे महाद्वीप पर अगर फैला देश है तो वो ऑस्ट्रेलिया वो पूरे महाद्वीप पर जो फैला देश है उसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ठीक है इसलिए इस महाद्वीप को किस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दीपी महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहां पर एक द्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है जो कि बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते थे हैं। इस महाद्वीप पर यानी कि जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पांच प्रमुख मरुस्थल हैं या कहीं पांच प्रमुख रेगिस्तान है इस कारण

क्षेत्र में बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बड़े क्या हैं शहर हैं ठीक है मैंने क्या बताया इस माटी पर कितने जो मृस्थल हैं पांच प्रमुख रूप से मृस्थल पाए जाते हैं इस इसका इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि पानी बहुत कम मिलता है इसलिए प्यासी रहती है ये धरती इसी से प्यासी भूमि का देश कहते हैं कौन-कौन से इसमें प्रमुख मृस्थल हैं सबसे पहला है आपका सिमसन उसके बाद तमान तनामी मृस्थल ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट सैंडी मृस्थल गिप्सन मृस्थल और बृहद विक्टोरिया मृस्थल यार डीजे ठीक समझ आ गया ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर इसे ओशिनिया कहते हैं अब भैया कहाँ है ये आपका न्यू पॉपुलर न्यू गिनी जैसे आपको मिला देंगे न्यू न्यूजीलैंड को मिला दो यहाँ पर तस्मानिया को मिला दो तो और यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख जाएगा हाँ मैंने क्या बताया यहाँ पर कुछ छोटे मोटे और भी दे, देश हैं और ये फिजी वगैरह और तुम आलू आलू कचालू इस तरह कई सारे यहाँ पर छोटे मोटे द्वीप हैं तो इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं ओशिनिया कहते हैं ठीक है इस महाद्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स कुक या कहें इस महाद्वीप की खोज अंग्रेजी नामक जेम्स कुक ने 1970 में की थी ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख विकसित देशों में आता है चलिए आगे बात करते हैं इसका नाम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्या होता है मैं मैं जब में आप लोगों औररा ऑस्ट्रेलिस पढ़ाया था मैंने यानी कि उत्तरी ध्रुवी ज्योति और दक्षिणी ध्रुवी ज्योति के बारे में बताया था तो औरे, ओरेरा औररा बोस्ट्रालिस तो उत्तरी वाले क्षेत्र का हो गया और जो जो था वो का मतलब क्या होता है दक्षिण होता है तो किसके किसके नाम पर रखा गया दक्षिण के नाम पर रखा गया इसका नाम ठीक है तो फिर से से इसका नाम लिया गया जिसका मतलब दक्षिण होता है इस महाद्वीप यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है क्योंकि ये मान लीजिए विश्व रेखा है विश्व रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोला और में दक्षिणी गोला तो ये आपका पूरी तरह से दक्षिणी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है ठीक है इस महाद्वीप पर कुल बाईस देश हैं इस महाद्वीप से मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आपका यह है मकर रेखा यानी साढ़े तेईस दक्षिणी जो है जो कि आपका बीचों बीच से जाती है ठीक है समझ में आ गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसका दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसको न्यूजीलैंड को यहां पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड कंगारू यहां का राष्ट्रीय पशु है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर विश्व की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर द्वीप कहते हैं जब मैंने आप लोगों को प्रबाल भित्तियां पढ़ाई तब मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस किस तरह की जो प्रबाल भित्तियां हैं वो पाई जाती हैं तो मैं फिर से दिखा देता हूं मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में पूर्वी कौन सा ये वाला पूर्वी भाग पूर्वी भाग में आपका क्या पाया जाता है एक लंबी पट्टी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है या दीवार की तरह तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रेट बैरियर रीप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये है इस तरह से ठीक है चलिए इस महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत महासागर हिंद महासागर आरफरा सागर कोरल सागर तस्मान सागर तिमोर सागर और भी कई सारे छोटे मोटे सागर हैं पाए जाते हैं आइए मैं दिखा देता हूँ पाए जाते हैं क्या है स्थित है तो मैं दिखा देता हूँ इसके पूर्व में आपका प्रशांत महासागर यहाँ पर है तस्मान सागर यहाँ पर है दक्षिणी महासागर यहाँ पर है हिंद महासागर यहाँ पर है तिमोर सागर यहाँ पर यहाँ पर आरफुरा सागर यहाँ पर है कोरल सागर ठीक है समझ आ गया इस महाद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे चार ओर इसको घेरने वाले सागर है ठीक ऑस्ट्रेलिया जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और ये आपका न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी क्या कहलाते हैं और कहलाते हैं ये आपको यहाँ पर एयरबोजिन्स दिख सकते हैं यहाँ पर देख

कालगुड़ी जो है आपकी प्रमुख खान है और कूलगाड़ी यहाँ पर प्रमुख किसकी खान है आपकी सोने की खान है पश्चिमी पठार वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर पूर्वी भाग की तरफ जाएंगे आपको पूर्वी भाग दिख रहा होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रही होगी ठीक है तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ऊंची ऊंची भूमि तथा ऊंचे पठार तथा पहाड़ियों की एक पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसमें विश्व में सबसे ज्यादा मेरीना मेरीना जो ऊन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही उत्पादन करता है उत्पादक मेरीना ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया उन... ठीक है सिडनी को बुल पोर्ट कहते हैं क्योंकि यहां से क्योंकि इस जगह से पूरे विश्व में ऊन का निर्यात किया जाता है मैं फिर से दिखा देता हूं यहां पर जूम कर देता हूं यहां से मान लीजिए किसी भी क्षेत्र से ऊन जो लेकर आई जा रही है अन्य क्षेत्रों में भेजी जा रही है जैसे न्यू गिनी में या कहीं पर भी भेजी जानी हो तो वो सबसे पहले सिडनी बंदरगाह पर आती है उसके बाद अन्य क्षेत्रों में ये भेजी जाती है इस कारण जो सिडनी नामक जो बंदरगाह है सिडनी जो पोर्ट है उसको क्या कहते हैं बूल पोर्ट बून बूल मतलब ऊन ठीक तो बूल पोर्ट इसको कहते हैं इस महाद्वीप पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि अन्य महादीपर या अन्य क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जैसे कि कंगारू कोआला, प्लेटिपस ये कुछ प्रमुख यहाँ पर जीव हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक ये बताते हैं सुना जाता है कि ये पहले बतक का पूर्वज है ठीक है बतक बतख का ये लेटेस्ट वर्जन है बतख जो हुआ करती थी वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण इसने अपने आप को इस तरह डाल दिया कि अब यहाँ पर पानी की जगह वैसे भी क्षेत्र में चलता है क्योंकि चौंक वगैरह और ये तैरता भी बतख की तरह ही है ठीक है तो प्लेटी पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कुआला आप देख सकते हैं जो कि चातकंदाजी भालू है ठीक है और ये आपका कैंगारो ठीक ऑस्ट्रेलिया में शीतोष घास के मैदानों को डाउंस कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास चार परसेंट भाग परी खेती होती है। मैंने बताया था, इस पर था इस, इस देश को हम क्या कहते हैं अम सूखा अम प्यासी भूमि का देश या महाद्वीप कहते हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संध्या मैं आप लोगों को दिखा दूं टॉरस बेटा हो जा यहाँ पर है ये न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका देश है इसके बीच में टॉरस जल संधि है ठीक चलिए टॉरस जल जल्दियों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ ये आपका आरफरा सागर और पापुआ की खाड़ी को या कोरल सागर को मिलाने वाली ये टॉरस जल संधि है जल को टिक चलिए ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया द्वीप के बीच में बांस की जल संधि है आई मैं बांस की जल संधि दिखा देता हूँ यह है बांस की जल संधि बांस या बास पढ़ देते हैं हम इसको तो बास की जल संधि किसके बीच में विक्टोरिया तथा तस्मानिया के बीच में ये हो गई आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो भी जानकारी थे ओशिनिया महाद्वीप के बारे में जो भी जानकारी थी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में बात कर लेते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री लैंड लॉक्ड मतलब स्थल अवरुद्ध अलग से मैंने इसलिए बताया कि सभी देशों के एक बार में कवर हो जाए कंफ्यूजन पैदा ना हो क्योंकि मैंने बताया सबके बारे में मैंने पढ़ा है हर चीज़ के बारे में चाहे वो नदियां हो किसी भी देश की किसी भी महाद्वीप की चाहे वो पठार हो किसी भी महाद्वीप की किसी भी देश के चाहे फिर वो मरुस्थल हो कुछ भी हो सबके बारे में मैंने अलग से बताया है इसलिए महाद्वीप जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें एक केवल बेस आप लोगों ने तैयार किया है जो आप महादीप को आंखें बंद करें तो उंगली रखें कि इस तरफ ये है फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा फिर यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा फिर यूरोप हो जाएगा फिर आंखें बंद करेंगे तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिणी अमेरिका फिर सबसे नीचे आएंगे तो अंटार्क्टिका महाद्वीप तो आंखें बंद करके भी आप मैप पर रखकर बता सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है तो चलिए समझते हैं स्थल अवरुद्ध देश या लैंड लॉक्ड कंट्रीज चलिए देखते हैं एक एक करके देखेंगे सभी महाद्वीपों के तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की जो कि प्रमुख है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला देश जो है वो है लाउस इतना ज्यादा पूछा जाता है कि जब भी मैं पुराने पेपर देखता हूं तो लाउस तो होता ही होता है कहीं पर हो, हो, लाओस तो हो ना हो लाउस तो होना ही होना होता है उसमें ठीक है तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौस की तो लाओस जो है स्थल अवरुद्ध देश है किन किन देशों से घिरा हुआ है ये पूछा जाता है किन किन देशों से किन किन देशों से ये सीमाएं बनाता है तो आपका चीन से ये सीमा लगा रहा है वियतनाम से घिरा हुआ है कंबोडिया से भी है थाईलैंड और म्यांमार तो म्यांमार अगर इस तरह से देखें म्यांमार चीन और वियतनाम यहाँ पर अगर राजधानी की वैसे जरूरत नहीं है ठीक है और आपका कंबोडिया और ये थाईलैंड इनकी वैसे राजधानी भी बहुत जरूरी है म्यांमार की जो राजधानी है नेपियदा है वियतनाम की राजधानी हनोई है, है और आपका थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक है कंबोडिया की पेन है नाम पेन है ठीक है चलिए दूसरा देश देखते हैं नेपाल नेपाल जो है आपका किन किन देशों से सीमा बनाता है तो आइए देख लेते हैं ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ कई स्थल अप्रुष्ट देश है तो चीन से तो मिला नहीं बना रहा है आपका थिम्पू यानी कि भूटान से नहीं बना रहा है ये ध्यान रखना भूटान से सीमा नहीं बना रहा है भारत से सीमा बना रहा है तो भारत और चीन से यह सीमा बना रहा है चलिए कजाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो कजाकिस्तान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अब ये कहेंगे कजाकिस्तान का कैस्पियन सागर से मिलती है तो लैंड लॉक्ड मतलब ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र जो कि महासागरों से जिसका सीमा नहीं बनाता क्योंकि जो कैस्पियन सागर है वो कोई महासागर नहीं है ना ही वो कोई सागर है वो एक झील है ठीक है तो चलिए कौन कौन देशों से सीमा बना रहा है कजाकिस्तान आप लोगों को मैं दिखा देता हूं एशिया का आपका यहां पर देख सकते हैं आपका कजाकिस्तान जो है आपका रूस से रूस से घिरा हुआ है ठीक है रूस से घिरा हुआ है और आपका यहाँ से चीन से सीमा बनाता है आपका उजबिकस्तान से सीमा बनाता है और तुर्कमेनिस्तान से सीमा बना रहा है ठीक है चलिए और नेक्स्ट देखते हैं भूटान के बारे में तो भूटान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है भूटान किन किन देशों से सीमा बना रहा है तो भारत और चीन से सीमा बनाता है आप कहेंगे बांग्लादेश से तो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है यानी बांग्लादेश से सीमा साधा नहीं करता भूटान की राजधानी थिंपू है ठीक है चलिए अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान भी जो आपका यहाँ पर कुछ देश हैं जैसे कि आपका उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेस्तान कजाकिस्तानिस्तान अफगानिस्तान इस, पाकिस्तान इस तरह से कुछ प्रमुख देश हैं तो उनमें आपका जो ये अफगानिस्तान है ये भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ कहें स्थल स्थल अवरुद्ध देश है किन किन देश तो सीमा बना रहा है भारत से तो बना ही रहा है जो कि आपका भारत से किससे बना रहा है पाक अधिकृत कश्मीर से पीओके से सीमा बना रहा है यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बना रहा है पाकिस्तान से सीमा बना रहा है ईरान से आपका तजाकिस्तान से ठीक तुर्कमेनिस्तान से और उज्बेकिस्तान से ठीक है चलिए अजरबेगान के बारे में बात करें अजरबैगान किस किस देश से सीमा बनाता है तो अजरबैगान के बारे में हम देख लेते हैं यहां पर अजरबैगान का जो प्रमुख क्षेत्र है इसको हम कहते हैं बाकू जो की अजरबैगान की राजधानी भी है तो अजरबैगान से राजधानी बनाने वाली जो है सबसे पहले तो यहाँ पर रूस देख लेंगे इसके बाद है जॉर्जिया ठीक है और यहां पर एक देश है जिसको हम कहते हैं आर्मेनिया ठीक है चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इसी में एक देश है उसको कहते हैं उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान को भी देख लेते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है उज्बेकिस्तान आपका कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान ठीक है और किर्गिस्तान से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से भी करता है हल्की सी चलिए उजबेकिस्त किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो किर्गिस्तान जो है वो आपका चीन से सीमा साझा कर रहा है कजाकिस्तान से घिरा हुआ है त, तजाकिस्तान से घिरा हुआ है और उज्बेकिस्तान से भी घिरा हुआ है इसके बाद मंगोलिया के बारे में बात की जाए तो मंगोलिया भी आपका स्थल देश है मंगोलिया जो घिरा हुआ है आपका चीन और यहाँ पर है यूरोप रूस ठीक है तजाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो तजाकिस्तान भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है आपका तजाकिस्तान आपका चीन से और आपका अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान से और किर्गिस्तान से भी सीमा साझा करता है इसके बाद तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात की जाए तो तुर्कमेनिस्तान आपका यहां पर देखेंगे ईरान से सीमा साझा कर रहा है और आपका उज्बेकिस्तान से और अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है ठीक है इसके बाद पश्चिमी तट के बारे में बात करें पश्चिमी तट या बेस्ट बैंक एक देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन भी हम इसको कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि ये इसमें इस देश के रहने वाले जो लोग थे वो बेघर हो गए थे यानी कि यहाँ का झगड़ा चलता है इज़राइल वाले चीज़ से और ये सीरिया वाले चीज़ से यहाँ पर मारा मारा मारपीट होती रहती है आपस में तो ये बेचारा ऐसा देश आ, इसको हम शायद जहाँ तक अंदाज इसको कहते हैं विदाउट लैंड कंट्री यानी कि देश तो है लेकिन इसका कोई अपना खुद की जमीन नहीं है बेचारे घर से बेघर हो गए हैं इसके बाद एक और बात कर लिया है। ना, ना, नार करावाक नारावाक जो है अजर बैगान के अंदर ही एक देश बना दिया है छोटा सा तो जिस तरह से वो भारत देश को तोड़ने की जब बात करते हैं उसी तरह से अजर बैगान में कुछ कीड़े पैदा हुए अजर बैगान में जब कुछ कीड़े पैदा हुए तो उनके क्या कर दिया अजर बैगान के अंदर ही खोखला कर दिया छेद कर दिया तो वहां पर अजर बैगान के अंदर ही एक देश बना दिया जिसको हम कहते हैं नारगोनो करा ठीक है तो ये भी एक स्थल अवरुद्ध देश बोला जाएगा वैसे ये मैप पर नहीं दिखता है बस आप अजरबैगान देखेंगे तो अजरबैगान में आपको दिख जाएगा चलिए दूसरा देखते हैं यूरोप में कुल सत्रह देश जो है आपके स्थल अवरुद्ध देश हैं जिनमें आपको आ, समझना होगा एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं हं। हंगरी हंगरी मतलब भूखा भूखा देश है ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं करेंगे हिंदी नहीं करेंगे लोग कन्वर्ट कर देते ना भूखा इस तरह से भूखा देश नहीं है ये इसका नाम है हंगरी से चलिए है समझते हैं भूखा देश मतलब हंगरी हंगरी देश राजधानी के बारे में बात करते हैं दो बुडा पेस्ट सॉरी बुड्डा पेस्ट नहीं बुडा पेस्ट इसकी राजधानी है किन किन देशों से सीमा साझा करता है यूक्रेन से रोमानिया से सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से ठीक है बेलग्रेड सर्बिया से करता है और आपका क्रोएशिया से सीमा साझा करता है स्लोवाकिया से करता है और ऑस्ट्रिया से और स्लो ऑस्ट्रेलिया स्लोवेनिया से ये प्रमुख देश हैं इससे सीमा साझा करते हैं बैटकिन सिटी जो है आपका इटली के अंदर ही राजधानी है उसके अंदर ही है, तो ये भी एक स्थल बोला जाएगा बेलारूस के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर बेलारूस यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलारूस तो आ है बेटा बेलारूस आजा ओ, आजा बेटा शर्मा रहा है ये बेलारूस थोड़ा सा तो लग रहा है मुझे बेलारूस आइए हाँ ये मिल गया बेलारूस की पहले राजधानी बता दू बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क 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 ठीक जो है तो वैसे मिंट याद रख सकते हैं मिंस ठीक तो इसकी जो राजधानी है, है किन किन देशों से सीमा साझा कर रहा है आपका रूस से यूक्रेन से पोलैंड से आपका लिथुआनिया से और यहाँ पर देखेंगे लातविया से लातविया की राजधानी रीगा है लिथुआनिया की राजधानी विलनस है ठीक है विलनस है आपका जो यहाँ पर देखेंगे पोलैंड की राजधानी जो वार्सा है और यूक्रेन की राजधानी क्रीब है और ठीक है चलिए मेसोडोनिया देख लेते हैं मेसोडोनिया भी एक स्थलभूद देश है मेसोडोनिया कहाँ है आइए मैं आप लोगों को मेसोडोनिया दिखा देता हूँ मेसोडोनिया नहीं सरमा रहा ये तुरंत मिलने वाला है ये है आपका केसोबो जो कोसोवो जो देश है उसके ठीक नीचे मेसोडोनिया दिख जाएगा इसके कौन कौन से सीमा कर साझा कर रहे हैं बुल्गारिया आपका अल्बानिया कोसोबो और ग्रीस ठीक है इन देशों से घिरा हुआ है इसके बाद बात करते हैं सर्बिया सर्बिया में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर आपको एक देश दिख जाएगा यह है सर्बिया सर्बिया आपका रोमानिया से घिरा हुआ है सर्बिया की राजधानी भी बेलग्रेड है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है ठीक है तो आपका रोमानिया बुल्गारिया कोसोबा कोसोबो और यहाँ पर है मोन्टेगलो और बोस्निया हर और हंगरी इसकी यहाँ पर हंगरी से यह घिरा हुआ है ठीक है चलिए ऑस्ट्रिया के बारे में बात कर लेते हैं मालदोबा के बारे में बात करते हैं मालदोबा कहाँ है मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ मालदोबा बेटा आजा चलिए आ गया मालदोबा मालदोबा आपका यूक्रेन और आपका रोमानिया से घिरा हुआ है मालदोबा की राजधानी है चिस्नाउ आपका ऑस्ट्रिया के बारे में बात कर ले तो ऑस्ट्रिया किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है किन किन देशों से ऑस्ट्रिया जो है चेक गणराज्य से घिरा हुआ है स्लोवाकिया से घिरा हुआ है स्लोवेनिया से घिरा हुआ है और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है और कुछ भाग जर्मनी से भी घिरा हुआ है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है चेक गढ़राज की राजधानी प्राग है ऑस्ट्रिया की राजधानी बियना है और यहाँ पर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है ठीक चलिए अर्मेनिया के बारे में बात कर ले तो अर्मेनिया भी एक तथा देश है ठीक है इसके बाद चेक गणराज्य के बारे में बात कर लेते हैं चेक थोड़ा जरूरी है इसको देख लेते हैं चेक चेक को मैं जूम कर देता हूं यहां पर गढ़ की राजधानी प्राग है पोलैंड स्लोवाकिया ऑस्ट्रिया और यहां पर देखेंगे जर्मनी से यह देश घिरा हुआ है चलिए अंडोरा के बारे में बात कर लेते हैं अंडोरा भी एक स्थल देश है इसके बाद स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड आपका जर्मनी से सीमा साझा करता है फ्रांस से है इटली से करता है और ऑस्ट्रिया से सीमा साझा करता है लक्जमबर्ग की बात की जाए तो लक्समबर्ग मैंने आपको बताया था यहां पर कुछ देश है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नीदरलैंड नीदरलैंड के बाद बेल्जियम बेल्जियम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्जमबर्ग लक्जमबर्ग की राजधानी से आपका लक्जमबर्ग सिटी है आपका स्लोवाकिया जो है वो भी एक स्थल अवरुद्ध देश है स्लोवाकिया जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्लोवाकिया यहाँ पर दिख रहा है पोलैंड इसके उत्तर में है इसके पूर्व में यूक्रेन है यहां पर दिखेगा आपका हंगरी और ये ऑस्ट्रिया दिख जाएगा आपको ठीक है इसके बाद सेन मरानियो सेन मारिनो जिसको हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है बस हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये एक स्थल अवरुद्ध देश है इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका में कुल सोलह देश हैं जो कि स्थल अवरुद्ध देश है सबसे पहले बात करेंगे सूजीलैंड ठीक है स्विजी स्विट्जरलैंड अलग है और स्विजीलैंड अलग है ठीक है इसको हम स्विजीलैंड भी पढ़ सकते हैं अगर सहूलियत के लिए जो हमें कंफ्यूजन पैदा ना करें तो स्विजीलैंड ठीक चलिए स्विजीलैंड को हम बाद में देखेंगे पहले हम देखते हैं जाम्बिया जाम्बिया कहां पर है आइए मैं दिखा देता हूं जाम्बिया इसको हम उत्तरी रो, रोडेशिया भी कह देते हैं किसको जाम्बिया कहां पर ये जाम्बिया जाम्बिया की राजधानी क्या है लुसा लुसाका राजधानी कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है आपका मोजाम्बिक से मालावी से तंजानिया से और कांगो गणराज्य प्रजातांत्रिक से अंगोला से और बोसाने से घिरा हुआ है ठीक है इसके बाद बात करते हैं यहां पर दूसरा जो देश है उसको हम कहते हैं बुरकिना फांसो फासो को हम अपर बोल्टा भी कहते हैं अब बुरकीना फांसो कहां है आइए मैं देख लेता हूं बुरकिना फांसो ठीक ऊपर में चले जाएंगे यहां पर आपको देखिएगा बुरकीना फांसो या फांसो ठीक ठीक है इसके कौन कौन से देशों से तो घिरा हुआ है नाइजर माली कोस्ट दे आइवरी कोस्ट और यहां पर घाने घाना से भी घिरा हुआ है यहां पर एक देश दिखेगा टोगो से भी गिरा हुआ है ठीक है चलिए बात कर रहे हैं रवांडा के बारे में तो रवांडा जो है आपका मैं जूम कर देता हूं बेटा रवांडा युगांडा के ठीक नीचे होना चाहिए रवांडा यहां पर आपको एक देश दिखेगा रवांडा रवांडा जो है जरूरत नहीं है किन किन देशों से गिरा हुआ है चलिए छोटा सा देश लिए। इसके बात करते हैं इसके करते यहाँ पर तीसरा चौथा जैसे देश है बुरुंडी अब बुरुंडी भैया कहाँ है बुरुंडी आपको दिखेगा यहाँ पर रवांडा के ठीक नीचे बुरुंडी दिखेगा ये भी एक स्थल अवरुद्ध देश है तंजानिया और कांगो प्रजातांत्रिक से सीमा साझा करता है इसके बाद माली की बात करें तो माली यहाँ पर ऊपर आ जाएगा माली भी एक

करता है इसके बाद देखते हैं मलावी के बारे में मैंने बता दिया है मलावी जो है यहाँ पर देखेंगे आपको एक उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ देश है मलावी जो है आपका जाम्बिया तंजानिया और मोजाम्बिक से घिरा हुआ देश है ठीक है इसके बाद बात करते हैं बोस्तवाना बोस्तवाना आपको यहाँ या पर देख सकते हैं बोस्तवाना दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में बोस्तवाना जो राजधानी है तो गैर गैबो है ठीक है कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है जिम्बाब्वे नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका और जाम्बिया ठीक है जाम्बिया से घिरा हुआ है चलिए के बाद लेसोथो के बारे में बात करते हैं लेसोथो मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप के का एक देश है उसको कहते हैं हम क्या बोलते हैं उसको दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही एक जिस तरह से अजर बैगान मैंने बताया था अजर बैगान के अंदर एक देश बन गया उसी तरह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के वो दक्षिण अफ्रीका में भी एक देश बन गया है जिसको हम क्या कहते हैं लेसेथो कहते हैं लेसेथो उसके बाद ठीक ऊपर बढ़ेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में एक और देश है जिसको हम कहते हैं सुस्वाजीलैंड या सुईजीलैंड ठीक नहीं है, जो कि आपका मोजाम्बिक और यहां पर दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में से ही एक दो देश पैदा हो गए थे चलिए बात करते हैं तो मैंने क्या बताया युगांडा जो है बुरुंडी रवांडा और युगांडा तीसरे नंबर पर केन्या गणराज रवांडा और आपका दक्षिणी सूडान से घिरा हुआ है इसके बाद बात करते हैं नाइजर के बारे में नाइजर आपका यहां पर है नाइजर जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है अल्जीरिया लीबिया चाड और नाइजीरिया और बोर्गियाना फ्रांसो से घिरा हुआ है यहाँ पर बेनिन से भी घिरा हुआ है ठीक है इसके बाद बात करते हैं जिम्बाबे के बारे में जिम्बाबे आप नीचे चले जाएंगे तो जिम्बाबे आपका मोजाम्बे जाम्बिया और बोस्तवाना और दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है और केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य जो है आप देख सकते हैं मध्य अफ्रीकन गणराज्य जो कि बांगुई इसकी राजधानी है किन किन देशों तो से घिरा हुआ है दक्षिणी सूडान से कांगो प्रजातंत्र से कांगो से कैमरून से चार से और दग... सूडान से भी घिरा हुआ है हल्की सी सीमा टच करता है ये सूडान से इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय इथोपिया से इथोपिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही देश है जो कि आपका सोमालिया से जिबूती से और इरिट्रिया से और केन्या से सीमा साझा करता है दक्षिणी सूडान से भी और सूडान से भी सीमा साझा करता है इसके बाद दक्षिणी सूडान के बारे में बात करते हैं दक्षिणी सूडान भी आपका यहाँ पर देश है किसका अफ्रीका महाद्वीप का चलिए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में कुल कुछ प्रमुख उत्तरी अमेरिका में कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है और आपका उत्तरी अफ्रीका में और अर्जेंटीन वो सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में तो बात करनी नहीं है चलिए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में दक्षिण अमेरिका में सिर्फ़-सिर्फ़ ब्राजील से घिरा हुआ परागवे सीमा साझा करता है अर्जेंटीना से चिली से और पेरू से घिरा हुआ देश है इसके बाद दूसरा जो देश है उसको हम कहते हैं परागवे परागवे जो है इसकी राजधानी बात अगर करें तो असु असु सीएन है बोलिविया की राजधानी की बात करें तो ला पाज राजधानी है ठीक है चलिए तो किन किन देशों से घिरा हुआ है परागवे ब्राजील से और यहाँ पर अर्जेंटीना से और बोलिविया से राजधानी बोलि से ये क्या करता है सीमा साझा करता है ठीक है तो ये हो गए आपके स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में जो भी जानकारी थी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया लाहौस वाले जैसे देश हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए बात करते हैं घास के मैदान के बारे में घास के मैदान में समझ लेते हैं घास के मैदानों को और इनको ग्रास लैंड भी कहते हैं तो देखते हैं घास के मैदान एक सेकेंड मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूँ फेवरेट लगा दूँ आप लोगों का वैसे ये आप लोगों का नहीं है मेरा फेवरेट है वैसे फेवरेट नहीं है ज़रूरत है इसकी वैसे बताऊँ

फिर मैं आपका सर डूबूंगा पानी में चलिए मैं भी जाऊंगा जीवन सोचना आप कल डूबूंगा मैं भी आप उसमें चलूंगा चलिए तो इसके इनको यानी कि उड़ कठबंधी घास के मैदान है इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है कंफ्यूजन न पैदा हो इसलिए मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में अलग अलग कर दिया है मैप में कर दिया है कंफ्यूजन न हो उनको किस रूप में और कहां कहां किन देशों में क्या कहते हैं बिल्कुल क्लियर कर दिया ठीक है तो मैंने क्या बताया उस कठबंधी घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है सबसे पहला आता है सवाना

Uh, मैप में थोड़ी सी इनकी स्थिति देख लेते हैं कम्बोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं और पार्कलैंड अफ्रीका में आइए मैं ब्राज़ील में दिखा देता हूँ आपको कम्बोज ये है आपका ब्राज़ील ठीक है जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही एक देश है तो मैं ज़ूम कर देता हूँ ये इस तरह से यहाँ पर ये ठीक है कैम्बोज सेराडोस कैंटिगस ठीक चलिए देखते हैं इनको सबसे पहले बात करते हैं सवाना के बारे में ये सवाना जो है उच्च कटबंधी घास के मैदान है ये जो है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है सहारा वाले क्षेत्र में ये आपका सहारा वाला क्षेत्र देख लिया जाए सहारा क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र और पश्चिमी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना या कहें उठ कटबंधी घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं उनको सवाना कहते हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में होते हैं संपूर्ण इसमें सारा मरुस्थल शामिल किया जाता है इसमें उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा और पश्चिमी अफ्रीका तक यह फैला हुआ है लानोस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो यह भी उष्ण कटबंधी घास का मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अब भैया दक्षिण अमेरिका, अमेरिका का अफ्रीका अमेरिका का उत्तरी भाग कौन सा है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसका उत्तरी भाग जो है बेनजला और कोलंबिया वाला जो क्षेत्र है यहां पर आपको लानोस दिख जाएगा लानोस घास के मैदान उष्ण कटबंधी घास के मैदान है मैदान है इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा मैप में स्थिति क्या है दूसरा देखते हैं घास के मैदान के बारे में मैंने बता दिया के बारे में समझते हैं इन्हें भी घास के मैदानों की तरह शीतोष तटबंधी घास के मैदानों को भी अलग अलग देशों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि प्रेरी जो है घास का मैदान है शीतोष्ण कटबंधी घास का मैदान है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका या कहीं यूएसए में प्रेरी कहते हैं इसके बाद पंपास जो है सीतोस कटवंदी घास के मैदान है इनको अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में है चलिए बेल्ट्स के बारे में बात करते हैं बेल्ट्स भी सीतोस कटवंदी घास के मैदान है ये आपके दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका मतलब देश के बारे में नहीं बात करूं अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है वहां पर जिम्बाब्वे में बोस्वाना में, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में भी ये पाए जाते हैं इसके बाद डाउंस जो है शीतोष कटबंधी घास के मैदान ही हैं, ठीक है डांस जो है शीतोष कटबंधी घास के मैदान है ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं क्या है शीतोष कटबंधी घास के मैदान स्टेपी के बारे में बात कर ली जाए तो स्टेपी भी शीतोत् कटबंधी घास के मैदान है ये एशिया में यूक्रेन में रूस में चीन के मंचूरिया में, प्रदेश में यानी कि यूरेशिया वाले क्षेत्र में यूरेशिया वाले क्षेत्र में यानी कि यूरोप और एशिया के क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं शीतोष्क कटबंधी घास के मैदान टैगा के बारे में बात कर ली जाए तो यूरोप के यूरोप और एशिया के साइबेरियाई क्षेत्र में ये टैगा या कह शीतोष कटवंधी घास के मैदान पाए जाते हैं शैलवास जो है दक्षिण अमेरिका वाले भाग में ये पाए जाते हैं ये मुझे पक्का कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किस तरह के मैदान हैं या कहें शीतोष कटवंदी मैदान है या फिर उष्ण कटबंदी मैदान है। ये आप अगर कोई जानता हो तो मुझे बताएं क्योंकि मुझे कई सारी मैंने बुक देखी मुझे सैलवास के बारे में दिखा नहीं बस इतना कन्फर्म हो गया कि ये भी आपके घास के मैदान है चलिए समझते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं प्रेरी के बारे में प्रेरी मैंने बताया था प्रेरी है घास के मैदान सीतोष कटवंदी घास के मैदान है ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में यानी कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जैसे कि आपका कनाडा वाले क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए वाले क्षेत्र में और मेक्सिको तक फैले हुए हैं अब भैया मेक्सिको कहाँ है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने बताया बृहद मैदान यानी कि अब कनाडा वाले क्षेत्र में फिर नीचे चलते चले जाएंगे आपका यूएसए वाले क्षेत्र में यहां पर एक देश होता है इसको हम कहते हैं मेक्सिको तो कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में ये शीतोषक घास के मैदान फैले हुए हैं जिनको हम प्रेयरी कहते हैं इसके बाद दूसरा जो आता है घास के मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मध्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं आइए मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपको ले चलता हूं ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र है इसका मध्य वाला जो क्षेत्र है मध्य वाले क्षेत्र से अर्जेंट टीना वाले पूरे देश में या फिर पूरे क्षेत्र में जो घास के मैदान फैले हुए हैं जो कि बहुत अच्छी खास यहाँ पर खेती होती है यहाँ पर देख सकते हैं अर्जेंटीना की राजधानी है है पर ये स्थित आपका दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुख जो घास के मैदान है इसको हम पंपास कहते हैं जो कि खासकर अर्जेंटीना वाले भाग में फैले हुए हैं इसके बाद बात करते हैं बेल्ट्स के बारे में यह भी शीतोष घास के मैदान है या शीतोष कटरंदी घास के मैदान है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं ठीक है कहां पर है दक्षिण अफ्रीका ये आपका दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहां पर आपके पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र बताए थे आपका बोध हो गया यहां पर मूंजाबिक हो गया दक्षिण अफ्रीका हो गया देश ठीक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र ठीक चलिए डाउंस के बारे में बात कर लेते हैं यह है भी शीतोष कटबंधी या कहें शीतोष कटबंधीय घास के मैदान है जो कि आपके कहां पर फैले हुए हैं आपका ऑस्ट्रेलिया देश में फैल हुए हैं कैनवरी की अगर बात कर ली जाए न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको हम कैनवरी कहते हैं न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली घास है यह सीतोस कटबंदी घास के मैदान है घास के मैदान घने व गहरी हरी घास होती है सब जानते हैं सब जगह क्षेत्रों में यही स्थिति होती है चलिए स्टेपी के बारे में बात कर लेते हैं स्टेपी मैंने बताई थी कि यूरेशियाई क्षेत्र में ये पाई जाती है जो कि मैंने बताया संपूर्ण यूरेशियाई महाद्वीप पर विस्तृत है यह उत्तरी एशिया में शीतोष कटबंधी घास के मैदान की श्रेणी में आती है तथा दक्षिण में इसे उष्ण कटबंधी घास के

नदियों के बारे में जो हम बात करेंगे वो देख मैं बता देता हूँ पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नदियां जो मैं बताऊंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ही बात करूंगा और दूसरी बात महाद्वीपों के आधार पर नदियों को बांट रखा है मैंने और तीसरी बात नदी का नाम नदी का उद्गम स्थल नदी का गिरने का स्थान और आपका नदी की लंबाई किलोमीटर में और बांध अगर हो इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहली जो नदियों के बारे में हम बात करेंगे वो होगी आपकी ए, एशिया वाली नदियाँ ठीक है एशिया महाद्वीप की नदियां सबसे पहली जो नदी है उसको कहते हैं यांगसी नदी यांग तो तिब्बत के पठार से निकलती है ये है आपका तिब्बत का पठार और ये इस तरह से निकलती और ये इस तरह से संघाई वाले क्षेत्र में यहाँ पर गिर जाती है तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में संघाई के पास चीन सागर में है नदी गिर जाती है यहाँ का चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है कहाँ पर है चीन सागर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है आपका चीन सागर ठीक चलिए लंबाई की बात की जाए तो 6380 किलोमीटर है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है इसके बाद बात करते हैं हांग हो नदी इसको हम पीत नदी भी कह देते हैं आप पीली नदी भी कह देते हैं जो कि आपकी कुल्लुन कुल्लुन पर्वत श्रेणी से निकलती है और जाकर यहाँ पर बहती है कौन सी येलो सी येलो रिवर और इस तरह से आती है और इस तरह से ये आपका यहाँ पर ये इस तरह से और यहाँ पर ये एक जगह पड़ती है चेहल चेहल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है कौन सी नदी वांग हो नदी या फिर पीली नदी कहाँ पर है आपका ये ये इस तरह से यहाँ पर चेहल की खाड़ी है ठीक है चलिए लंबाई कितनी है छह किलोमीटर की लंबाई मीकांग नदी के बारे में बात कर लेते हैं मीकांग नदी जो कि मेकांग या मीकांग भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा तो तिब्बत के पठार से यह नदी निकलती है तिब्बत का पठार कहाँ है ये आपका तिब्बत का पठार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से नदी निकली ये यहाँ पर और इस तरह से ये म्यांमार होती हुई और ये इस तरह से क्षिण में यहां पर प्रवेश कर जाएगी ठीक है तो फिर से से बता दे रहा मिकांग नदी जो है है तिब्बत के पठार निकलती और दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है दक्षिणी चीन सागर कहाँ है यह आपका दक्षिणी चीन सागर में जूम कर देता हूं यहाँ पर यह पूर्वी चीन सागर यह दक्षिणी चीन सागर तो दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है लंबाई की बात की जाए मिकांग नदी की या मेकांग नदी की तो वो है आपकी चार हजार तेईस किलोमीटर ठीक है कितनी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक चार हजार चार चार हजार तेईस किलोमीटर कौन कौन से देशों से होकर जाती है म्यांमार म्यांमार थाईलैंड और चीन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपकी यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से और म्यांमार चीन होती हुई इसके बाद म्यांमार होती हुई और थाईलैंड होते हुए ये यह यहां पर अपना जल गिरा देती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैसे यहाँ पर एक दो नदियाँ और रहे हैं वो वैसे तो भारत क्षेत्र में मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं फिर भी मैं हल्की से जानकारी दे दूँ ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपका तिब्बत वाले पठार से निकलती है वहाँ पर एक जगह है चेमा युगडुंग ठीक है चेमा युगडुंग ग्लेशियर से या चेमा युगड हिम्मत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है बंगाली खाड़ी कहाँ है ये है इस तरह से निकलती है और ये बहती हुई आती है और बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तिब्बत भारत चीन और बांग्लादेश में यह नदी बहती है लंबाई की बात की जाए तो उनतीस किलोमीटर सिंधु नदी के बारे में बात की जाए तो सिंधु नदी भी आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिरा देती है इसके बाद गंगा नदी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे भारत का भूगोल पढ़ा था मैंने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनत से निकलती है और बांग्लादेश में यहाँ पर लगभग लगभग दो किलोमीटर बहती हुई बांग्लादेश में अपना जल गिरा देती है चलिए बंगाली खाड़ी में बांग्लादेश में अपना मुहाना बनाती है आमू दरिया के बारे में बात करते हैं यह है आपका पामीर का पठार यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पामीर का पठार वाला क्षेत्र तो पामीर के पठार से निकोलस श्रेणी है निकोलस पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है और ये आमू दरिया यहाँ से बहती हुई इस तरह से ये यह यहाँ पर बहती हुई अरल सावर सागर में अपना जल गिरा देती है कितनी लंबाई में दो हजार छः आपकी लंबी नदी है इसके बाद बात करते हैं इरावदी नदी इरावदी नदी जो है वो आपकी म्यांमार में निकलती है म्यांमार में बहती है और इरावती जो नदी है यहाँ पर आप देख सकते हैं इरावती ठीक है दो नदियों के मिलने से बनती है माली और नामी नदी के संगम से इरावदी नदी बनती है और बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है दिखा देता हूं मैं इरावदी नदी यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपकी इरावदी माली और यहां पर दो नदियों को मिलने से ये इस तरह से यहां पर आती है और बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है यहां पर रंगून देख सकते हैं ठीक है मुहाने पर इसके रंगून है कहां पर गिरा रही है ये बंगाली खाड़ी में ठीक चलिए चलिए आगे बात करते हैं चलिए सालवीन नदी के बारे में बात कर लेते हैं सालवीन नदी जो है तिब्बत वाले क्षेत्र से कुल्लून पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है यहाँ पर तिब्बत का पठार वहां के दक्षिणी क्षेत्र से आपके कुल्लुल पर्वत से निकलती है और मर्तवान की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर यह है आपका मर्तवान की खाड़ी यहाँ से निकलती है आपकी चीन में होती हुई इस तरह से आपके म्यांमार वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर आपका वर्तमान की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है लंबाई की बात की जाए तो तीन हज़ार साठ किलोमीटर इसकी लंबाई है कौन कौन से क्षेत्रों में जाती है चीन बर्मा यानी कि म्यांमार और थाईलैंड में होती हुई ये जाती है इसके बाद बात करते हैं ओबे एर्टिस ओबे एर्टिस नदी जो है अल्ताई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है कितनी लंबाई है पाँच हज़ार चार सौ दस किलोमीटर आइए मैं ओबे नदी दिखा देता हूँ ओब नदी या ओबे नदी ये यहाँ से इस तरह से निकलती है और यहाँ पर ये इस तरह से ओब की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है जो कि यहाँ पर उत्तर वाले क्षेत्र में यहां पर है ठीक है चलिए जॉर्डन नदी के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका इजराइल तथा जॉर्डन जो देश हैं, तो इनके बीच में स्थित है चलिए आगे बात करते हैं चलिए ओबे ओबे इटिस नदी के बारे में बात कर लेते हैं ओबे इटिस कहाँ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका यहाँ से निकलती है मंगोलिया वाले क्षेत्र से ये इस तरह से निकलती है और उत्तर में बहती हुई बहती हुई बहती हुई यहाँ पर इटिस नदी है ओबे नदी में जाकर मिल जाती है और फिर आगे ये ओबे नदी ओब नदी या ओबे नदी कहलाती है और ओब या कहें ओबे की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है कितनी लंबाई है इसकी पांच हजार चार सौ दस किलोमीटर इसकी लंबाई है इसके बाद बात करते हैं जोर्डन नदी के बारे में तो जोर्डन नदी जो है यहाँ पर दो देश आपको दिख रहे होंगे यह है बेस्ट बैंक इसको हम कहते हैं फिलिस्तीन नामक देश आपका बेस्ट बैंक कहलाता है पश्चिमी तट ठीक है इसके बाद जॉर्डन रेवर जो है आपकी जॉर्डन नामक देश है ये यहाँ पर और यह है सीरिया और यह है इजराइल तो जॉर्डन सीरिया और इजराइल वाले चीज से आपकी यह नदी बहती हुई जाती है ठीक है इसके बाद यहाँ पर मीर सागर में अपना जल गिरा देती है आपका डेथ डेथ सी या सागर यहाँ पर अपना जल गिरा देती है चलिए आमूर नदी के बारे में बात करते हैं ये है आपका यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलिया इस तरह से उत्तर में दक्षिण में इसके चीन और इस तरह से यहाँ से ये यह बहती हुई और यहाँ पर अपना जल गिरा देती इसकी लंबाई की बात की जाए तो चार किलोमीटर इसकी लंबाई है

आसमान बांध इसी नदी पर किस पर आपका नील नदी का इसके बाद बात करते हैं कांग्रो कांगो नदी या जायरे नदी लोआईला लो लौा। आ या और लाव पूला नदी दोनों से मिलने से एक नदी बनती है जिसको हम कांगो या जायरे नदी कहते हैं यह अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो चार किलोमीटर इसकी लंबाई है कांगो गणराज्य से है निकलती है मैं आपको दिखाते तो मैंने क्या बताया यहाँ पर एक नदी है जिसको हम कहते हैं जायरे नदी या कांगो नदी दो नदियों के मिलने से बनती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों नदियां हैं ये ठीक है और इस तरह से ये बहती हुई जाती है और यहाँ पर कांगो जायरी नदी जो है आपका अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइजर या तेल नदी तो गुआना उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है गुआना उच्च भूमि वाला वाला क्षेत्र ये है आपका यहाँ से ये यह नदी निकलती है और ऐसी बहती हुई आती है आती है आती है और ये यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में है है। और गिनी की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है इसकी लंबाई की बात की जाए तो चार हजार वो चार किलोमीटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजर नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से इस तरह से ये नाइजर नदी निकली और गिनी तट होते हुए यहाँ पर जो यहाँ पर जो गिनी की खाड़ी है यहाँ पर अपना जल गिरा देती है ठीक है चलिए ये गिनी गिनी की खाड़ी है यहाँ पर ये गिनी चलिए आगे बात करते हैं ऑरेंज नदी के बारे में बात करते हैं ऑरेंज नदी जो है लिसोथो आ, नामक देश में है लिसोतो कहाँ पर है मैंने बताया था जब अफ्रीका महाद्वीप बताया था तब मैंने बताया था कि यह है अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिण अफ्रीका एक देश है उसके अंदर भी एक देश बना हुआ है उसको हम कहते हैं लिसोतो लिसोतो में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं ऑरेंज ऑरेंज जो है अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो दो हजार इसकी किलोमीटर लंबाई है ठीक है इसके बाद बात करते हैं जाम्बे जी नदी जाम्बे जी नदी जो है जाम्बिया में बहती है जाम्बिया इसी नदी पर करीवा बांध है और विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जाम्बेजी नदी जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्टोरिया जलप्रपात आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए लिम्पोपो नदी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके पहले तो वो दिखा ऑरेंज नदी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लुसेतो से निकली है और यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है लिम्पोपो नदी जो है आपका इसी क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका नामक जो देश है यहीं पर आपकी नदी बहती है चलिए आगे बात करते हैं इसी में चलिए दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात कर ले सबसे पहली जो नदी है उसको कहते हैं अमेजन नदी पहले तो मैं मैं, आ, मैं आपको मैप में दिखा दूं। यहां पर एक झील है उसको कहते हैं हम उस झील को हम कहते हैं लेगो विलफेरो लेगो विलफेरों से आपकी अमेजन नदी निकलती है और इस तरह से बहती हुई सेलवास वाला मैदान में बहती हुई यहाँ पर अपना अमेजन अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह जल ग्रहण के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल गिरण के आधार पर ठीक है दूसरे नंबर पर कौन सी है कांगो या नाइजर नदी जो है आ, कांगो या जायरी नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है किसके आधार पर जल ग्रहण के आधार पर चलिए आगे बात करते हैं पेरू से यहाँ पर एक झील मैंने क्या बताया पेरू में लेगो विलफेरू नामक झील है यहाँ से यह नदी निकलती है कौन सी एमेजन नदी कौन कौन से क्षेत्रों से बहती है आपका यहां पर है आपका ब्राजील वाला क्षेत्र कोलंबिया में बहती है सबसे पहले तो पेरू में फिर कोलंबिया फिर उसके बाद ब्राजील में बहती हुए यहां पर अपना मुहाना बनाती है जूम कर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एमेजन का मुहाना ठीक चलिए परागवे नदी के बारे में बात कर लेते हैं परागवे नदी जो है माटो ग्रासो जो कि ब्राजील वाले क्षेत्र में पड़ता है ग्रासो से निकलती है और कौन सी नदी मैंने बताई परागवे नदी इस तरह से ग्रासो से से निकलती है ब्राजील और बहती 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 आपकी पराना नदी में गिर जाती है दो किलोमीटर इसकी लंबाई है किसकी आपकी परागवे नदी की परागवे नदी ग्रासो से निकलती है और पराना में अपना जल गिरा देती है ठीक है इसके बाद करते हैं और नदी के बारे में और

दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र से निकलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पराना नदी यहाँ से निकली यहाँ इसको हम परगना नदी भी कह देते हैं यहाँ पर निकली और क्या करती है ये इसी नदी पर आपका एतेपू बांध बना हुआ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बांध है इसको कहते हैं इतेपू बांध ठीक है क्या नाम है बांध का इतेपू बांध चलिए आगे बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को साहो सैन फ्रांसिस्को साहो जो नदी है वो आपकी दक्षिणी मिनाश गिटेस ब्राजील से निकलती है और अंध महासागर में अपना जो जल है वह गिरा देती है मैं दिखा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम है सैन फ्रांसिस्को साउ जूम कर देता हूँ सैन फ्रांसिस्को साओ जो नदी है यहाँ से ऐसी निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है चलिए आगे बात करते हैं इसी में नदी के बारे में बात कर लेते हैं येनेसी नदी यहां पर आप देख सकते हैं येनेसी नदी है इस तरह से आपका यहां से निकलती है इस तरह से और ये ऊपर ही यहां पर क्षेत्र में जाकर अपना जल गिरा देती है येनेसी नदी जो है रानू ओला पर्वत से निकलती है रानू ओला पर्वत से निकलती है और आ आर्कटिक महासागर में यहां पर है आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है लंबाई की बात की जाए तो पांच हजार पांच सौ उनतालीस किलोमीटर इसकी लंबाई है इसकी बात करते हैं। बोलगा नदी के बारे में तो बोलगा नदी जो है बलदाई पठार से निकलती है बलदाई पठार मतलब रूस वाले क्षेत्र से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा देती है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर है आपका बोलगा नदी इस तरह से बलदाई पर्वत से निकली और कैस्पियन सागर में अपना जाकर जल गिरा दिया ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यूराल नदी के बारे में जो यूराल नदी है दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है यानी यूराल पर्वत है इसका जो दक्षिणी भाग है यहीं से यूराल नदी निकलती है और निकलते हुए आपके कैस्पियन सागर में यह भी अपना जल गिरा देती है चलिए आगे बात करते हैं डेन्यूब नदी के बारे में बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिरा देती है कौन कौन से क्षेत्रों से पैर जाती है बेलग्रेड बुडापेस्ट और बियना से होते हुए आपका यहाँ पर काला सागर में जल गिरा देती है बेलग्रेड जो राजधानी है वो सर्बिया की पंगरी की राजधानी आपकी है बु, बुडा पेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी बियना है यहाँ से निकली कहाँ से निकल रही है ये यह, यह है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहाँ से आपकी डेन्यू नदी निकली जर्मनी वाले क्षेत्र से और ये बहती हुई बहती हुई यहाँ पर आई और काला सागर में अपना जल गिरा दिया ठीक है चलिए नीपर नदी के बारे में कर, बात करें तो बलदाई पर्वत है ये भी जो है बलदाई पर्वत से ये भी नदी निकलती है कौन सी नीपर नदी रूस वाले चीज से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिरा देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं बलदाई पर्वत है यहाँ पर बलदाई ठीक है या वलडाई पर्वत इसको बोल सकते हैं तो वलडाई पर्वत से यहां से निकली और ये निकलती 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 आपके काला सागर में अपना जल गिरा देती है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टिग्रिस नदी के बारे में टिर्गिस नदी तो टिर्गिस नदी यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से आई टिर्गिस नदी और ये इस तरह से आने के बाद यहां पर सत अल अरब सत अल अरब नामक जो नदी है वहां पर अपना जल गिरा देती है मैं फिर से दिखा देता हूं मैंने क्या बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्वत है उसको हम कहते हैं टोरस पर्वत यहाँ पर आप देख सकते हैं टोरस पर्वत टोरस पर्वत से यहाँ से टिग्रिस नदी निकली और सत अल अरब में अपना जल गिरा देती है इसके बाद फरात नदी या, या यूरो फरात। यहां पर ये यह जो यहाँ पर लिखा है ई यू पी एच ए आर टी एस यहाँ पर ई यू और EU जो है वो साइलेंट है तो यह इसको क्या पढ़ेंगे हम फरात नदी जो है फरात नदी यहां से निकली इस तरह से ये निकली और ठीक है और यहां पर बहती हुई बहती हुई आपका सल अर, सत अल अरब नदी में जाकर मिल जाती है फिर से बता देता हूं कारसुन और मूरत नेहरी नदी के संगम से मिली यहाँ पर देखेंगे मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दो नदियाँ हैं इन दोनों के संगम से आपकी फ़रात नदी बनी और इस तरह से आने के बाद जिस तरह से टिगरेस नदी जो थी फ़रात में मिल जाती है उसी तरह से आपकी जो वो सॉरी टिग्रेस नदी जो थी सत अल अरब में मिल जाती थी उसी तरह से आपकी फ़रात नदी भी सत अल अरब नदी में मिल जाती जो कि आपका तुर्की वाले क्षेत्र में ठीक है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर ये है फरात नदी या यू फ्रेट्स नदी भी इसको पढ़ देते हैं यू फ्रेट्स नदी यहाँ पर है टिग्रस नदी ये यहाँ पर गिरी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इस स्प्री इस नदी के बारे में बात करते हैं स्प्री नदी कहाँ है बर्लिन में बर्लिन कहाँ है जर्मनी में तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये है आपका बर्... जर्मनी जर्मनी में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं बर्लिन ठीक है बर्लिन ठीक तो इसमें होनी चाहिए कौन सी नदी मैंने बताया स्प्री नदी तो स्प्री नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्प्री नदी यहाँ से निकली स्प्री नदी ये करती 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 है और यहाँ पर अपना जल गिरा देती है इसके बाद करते हैं टेम्स नदी जो कि लंदन इंग्लैंड में है अब टेम्स टेम्स नदी कहाँ पर है टेम्स नदी लंदन ये इस तरह से ये नदी आई और ये लंदन पर आते, आते आते यहाँ पर अपना जल गिरा देती है ठीक है इसके बाद टाइवर नदी की बात की जाए तो ये भी रोम है रोम मैंने बताया था चप्पल जैसी या कह सैंडल जैसी सर्कल का देश जिसको हम कहते हैं इटली और इटली की राजधानी है रोम रोम में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं टेबेर नदी तो टेबेर नदी या टाइवर नदी जो है यहाँ से इस तरह से यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है इसके बाद सीन नदी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी एक सीन नदी ये है आपका सीन नदी ठीक तो सीन नदी इस से आई और अपना जल यहाँ पर गिरा देती है ठीक है और यहाँ पर स्प्री नदी में आप लोगों को दिखा दूँ स्त्री नदी इस तरह से बर्लिन से ऊपर से आती है इस तरह से आती है यहाँ पर इस, इस सीन सीन नहीं थी ये स्प्री नहीं थी यहाँ पर सीन थी और ये स्प्री नदी यहाँ पर इस तरह से आती है आती, और ये आती 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 नीचे यहाँ पर अपना जल गिरा देती है इसके बाद राइन नदी के बारे में बात करें तो कोलोन से निकलती है जर्मनी में स्थित है ये बोन में भी बहती है आपका जर्मनी में स्थित है और स्विट्जरलैंड में भी ये आपकी नदी बहती है कौन सी नदी यहाँ पर रायन नदी में आप लोगों को राइन नदी भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको दिख जाएगी ये है रायन नदी इसमें तो नहीं है कोई बात नहीं मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये है आपकी रायन नदी इस तरह से आपका फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर ये नदी बहती है और स्विट्जरलैंड में भी बहती है और इस तरह से यहाँ पर अपना जल गिरा देती है चलिए आगे बात करते हैं मरे और डार्लिंग के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में इस देश है इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में दो नदियाँ बहती हैं जिसको हम कहते हैं एक है डार्लिंग दूसरी है मरे यानी डार्लिंग जाकर जब यहाँ यहाँ पर मर जाती है तो वो बन जाती है मरे डार्लिंग नदी दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं मरे मरे डार्लिंग कहाँ पर गिरती हैं ये हिंद महासागर में अपना जल गिराती हैं ये दिखा देता हूँ मरे डार्लिंग को ये डार्लिंग और ये है मरे दोनों को यहाँ पर सम्मिलित रूप से मरे डार्लिंग कहते हैं और ये कायमे गिरती हैं हिंद महासागर में गिरा देती हैं हैं चलिए आगे बात करते आइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं आपकी यूएसए की नदियों के बारे में चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में सबसे पहली नदी जो है वो है आपकी मिसिसिपी नदी मिसिसिपी नदी जो है मिसोरी रेड रॉक अमेरिका में बहती है निकलती है वहाँ से और मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है आइए मैं दिखा देता हूँ आपको मिसीसिपी नदी यहाँ से आपकी मिसी नदी निकली और इस तरह से बहती हुई यहाँ पर एक नदी मिली मिसी में ओहायो और यहाँ पर एक नदी मिली अर्का सस करके एक नदी है और यहाँ पर मिसीसिपी का मुहाना यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है इसके बाद करते हैं मैकेजी नदी इसको हम पीस नदी भी कहते हैं ये आपकी फिनले नदी के मुहाने से कैनेडा से निकलती है और व्यूफोर्ड सागर में अपना जल गिरा देती है दिखा देता हूँ मैं सॉरी मिशी जीपे नदी यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ये यहां से पीस के नाम से निकली और सॉरी मैकनजी नदी जो यहाँ पर पीस के नाम से निकली और इस तरह से ये बहती हुई मैकेजी नदी अपना मुहाना व्यूफोर्ड व्यूफोर्ड सागर में अपना जल गिराकर अपना मुहाना बनाती है यहाँ पर आप देख भी रखते हैं मैकेजे की खाड़ी है ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी ऑनटेरियो झील से यह नदी निकलती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मॉन्ट्रियल कनाडा में यह बहती है और क्यूबेक में भी यहाँ पर बहती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ओंटेरियो झील कहाँ है ये जो महान झील वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच झीलें हैं उनमें से एक झील है इसको हम कहते हैं ओंटेरियो झील ठीक है ऑन्टेरियो से एक नदी निकलती है इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस नदी आपकी यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी देख सकते हैं यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है चलिए नेल्सन नदी के बारे में बात कर लेते हैं नेल्सन नदी जो है बो नदी का जो ऊपरी भाग है वहां से नदी निकलती है और अर्सन की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तो आइए दिखा देता तो हूं मैं कहां है अर्सन की खाड़ी यहां पर एक जगह है उसको हम कहते हैं बो नदी बो नदी के उत्तरी भाग से नेल्सन नदी निकली और अर्सन की खाड़ी में अपना जल गिरा दिया ठीक इसके बाद करते हैं अरकानसस अरकान Uh, नदी जो है मध्य कोलिडेडो से निकलती है और मिसिसिपी के नदी में अपना जल गिरा देती है मैं दिखा देता हूं अर्कानसस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक नदी निकल रही है अर्कानसस यह मिसिसिपी में जाकर अपना जल गिरा देती है इसके बाद बात करते हैं ओहायो की ओहायो आपका पोर्टर कंट्री पेंसिल्वेनिया से निकलती है जो कि एक राज्य है और मिसिसिपी की नदी में अपना जल गिरा देती है यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी ओहायो नदी और मिसिसिपी में अपना जल गिरा देती है इसके बाद बात करते हैं कोलंबिया नदी कोलंबिया नदी जो है कोलंबिया झील से निकलती है कैनेडा वाले क्षेत्र से और प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा देती है कहाँ पर यह कोलंबिया नदी आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ ये है आपका कोलंबिया का कोलेडो uh, कौन सी मैंने नदी बताई है हाँ कोलंबिया नदी जो मैंने बताई कोलंबिया झील कहाँ है बेटा आजा कोलंबिया झील कोलंबिया हाँ ये आपकी कोलंबिया नदी यहीं से ही निकल रही है कोलंबिया झील से और ये यहाँ पर प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा देती है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हरसन नदी के बारे में ये आपकी न्यूयॉर्क सिटी में बहती है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है न्यूयॉर्क सिटी यहीं पर एक नदी दिख रही होगी आपको हड़सन अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगी क्योंकि यहाँ भी काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर एक हड़सन नदी है जो कि कहाँ से कौन से क्षेत्र में बहती है न्यूयॉर्क में इसके बाद बात करते हैं यूकॉन नदी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में कनाडा में बहती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यूकॉन नदी इस तरह से यूकॉन नदी और ये यहाँ पर आपका आपका अलास्का में होती हुई होती हुई यहाँ पर अपना जल गिरा देती है ठीक है यूकॉन नदी कहाँ से, से, से निकलती है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से जो कि कैनेडा में पड़ता है इसके बाद पोर्टोमेक नदी के बारे में बात करते हैं पोटोमैक नदी वाशिंगटन डीसी से यूएसए नामक क्षेत्र से निकलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी नदी मैंने बताई पोर्टो मैक नदी यहाँ पर आपको एक नदी दिख रही होगी जिसको हम कहते हैं मैक नदी इसके बाद करते हैं न्यागरा नदी के बारे में न्यागरा नदी जो है ऑन्टोरियो कनाडा वाले क्षेत्र से निकलती है और न्यागरा जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर होता है ठीक है न्यागरा नदी कहाँ पर यहीं पर आपको एक नदी दिख रही होगी वो उसको हम कहते हैं न्यागरा नदी ठीक आगे बात करते हैं एक नदी और है कोलेडो नदी जिसको जो कि आपके नवेदा या नवादा से निकलती है जो कि आपका यूएसए कनाडा में बहती हुई आपका हुबर बांध जो है इसी नदी पर स्थित है मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपके कोलोरेडो नदी और इस तरह से बहती हुई बहती हुई ये आपका इसी नदी पर आपका क्या स्थित है हुबर बांध कोलेडो नदी पर स्थित है ठीक है तो ये हो गई हल्की सी जानकारी आपकी नदियों के बारे में जो भी जरूरी थी ज़्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा जाता बस कभी कभी उसकी स्थिति पूछ ली जाती है उनका महादीप पूछ लिया जाता है या फिर उनका देश पूछ लिया जाता है ज़्यादा उद्गम वगैरह नहीं पूछते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपकी नील नदी है तो उसका उद्गम पूछ लिया या फिर आपका अमेजा नदी है बहुत फेमस है तो इसका पूछ लिया इस तरह से पूछ लिया जाते हैं जब मैकनजी नदी आपकी कहाँ गिरती है या मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है ठीक है आपका मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है आपका जो ओंटेरियो झील है उससे कौन सी नदी निकलती है इस तरह की चीजें हल्की सी पल्स पूछ ली जाती हैं चलिए यहाँ पर वैसे दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को एक दो चीजें और रह गई हैं यहाँ पर ये यह न्याग्रा नदी है इसी पर आपका न्यागरा फॉल है ठीक है यहाँ पर मैंने बताया है ये आपका वाशिंगटन में आपका ये नदी है इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जाती है और ये इस तरह से यहाँ पर मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर जो है यूकॉन नदी इस तरह से ये ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है और यहाँ पर अपना जल गिरा देती है चलिए हो गया ये नदियों के बारे में चलिए आगे बात करते हैं चलिए कृषि या एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं समझते हैं कृषि को कृषि या एग्रीकल्चर तो आइए देखते हैं शुरुआत कर लेते हैं छोट छोटपोट जानकारी से आइए देखते हैं कृषि होती क्या है वो तो ठीक तो है तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों सब्जियों फूलों और फसलों का क्या किया जाता है उनको उगाया जाता है इसमें पशुपालन भी शामिल किया जाता है नहीं जब, जब कृषि की बात आती है तो उसमें पशुपालन को भी शामिल कर लिया जाता है बिश के आधे लोग विश्व के जो जनसंख्या है उसमें से आधे लोग जो हैं कृषि से जुड़ी क्रियाओं से लगे हुए हैं ये नहीं कि आधे लोग कृषि करते हैं मतलब कृषि से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं चाहे फिर वो बड़े स्तर का उद्योग हो जैसे कि आपकी मशीन से संबंधित हो खाद्य निर्माण है या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री चलाना है तो उनसे जुड़ी क्रियाओं से लगे हुए हैं कृषि के तीन चरण होते हैं सबसे पहला जो चरण है उसको हम कहते हैं निवेश यानी कि सबसे पहले निवेश के लिए क्या करते हैं आप अच्छे बीज ले आए उर्वरक यानी कि खादें लेकर आए मशीनरी लेकर आए उसके बाद अच्छे मजदूर लेकर आए अच्छे और सस्ते मजदूर लेके आए तो ये सबसे पहले क्या होगा निवेश हो गया यानी बीज लाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए मजदूर लाने उसके लिए पैसे चाहिए मशीनरी लानी है ट्रैक्टर लाना है थ्रेसर लाना है ट्रॉली लानी तो आपके लिए पैसे चाहिए और मजदूर भी लाने तो आपको पैसे चाहिए खाद वगैरह लाने से पैसे चाहिए तो सबसे पहले क्या हो गया निवेश हो गया उसके बाद जब निवेश हो गया तो फिर आता है दूसरा चरण उसको हम कहते हैं परिक्रम क्रम में क्या आता है जुताई कराएंगे बुआई कराएंगे फिर सिंचाई कराएंगे निराई कराएंगे गुड़ाई कराएंगे कटाई कराएंगे उसके बाद ये हो गया प्रक्रम यानी कि सबसे पहले क्या हो गया मशीनरी के बाद निवेश कर दिया निवेश कर दिया पहले जुताई उताई करा ली आपकी वो सॉरी आपने क्या कर लिया बीज ले आए खादे ले आए मशीनरी ले आए और मजदूरों को बुला लिया ठीक है उसके बाद दूसरा आता है प्रक्रम प्रक्रम में क्या होता है कि जुताई करा ली खेत की गुड़ाई करा रहे हैं बुवाई करा दी तो इस तरह की चीज़ें ठीक है चौथे नंबर पर आता है वो तीसरे नंबर पर आता है सारे काम होने के निर्गत या उसको हम कहते हैं आउट पुट आउटपुट मतलब जो मार निकला प्राप्त हो रहा है यानी कि सबको काम करने को निवेश करने के बाद और जुताई बुवाई निराई गुड़ाई सिंचाई और कटाई के बाद जो माल निकला उसको हम कहेंगे आउटपुट यानी कि क्या निकला जैसे कि गेहूं के बीज लेके आए गेहूं की हमने खाद लेके आए गेहूं की हमने बुवाई कर ली उसके बाद उसमें सिंचाई कराई ये सारी चीज़ें करने के बाद आउटपुट क्या प्राप्त होगा यानी कि हमें माल क्या मिलेगा तो उसमें कैसे मिलेगा जैसे कि फसल हो जाती है तैयार उसमें से आपकी जो भी मिलता हो अनाज वगैरह जो भी है उसके बाद आपका अगर भेड़ पालन कर रहे हैं तो भेड़ आप ऊन मिलेगी आपको डेयरी उत्पादन से संबंधित तो डेयरी का दूध वगैरह मिल जाएगा आपको कुक्कट मुर्गा पालन अगर कर रखा है मुर्गा संबंधित है क्योंकि इसके में भी दोनों काम होते हैं मुर्गा संबंधित कोई उत्पादन या मछली उत्पादन है और भी कुछ बहुत सारी चीजें क्या करेंगे रुपए लगाएंगे उसके बाद बुवाई जुताई कराएंगे उसके बाद चौथे तीसरा जो माल तीसरा होता है उसको कहते हैं आउटपुट जो प्राप्त होगा आइए कृषि के प्रकारों के बारे में बात करते हैं विश्व कृषि को भौगोलिक दशा उत्पाद की मांग तथा श्रम तथा प्रौद्योगिक प्रौद्योगिकी के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है तो आइए सबसे पहला प्रकार देखते हैं कृषि का उसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि या शिप्टिंग एग्रीकल्चर इसको हम साधारण भाषा में झूम कृषि भी कहते हैं झूम बराबर झूम गाना सुना है उसी तरह से ये कृषि है झूम बराबर ही है यानी कि इसमें जो लोग होते हैं झूम झूम के करते हैं तो आइए देखें कैसे झूम झूम की जगह आप उल्टा कर सकते हैं इसको हम घूम घूम के करते हैं आइए देखें कैसे घूम घूम के करते हैं तो इससे झूम कृषि भी कहते हैं इसके तहत सबसे पहले क्या किया जाता है आप घूम घूम के एक अच्छा सा जंगल ढूंढ रहे जब घूम घूम कर झूम कृषि के लिए एक अच्छा सा जंगल ढूंढ रहेंगे जंगल में क्या करेंगे आप पेड़ पौधों को काटेंगे पेड़ पौधों को झाड़ियों को काट देंगे उसके बाद क्या करेंगे उसको जला देंगे जब वहां पर सपाट मैदान निकल आएगा, पेड़ पौधे जला जला दिए, सारी उसके बाद क्या कर लिया उस क्षेत्र पर हम जुताई वगैरह करवाएंगे के वगैरह कराने के बाद वहां पर खेती करेंगे ठीक है इसके बाद जब तक उस क्षेत्र में खेती करेंगे या कहें जब तक उस क्षेत्र में खेती करेंगे जब तक कि उस क्षेत्र की या उस खेती की उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन क्या है समाप्त नहीं हो जाता तब तक उस पर खेती की जाती है इसके बाद जब उसकी उपजाऊ शक्ति या कहें उर्वरा शक्ति जो होती है वह समाप्त हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और झूम कृषि उस पर नहीं करते अब घूम घूम हम दूसरी जगह ढूंढते हैं ठीक है घूम तो घूम कर आप दूसरी जगह देखेंगे और इस प्रक्रिया को जो दूसरी जगह मिल जाएगी उस पर लागू करेंगे वहां पर फिर जंगल काटेंगे पेड़ पौधे काटेंगे उन झाड़ियां काटेंगे उसमें आग लगा देंगे और समतल करेंगे उसके बाद वहां पर बुवाई वगैरह करेंगे ठीक है यही एक कारण है कि इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को काटना और जलाना या कहें या कृषि कृषि भी 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 कहते 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 हैं 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 को हम काटना और जलाना ज्यादातर दक्षिणी अमेरिका के अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसका एक देश है ब्राजीलिया वहां पर एक नदी बहती कोलंबिया और ब्राजीलिया ब्राजील वाले क्षेत्र में तो मैंने क्या बताया दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी वाला जो क्षेत्र है अमेजन बेसन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर झूम कृषि की जाती है इसके बाद यह है आपकी कांगो नदी वाला क्षेत्र कांगो नदी के बेसन में आपकी झूम कृषि की जाती है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी दक्षिण पूर्व एशिया कौन सी ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में भी झूम कृषि अच्छी खासी की जाती है मैं झूम करके दिखा देता हूं ये आपका अमेजन नदी वाला क्षेत्र ये आपका कांगो नदी वाला क्षेत्र और यह है दक्षिण पूर्व एशिया यहां पर अगर देखें तो इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया ठीक है समझ में आ गया तो इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानने जान, जानते हैं इसको हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे वो जब भारत देश में जब हम आ, इस जूम कृषि के बारे में पढ़ेंगे तब तो हम बात करेंगे ठीक है तो बिल्कुल साधारण भाषा बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि घूम घूम कर कृषि करते हैं वो क्या करते हैं जंगलों को पेड़ ढूंढ लेते हैं जंगलों को ढूंढ लेते हैं तो उसके जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो झाड़ियाँ वगैरह हैं उसको काट देते हैं उसको जला देते हैं जलाने के बाद क्या करते हैं उसको समतल करते हैं समतल करने के बाद वहाँ पर बवाई करते हैं बवाई करने के बाद क्या करते हैं तब तक खेती करते हैं उसमें जब तक उसका उपजाऊ शक्ति समाप्त न हो जाए जैसी शक्ति समाप्त हो जाती है यही प्रक्रिया दूसरी दूसरी जगह अपनाने के लिए वो चले देते हैं ठीक है इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या इसको हम झूम कृषि भी कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए निर्वाह कृषि के बारे में बात करते हैं यह कृषि केवल खेती करने वाले परिवार की, परिवार के निर्वाह के लिए ही की जाती है यह है खेती या कह कृषि खासकर गिनी तट तथा उत्तर भा, गिनी तट तथा भारत तथा चीन के क्षेत्रों में की जाती है मैं आप लोगों को दिखा दूं यह आपका गिनी वाला क्षेत्र यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का ये गिनी तट ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है भारत और यह चीन तो इन क्षेत्रों में आपकी निर्वाह कृषि की जाती है ये अपने कैसे की जाती है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो तीन बीघा जमीन है तो मैं जो कृषि करूंगा या मैं जो खेती करूंगा उस पर उतनी ही करूंगा जितनी की मुझे आवश्यकता है क्योंकि दो तीन बीघा में हम व्यापार नहीं कर सकते उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमारा परिवार का चल सके जैसे कि मैं हूं तो मैं हूं मेरे पास मान लीजिए दो बीघा खेती है या दो बीघा जमीन है या दो बीघा जो भी मान लीजिए खेत है तो उस पर क्या कर रहा हूं मैं मैंने गेहूँ कर लिए गेहूँ कर लिए तो मेरे लिए मैं मान लीजिए दो में छः कुंटल या सात या आठ कुंटल निकल आए तो वो मेरे लिए सिर्फ खाने के लिए हो गया यानी कि मेरे पास जो परिवार का निर्वाह करने के लिए उसमें मैंने फसल कर ली उसका खेत हो गया वो खाली गेहूँ की बात कुछ फसल करती जो कि हमारे परिवार की पूर्ति कर सके यानी कि हम लोगों को हमारा पेट भर सके उससे ठीक है इसका तीसरा प्रकार देखते हैं विस्तृत कृषि ठीक है यह बहुत यह बहुत बड़े आकार वाले खेतों की जोतों पर यानी कि यह कृषि क्या होती है बहुत बड़े आकार वाले खेतों की जोतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं इसमें मजदूरों का प्रयोग कम किया जाता है और मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है यहाँ की जो प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा होती है वह अधिक होती है लेकिन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन जो होता है वह कम होता है इस प्रकार की खेती

अब मैं 300 बीघा का खेत है 300 बीघा के खेत में क्या है मैं या 300 हेक्टेयर मान लो तीन सौ एक्टेयर का खेत है तो मान लीजिए कि हम भैया उसमें कौन सी खेती कर लेंगे अब मैं लेबर बुलाऊंगा तो तीन सौ बी का खेत है तो मैं यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर में जाने पर मुझे कम से कम डेढ़ घंटा लगेगा तो मैं क्या करूंगा उसमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे चेर पर जाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए या फिर जब हम जुताई कराएंगे तो मशीन चाहिए और जब कोई कटाई वगैरह करा रहे हैं तो हल्के हल्के मशीन से काम करवा रहे हैं तो इस तरह से क्या होता है वहां पर जो उत्पादन होता है प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो वो बहुत कम होता है यानी कि भारत देश में अगर 10 बीघा खेती है तो उसमें जो उत्पादन होगा वो कितना निकला निकला 60 60 क्विंटल क्विंटल यानी यानी कि कि मान लीजिए टन गेहूं निकला लेकिन वही जो अगर हम बात करें और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में या कहें प्रेरी वाले क्षेत्र में अगर वही दस बीघा खेती है तो उसमें कितना निकलेगा मात्र एक टन ही निकलेगा गेहूं ठीक है तो इस तरह से क्या हुआ अब एक टन एक टन जो गेहूं है वो क्या है तीन व्यक्तियों पर आ रहा है और जो टन गेहूं है टन गेहूं है वो चालीस आदमियों पर आ रहा है तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो तो कम हो गया लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है इधर क्या है प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक है यानी कि तीन लोग हैं एक टन है तो मुश्किल से तीन तीन चार चार लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है वो कम है चलिए आगे बात करते बात, बात करते करते हैं हैं मिश्रित कृषि के बाद मिश्रित कृषि क्या होती है मिश्रित कृषि के साथ मिश्रित कृषि में क्या होता है कृषि के यानी कि जो खेती करते हैं उसके साथ पशुपालन को जब मिला देंगे तो हम उसको मिश्रित कृषि कहेंगे एक बात ध्यान रखना मिश्रित कृषि और मिश्रित बुवाई में दोनों में अंतर होता है मिश्रित बुवाई क्या होती है एक बार में मिश्रित बुवाई में क्या होती है एक ही खेत में एक ही समय में तीन से चार फसल बोई जाती हैं इसको हम मिश्रित बुवाई कहते हैं जबकि मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती क्या होती है ये कृषि के साथ यानी खेती करने के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं ठीक है चलिए भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में बात कर लेते हैं तो भूमध्य सागरी जलवायु जलवायु में की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं क्योंकि तो जो भूमध्य सागरी क्षेत्र होता है ये भूमध्य सागर आप देख सकते हैं ये जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ पर सर्दियों में अच्छी खासी वर्षा होती है लेकिन गर्मियों में सूखा रहता है इसलिए यहां पर गर्मी तथा सर्दियों में अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है खेती की जाती है यह कृषि दक्षिणी स्पेन यानी कि जो क्यों क्योंकि यह दक्षिणी स्पेन वाला क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है बोम सागर से क्योंकि मैंने क्या बताया यह जो कृषि की जाती है दक्षिणी स्पेन में यहां पर आपका दक्षिणी फ्रांस वाले क्षेत्र में इटली में ठीक यहां पर तुर्की में ठीक है तुर्की में यहाँ पर ग्रीस ग्रीस क्या है मतलब आपका जो ग्रीस पश्चिमी पश्चिमी तुर्की में क्योंकि पश्चिमी तुर्की जो होता है आपका किससे जुड़ा हुआ है आपका भूमध सागरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में क्योंकि यहाँ पर ये समुद्र के किनारे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया राज्य तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में इस तरह की कृषि की जाती है कौन सी भूमध्य सागरीय कृषि चलिए आगे बात करते हैं बागानी कृषि क्या होती है बागों तथा फार्म में की जाने वाली कृषि को या बागों तथा फार्म में की जाने वाली कृषि खेती को हम बाग़ानी कृषि कहते हैं जैसे कि केला हो गया रबड़ हो गई चाय की खेती हो गई कॉफी की हो गई कोके कोको की हो गई ईटीसी लगा सकते हैं आदि इत्यादि आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं कुछ यह चार क्षेत्रों में की जाती है खासकर सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उच्च कटबंधी क्षेत्र उच्च कटबंदी आप सभी लोग जानते हैं साढ़े उत्तरी और साढ़े दक्षिणी से लेकर जो क्षेत्र है उसको हम उच्च कटबंधी क्षेत्र कहते हैं ठीक है इसके बाद लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका यहां से लेकर इस तरह से जो ग्रीन कलर का है इसको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि दक्षिण एशिया कौन सा है यह आपका साउथ एशिया जो कि भारत वाला क्षेत्र है और दक्षिण पूर्व एशिया तो यह आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में आपकी बागानी कैसी की जाती है अच्छी खासी इसके बाद मध्य अफ्रीका का गिनी तट अब मध्य अफ्रीका कौन सा है यह अफ्रीका महाद्वीप का बीच का भाग और यहां पर आप देख सकते हैं एक जगह पड़ती है यहाँ पर है गिनी ठीक है गिनी देश है यहाँ पर ठीक चलिए गहन कृषि देख लेते हैं गहन कृषि होती है गहन मतलब बहुत अधिक तो कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में उत्पादन पैदा करना इसको क्या कहते हैं गहन कृषि कहते हैं यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर क्षेत्रफल क्या है यानी कि ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग ज्यादा हैं और जमीन या क्षेत्रफल कम है तो ऐसे कि जैसे कि आपका जापान वाला हो गया जर्मनी हो गया आपका इंग्लैंड हो गया यहाँ पर छोटा क्षेत्र है ना छोटा सा द्वीप है ठीक है तो आइए देखते हैं मैंने क्या बताया कम क्षेत्र में अधिक पैदावार करना ही गहन कृषि कहलाता है इसके तहत निश्चित अवधि में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है इसके तहत अधिक जनसंख्या घनत्व तथा कम भूमि के कारण रासायनिक उर्वरकों तथा उन्नत बीजों तथा कीटनाशक के प्रयोग से यह कृषि की जाती है यह आपकी जापान वाले क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम वाले क्षेत्र में आपका जर्मनी वाले क्षेत्रों में खासकर की जाती है जो छोटे क्षेत्र हैं जनसंख्या जिनकी अधिक है उन क्षेत्रों में की जाती है ठीक है लेकिन इसमें ज्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है अच्छी खासी मशीनरी उन्नत बीज और आपका महत्वपूर्ण जो खतरनाक खाद होती है रासायनिक खादों के द्वारा चलिए विश्व में कृषि योग्य भूमि के बारे में बात करते हैं कुल क्षेत्रफल का यानी कि मान लीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट भाग पर क्या की जाती है खेती की जाती है कृषि के योग्य तो सबसे अधिक कृषि योग की भूमि जो है वो है आपका सब नंबर वन पर आता है बांग्लादेश कितना है सिक्सटी फाइव परसेंट या कहें सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट बांग्लादेश का है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बांग्लादेश नंबर दो पर आता है मालदोवा मालदोवा कहां पर पड़ता है यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेन यूक्रेन के यहां पर आया रोमानिया यूक्रेन रोमानिया के बीच में एक देश पड़ता है जो कि यूरोप का है इसको हम कहते हैं मालदोवा तो मालदोवा में जो कुल क्षेत्रफल है मान लीजिए भारत है भारत का क्या है मान लीजिए पंद्रह किलो या क्या ऐसे मान लीजिए आपका बीस किलोमीटर का यह कुल क्षेत्रफल है बीस किलोमीटर में से बीस किलोमीटर में से आपका दस किलोमीटर जो है भाग में दस किलोमीटर का जो भाग है उस पर की जाती है तो इसका मतलब पचास परसेंट भाग पर कृषि की जा सकती है यह कृषि योग्य इसी तरह से मैंने क्या बताया बांग्लादेश में 60, कुल क्षेत्रफल का क्षेत्र पर कृषि योग्य भूमि है उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मालदोवा मालदोवा मैंने बताया यूरोप का देश है इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है डेनमार्क तीसरे नंबर पर डेनमार्क आता है जिसकी फिफ्टी कुल क्षेत्रफल पर खेती की जा सकती है इसके बाद चौथे नंबर पर आता है यूक्रेन यूक्रेन का जो कुल भाग है या कुल क्षेत्रफल है उसमें से 57.6 परसेंट कृषि की जा सकती है इस क्षेत्र में इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है आपका भारत नामक देश ठीक है भारत जो है यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो कुल क्षेत्र से 57 परसेंट पर क्या की जा सकती है कृषि की जा सकती है चलिए आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख देशों की कृषि पर आधारित जनसंख्या यानी कि मान लीजिए भारत में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से ऐसे मान लीजिए मान लीजिए भारत है भारत में से 100 लोग रहते हैं और 100 में से अठाने या जो है क्या कर रहे हैं खेती कर रहे हैं कृषि पर आधारित इनकी जनसंख्या कि पूरा का पूरा कृषि से ही इनका सब कुछ चलता है तो वो कितना परसेंट हो गया सौ में से बानवे नाइनटी टू परसेंट हो गया ठीक है तो आइए समझ लेते हैं यहां पर सबसे पहला या सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला यानी कि ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अधिक कुल जो देश में जितनी जनसंख्या माली सौ है तो बानवे लोग कर रहे हैं तो कितनी हो गई नाइनटी टू परसेंट हो गया अब तीन सौ है तीन सौ में से दो सौ कर रहे हैं तो सिक्सटी सिक्स परसेंट हो गया इस तरह से बता रहा हूं तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला Sorry, uh, सबसे अधिक परसेंट वाला जो देश है उसको हम कहते हैं मालावी मालावी में आप लोगों को दिखा दू यहाँ पर है आपका दक्षिण अफ्रीका माध्यम दक्षिण अफ्रीका का यह आपका यहाँ पर मुझांबे, मुझांबे के ठीक ऊपर मालावी नामक एक देश आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है तो मालावी में कितने परसेंट लोग ज़... आपके कृषि पर आधारित है 92 परसेंट इसके बाद दूसरे नंबर पर सूडान सूडान आप यहां पर देख सकते हैं सूडान की जो कुल जनसंख्या उसकी 87 परसेंट कृषि पर आधारित है तीसरे नंबर पर आती है तुर्की तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं यानी कि बीमार रहता है ठीक है तो आप लोगों को मैं तुर्की दिखा दूं इसको टर्की भी पढ़ देते हैं कभी कभी ये आपका तुर्की इस्तांबुल इसकी राजधानी है तो तुर्की की जो कुल जनसंख्या है उसका सेवनटी परसेंट कृषि पर आधारित जनसंख्या इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है चीन चीन की जो कुल जनसंख्या है उसमें सेवनटी परसेंट जो किस पर आधारित है कृषि पर आधारित है चौथे नंबर पर पांचवें नंबर पर जो है वो है आपका भारत देश भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग कृषि पर आधारित है फिफ्टी फाइव परसेंट इसका रूस की बात की जाए तो कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग पर है फिफ्ट फिफ्टी परसेंट ठीक है इसका जापान की बात की जाए तो जापान यहाँ पर देख सकते हैं जापान की थर्टी सिक्स परसेंट फ्रांस की अगर बात, बात कर ली जाए तो फ्रांस जो है आपका ट्वेंटी परसेंट भाग पर स्थित है इसका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका जो देश है नौ परसेंट लोग कृषि पर आधारित जनसंख्या है इनकी ठीक है इसका यूके की बात की जाए यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर यानी कि लंदन वाला जो क्षेत्र है ब्रिटेन वाला क्षेत्र है इस पर कितनी इसकी कुल जनसंख्या में कितने लोग कृषि पर आधारित है सिक्स लोग चलिए चलिए बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण के बारे में तो आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में तो मैंने अपने हिसाब से जो बांटी है वो मैंने बांटी है खाद्यान्न फसले, फसलें तिलहन फसलें नकदी फसलें पेय फसलें और रिश्तेदार फसलें आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फूड क्रॉप्स कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें प्लांटेशन प्लांटेशन ठीक है आप इसको कह सकते हैं बाग़ानी फसलें और हॉर्टिकल्चर ठीक तो चलिए इसमें मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले मैंने अपने जो बांटे हैं उनके आधार पर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो इस हिसाब से बांट सकते हैं दूसरा यहाँ पर प्रकार मैंने दिया है तो भेजे देखते हैं मैंने अपने हिसाब वाला जो देखा है तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करेंगे जिसमें होगा चावल गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा जौ दाल तिलहन फसलों के बारे में जो तेल देती हैं यानी कि जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है मूंगफली सरसों तेलताड़ और कोकोनट के बारे में भी हल्की सी बात कर लेंगे ठीक है ठीक है इसके बाद नकदी फसलों के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे मेरे हिसाब से रबर गन्ना तंबाकू वैसे चाय भी आती है लेकिन हमें चाय के बारे में नकदी फसलों के रूप में हम बात नहीं करेंगे चाय के बारे में बात करेंगे पेय फसलों के रूप में पे चाय कहवा या कॉफ़ी भी हम इसको कहते हैं ठीक है इसके बाद रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे कपास जूट रेशम ठीक तो चलिए यहाँ पर वैसे अलग दिया है फूड क्रॉप्स के बारे में वीट मेज राइस आपका पल्सेस सॉरी कैश क्रॉप के बारे में शुगर कैन टोबैको कॉटन जूट एंड ऑयल सीड्स ठीक है इसके प्लांटेशन के बारे में बात करें तो कॉफी कोकोनट टी एंड रबर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में प्रमुख खाद्यान्न फसलें प्रमुख खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रमुख है उसको हम कहते हैं गेहूं ठीक गेहूं इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वीट आइए देखते हैं गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल गेहूं की खेती की जाती है यह मुख्य रूप से शीतोष कटबंध वाले क्षेत्र की फसल है यह शीतोष कटबंध वाला क्षेत्र है यह आपका शीतोष कटबंध वाला क्षेत्र है लेकिन यह है आपका उष्ण उस कौन सा हो गया यह आपका कर्क तथा मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्र में भी यह फसल की जाती है ठीक है गेहूं के लिए आदर्श दशाओं के बारे में बात कर रहे हैं या भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में तो इसका जो तापमान है तापमान कितना होना चाहिए बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय जो तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए ठीक है वर्षा के बारे में अगर बात की जाए तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए मिट्टी के बारे में अगर बात की जाए गेहूं की फसल के लिए मिट्टी की तो भारी दोमट या उपजाऊ काली मिट्टी होनी आवश्यक है अन्य पक, अन्य थोड़ी शर्तें देख लेते हैं अन्य जो क्या क्या चीजें हैं पकते समय तेज धूप तथा सौ दिन पाला रहित होने चाहिए और सबसे साधारण सस्ते मजदूर सबके लिए ये कंपलसरी है आइए बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं उत्पादक क्षेत्र गेहूं का नब्बे परसेंट उत्तरी गोलार्ध में उत्पादन होता है फिर से बता दूं नब्बे परसेंट गेहूं या कहें नब्बे परसेंट जो कुल उत्पादन का नब्बे परसेंट जो गेहूं है वह उत्तरी गोलार्ध में पैदा किया जाता है और बाकी का 10 परसेंट जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में पैदा किया जाता है विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं एशिया यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं एशिया महाद्वीप में उसके बाद यूरोप में यहां यहां पर यूरोप है यूरो जो कि नहीं दिख रहा होगा यहां पर यूरोप है उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप महाद्वीप सबसे नंबर 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 वन एशिया दूसरे पर पर आपका यूरोप और तीसरे उत्तरी अमेरिका चलिए गेहूं उत्पादक देश देख लेते हैं सबसे नंबर वन पर है वर्तमान में चीन नंबर वन पर नंबर दो पर भारत और नंबर तीन पर यूएसए फिर से बता देता हूं नंबर एक पर आपका चीन नंबर दो पर आपका भारत नंबर तीन पर यूएसए चलिए नंबर दो पर बात करते हैं चावल इसको चवलवा भी कह देते हैं ठीक है और इसको राइस भी कहते हैं मैंने चवलवा सुना है इसलिए मैंने बोला इधर इलाहाबाद की तरफ मैंने चवलवा सुना था चलिए यह, यह, यह चावल एक एक यानी चावल उष्ण कटबंधी कौन सा होता है साढ़े तेईस उत्तरी आसान से लेकर साढ़े तेईस दक्षिण आसान तथा मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटबंधी क्षेत्र कहलाता है ठीक कहला है ठीके? तो इस क्षेत्र की यह फसल है इसकी खेती ज्यादातर उष्ण तथा उपोष्ण कटबंधी क्षेत्र में की जाती है ठीक है आदर्श तथा आदर्श या कहें भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात कर लें इसके लिए क्या क्या आवश्यक है तो इसका तापमान की अगर बात की जाए तो चौबीस डिग्री सेल्सियस से लेकर सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है वर्षा की बात की जाए तो एक से लेकर दो सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक है इसके लिए वर्षा लगातार होती रहे ताकि खेतों में पानी बना भरा रहे लेकिन ये बात ध्यान रखें पानी बंधा हुआ ना हो और ठहरा हुआ पानी ना हो ये नहीं कि बम्बा के किनारे आपका जो नाला बह रहा है आपका गंदा संदा पानी है आपने क्या किया नाला खोला और उधर पानी उसमें डाल के एकदम नाला बंद कर दिया इससे नहीं इस तरह का नहीं पानी एकदम टनाटन होना चाहिए बरसात का हो या फिर चाहे फिर किसी भी साधन से हो लेकिन रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी उपजाऊ दोमट तथा जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए अन्य की बात की जाए तो सस्ते मजदूर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है या कहें कंपलसरी है क्योंकि मजदूर अगर महंगे मिलेंगे तो क्या होगा फसल पर असर पड़ेगा और देखते हैं मानसून प्रदेश की जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है मानसूनी प्रदेश कौन सी होती है जिसमें बरसात अच्छी खासी होती है, एक मौसम होता है, बाला जिसमें होती है तो वो मौसम है। जैसे कि आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अच्छी खासी होती है इस समय क्या होती है आपकी चावल या कहें धान की खेती आसानी से और बहुत अच्छे से की जा सकती है चलिए बात करते हैं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में या उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र है उनके बारे में चावल की खेती साढ़े तेईस वो सॉरी चावल की खेती यहाँ देखेंगे तो 45 डिग्री 45 डिग्री उत्तरी आचांश से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी आचांश के बीच में की जाती है यहाँ जा पर है हाँ पैंतालीस डिग्री उत्तरी आचांश से लेकर पैंतालीस डिग्री दक्षिणी आचांश के बीच में है खेती की जाती है लेकिन इसकी 90 परसेंट जो खेती है वह साढ़े तेईस पच्चीस डिग्री उत्तरी आचान तथा पच्चीस डिग्री दक्षिणी ऐसे कह सकते हैं कि इसकी 90 परसेंट खेती कर्क तथा मकर रेखा के बीच में की जाती है ठीक है चीन के बारे में बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चीन जो है चीन में एक जगह है उसको हम कहते हैं चेचवान बेसन तो चीन में जेचवान बेसन बेसन मतलब बेसन नहीं चेचवान बेसन धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है चीन वाला क्षेत्र ठीक है ये चीन यहाँ पर एक जगह पर थी उसको हम कहते हैं चेचवान बेसन इसके बाद भारत की अगर बात की जाए तो भारत में चावल की खेती के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है और उत्तर भारत का जो मैदान है और समुद्री तटीय मैदान है यहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है किसकी चावल की नहीं धान की खेती की जाती है भारत के कुछ भागों में दो फसलें की जाती है जैसे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसके बाद भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहां पर तीन फसलें ली जाती हैं यानी कि साल भर इसकी खेती की जाती है जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया पश्चिम बंगाल वाला यह क्षेत्र हो गया और आपका असम वाला क्षेत्र हो गया यहां पर असम वाला क्षेत्र ठीक है यह तमिलनाडु वाला यहां पर क्षेत्र हो जाएगा ठीक चलिए आगे बात करते हैं अन्य क्षेत्र देखते लेते दे, हैं देख लेते हैं इंडोनेशिया में अगर बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया में यहां पर जो एक द्वीप है उसको कहते हैं जावा द्वीप इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर साल भर वर वर्षा सा होने के कारण यहां पर साल भर चावल की खेती की जाती है कहां पर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में जो आपका ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है यहां पर भी अच्छी खासी धान की खेती की जाती है थाईलैंड के बारे में बात कर लेते हैं थाईलैंड को मैं चूम कर दूं यहां पर है ये आपका थाईलैंड लानोस के ठीक लाओस के ठीक नीचे

कागोसीमा केता ऐसे कई सारे यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर अच्छी खासी धान की कृषि की जाती है तो ब्राजील के बारे में भी हल्का बात कर लेते हैं यानी कि जो आपका मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में तो दक्षिणी जो गोलार्ध गोला दक्षिणी महाद्वीपों में अगर प्रमुख देखा जाए तो ब्राजील में अच्छी खासी खेती की जाती है यानी कि ब्राजील में सबसे अधिक चावल उगाया जाता है दक्षिणी क्षेत्र में यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ठीक उत्पादक देश देख लेते हैं सबसे नंबर वन पर नंबर वन पर है आपका चीन कहां पर है चीन ये है आपका चीन नंबर दो पर है भारत नंबर दो पर उत्पादन करने वाला देश कौन सा भारत नंबर तीन पर आपका इंडोनेशिया है ठीक है, है फिर से बोल दे रहा हूं नंबर एक पर चीन नंबर दो पर भारत नंबर तीन पर इंडोनेशिया किसका चावल का उत्पादन करने वाले देश चलिए मक्का के बारे में बात करते हैं मक्का देखते हैं मक्का तो गेहूं चावल के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है उसको हम कहते हैं मक्का ठीक है विकसित देशों में जो मक्का है उसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो अब विकसित देश हैं जैसे कि एशिया वाला है आपका अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं तो यहाँ के जो देश हैं वो इसको जीविका का उनका साधन है फिर से बोल दे रहा हूं गेहूं चना वो गेहूँ चावल के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो मक्का है उसको विकसित देश जो है वह चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं जबकि अब विकसित देशों में मक्का एक जीविका का प्रमुख साधन है यानी कि वहां पर रोटियां भी खाई जाती हैं और यानी कि इसी सी बात यह है कि इंसान खाते हैं जबकि विकसित देश में वहां पर जानवर खाते हैं ठीक है मक्का का जन्म की अगर बात की जाए तो मध्य अफ्रीका वो सॉरी मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र को माना जाता है किसको माना जाता है मध्य अमेरिका को माना जाता है मक्का का उत्पादन उन क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है जहां पर गर्मी का मौसम जो होता है आद्र होता है गर्मी का जो मौसम होता है गर्म तथा आद्र यानी कि आद्र मतलब नमी होती है ठीक है बरसात वगैरह होती रहती थोड़ी नमी वगैरह पाई जाती है चलिए समझते हैं आगे चलिए उत्पादक देश देख लेते हैं तो विश्व के सभी उष्ण तथा उपोष्णबी क्षेत्रों में खेती की जाती है जैसे साढ़े तेईस साढ़े तेईस कैसे मान लीजिए 30 तीस से पैंतीस उत्तरी आचांश और तीस से पैंतीस दक्षिणी आचांश के बीच में आपकी अच्छी खास चीज की खेती की जाती है इसके बाद बात करते हैं यूएसए में उत्पादन देख लेते हैं यूएसए में पूरे विश्व में जितना उत्पादन किया जाता है मक्का का उन सभी में से 50% परसेंट यानी आधे से अधिक जो उत्पादन यूएसए अकेला करता है जिसमें से जो परसेंट यानी आधे जो मक्का उगाता है उसमें से भी 80% परसेंट चारे के रूप में जानवरों को खिला देता है यहाँ पर मक्का की पेटी मध्य ओहायो से मध्य नेब्रास्का तक लगभग 1400 किलोमीटर के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है यह क्षेत्र पेंसिल्वेनिया कैंटुकी कनेक्टिकट

उगाया जाते हैं अच्छी खासी क्षेत्र में ठीक है इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर आता है चीन चीन में यहाँ पर आप देखेंगे चीन में कहा है बेटा हाँ चीन में जेचवान की जो जेचवान का जो बेसन है वहां पर अच्छी खासी मक्का का उत्पादन किया जाता है केंटन आपका चीन वाले में ही, चीन क्षेत्र में पड़ता है और बेसिन आपका चीन में ही पड़ता है और उत्तरी चीन में भी आपकी मक्का जाती है ठीक है ठीक इसके बाद बात करते हैं भूमध्य सागरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो भूमध सागरी क्षेत्र कौन? कौन सा है भूमध सागर कौन सा है यहां पर आप देख सकते हैं यह भूमध सागर वाला क्षेत्र जिसमें भूमत सागर उसके आसपास के जो देश हैं उनको भूमध सागरीय क्षेत्र कहते हैं ठीक है तो भूमध सागरी क्षेत्रों में जो सबसे प्रमुख आते हैं वो है आपका पुर्तगाल स्पेन फ्रांस और उत्तरी अफ्रीका ठीक फिर सागरी देशों में कौन कौन से आते हैं आपका यहां पर जैसे देख लेंगे आपका मोरक्को हो जाएगा लीबिया हो जाएगा यहां पर मिस्र हो जाएगा इस तरह कुछ देश हैं, ठीक है तो यहां पर कौन कौन से देश हैं? आपका पुर्तगाल स्पेन फ्रांस यहां पर इटली ठीक है तो इस तरह के यहां पर कुछ देश हैं ठीक इसके बाद क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो दक्षिणी अमेरिका के भाग में आपकी मक्का का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है तो कौन कौन से वो देश हैं जहां पर अच्छी खासी मक्का का उत्पादन किया जाता तो है तो कोलंबिया आपका यहां पर है पेरू और बोलबिया ठीक है तो मैं दिखा देता हूं यहां पर बेनिंजला में किया जाता है तो आइए दिखाता हूं मैं आपको कोलंबिया में अच्छा खासा जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका का देश है कोलंबिया में में अच्छा खासा जाता बेनी जो जो है में और की उच्च भूमि है पर अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है तो। ब्राजील चलिए देखते हैं जौ के बारे में बात करते हैं जौ का उत्पादन देश देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जौ तो जौ का उत्पादन करने वाले देशों में रूस प्रथम स्थान पर है इतना काफी है जानना नंबर वन पर जौ का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है रूस इतना जानना काफी है और एक दो देश और हल्के से बता देता हूं इसके बाद जर्मनी दूसरे नंबर पर है इसके बाद फ्रांस तीसरे नंबर पर है ठीक है इसके बाद आपका कैनेडा आता है ठीक है तो नंबर वन पर रूस नंबर दो पर जर्मनी नंबर तीन पर आपका फ्रांस उसके बाद आपका कनाडा में भी अच्छा खासा आपका जो उगाया जाता है चलिए एशिया में अगर बात कर ली जाए तो तुर्की जैसे एशिया का भाग तो नहीं है लेकिन राजनीतिक रूप से तो यूरोप का है लेकिन भौगोलिक रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया में तो एशिया में आपका तुर्की और चीन वाला जो भाग है यहाँ पर कुछ अच्छा खासा जौ का उत्पादन किया जाता है चलिए राय के बारे में बात कर लेते हैं राय राय इसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो है रूस नंबर एक पर कौन सा है रूस रूस सॉरी नंबर एक पर और नंबर दो पर पर और आता है पोलैंड ठीक है राय का उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख देश कौन सा है आपका रूस और नंबर दो पर पोलैंड अन्य भी देश है जैसे कि आपका चीन हो गया बेलारूस कहां पर है बेटा बेलारूस कहां है सरमाना नहीं आजा बेटा बेलारूस यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका बेलारूस और एक और देश है यहीं पर देखिएगा आपको रोमानिया ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी राय उगा देते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख फसल बेस्ट फसल पे फसलों के बारे में इंपॉर्टेंट जानना जरूरी और एग्जाम में पूछी जाने वाली समझते हैं सबसे पहले पे फसलों में चाय के बारे में देखते हैं वैसे यहाँ पर शराब कोई नहीं जोड़ेगा कि पे फसल पे वो भी होती है नहीं उसके बारे में हम यहाँ गंदी बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी किसी भी तरह की अभद्रता नहीं फैलाएंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं यह है, बागानी फसल है है जिसका जन्म चीन में माना जाता यानी कि जो आपकी चाय है चाय की जो फसल है या कहें चाय की जो खेती है वह उष्ण कटबंधी क्षेत्रों में की जाती है उस कटबंधी क्षेत्र कौन से हो जाएंगे साढ़े तेईस उत्तरी आचांश साढ़े तेईस दक्षिणी आचांश वाला यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है उष्षण तटबंदी क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर अच्छी खासी चीन चाय की खेती की जाती है इसका जन्म स्थान क्या है चीन को माना जाता है इसकी खेती एशिया के मानसूनी जलवायु देशों में सबसे अधिक की जाती है यानी कि वो देश एशिया के जहां पर अच्छी खासी मानसूनी जलवायु पाई जाती है जहां पर अच्छी खासी बरसात होती है ठीक है भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तापमान समझते हैं तापमान चाय के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए यह कंपलसरी है की की बात की जाए तो वर्षा कम से कम 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होना आवश्यक है इसके बाद बात करते हैं ठंडी तथा आर्द्र जलवायु दोनों प्रकार की जलवायु में आपकी चाय की खेती की जा सकती है मैं बोल दे रहा ठंडी तथा आद्र दोनों प्रकार की जलवायु में आपकी चाय की खेती की जा सकती है मिट्टी की बात अगर कर ली जाए मिट्टी किस प्रकार की चाय होती है आपकी चाय की खेती के लिए चाय की जो कृषि होती है या इसको टीवी कह देते हैं तो इसके लिए गहरी तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें फास्फोरस तथा लोहा की पर्याप्त मात्रा हो ठीक समझ में आ गया अन्य बातें समझते हैं इसमें कुछ इसकी पत्तियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं क्योंकि सारा खेल पत्तियों का ही होता है चाय की पत्ती इसलिए बोलते हैं इसकी पत्तियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं इसलिए सबसे प्रमुख जो है वो है सस्ते मजदूर सस्ते मजदूर बहुत आवश्यक हैं नहीं तो मेरे महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि चीन में जो पत्तियां हैं तीन बार तोड़ी जाती हैं और भारत में चाय की पत्तियां लगभग सोलह बार तक तोड़ ली जाती हैं इसके लिए जो परिस्थिति प्रमुख है वो है पहाड़ी ढाल या कहीं मंद ढाल वाली भूमि होना आवश्यक है किसके लिए चाय की कृषि के लिए चलिए चाय के उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं तो चीन में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी यानी कि मैंने बताया था चीन का जो क्षेत्र है वो उत्पाद वहीं से खेती की शुरुआत हुई तो चीन की चीन में चाय की खेती की शुरुआत हुई और आज भी चीन में सबसे अधिक क्षेत्र में चाय की कृषि या चाय की खेती की जाती है यहाँ पर यानी कि चीन वाले क्षेत्र में यांग टी सिक्क्यांग की जो घाटी है तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें चाय की खेती की जाती है और चीन में एक क्षेत्र बोला जाता है उसको हम कहते हैं सिक्यांग की घाटी में भी चाय उगा जा, उगाई जाती है यहाँ की जो चाय है वो निम्न कोटि की मानी जाती है या कहें घटिया क्वालिटी की मानी जाती है इसलिए यहाँ पर चाय का उत्पादन केवल घरेलू खपत के लिए किया जाता है यानी कि ज्यादा आयात नहीं किया जाता सॉरी ज्यादा निर्यात नहीं किया जाता यानी विदेशों में नहीं पसंद की जाती ये वाली चाय किसकी चीन में बनी हुई ठीक है भारत भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत में असम में असम कहा है यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका असम वाला क्षेत्र राज्य असम तथा असम में ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी तथा सादिया क्षेत्र पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी और उत्तराखंड की बात कर ली जाए यहां पर उत्तराखंड उत्तराखंड में देहरादून अल्मोड़ा और गढ़वाल तथा दक्षिण भारत की अगर बात की जाए यहां पर दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है दक्षिण भारत वाला तो दक्षिण भारत में नीलगिरी की जो पर्व पर्वत नीलगुरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर चाय की खेती की जाती है फिर से बता रहे हो भारत देश के बारे में भारत में असम में ब्रह्मपुत्र तथा सूर्मा घाटी में सदिया क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून अल्मोड़ा तथा गढ़वाल इसके बाद दक्षिण भारत की बात की जाए तो नीलगिरी की पहाड़ियों में इसकी खेती की जाती है इसके बाद करते हैं इंडोनेशिया के बारे में तो इंडोनेशिया में जावा तथा सुमात्रा के ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है यह है आपका जावा जावा और यहां पर आप देख सकते हैं यह सुमात्रा तो सुमात्रा और जावा में जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वहां पर क्या है उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि इसके लिए उस तरह की मिट्टी चाहिए होती है खासकर तो इस इन क्षेत्रों में चाय की अच्छी खासी खेती या कृषि की जाती है चलिए चाय की विश्व व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं देख लिया कौन कौन से क्षेत्रों में खेती की जाती है भारत श्रीलंका इंडोनेशिया बांग्लादेश जापान कीनिया ताइवान चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं निर यानी कि विदेश में भेजने वाले यानी कि विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट करने वाले बता जा रहा हूं मैंने कौन कौन से देश बताए सबसे पहला देश बताया निर्यात करने वाला देश आपका देश, भारत यहां पर है आपका श्रीलंका यहां पर है आपका इंडोनेशिया यहां पर है आपका बांग्लादेश यहां पर है आपका जापान यहां पर है आपका केन्या कीनिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका ताइवान ठीक मैं चूम करके दिखा देता हूं फिर से यहां पर आप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश केन्या यहाँ पर है एशिया महाद्वीप का श्रीलंका भारत और आपका ये बांग्लादेश यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान और ये है आपका जापान और ये है आपका इंडोनेशिया ये प्रमुख निर्यातक देश है यानी कि विदेशों में भेजते हैं अच्छी खासी यहाँ पर वो कर लेते हैं खेती उसके बाद ही विदेशों में भारत में अपने कुल उत्पादन का भारत में अपने कुल उत्पादन का एक बटे भाग निर्यात कर देता है यानी कि जितना भी उत्पादन करता है उसका एक बटे भाग ये क्या करता है विदेशों में भेज देता है यह निर्यात जो करता है वह कलकत्ता के वरुण दरगाह से करता है क्योंकि सारी जो चाय वगैरह आती है यहाँ पर कलकत्ता है क्योंकि तो पश्चिम बंगाल की राजधानी यहाँ से सभी क्षेत्रों में चाय भेजता है ठीक है चाय के प्रमुख आयातक देशों के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि अभी तो विदेशों में भेजने वाले देश अब आयातों के आयातक कौन कौन से देश हैं यानी कौन कौन से देश हैं जो सबसे अधिक चाय को मंगाते हैं अपने देश में ठीक है तो देखते हैं इंपोर्ट करने वाले तो ब्रिटेन सबसे अधिक चाय मंगाने वाला देशों में से आता है यूएसए यहां पर आप देख सकते हैं सोवियत संघ यानी सोवियत संघ ने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर बहुत सारे देश आ जाते हैं इसलिए इसको एक एक करके बताना सही नहीं है कजाकिस्तान पक, ये उजबेकिस्तान फलान ये कब्रिस्तान इस तरह के कई सारे यहां पर देश हैं तो ये आपका सोवियत संघ वाला क्षेत्र ठीक है इसके बाद जर्मनी जर्मनी आप लोगों को यहां पर दिख जाएगी जर्मनी इसके बाद ये यहां पर कैनेडा और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया और यहां पर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का मिस ठीक है ये आपके प्रमुख आयातक देश हैं यूएसए में दक्षिणी यूएसए में है दक्षिणी चीन में बनने वाली आकर पैदा की जाने वाली एक चाय है जिसका नाम है उलंग चाय जो कि आपकी अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है ठीक है उत्पादक और निर्यातक और आयातक मैंने बता दिए निर्यात करने वाले कौन कौन से देश हैं मैंने बता दिया भारत श्रीलंका इंडोनेशिया बांग्लादेश जापान केन्या और ताइवान आयात करने वाले कौन कौन से देश हैं मैंने ब्रिटेन यूएसए सोवियत संघ फ्रांस जर्मनी कनाडा ऑस्ट्रेलिया और मिस्र ये प्रमुख आयात करने वाले दे देश हैं अपने देशों में मंगाने वाले चलिए प्रमुख उत्पादक देश देख लेते हैं विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है दूसरे नंबर पर भारत है चौथे वो तीसरे नंबर पर केनिया या केन्या है चलिए कॉफी के बारे में बात करते हैं कहवा या कॉफी देखते हैं कॉफी के पहले प्रकार देख लेते हैं ठीक है ज्यादा छोटा सा है समझते हैं कॉफी दो प्रकार की होती है खासकर वैसे दसवीं पचास तरह की और होती होंगे मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे यहां जानकारी लेनी नहीं है मुझे सिर्फ दो के बारे में जानना है कॉफी दो प्रकार की होती है सबसे पहला है अरेबिका कॉफी या अरेबिका कहवा दूसरे नंबर पर है रोबस्टा कॉफी या रोबस्टा कहवा ठीक अमेरिका में की जाती है अच्छी किस्म का कहवा अच्छी किस्म की कॉफी मानी जाती है विश्व में इसी प्रकार का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है किस कौन सी यानी कि विश्व में जितना भी वो किया जाता है क्या क्या बोलते हैं जितना भी निर्यात वो जितना भी इधर उधर भेजा जाता है जितना भी खरीद परोक्ष की जाती है वो सबसे अधिक यानी कि जितना व्यापार किया जाता है उसमें सेवेंटी परसेंट अरेबिका कॉफी का भाग होता है बाकी का जो बचा वो तीस परसेंट रोबस्टा होता है यानी कि जो अरेबिका कॉफी होता है उसका स्वाद बहुत गजब होता है इतना गजब होता है कि अभी आप चाट लेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर चाय कॉफी अभी नहीं दे रहा हूँ किसी को तो कभी भी आप चाट लेंगे इतना स्वाद होता है लेकिन जो रोबस्टा होता है उसमें स्वाद थोड़ा गड़बड़ होता है लेकिन वो स्वादिष्ट होने के स्वादिष्ट थोड़ी कम होती है लेकिन वो रोग प्रतिरोधी होती है यानी कि उसमें जो शरीर के लिए बहुत ताकतवर बहुत अच्छी मानी जाती है रोबस्टा स्वाद के लिए क्योंकि इस दुनिया में सब सब कुछ खेल जीव का ही है जीव को अच्छा लगा तो वो चीज ज्यादा बिकती है ठीक है तो आइए समझते हैं मैंने क्या बताया अरेबिका कॉफी आपकी लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा की जाती है सबसे ज्यादा व्यापार इसी का किया जाता है रोबस्टा कॉफी जो है यह रोग प्रतिरोधी होती है लेकिन यह अच्छी नहीं मानी जाती यह निम्न स्तर की कॉफी मानी जाती है इसकी खेती खासकर अफ्रीकी देशों में होती है यह अफ्रीकी देश है पर अभी, अभी आगे बात करेंगे यह है लैटिन अमेरिका चलिए बात करते हैं कॉफी की खेती तथा व्यापार सबसे पहले अरब प्रायद्वीप पर की गई थी अरब प्रायद्वीप अरब प्रायदीप आरब, कहा है? यह आपका अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र इस क्षेत्र में की गई थी इसके बाद इसको ब्राजील लाया गया था सबसे पहले कहा गया था अरब में उसके बाद इसको ब्राजील लाया गया चलिए इसकी आदर्श दशाओं के बारे में देखते हैं कॉफी उष्ण कटिबंधी जलवायु की फसल है जो की समुद्र सल से पांच से पंद्रह मीटर की ऊंचाई पर की जा सकती है वहां पर उगाई जाती है तापमान की बात अगर करें तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना आवश्यक है वर्षा की अगर बात कर ली जाए तो वर्षा 115 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो कि समान रूप से होती रहे ठीक है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जिसमें लोहा नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वह बनी मिट्टी होती है बनी मतलब जो जंगली क्षेत्र होते हैं जहां पर बन की मिट्टी होती है वो मानी जाती है सबसे अच्छी इसके लिए एक और मिट्टी होती है जिसको कहते हैं टेरा रोसा टेर... टेरा रोसा मिट्टी जो है इसके लिए कॉफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है अन्य जो देख लेते हैं सबसे तेज हवाएं तथा सीधी धूप जो होती है कॉफी के लिए बहुत हानिकारक होती है या कहीं नुकसानदेह होती है इसलिए पौधों को यानी कि जो कॉफी के जो पौधे हैं उसको किसी की छाया में लगाने चाहिए जैसे कि आपका केले का हो गया छाया या फिर मक्का कर दिया जाए या अमरूद के पेड़ लगा दिया जाए कुछ भी हो लेकिन वो छाया में होने चाहिए समझ में आ गया ठीक है क्योंकि इनके लिए सीधी धूप बहुत ही हानिकारक होती है और हो, तेज हवाएं ठीक है इसके बाद पाला भी कॉफी के लिए नुकसानदेह होता है या कहीं हानिकारक होता है इसके लिए भूमि इसके लिए भूमि चाय से अधिक उपजाऊ तथा ढालू होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से नीचे बहकर चला जाए मैंने क्या बताया चाय में क्या है मैंने बताया था हल्का ढाल है मंद ढाल होना चाहिए लेकिन कॉफी में तेज ढाल होना चाहिए जिससे पानी रुके ना लेकिन वर्षा क्या होनी चाहिए वर्षा अच्छी खासी होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए चलिए आगे बात करते हैं चलिए उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं कॉफ़ी का ज़्यादातर जो क्षेत्र है वह ऊंचे पठारों तथा समुद्र के पास उगाई जाती है कॉफ़ी जो है ठीक है कॉफ़ी सबसे पहले हम देखते हैं ब्राजील के बारे में क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है तो ब्राज़ील के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे तो ब्राज़ील पर ब्राज़ील पर यानी कि यहाँ या हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉफ़ी की खेती दक्षिण पूर्वी भाग में मौजूद साओ पालो पराना एस्पिरिटो सेंटोस तथा मिनास गैराज राज्यों में की जाती है मैं आप लोगों को दिखा दूं ये आपका एस्पिरिटो सेंटो ठीक है मिनास गैराज पालो पराना और इस तरह के यहां पर कुछ राज्य हैं इनमें की जाती है मैं यहां पर भी दिखा सकता हूं आपको साओ पालो सेंटोस रियो डी रियोडीजियो यहां इस तरह के कुछ क्षेत्र हैं ठीक है यहां पर की जाती है यहां पर कॉफी के बड़े बड़े बाग हैं यानी कि बड़े बड़े कई सो, कई सौ किलोमीटर नहीं कई कई, कई हेक्टेयर कई कई, कई सौ हेक्टेयर में यहां पर कॉफी के बाग लगाए जाते हैं जिनको बड़े बड़े बागों को हम फजेंडा कहते हैं ब्राजील कह, कहवा का या कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक यानी कि बाहर भेजने वाला यानी कि अपने अपने क्षेत्र से दूसरे देशों में भेजने वाला देश है ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक है विश्व की कहवे की कुल मांग का तीस परसेंट पूरा करता है यानी कि जितने विश्व में मांग की जाती है यानि कि जितने कॉफी जहां जहां भेजी जाती है उसका हंड्रेड परसेंट में थर्टी परसेंट अकेला ब्राजील ही पूरा करता है व्यापार का कुल मांग का ठीक है इस क्षेत्र का यानी कि ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है, है सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला बंदरगाह है जिसे कॉफी बंदरगाह कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस से सेंटोज में साओ पालो से क्या होती है वो लाई जाती है क्या लाई जाती है कॉफी लाई जाती है कहां पर बंदरगाह तक तो जो रोड है साओ साहुपालो से जो सेंटोज के लिए जो बंदरगाह तक जो कॉफी पहुंचाई जाती है उस रोड को हम कॉफी रोड कहते हैं वैसे रियो डी रियोडीजे से भी कॉफी का आ, काफी निर्यात किया जाता है ठीक है चलिए मध्य अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं मध्य अमेरिका कौन सा क्षेत्र होता है मध्य अमेरिका ये वाला जो मध्य क्षेत्र है ये मध्य अमेरिका कहलाता है आइए देख लेते हैं तो यहां पर कुछ देश हैं इसमें हम देखेंगे ग्वाटेमाला अल सलवाडोर और कोस्टा रिका और पनामा इन क्षेत्रों में कॉफी का अच्छा खासा उत्पादन या कॉफी का अच्छा खासा यहाँ पर खेती की जाती है इसके बाद अगर बात करें अल्टाबेरापाज अल्टा बेरापाज अल्टा एक कॉफी की किस्म है जो कि ग्वाटेमाला के उत्तरी भाग में उगाई जाती है जो कि विश्व में सबसे अच्छी कॉफी में से एक किस्म है यानी कि जो कॉफी है बहुत सारे ब्रांड होते हैं या बहुत सारी किस्में हैं उनमें से जो क्या नाम बताया मैंने अल्टाबेरा पाद जो है उत्तरी ग्वाटा माला में उगाई जाने वाली प्रमुख या कहें सबसे बढ़िया कॉफी है इसके बाद करें पश्चिमी समूह के बारे में वेस्ट इंडीज के बारे में तो यहाँ पर आता है क्यूबा हैती और जमे ये सम्मिलित रूप से ये तीनों बहुत गजब के हैं क्यूबा जमैका और हैती जो है यहाँ पर भी अच्छी खासी कॉफी की खेती की जाती है जमैका की अगर बात कर ली जाए तो जमैका में एक ब्रांड है या का एक किस्म है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन तो ब्लू माउंटेन जो कॉफी है विश्व में सबसे उच्च कोटि का कॉफी माना जाता है चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के भी बारे में भी बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मैंने बताया था रोबस्टा जो कॉफी है उसको खासकर उगाया जाता है तो आइए देख लेते हैं अफ्रीका में पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कोस्ट डी आइवरी यानी कि आइवरी कोस्ट पर अच्छी खासी कॉफी की खेती की जाती है पूर्वी अफ्रीका की तरफ आते हैं तो पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया केन्या युगांडा तंजानिया जैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंगोला है अंगोला बेटा कहाँ है अंगोला तंजानिया रवांडा ठीक है इस तरह के यहाँ पर क्षेत्र में ठीक है तो पूर्वी क्षेत्र में कौन से इथोपिया कीनिया युगांडा तंजानिया और अंगोला जैसे क्षेत्रों में आपकी कॉफी अच्छी खासी यहाँ पर खेती की जाती है इसके बाद एशिया की अगर बात कर ली जाए तो भारत श्रीलंका और इंडोनेशिया में खासकर कॉफी उगाई जाती है भारत श्रीलंका यहाँ पर श्रीलंका और यह है इंडोनेशिया वाला क्षेत्र यहाँ पर अच्छी खासी कॉफी उगाई जाती है अगर बात करते हैं यनम के बारे में यहाँ पर एक क्षेत्र एशिया का ही है देश है इसको हम कहते हैं यनम यनम में उच्च कोटि की कॉफी पैदा की जाती है जिसका व्यापारिक नाम मोचा है जो कि कई बार पूछा जाता है कि यनम में उगाई जाने वाली कॉफी का व्यापारिक नाम क्या है

गोबर निकल जाता है वियतनाम के नाम से चलिए समझते हैं आगे नेक्स्ट देखते हैं नकदी फसलों के बारे में तो विश्व की प्रमुख नकदी फसलों के बारे में देखते हैं एक नजर डालते हैं सबसे पहले बात करते हैं रबर के बारे में रबड़ या रबर, रबर। चलिए देखते हैं चलिए रबर के बारे में समझते हैं रबर या रबड़ एक उष्ण कटबंधी पौधा है उष्ण कटबंध में आप लोगों को पता चुका हूं कर्क तथा मकर के बीच के भाग को कहते हैं ठीक है इतना काफी है चलिए इसका जन्म अमेजन नदी की घाटी में हुआ माना जाता है अमेजन नदी कहां है यह आपका एक देश महाद्वीप जिसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका में तीन देश है कोलंबिया पेरू और ब्राजील तो कोलंबिया पेरू और ब्राजील से आपकी अमेजन नदी बहती है और अमेजन नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है तो अमेजन नदी से बहती है उसको अमेजन नदी की घाटी कहते हैं तो अमेजन नदी की घाटी में आपका रबड़ का उत्पादन या का रबड़ का जन्म हुआ माना जाता है दशाएं देखते हैं या क्या भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं क्या क्या इसकी दशाएं हैं सबसे पहले तापमान होना चाहिए सत्ताईस डिग्री से इक्कीस डिग्री के बीच में लेकिन इक्कीस डिग्री से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है वर्षा के बारे में बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी आवश्यक है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं समझते हैं इंपोर्टेंट सबसे जरूरी सन उन्नीस सन 1900 तक अमेजन का जो बेसन था अमेजन नदी की जो घाटी थी यहां पर अमेजन नदी की घाटी तथा यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कांगो जायरे नदी जो है यहां पर कांगो जो जायरे नदी वाला जो क्षेत्र है ठीक है अमेज़न नदी तथा जायरे नदी वाला जो क्षेत्र है यहां से कुल यहां से कुल रबर का 99% उत्पादन परसेंट उत्पादन क्षेत्रों से किया जाता था लेकिन 50 सालों में आकर 50 1950 आते आते यह जो परसेंट था यह जो भाग था वह कितना रह जाता है मात्र दो परसेंट रह जाता है कितने से 99% परसेंट से दो परसेंट ही रह गया इस समय कुल रबर का 90 परसेंट भाग जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है दक्षिण पूर्वी एशिया कहाँ है साउथ ईस्ट एशिया ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है इस क्षेत्र से प्राप्त होता है कितना नाइन्टी परसेंट भाग रबर की खेती ज्यादातर तटीय मैदानों तथा तो पठारों के ढालों पर की जाती है दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई इसके बारे में समझते हैं मैं फिर से बता देता हूं मैंने अभी बताया कि सन 1900 आते आते जो अमेजन तथा जाहरे नदी का जो क्षेत्र था वहां से 99% परसेंट कुल रबर का उत्पादन होता था लेकिन सन 1950 आते आते ये परसेंटेज जो ये भाग जो था दो परसेंट रह जाता जा है ऐसा क्यों हुआ क्यों ऐसा परिस्थिति आई कि दक्षिण पूर्व एशिया में यह वृद्धि हुई तो आइए समझते हैं क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया वाले भाग में अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है क्योंकि यहाँ पर जो भी आवश्यकता है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है सबसे खास बात समुद्र के किनारे होने के कारण परिवहन की सुविधा आसानी से हो जाती है क्योंकि देखो तो कांगो का ये बीच का भाग है बहुत दिक्कत आती थी ब्राजील वाला ये पूरा क्षेत्र है ये बहुत दिक्कत आया करती थी ये बिल्कुल किनारे आता है ठीक है सस्ती जमीन तथा अनुकूल मिट्टी यहां पर या वहां पर मृदा आसानी से मिलती है सस्ते तथा कुशल मजदूर यहां पर पाए जाते हैं यहां पर मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद रबर उत्पादन के या कहें रबर उत्पादक देशों के बारे में बात करें नंबर वन पर आता है थाईलैंड नंबर दो पर आता है इंडोनेशिया नंबर तीन पर आता है मलेशिया ठीक है यहां पर आप देख, देख, देख सकते हैं थाईलैंड इंडोनेशिया और यह है आपका इंडोनेशिया यह है आपका मलेशिया ठीक चलिए आइए गन्ना के बारे में बात कर लेते हैं गन्ना यानी कि सुगर कैन सुगर कैन नहीं सुगर कैन चलिए देखते हैं आदर्श भौगोलिक दशाओं के बारे में जितना मैंने बताया था जितना जरूरी उतनी बताऊंगा तापमान सबसे पहले बात करते हैं कितना 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना आवश्यक है वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी जरूरी है मिट्टी की बात करी जाए तो लावा मिट्टी जो कि जावा तथा भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है युक्त मिट्टी जो कि क्यूबा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है क्यूबा क्षेत्र में बहुत अच्छी खासी मानी जाती है जलोड़ मिट्टी जो कि भारतीय क्षेत्र में अच्छी खासी मिलती है ये खासकर इसकी मिट्टियाँ होंगी लावा मिट्टी युक्त मिट्टी और जलोड़ मिट्टी इसके लिए खास कर है चलिए उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं भारत में गन्ने की खेती भारत में गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश बिहार में की जाती है भारत गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज काफी कम है साथ ही साथ यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भी काफी कम है यानी कि जो मिठास होती है वो भी काफी कम है जबकि ब्राजील क्यूबा हवाई दीप समूह में गन्ने का प्रति गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर काफी अधिक है और सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो हवाई द्वीप समूह में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हवाई द्वीप समूह में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो चलिए मैं मैप में थोड़ी सी नजर डलवा देता हूं मैंने क्या बताया उत्तर प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर है बिहार यहां पर है आपका तमिलनाडु ठीक है एक सेकेंड हाँ मैंने क्या बताया यहाँ पर ये आपका तमिल हाँ ये है तमिलनाडु ये है आपका कर्नाटक ये है आपका आंध्र प्रदेश ठीक और यह है आपका बिहार और यह है आपका उत्तर प्रदेश ये है आपका महाराष्ट्र ये आपके यहां पर उत्तर प्रदेश भारत देश के प्रमुख क्षेत्र है दूसरा क्या मतलब बताया था ब्राजील अभी कहा आपका क्यूबा और यह है आपका हवाई देश ये प्रमुख क्षेत्र है, है। आगे बात करते हैं गन्ने का विश्व में व्यापार नहीं किया जाता है बल्कि इससे पहले चीनी बनाई जाती है और उसके बाद इसका निर्यात किया जाता है चीनी का निर्यात करने में क्यों प्रथम स्थान पर है क्योंकि चीन गन्ने का कोई न निर्यात करता है ना कोई आयात करता है उसका कारण मैंने क्या वत, मैं बता दूं हल्का सा तो वो गन्ना जैसे कहीं पर निर्यात कर रहे हैं या फिर हम किसी देश से मंगा रहे हैं तो गन्ना का जो अंदर जो माल होता है वो होता है सीधी सीधी बात पानी गन्ना का जो माल होगा गन्ना मान लीजिए हमने दिल्ली से भेजा पाकिस्तान में सात सात से आठ दिन लग गए पहुंचते पहुंचते सात से आठ दिन में उसमें से कम से कम तीस परसेंट जो माल होगा वो सूख जाएगा क्योंकि अंदर जो रस भरा होता है उसमें काफी कमी आ जाएगी ठीक है इससे खराब होने के चांस रहेंगे इसलिए क्या करते हैं गन्ने का ना कोई आयात करता है कोई न, न निर्यात करता है करता किसका है चीनी का करता है पहले गन्ने से चीनी बनाई जाती है उसके बाद उसका निर्यात किया जाता है तो चीनी का निर्यात करने में क्यूबा का प्रथम स्थान है क्यूबा का जो कुल व्यापार होता है यानी कि 100 परसेंट जो विदेशी व्यापार होता है उसमें 80 परसेंट जो भाग है वह चीनी का होता है यानी कि मान लीजिए कुल व्यापार हुआ कि मान लीजिए भारत देश ने जैसे किसी देश में व्यापार किया विदेशी व्यापार तो भारत देश में खासकर क्या बनते हैं खुजली वाले कंबल जैसे वो ब्लैक कलर वाले खुजली वाले कंबल है ना तो ऐसी चीजों का खासकर भारत देश क्या करता है भारत देशों में बेचता है खुजली वाले कंबल रस्सी चटाई और, और भी कई सारी खतरनाक चीजें बेचता है तो इस तरह की जो चीजें हैं बाहर विदेशों में बेचता है तो उसमें जो कुल व्यापार हुआ उसमें किसका सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है चीनी का हुआ तो इसी तरह से जो क्यूबा है अब क्यूबा भैया कहां है, कहा है? आइए मैं क्यूबा दिखा देता हूं व्यापार आप आप क्यूबा. तो क्यूबा होता है उसमें 80 परसेंट भाग किसका होता है चीनी का अन्य निर्यातक देश के बारे में बात कर लें तो आपका आता है अन्य निर्यातक देश जो कि चीनी बनाकर बाहर बेचते हैं तो आपका है फिलीपींस इसके बाद आता है ब्राजील इसके बाद यहीं पर है एक देश जो इसको हम कहते हैं ताइवान ठीक है तो ताइवान उसके बाद यहीं है हवाई द्वीप ठीक तो ये कुछ प्रमुख <coughs> सॉरी निर्यातक देश है यानी कि बाहर भेजने वाले देश है प्रमुख आयातक देश यानी कि अपने देश में मंगाने वाले देश यानी कि दूसरे देश से अपने देश में मंगाने वाले तो सबसे पहले आता है यूएसए उसके बाद आता है रूस और उसके बाद आता है यूक्रेन उसके बाद जापान फिर ब्रिटेन मैं फिर से बता देता हूं सबसे नंबर वन पर आता है आय आयात करने वाला जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए नंबर दो पर आता है आपका रूस नंबर तीन पर आता है यूक्रेन यहां पर देख जाएगा एक देश है इसके बाद नंबर तीन पर आता है यहां पर चार पर आपका जापान और यहां पर देखेंगे ब्रिटेन उत्पादक देश देख लेते हैं गन्ना उत्पादक देश जो है सबसे पहला है ब्राजील नंबर वन पर है सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश है उसके बाद आता है भारत नंबर पर चीन चलिए तंबाकू के बारे में बात करते हैं तंबाकू तंबाकू टोबैको जिसको हम कह सकते हैं जो कि दुनिया की सबसे गंदी चीज होती है इससे घटिया और इसकी गंदी चीज कुछ नहीं होती है लेकिन आनंद बताते हैं लोग आज इससे अच्छा नहीं आता है और ये तब तक आनंद लेते हैं जब तक कि वो नहीं होती है वो वो उसको क्या कहते हैं जिसमें मतलब सो जाता है व्यक्ति अमित के लिए कब्र में ना पहुँच जाए तब तक उससे आनंद ही आनंद आता है वो ये चाहता है कि जब वो मरने वाला हो तो उसके कब्र में भी एक उसके साथ तम्बाकू का एक पैकेट रख दिया जाए चलिए मैंने बहुत सा मेरे खुद का एक्सपीरियंस है मतलब मेरा नहीं मेरे खुद जानने वालों का जैसे मेरे घर में है मेरे पिताजी हैं तो मतलब जो भी चीज़ छोटी मोटी इस्तेमाल करते हैं जैसे बीड़ी है सिगरेट है तो वो बहुत गंदी लगती है मैं कोशिश करता हूँ छुड़ाने की तो ये जिस जो करता है ना उसी पे बीतती है आप ये कहो ना वो करता है तो मैं उससे कहूँगा चल हट अभी छुड़वाता हूँ ऐसा नहीं होता है उनके अंदर जाने क्या चलता है वो एक बहुत बुरी लत होती है इतना अजीब लगता है उन्हें वही जानते होंगे कि उन्हें कैसा लगता है कि इसके बिना कैसे रह जाता होगा उनसे तो इससे बहुत भयंकर चीज़ इससे जितना दूर रह सकें उतना अच्छा है चलिए समझते हैं आइए देखते हैं यह देख लेते हैं यह उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की फसल है उष्ण कटबंध आप लोगों को पता ही है और उपोष्ण होता न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी ठीक है उपोष्ण कटबंधी जलवायु की फसल है इसका जन्म जो बात करते हैं तो यूएसए वाले क्षेत्र में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका जन्म हुआ माना जाता है आदर्श दशाएं देख लेते हैं किसके लिए बीड़ी के लिए तंबाकू के लिए बीड़ी नहीं तंबाकू के लिए तो वो है अट्ठाई अठारह डिग्री तापमान के बारे में बात करें अठारह डिग्री सेल्सियस से सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका होना आवश्यक है वर्षा की अगर बात कर ली जाए तो 50 डिग्री से पचास सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना आवश्यक है मिट्टी की बात की जाए तो खनिज तथा जीवाश्म युक्त तो दो मिनट मिट्टी होनी आवश्यक है ठीक है तंबाकू के प्रकार देख लेते हैं पूछे जाते हैं तंबाकू का सबसे पहला है बर्जीनिया कहां पर यह होता है आपका वर्जीनिया यानी कि ये जो यूएसए है यूएसए में एक राज्य है उसको हम कहते हैं वर्जीनिया ठीक ये यह आपको यहां पर दिख रहा होगा तो बर्जीनिया की तंबाकू बर्जीनिया राज्य में होती है आपके यूएसए में और जिम्बाब्वे में अब भैया जिम्बाब्वे कहां है यहां पर आप देख सकते हैं ये है, है अफ्रीका महाद्वीप कहां पर है बेटा अफ्रीका ये है रोमानिया यह ब्राजील और ये है मोजांबिक यहां पर देख सकते हैं आप अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर एक जगह पड़ती है उसको कहते हैं जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की जो राजधानी उसको कहते हैं हरारे ठीक चलिए उसके बाद दूसरी प्रकार देखते हैं तुर्कीस या ओरिएंटल तुर्की या ओरिएटल तो तुर्की तथा यूनान में यूनान कौन सा क्षेत्र है ग्रीस और यह है आपका तुर्की इन क्षेत्रों में इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है ठीक है तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं सिगार जो कि एक भी तंबाकू का एक प्रकार है जो कि बहुत महंगी आती है बताते हैं उसकी कीमत क्यों होती है करीब करीब 800 डॉलर 700 डॉलर फिर जैसी आप सिगार ले सकें उस तरह की आता है एक पैकेट में शायद 8 से 10 आते हैं चलिए सिगार के बारे में बात कर लेते हैं सिगार भी एक तंबाकू का प्रकार ही है जो कि क्यूबा और यूएसए का जो कनेक्टिविटी कनेक्टिकट जो घाटी गा, है वहां पर इसका यहाँ इसको उगाया जाता है यह ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टिकट यहाँ पर ठीक तो कहाँ पर क्यू क्यूबा में तो बीस बीस है आपका क्यूबा की सिगार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्यूबा की सिगार ठीक चलिए उत्पादन करने वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं ये है बर्गीनिया तम्बाकू तुर्की टोबैको और ये है आपका सिगार तीनों प्रकार है आप देख सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं उत्पादन करने वाले देशों के बारे में बात कर लें सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन सबसे दूसरे नंबर पर भारत नंबर तीन पर ब्राजील ठीक है चलिए योगी तंबाकू आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं रिश्तेदार फसलों के बारे में तो आइए समझते हैं विश्व की प्रमुख रेशेदार फसलें सबसे पहले बात हम करेंगे उस वो होगा कपास के बारे में तो आइए समझ लेते हैं कपास को देख लेते हैं कैसे और कहाँ पर की जाती है इसका उत्पादक देश कौन कौन से हैं प्रमुख आइए देखते हैं जो आपकी कपा कपास है या कॉटन है यह उष्ण क्षेत्र की फसल है लेकिन इस समय इसे उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाया जाता है या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कपास है वह उष्ण क्षेत्र की फसल है लेकिन इसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है उपोष्ण क्षेत्र में ज्यादा उगाया जाता है कपास की जो जन्मभूमि है वो मिस्र को माना जाता है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है उसको कहते हैं मिस्र या इजिप्ट ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजिप्ट इसके यहाँ पर अगर इसके उत्तर में आप भूमत सागर देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं स्वेज की खाड़ी और लाल सागर ठीक है इस तरह से तो चलिए समझते हैं आदर दशाओं के बारे में यानी कि जो आपकी कपास की फसल है उसको किस तरह से कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं सबसे पहले तापमान की बात करते हैं तो तापमान आपका तापमान जो है कॉटन को या कहें कपास को इक्कीस डिग्री सेल्सियस से सत्ताईस डिग्री सेल्सियस के बीच में होना आवश्यक है ठीक है वर्षा की बात की जाए तो पचास से लेकर सौ सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना आवश्यक है मिट्टी के बारे में अगर बात की जाए तो हल्की तथा उपजाऊ मिट्टी जिसमें चूना की मात्रा अधिक हो इसके लिए काली मिट्टी भी सबसे अधिक अच्छी होती है या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके लिए जो मिट्टी जरूरी होती है उसमें हल्की उपजाऊ मिट्टी हो जिसमें चूने की मात्रा हो लेकिन अगर सबसे अच्छी मिट्टी की बात करी जाए या कहीं सबसे अच्छी मिट्टी की बात की जाए जो आती है आपकी काली मिट्टी ठीक है इसको हम रेगुर मिट्टी भी कह देते हैं काली कपास मृदा भी हम इसको कहते हैं काली मिट्टी को चलिए समझते हैं आगे जलवायु की बात की जाए तो तेज धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि रेसेदार रेसा हैं या कहें जो इसके वो फाइबर होते हैं वो कैसे बने चमकदार तथा मजबूत बने कम से कम 200 पाला रहित दिन होने चाहिए इसके लिए ठीक है चलिए और स्थिति देखते हैं जो आपकी कपास की फसल है उसके लिए ये बात जरूरी है कि कपास जिस खेत में की जाती है या कहें कपास की फसल के बाद फसल का हेरफेर करना बहुत जरूरी है या फिर हम उसमें बहुत सारी खाद डालें क्योंकि जो कपास है जिस खेत में आप करते हैं उसमें कपास होने के बाद उसमें क्या होता है उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है या कहीं उपजाऊपन होता है उस मि मिट्टी का या उस खेत का वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है इसलिए या तो बहुत सारी खाद डाली जाए या फिर कपास की जगह कोई दूसरी फसल की जाए और उस फसल के बाद कपास को दोबारा उगाया जाए ठीक है कपास की एक बात एक खास बात यह भी है कि उष्ण क्षेत्र की फसल है लेकिन इसको उपोष्ण या कहें मैं फिर से बता देता हूँ मैंने बताया क्या बताया यह उष्ण कटबंधी क्षेत्र की फसल है जो कि विश्वत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उसके बाद भी इसको विश्वत रेखा पर नहीं उगाया जा सकता क्योंकि तो यहाँ पर वर्षा बहुत होती है क्योंकि मैं आप लोगों को जब मैंने बरसर के बारे में बताया था या मेघ के बारे में बताया था वहाँ पर मैंने संबहन संभनी वर्षा के बारे में बताया था मैंने बताया था कि जो विश्वत रेखा है वहाँ पर बहुत अधिक तापमान सूर्य साल भर वहाँ पर लंबावत चमकता है यानी कि सीधे सर पर चमकता है और भर वहाँ पर क्या रहता है तापमान उच्च रहता है जब तापमान उच्च रहता, रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है पानी बाँस भी काफ़ी बनती है जब बाँस बनती है तो ठंडी जो होकर ऊपर जब बाँस बनती है तो ऊपर पहुँच कर ठंडी हो जाती है ठंडी होने के बाद संग्नित होकर वहाँ पर क्या करती है संभनी वर्षा कर देती है यह रोज़ का नियम है यानी कि दोपहर के समय ये रोज़ होता है करीब घंटे दो घंटे होने के बाद फिर शांत हो जाती है तो ये सीधी सी बात है कि विस्तृत रेखा पर कपास की खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ वर्षा होती है तो इसके जो रेसी वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे भीग जाएंगे ठीक है चलिए क्योंकि तो आप लोगों को पता है ना कि रजाई है रजाई कई की बनी होती है कॉटन की या रुई की बनी होती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं अगर रजाई या रुई को भिगो दिया जाए तो कैसी हो जाएगी एकदम लीथड़ और छीछड़ हो जाएगी ना चलिए कपास की किस्मों के बारे में बात करते हैं कपास जो है तीन प्रकार की होती है मध्यम वो सॉरी लंबे रेसे की कपास मध्यम रेसे की कपास और छोटे रेसे की कपास चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं लंबे रेसे की कपास ठीक है इसे इसके रेशे की लंबाई चार सेंटीमीटर से लेकर साढ़े छः सेंटीमीटर तक हो सकती है यह सबसे अच्छी किस्म की कपास है इसको समुद्र दीपीय कपास भी कहते हैं क्या कहते हैं क्योंकि ये जो कपास है यानी कि लंबे रेशे की कपास है वह समुद्री जो जलवायु होती है वहां पर सबसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है क्योंकि मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या बताया इस न, कपास की इस किस्म को लंबे न, वो सॉरी समुद्री दीपी कपास भी कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र दीपी कपास भी कहते हैं क्योंकि यह है किस्म केवल समुद्री जलवायु में ही अच्छे से उगाई जा सकती है इसकी खेती खासकर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है क्या नाम है उसका मिस्र तो यूएसए और मिस्र में खासकर उगाई जाती है दूसरा है मध्यम रेशे की कपास इस रेशे की लंबाई दो ढाई सेंटीमीटर से लेकर चार सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है इसको या इसकी खेती मेक्सिको पेरू तथा पूर्वी अफ्रीका में खूब अच्छी तरह से की जाती है मैं दिखा देता हूं है उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर एक देश देख सकते हैं मैक्सिको मेक्सिको यहाँ पर है पेरू मैक्सिको पेरू तथा ये पूर्वी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अच्छी खासी कपास की खेती होती है ठीक है चलिए इसके बाद बात कृषि होती है, इसे की जो खेक खेक जो तो करें है तो इसका रेशा जो होता है वो ढाई सेंटीमीटर से कम होता है फिर से बोल दे रहा हूं इसका जो रेसी की जो लंबाई होती है वह ढाई सेंटीमीटर से कम होती है इसकी खेती ब्राजील तथा भारत में की तो जाती है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कपास का या कॉटन का तो वो है चीन यानी कि चाइना और उसके बाद कपास का यानी कि जो उसके बाद कपास का जो दूसरा निर्यातक वो सॉरी दूसरा उत्पादक देश है वह है भारत और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है यूएसए में फिर से बता देता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है उसके बाद भी चीन क्या करता है उसका निर्यात नहीं करता यानी कि वहाँ की खुद की खपत है काफी इसलिए वो कपास को किसी दूसरे देश में नहीं बेचता तो कपास का सबसे बड़ा निर्यात की देश की अगर बात की कि में भेजने वाले दूसरे क्योंकि लंबे रेशे की कपास यहाँ पर उगाई जाती है जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है इसलिए इसकी आवश्यकता अन्य देशों को पड़ती है जहां पर मध्यम की या फिर छोटे रेशे की कपास उगाई जाती है क्या अन्य देशों के बारे तो में कपास होती है आपका ब्राजील है ब्राजील यहां पर देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का देश है पाकिस्तान एशिया का देश है यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ठीक है और यहां पर अफ्रीका का एक और देश है इसको हम कहते हैं युगांडा जो कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है ठीक भारत भी लंबे रेशे का आयात करता है ना कि निर्यात की मैंने बताया था भारत में छोटे छोटे रेशों की कपास उगती है ठीक है तो भारत को जरूरत पड़ती है लंबे रेशे की जो कि सबसे बेस्ट होती है इसके लिए उसका क्या करता है आयात करता है विदेशों से मंगाता है चलिए कपास हो गई आगे बात करते हैं जूट के बारे में बात कर लेते हैं जूट को हम पटसन भी कहते हैं सन और गांव में इसको सन भी बोलते हैं सन की रस्सी सुन है ना आपने तो वो सन की रस्सी बोली जाती है जूट ठीक चलिए देखते हैं जूट जो है उष्ण तथा आद्र उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की फसल है यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड आर्द्र होती है जिस क्षेत्र में नमी अधिक हो कैसी है जूट उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की फसल है इसकी कृषि में दक्षिण एशिया को एकाधिकार प्राप्त है यानी कि एकाधिकार का मतलब होता है दक्षिण एशिया के अलावा और कहीं पर इसको नहीं उगाया जाता यानी कि सारा का सारा जो उगाया जाता है ये दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर उगाया जाता है तो आइए देखते हैं आदर्श दशाओं के बारे में बात करते हैं तो जूट के लिए जो आदर्श दशा है वह तापमान कितना होना चाहिए पच्चीस डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए यानी कि गर्म होना चाहिए और वर्षा की बात की जाए तो वन सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए आवश्यक है ठीक है मिट्टी की बात की जाए तो जलोड़ या कहें जलोड़ या कहें खादर मिट्टी या हम इसको कह सकते हैं नवीन जलोड़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और डेल्टाई कांप मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है चलिए उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं उत्पादक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भारत में आ देख लेते हैं भारत में आपका पश्चिम बंगाल बिहार असम उड़ीसा तथा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार आ, आपका पश्चिम बंगाल असम और उड़ीसा ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी खासी आपकी कपास उगाई सॉरी जूट उगाई जाती है दूसरे नंबर पर बात करते हैं जूट के अंदर अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भी भारत में ही है यानी कि जूट उगाया जाता है उसका सबसे अधिक क्षेत्रफल किसमें है भारत में है भारत तथा बांग्लादेश तथा चीन मिलकर भारत यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भारत बांग्लादेश और चीन मिलकर पूरे विश्व का 95 फाइव परसेंट जूट का जूट का उत्पादन करते हैं मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दक्षिण एशिया और यहाँ जो क्षेत्र है इसको एकाधिकार प्राप्त है ठीक है जूट का सबसे जूट का सबसे बड़ा या कहें सबसे अधिक निर्यात करने वाला जो देश है वह है बांग्लादेश यानी कि बाहर भेजने वाला देश दूसरे क्षेत्रों को छोटा सा देश है ज्यादा इस्तेमाल वो ज्यादा उगा जूट वगैरह वहां पर स्थिति भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि जूट की अच्छी खासी खेती की जाए तो ये दूसरे देशों में अच्छा खासा निर्यात कर देता है ठीक है बात करते हैं उत्पादक देश नंबर वन पर है आपका भारत उत्पादन करने में नंबर दो पर है बांग्लादेश उत्पादन करने में नंबर तीन पर कौन आता है चीन चलिए इतना काफी है तीसरा देखते हैं रेशम रेशेदार फसल, फसल है ये आपकी रेशम फसल क्या एक तरह से आप कृषि बोल सकते हैं इसको आइए समझते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये कीड़े हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके दिखा देता हूँ ये आपका जिससे कपास सॉरी रेशम निकलती है वो कीड़ा होता है जो कि साधे सीधे सीधे प्रोटीन का बना होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सेतु के पेड़ पर उगाए जाते हैं ये इस तरह से होता है एग है यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडा और ये ये मतलब जो कपा जो रेशम के जो कीट होते हैं उनका अंडा उसके बाद लार्वा अंडे से बाहर निकलता है लार्वा लार्वा जो होता है वो अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है और उनको कोकून जो होता है उसको क्या करते हैं बन निकालते हैं उससे तो आइए समझते हैं इसको रेशम की उत्पत्ति सबसे पहले चीन में हुई मानी जाती है रेशम एक प्रकार के की कीड़े से प्राप्त होता है जिसको जिंदा रहने के लिए सोलह डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत जरूरी होती है वैसे इसकी कहानी में अंदाजे उसे लगाया हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो चीनी वगैरह लोग हैं क्या करते होंगे अभी इनका पता कैसे चला कि कि भैया इसमें से रेशम निकलता है अब चीनी जो जो लोग लोग होते है, जो लोग होते हैं 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 यानी चाइना के वो सब खा लेते हैं। कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कांतर और तरह के कीड़े मकोड़े उनकी सबकी सब्जी बना लेते हैं एकदम भुजिया सांप की भुंजिया बताते हैं सुना जाता है ये ये मजाक नहीं कर रहा मैं रियलिटी है वहाँ पर सांप वगैरह आराम से भुर्जी बना बनू के खा लेते हैं सांप के अंडे आए आराम से पोड़ा फाड़ा और ऑमलेट बना ली वहां पर जैसे चूहे वगैरह पकड़ लिए ज्यादा परेशान कर रहे चूहे तो क्या करते हैं बच्चों को चूहे पकड़े पकड़ पकड़ के उसमें उसमें चूहे होती है ना डाल और को एकदम ऐसे करके डुबो के उसमें बेसन में चूहे की पकौड़ी बनवा दी कहीं चूहे जैसे बच्चा दे देते हैं तो वो क्या करते हैं ज्यादा बच्चे आ जाते हैं ना चूहे के तो क्या करते हैं पड़ोस पड़ोस गिफ्ट करवा देते हैं लीजिए सर आप इसके वो बना लीजिए इसी तरह से इसकी खोज हुई जैसे कि आपका ये जो कोकून है जो जो आपका कीट है ये ये गलती से क्या हुआ था कि जो आपके एक महाराज थे बहुत पुराने जमाने की बात है चाइना की तो राजा महाराजा थे राजा महाराजा क्या कर रहे थे कि उनने क्या किया चाय पी रहे थे वो ऐसे करके तो चाय पी रहे थे उसमें क्या हुआ चाय में वो गिर गया जब चाय में गिर गया तो क्या हुआ चाय में गिरने के बाद उन्होंने देखा यार ये क्या कीड़ा है खाम, -खाम खा कोई फर्क नहीं पड़ता मक्खी हम लोगों के यहाँ गिर जाती तो हम चाय फेंक देते हैं देखा कीड़ा तो उन्हें लगा यार स्वाद आ गया यार चीज में कीड़ा गिर के तो कीड़ा जब गिरा जब स्वाद आ गया तो उसका रस निकाल लिया ऐसे करके निचोड़ लिया उसी में ही और आनंद आया बहुत उसका जूस जो कीड़े का निकला सारा उसके बाद जूस निकलने के बाद उन्होंने उसे कीड़े को चूसने था अंदर जब चूसा तो उसमें यार धागा निकल रहे थे इस तरह से जब उन्होंने देखा यार धागा निकल रहे हैं मतलब ये काल्पनिक कहानी नहीं मैंने अपनी तरफ से थोड़ा इसमें जोड़ दिया है उसमें धागा निकल रहे थे उन्होंने देखा अरे ये क्या धागा तो उन्होंने क्या किया जब ये धागा देखा बहुत मजबूत था अच्छा लगा उसका फिर क्या करने लगे ये लोग खेती करने लगे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये एक और कहानी मैंने इसी में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति थे उन्हें खाने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी उन्होंने क्या किया ये रेशम के कीट उनके पकड़ रेशम के जो कीड़े होते हैं रैंग रहे थे उन्हें पकड़ लिया और उन्हें सूप बना लिया जब सूप बना लिया तो उसमें जब उन्होंने निचोड़ा चाय की पत्ती के अंदर उन्हें देखा यार धागे निकल रहे हैं इस तरह से क्या हुआ इसकी खोज हो गई थी ये कोई वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं खो गई की गई थी वहीं ऐसे अंदाजे में हो गई थी

रेशम विश्व का लगभग अस्सी परसेंट रेशम रेशम का उत्पाद करने वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं सॉरी पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र फिर से मैं बोल देता हूं रेशम का अस्सी परसेंट उत्पादन पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है गया जिसमें जापान, चीन, इटली, कच्चे रेशम के प्रमुख निर्यातक देश हैं। निर्यातक मतलब बाहर भेजने वाले देश कौन कौन से मैं बता देता हूं यहाँ पर जापान है आप देख सकते हैं इसके बाद यहां पर है आपका चीन यहां पर है आपका एक यूरोप में चले जाएंगे तो यहाँ पर चप्पल जैसी आकृति का एक देश है इटली ठीक है तो जापान चीन इटली कच्चे रेशम के प्रमुख निर्यातक हैं इसके बाद यूएसए भारत फ्रांस जर्मनी कच्चे रेशम के प्रमुख आयातक हैं यानी कि निर्यात करने वाले देशों में कौन कौन से हैं फिर से मैं बोल दे रहा हूं जापान चीन इटली ये विदेशों में भेजते हैं जबकि अपने अंदर मंगाने वाले कौन कौन से है? आयात करने वाले है? वो है भारत यूएसए यानी कि यूनाइटेड तो स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका यहां पर एक देख सकते हैं देश जिसको हम कहते हैं फ्रांस यूरोप का ही देश है फ्रांस ये प्रमुख आयातक देश है किसके कच्चे रेशम के ठीक उत्पादक देशों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे नंबर वन पर आता है उत्पादन करने वालों में तो वो है आपका चीन नंबर दो पर आता है भारत नंबर तीन पर आता है उज्बेकिस्तान मैंने बताया था यहाँ पर कई सारे छोटे मोटे यहीं पर आपका उज्बेकिस्तान क्या उत्पादन करने में आयात वगैरह ये चीज अलग है ठीक है चलिए तिलहन फसलों के बारे में बात करते हैं तिलहन फसलें वो होती हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है आइए देखते हैं बात करते हैं तिलहन फसलों के बारे में

ऑयल का क्या माना जाता है उत्पत्ति क्षेत्र या का जन्मभूमि माना जाता है उत्पादन करता अगर देश के बारे में बात करें तो नंबर वन है आपका इंडोनेशिया नंबर टू पर है मलेशिया यहीं आपको मलेशिया भी दिख जाएगा नंबर तीन पर है नाइजीरिया फिर से बोलते हैं उत्पादन करने में पाम ऑयल या कहें आपका ताल तेल का उत्पादन करने वाले जो देशों में नंबर एक पर इंडोनेशिया नंबर दो पर मलेशिया नंबर तीन पर नाइजीरिया इतना काफी है बस चलिए आगे बात करते हैं मूंगफली इसको पीनट भी कहते हैं और अभी नया संक्रमण रोग आ गया पीनट बटर खाने का शौक़ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग कीड़ों की तरह हैं मतलब भारतीय जो लोग हैं असली भारतीय हैं वो कीड़ों की तरह नहीं जो नाजायज हैं अंग्रेजों की जो गलती से जब अंग्रेज यहाँ पर गलती से भारत देश में आ गए थे उसके बाद वो अपनी नाजायज औलाद छोड़ गए थे जब वो औलाद छोड़ गए थे तो वो आज भी गर्व महसूस करते हैं वहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करने में या फिर वहाँ की चीज़ें क्योंकि तो यहाँ क्या है जैसे हिंदी बोल देंगे ना तो हिंदी बोलने में शर्म सी महसूस आएगी जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर आप अगर अंग्रेज़ी नहीं छोड़ रहे हैं आप तो आप अच्छे लोग लोगों में गिनती नहीं होगी आप पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे अगर अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं यानी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो आप अच्छे लोगों में आपकी गिनती नहीं होगी इसी तरह से पीनट बटर की मैं बात करूं बहुत अव्वाढ़ा दी भैया पीनट बटर बहुत होते हैं अंग्रेज बन जाते हैं खा के हॉलीवुड के लोग इस्तेमाल करते हैं हो मैंने कि अच्छा देखते हैं अब पीनट बटर लाए हमने अपनी कुतिया को खिला दिया पीनट बटर सीधी बात पीनट मतलब होता है मूंगफली मूंगफली में थोड़ा सा घी वगैरह और थोड़ा सा मक्खन वगैरह मिला दो लो भैया पीनट बटर हो गया हमने खाया तो थूक दिया इतना गंदा स्वाद तो मैंने कभी

कोई दिक्कत नहीं छोड़ो इसे आइए समझते हैं मूंगफली के बारे में बात करते हैं मूंगफली को पीनट कहते हैं ठीक है इसका जन्मभूमि जो है ब्राजील को माना जाता है ब्राजील से ये जन्मभूमि ठीक है यह तथा उपोष्ठ कटबंधी क्षेत्र में अधिक उगाया जाता है उष्ण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा पैंतीस पैंतीस मान लीजिए पैंतालीस से लेकर पैंतालीस से पैंतालीस उत्तरी आक्षा से लेकर पैंतालीस दक्षिणी के बीच में यह फसल या मूंगफली की खेती की जाती है उत्पादक देश देख लेते हैं नंबर वन पर आपका चीन नंबर दो पर भारत नंबर तीन पर यूएसए इतना काफी है जानने के लिए मूंगफली का उत्पादन करने वाले देशों में नंबर वन पर आता है चीन नंबर दो पर आता है भारत और नंबर तीन पर आता है यूएसए ठीक है यूएसए चलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका चलिए तीसरे नंबर पर देखते हैं सोयाबीन ठीक जब कोई बीन जो होता है सो जाती है तब उसको हम कहते हैं सोयाबीन समझेंगे ना क्या बोलते हैं सोया हुआ बीन को हम सोयाबीन कहते हैं तो आइए देखते हैं किस तरह से सोयाबीन है उसको हम जगाते हैं सोयाबीन की खेती उपोष्ण कटबंध से लेकर शीतोष कटबंधी क्षेत्र तक की जाती है अब भैया उपोष्ण क्षेत्र कौन सा है ये है उत्तरी सीतो उत्तरी शीतोष कटबंध तो ये हो गया उपोष्ण और शीतोष कटबंधी क्षेत्र है यानी कि उपोष्ण और शीतोष कटबंधी क्षेत्र में आपकी ये खेती की जाती है किसकी सोयाबीन की ठीक है उत्पादक देश देख लेते हैं इतना काफी उत्पादक देश नंबर वन पर यूएसए नंबर दो पर आपका ब्राजील नंबर तीन पर अर्जेंटीना फिर से मैं बोल देता हूं सोया का उत्पादन करने में नंबर पर है आपका यूएसए नंबर दो पर है ब्राजील और नंबर तीन पर है आपका अर्जेंटीना आ, 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 देशों को मैप में भी दिखा देता हूं यहां पर यूएसए जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है और अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका का ही देश है बात करते हैं अन्य फसलें देख लेते हैं ये अन्य हैं तो सबसे पहले बात करते हैं चुकंदर के बारे में चुकंदर जो है शीतोष कटवंधी जलवायु की फसल है इसकी खेती खासकर यूरोपीय क्षेत्र में क्षेत्रों में की जाती है जिसमें यूरोपीय क्षेत्र जैसे कि आपका फ्रांस हो गया रूस हो गया ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं और आपका यूएसए वाले क्षेत्र में भी क्योंकि पर भी कुछ भाग क्षेत्र में आता है तो आइए समझते हैं मैंने क्या बताया चुकंदर एक शीतोष कटवंधी जलवायु की फसल है इसकी खेती खासकर यूरोपीय क्षेत्रों में की जाती है नंबर वन उत्पादक देश है आपका रूस सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है चुकंदर का वो रूस है नंबर दो पर फ्रांस नंबर तीन पर यूएसए रूस आपका एशिया का देश है फ्रांस आपका यूरोप का देश है और ये यूएसए आपका उत्तरी अमेरिका का देश है चलिए चलिए नारियल के बारे में बात कर लेते हैं नारियल इसकी खेती करने के लिए उच्च तापमान यानी कि लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक या उससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है अधिक वर्षा लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए यानी कि हवा में नमी भी काफी होनी चाहिए ठीक कैसी कौन सी कौन कौन -कौन, कौन कौन परिस्थितियाँ कौन कौन सी स्थितियाँ हैं या क्या क्या आदर्श तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और आपकी आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए इसके लिए समुद्री जलवायु सबसे अच्छी होती है ठीक है इसकी कृषि 20 डिग्री उत्तरी तथा 20 डिग्री दक्षिणी आक्षा के बीच में की जाती है यानी कि आपको मैं दिखा देता हूं ये जो क्षेत्र है यानी उत्तरी वाला क्षेत्र और दक्षिणी के बीच में इसकी खेती की जाती है किसकी आपकी नारियल की ठीक है जैसे कि आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया फिलीपींस वाला क्षेत्र हो गया भारत हो गया फिजी हो गया फिजी वैसे बताऊं यहां पर फिजी मैप में नहीं दिखा पाऊंगा फिजी आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसके किनारे पड़ता है तो फिजी नहीं आपको दिखा पाऊंगा वो आप मैप में देख लेंगे तो देखते हैं कौन कौन से देश उत्पादन करता देश, देश देखते हैं नंबर वन पर सब सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया इंडोनेशिया कहां पर मैं जूम कर देता हूं यह है एशिया का दक्षिण पूर्वी यहां पर क्षेत्र में आपको देख सकते हैं यह है इंडोनेशिया नंबर दो पर है फिलीपींस फिलीपींस भी आपको मैं दिखा देता हूं मैप में यहां पर है ये आपका दक्षिण दक्षिणी चीन सागर इसके पूर्व में आपका है ये फिलीपींस नामक देश इसके बाद नंबर तीसरे पर आता है भारत चलिए हल्का से देख लेते हैं मत्स्य या मछली पकड़ने का व्यवसाय वैसे मैं खेती में इसको शामिल नहीं करना चाहता था लेकिन कृषि से संबंधित ही जुड़ी हुई क्रिया है तो उससे संबंधित आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे उत्पादनकर्ता देशों के बारे में भी जानेंगे लेकिन मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पहले जानेंगे तो आइए समझते हैं विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के मध्य आचांशों में स्थित हैं उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश में तो यही देखते हैं सबसे पहला जो प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है उसको देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र सबसे पहला यहाँ ये यह कहाँ पर है ये है आपका ये है आपका प्रशांत महासागर सॉरी प्रशांत महासागर ठीक है आपको मान लीजिए ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो प्रशांत महासागर का मान लीजिए उत्तर वाला क्षेत्र है ये दक्षिण वाला तो प्रशांत महासागर के मैंने कौन सा बताया उत्तर और पश्चिम ये पश्चिम है ना तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा ठीक है तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में euh, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरी मत्स्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे ठीक है तो प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी क्षेत्र और ये उत्तरी क्षेत्र तो आइए देखते हैं यह क्षेत्र उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में फिलीपींस सागर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है समझ में आ गया यह संसार का सबसे बड़ा मछली उत्पादन करता क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्यूरोसियो की क्यूरोसियो की गर्म जलधारा जब ओयासियो की ठंडी जलधारा से आकर मिलती है तो इसमें तट के पास क्या का विकास होता है जो कि मछलियों का प्रमुख भोजन होता है मैं आप लोगों को कई बार बताया चुका हूं कि जहां पर दो धाराएं मिलती हैं एक गर्म और एक ठंडी जब दोनों का मिलन होता है जब प्रेम होता है उन दोनों का आपस में तो वहां पर क्या होती है गर्मी पैदा हो जाती है कर? इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर प्लंग प्लैंगटन्स का विकास हो सके जब प्लैक्टन्स का विकास होता है तो मछलियां उनको खाने आती हैं जब मछलियां खाने आती हैं तो हम मछलियों को खा लेते हैं क्योंकि हम मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो न खा लेते हो तो हम मछलियों को भी खा लेते हैं इसलिए इन क्षेत्रों में मछलियों को आसानी से पकड़ा जाता है कौन कौन सी धारा है मैंने बताई की वाली जो धारा है वैसियो वाली जो यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है गर्म जलधारा से जब मिलती है यानी कि सॉरी ठंडी जलधारा ऊपर से आती है और गर्म जलधारा इस तरह से मिलती है तो यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र का क्या होता है विकास होता है ये कहां पर है यहां पर है कहां पर है ये यहां पर देख सकते हैं हॉन्सु दीप चलिए नंबर दो देखते हैं मत्स्य उत्पादन क्षेत्र दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरी क्षेत्र अब भैया उत्तर पूर्वी कौन सा हो जाएगा ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये है आपका प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर का ये उत्तरी क्षेत्र ये पूर्वी उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी तो मैंने बताया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा है दो धाराएं मिलती हैं उन जो आपका बेरिंग, जल से, बेरिंग सागर से लेकर नीचे फिलीपीन सागर तक इस फैला हुआ है दूसरा जो है उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी कौन सा हो जाएगा यह उत्तर और यह पूर्व तो यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा पड़ता है यह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र चलिए समझते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को तो यह क्षेत्र अलास्का से कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ फैला हुआ है अलास्का का है यह है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका का एक देश है इसको कहते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका अमेरिका का एक राज्य है यहां पर नुन्नासा नुन्नासा तो नहीं है तो काफी बड़ा लेकिन अमेरिका थोड़ा अलग हटके है जो कि कैनेडा वाले भौगोलिक क्षेत्र में है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो ये अलास्का से

विश्व की 50% परसेंट जो मछली है यहीं पर क्या की जाती है इसी क्षेत्र से प्राप्त की जाती है मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी यहां पर यह बताने की जरूरत है नहीं कि इन क्षेत्रों में क्यों ये आपकी जो मछलियों का क्षेत्र है क्योंकि ये ऊपर से आती है गर्म जल ठंडी जलधारा और इस तरह से यहाँ पर आती है और ठंडी और गर्म जलधारा जब एक दूसरे में प्रेम करती हैं तो या दोनों का जब मिलन होता है तो वहां पर गर्मी पैदा होती है जब गर्मी पैदा होती है तो वहां पर प्लैंगटन्स का विकास होता है जब प्लैंगटन्स का विकास होता है तो वहां पर मछलियाँ उनको खाने आती हैं जब उनको मछलियाँ खाने आती है तो हम मछलियों को खाने पहुंच जाते हैं और उनको खाने के लिए पकड़ लाते हैं चलिए आगे बात करते हैं और फिर क्षेत्र देख लेते हैं अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मैं आप लोगों को बता चुका हूं दिशाओं के बारे में ये हो गया उत्तर ये हो गया उत्तर ये हो पूर्व और ये हो गया, गया, गया पश्चिम तो प्रशांत महासागर का कौन सा मेरा क्षेत्र बताया उत्तर पश्चिमी तो कौन सा हो जाएगा ये मान लीजिए उत्तर यह दक्षिण यह पूर्व और यह पश्चिम तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपका अटलांटिक महासागर का ठीक तो आइए देखते हैं यह क्षेत्र लौंग द्वीप से लेकर नीचे न्यू फॉकलैंड द्वीप तक फैला हुआ है अब भैया लौंग द्वीप कहा है यहाँ पर लॉन्ग इस तरह से चले आएंगे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो कोड अंतरदीप है यहाँ पर लॉन्ग द्वीप आप देख सकते हैं तो लॉन्ग द्वीप से नीचे चलते चले आएंगे चलते चले आएंगे चलते चले आएंगे तटीय क्षेत्र से होते 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 और अटलांटिक महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे यहाँ पर न्यू फॉकलैंड के द्वीप समूह तक पहुंच जाएंगे जो कि यूके के अंतर्गत आता है यानी कि इस पर किसका अधिकार है ब्रिटेन का अधिकार है ठीक है तो यह क्षेत्र लॉन्ग द्वीप से लेकर न्यू फॉकलैंड द्वीप तक फैला हुआ है इस क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र में लेबराडोर की ठंडी जलधारा गर्म की की जल्दी ठंडी जलधारा जलधारा से गल्फ स्ट्रीम गर्म जब आपस में मिलती है यहां पर मत्स्य उत्पादन का केंद्र बन जाता है यानी कि दोनों गर्म जलधाराओं का जब मिलन होता है तो वहां पर का विकास होता है, है जब प्लैक्टन का विकास होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं उनको मछलियां खाने आती है और हम मछलियों को खाने पहुंच जाते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं मछलियों को पकड़ते हैं चलिए यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र का जो छिछला समुद्र समुद्री क्षेत्र होता है उसको हम यहाँ पर बैंक कहते हैं क्या कहते हैं बैंक ठीक क्या होता है छिछला समुद्र है होता है यानी कि कम गहरा समुद्र होता है क्या कहा जाता है बैंक कहते हैं जैसे कि यहां पर आप देख भी सकते हैं ग्रांड बैंक जॉर्ज बैंक ये बैंक फलाना बैंक डिमाका बैंक तमाम तरह के बैंक यहां पर मिलते हैं ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस तरह से अटलांटिक महासागर जैसे मान लीजिए फैला हुआ है तो ये हो गया आपका पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण और ये हो गया पूर्व से लेकर पश्चिम तो इस तरफ हो गया ये उत्तर पूर्व पश्चिम बाला क्षेत्र में पूर्व वाला क्षेत्र देख लेते हैं आइए समझते हैं उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र यह अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो है? है, तो में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है तो मैंने क्या बताया अंटार्कटिक महासागर का उत्तर पूर्वी मत्स्य क्षेत्र जो है यह आर्कटिक व्रत के उत्तर पूर्व से लेकर ऊपर से मैंने बताया उत्तर पूर्व से लेकर इस तरह किनारे किनारे यूरोपीय तट होते होते दक्षिण में भूमध सागर की सीमा तक फैला हुआ है यहां का जो प्रमुख क्षेत्र है उसको हम कहते हैं डॉगर बैंक डॉगर बैंक ठीक है जो कि आपका उत्तरी सागर में स्थित एक क्षेत्र है ठीक है इतना काफी है यहां पर भी कई सारी जलधारा मिलती है जब जलधारा के बारे में वहां पर आप देख सकते हैं चलिए दक्षिणी प्रशांत महासागर का तट दक्षिणी प्रशांत महासागर का पेरू तट के बारे में बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र हमने देख लिया था दक्षिणी अमेरिका वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर जो है पेरू में दो धाराएं मिलती हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमबोल्ट की ठंडी जलधारा और यहां पर गर्म जब आपस आकर मिलती है। आपस में जब उनका प्रेम होता है तो वहां पर का विकास होता है प्लेट का विकास होता है तो उनको मछलियां खाने आती है और मछलियों को हम खाने पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ कर ले आते हैं कुछ खा लेते हैं कुछ बेच देते हैं इसी को हम क्या कहते हैं मत्स्य पालन या मत्स्य या कहें मछली का व्यापार करना तो आइए देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर का पेरू

पेरू तट या दक्षिणी प्रशांत महासागर पेरू तट ठीक तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का सॉरी गोलार्ध का प्रमुख मछली पकड़ने का केंद्र है यह क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दू ना यह उत्तर और यह, यह उत्तर और यह दक्षिण यह पूर्व और यह पश्चिम तो दक्षिणी अमेरिका का पूर्व पश्चिमी तट दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर यह क्षेत्र स्थित है जब अलिनो की धारा होती है जी आपका जिस वर्ष अलिनों का जो प्रभाव होता है उस वर्ष इस क्षेत्र में मछलियों को अच्छा खासा यहाँ कहें बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि गर्म जलधार यहाँ का तापमान बढ़ जाता है इसलिए काफी यहाँ पर मछलियों को नुकसान मिलता है क्योंकि ये बेचारी क्या करती है मरकर ऊपर आ जाती है जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेकार है क्योंकि हमारी जो आदत है हम मारकर खाते हैं मरी हुई चीज को नहीं खाते हैं समझ आ गया जिंदा को मारकर खाते हैं लेकिन मरी हुई चीज को नहीं खाते हैं ये हम हमारे अंदर एक खासियत है चलिए समझते हैं समुद्री मछली के उत्पादक देश समुद्री मछली के उत्पादक देश देखते हैं सबसे पहला नंबर वन पर आता है चीन जिसको हम कहते हैं चाइना चिंग चौंग चिंग चौंग वाला जो देश है उसको कहते हैं चीन नंबर दो पर आता है इंडोनेशिया यह है चीन नंबर दो पर इंडोनेशिया जो कि एशिया का ही देश है नंबर तीन पर आता है यूएसए यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का एक देश है नंबर तीन पर चार पर आता है पेरू नंबर न पर चीन नंबर दो पर इंडोनेशिया नंबर तीन पर यूएसए नंबर चार पर पेरू आता है मछली का उत्पादन करने में समुद्री मछली का यानी कि समुद्र से मछली पकड़ने में नंबर वन पर कौन सा है चीन नंबर दो पर इंडोनेशिया नंबर पर यूएसए नंबर चार पर पेरू इसके बाद बात करते हैं ताजे जल की मछली ताजे जल की मछली होती है जो जो नदियों वगैरह से मार लेते हैं तो वहां का पानी जो होता है का जल जो होता है वो खारा नहीं होता है तो उसको ताजे जल की मछली बोलते हैं ठीक है आइए देखते हैं ताजे जल की मछली में नंबर वन कौन है चीन और नंबर दो पर है भारत चलिए हो गई ये मत्स्य उत्पादन क्षेत्र ये हो गया आपका आपका पूरा का पूरा फसलों का वर्गीकरण के बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं किस कृषि के विशेष प्रकार देख लेते हैं किस किस तरह से जो कृषि है उनके विशेष प्रकारों के नाम भी देख लेते हैं बात करते हैं एक एक करके सबसे पहला जो प्रकार है उसको देखते हैं सबसे पहला जो है वो है बिटीकल्चर बिटीकल्चर में अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन क्या कहलाता है बिटी कल्चर कहलाता है फिर से ध्यान रखें आपने अंगूर का एक पेड़ लगा लिया और उसमें साल भर में हमने एक किलो अंगूर निकाले यानी कि अंगूर का जैसे घर में पेड़ लगा लिया और वहां पर क्या किया उसको हमने पानी डाला खाद डाली और कई सारी चीजें डाली उस पर तीन चार गुच्छे निकलाए और जब उसको गुच्छे निकल आए तो हमने क्या किया उसको हमने खा लिया यानी कि हमने उसको पचा लिया खा पी के तो उसको हम बेटी कल्चर नहीं कहेंगे कहेंगे क्या हमने कम से कम 12 हेक्टेयर में अंगूर की खेती की और अंगूर की खेती करने के बाद हमने उनको खाया खाने के बाद हमने उनको बेचा व्यापार किया तो उसको क्या कहेंगे अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए हम बेटी कल्चर कहते हैं ठीक है ठीके? दूसरे नंबर पर आता है पिसी कल्चर पिसी मतलब जब हम मछलियां जो होती हैं सूख जाती हैं और सूखने के बाद हमको उनको पीस लेते हैं जब पीसने के बाद उसमें से मछलियों की जो हड्डी होती है उसमें तेल निकलता है तेल निकलने के बाद हम उसको क्या करते हैं बोतल में भरकर बेच देते हैं तो उसको पिसी कल्चर नहीं कहते हैं ध्यान रहे समझते हैं क्या होता है पिसी कल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला मछली पालन मछली पालन क्या कहलाता है पिसी कल्चर कहलाता है इसे इसे जल कृषि या कल्चर भी कहते हैं आइए देखते हैं सैरी कल्चर कल्चर क्या होता है शहरी कल्चर होता है रेशम उत्पादन की क्रिया जिसके तहत सैतु आदि कृषि भी सम्मिलित है यानी कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो रेशम का कीड़ा है वो सैतूस की पत्तियों को खाकर आनंद लेता है जीवन का है और उसी पर ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करता है तो सैतु रेशम कीट का उत्पादन करने के लिए सैतूस का पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि तो भैया उसके लिए स्पेशल घर तो बनवा नहीं सकते कि वो घर योजना वाले मोदी जी चला दें कि रेशम कीट के लिए घर बनवाएंगे इस तरह से नहीं उनके लिए पेड़ उगाए जाते हैं सेतुस के तब वो सेतूस के पत्तों को खाती हैं सेतुस को पत्तों के खाने के बाद वहां पर अपना प्रजनन वगैरह करती हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं तो वो सारी की सारी प्रक्रिया किस पर होती हैं आपका सेतूस के पेड़ पर इसलिए इसमें सेतूस की इसमें सेतुस की भी खेती को शामिल किया जाता है ठीक है हॉर्टिकल्चर देख लेते हैं व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है नेक्स्ट बात करते हैं चलिए आरवरी कल्चर के बारे में बात करते हैं विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संवर्धन तथा संरक्षण भी शामिल किया गया जैसे मान लीजिए इसमें झाड़ियों तथा वृक्षों की कृषि तो की जाती है अच्छी खासी लेकिन कभी कभी कैसा होता है जो कोई पेड़ है कोई पौधा है कोई झाड़ी है कोई वृक्ष है उसका क्या है वो खतरे में है यानी कि वो लुप्त तो होने वाला है तो उसका क्या करना है हमें संवर्धन और संरक्षण यानी कि वो खतरे लुप्त होने वाला है तो उसकी हमें और सारे पेड़ लगाने हैं उसी जैसे मान लीजिए से उसका पेड़ है वो समाप्त होने

ठीक है मधु मतलब मिठास यानी कि आप शहद बोल सकते हैं मधु की मक्खी तो जो ऐसी मक्खी जो हमें शहद देती है तो मैं फिर से बता दूं शहद उसका उत्पादन करने के लिए व्यापारिक स्तर पर यानी कि हमने दो मधु मक्खी ली और पकड़ ली और क्या कर लिया गिलास में रात में बंद कर दी रात में गिलास में बंद कर दी उनने क्या कर दिया रात में थोड़ा सा दो चार बूंदोनों उन्होंने शहद बना दिया फिर हमने वो वो गिलास लिया और वो वाली जो मक्खी थी हमने दूसरे गिलास में रख दी और फिर मैंने ढक दी इस तरह से समझा गया ना जब फिर मैंने ढक दी तो वो जो गिलास में जिस जिस गिलास में उन्होंने दो तीन बूंद क्या कर दिया था उन्होंने शहद बना दिया था उसमें हमने चाय मीठी कर ली ऐसा नहीं उसको हीकल्चर नहीं कहेंगे व्यापारिक स्तर पर होना चाहिए मधुमक्खियों को कम से कम पैदा करें और जो शहद उत्पादन जितना हो उसमें से बहुत सारा बेचा जा सके तो उसको क्या कहा जाएगा एपीकल्चर चलिए फ्लोरिकल्चर के बारे में बात करते हैं व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की खेती को हम फ्लोरीकल्चर कहेंगे ये नहीं कि हमने गुलाब का पेड़ लगा लिया और जब हम पूजा करने जाते हैं तो उसमें से एक गुलाब तोड़ लेते हैं और जिस दिन पूजा करते हैं कभी कभी गुलाब का पेड़ पे फूल नहीं आया तो हमने पीछे पड़ोसी पर हमला कर दिया पड़ोसी का कूदे और हल्का सा गुलाब तोड़ लाए इस तरह की हरकत नहीं हरकत आपकी फ्लोरिकल्चर नहीं कहलाई क्या 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 बहुत सारी फूलों की, फूल की, की, की क्या क्या तो संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कार्य को क्या कहते हैं यहां है। पर आप देख सकते हैं जो वन है उनको जो पहले से जो वन है उनको जो खराब है या कहें नुकसान प्रकृति को पहुंचा रही उनको काट देना चाहिए और वहाँ पर दूर से बन लगाने चाहिए क्योंकि हम जो इंसान हैं वो हर चीज हर किसी का हिस्सा खाना चाहते हैं पहले तो इंसान इंसान का हिस्सा खाता है, है, है फिर इंसान पेड़ का हिस्सा खाता है फिर इंसान जानवरों का हिस्सा खाता है फिर इंसान समुद्र के हिस्से का माल खा जाता है फिर इंसान पृथ्वी के हिस्से का भी खा जाता है तो इंसान जो है सबका हिस्सा मार लेता है इंसान जो है बहुत प्रजाति खतरनाक है ये इससे आप लोगों को बच के रहना चाहिए तो आप इंसान न बने बल्कि क्या बने एक जीव बने जो अपने पर्यावरण का संरक्षण करता हो इंसान मत बनो इंसान बहुत खतरनाक चीज होती है क्योंकि उसके अंदर जब इंसान बन जाता है ना तो वो सबका ख्याल रखता है बहुत ज्यादा ख्याल रख देता है सबका ख्याल के चक्कर में वो दुनिया को नुकसान पहुंचाने लगता है चलिए समझते हैं मैंने क्या बताया बनो के संरक्षण और संबंधित संबंधित कार्य क्या कहते हैं कल्चर कहते हैं चलिए वेजी कल्चर देख लेते हैं वेजी कल्चर आपका वेजी से आप लोगों को पता है वेजी मतलब वेजिटेबल्स ठीक चलिए मैरी कल्चर मैरी मतलब शादी वाला मैरी नहीं कि मैरी में जिसमें व्यापारिक स्तर पर लोगों की शादियां कराई जाए तो मैरी कल्चर कहना है मैरी नहीं मैरी कल्चर जो है मैरीन से लिया गया है मैरीन मतलब उसका मैरीन जो है एन हटा दिया है तो इसमें एम ई आर आई ले लिया है तो कल्चर जो है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को हम कल्चर कहते हैं ठीक हॉर्सी कल्चर तो आप हॉर्सी तो समझ ही गए होंगे अश्व पालन या घोड़ा पालन तो इसके बारे में बताना नहीं है सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति घोड़ों और खच्चरों को व्यापारिक स्तर पर पालन कर पालने की क्रिया को हम हॉर्सी कल्चर कहते हैं ये हो गया कृषि के विशेष प्रकारों के नाम आगे बात करते हैं समझते हैं देखते हैं प्रमुख फसलें है, फल प्रमुख फसलें फल और उनके उत्पादक राष्ट्र प्रमुख फसलें तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रमुख फसलें फल और उनके उत्पादक राष्ट्र आइए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की नंबर वन पर है चीन नंबर टू पर है भारत और नंबर तीन पर है यूएसए भारत का स्थान यहां पर दिया है जो यहां पर दिया है तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं भारत का है नंबर दो चावल की बात की जाए धान नंबर वन पर चीन नंबर टू पर भारत नंबर थ्री पर इंडोनेशिया नंबर टू भारत का कितना है नंबर टू मक्का की कृषि की बात की जाए तो मक्का में नंबर वन है ये 2019 से मैंने डाटा लिया है नंबर वन पर है आपका यूएसए नंबर टू पर है चीन और नंबर थ्री पर है आपका ब्राजील भारत का इसमें कोई स्थान नहीं है जरूरी नहीं है प्राकृतिक रवड़ के बारे में अगर बात की जाए तो थाईलैंड नंबर वन पर है इंडोनेशिया नंबर टू पर है मलेशिया नंबर थ्री पर है, और भारत का स्थान चौथा किसमें प्राकृतिक रवड़ का उत्पादन करने में गन्ना की बात की जाए तो गन्ना में प्रथम स्थान ब्राजील का दूसरा स्थान भारत का तीसरा स्थान चीन का ठीक है समझ में आ गया इसके बाद बात करते हैं तंबाकू तंबाकू तो तंबाकू में नंबर वन पर चीन यहां पर लिखा हुआ है नंबर वन पर चीन नंबर टू पर भारत और नंबर थ्री पर ब्राजील कपास के बारे में बात किया जाए तो कपास में नंबर वन चीन नंबर टू भारत और नंबर थ्री यूएसए जूट के बारे में बात की जाए तो नंबर वन पर भारत नंबर टू पर बांग्लादेश और नंबर थ्री पर चीन मूंगफली के बारे में बात की जाए पीनट के बारे में नंबर वन पर चीन नंबर टू पर भारत और नंबर थ्री पर अमेरिका ठीक है सोयाबीन के बारे में बात करें सोयाबीन मैंने बताया था सोया हुआ बीन को हम सोयाबीन कहते हैं सोयाबीन जो है नंबर वन पर अमेरिका नंबर टू पर ब्राज़ील नंबर नंबर थ्री पर आपका अर्जेंटीना भारत का स्थान पांचवा चलिए भारत का चौथा स्थान केला के बारे में बात कर लेते हो केला नंबर वन पर भारत नंबर टू पर चीन नंबर थ्री पर युगांडा और नंबर थ्री पर वो भारत का प्रथम स्थान आलू के बारे में बात कर लेते हैं आलू चालू का चालू कांग्रेस एक कविता भी सुनी होगी तो वही वाला आलू है तो आलू में नंबर वन चीन नंबर टू भारत नंबर थ्री यू ए, वो रूस ठीक दलहन के बारे में यानी दालों के बारे में बात कर लेते हैं दलहन में नंबर वन पर चीन नंबर टू पर भारत और नंबर थ्री पर आपका अमेरिका ठीक जो के बारे में बात कर लेते हैं तो यूरोपीय यूनियन नंबर वन पर है रूस नंबर टू पर है और यूक्रेन यूक्रेन आपका तीसरे नंबर पर है अगर सिर्फ देश की अगर बारे में बात करें तो जो उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख देश कौन सा बन जाएगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने यानी कि इसमें कई सारे देशों को जोड़ लिया है तो नंबर वन पर कौन सा है रूस जौ का उत्पादन और वैसे अगर यूरोपीय यूनियन आता है तो आपको यूरोपीय यूनियन मानना है ज्वार के बारे में बात करें ज्वार को हम बाजरा भी कह देते हैं ठीक है तो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं अमेरिका नंबर दो पर भारत नंबर तीन पर नाइजीरिया सूरजमुखी के बारे में बात करते हैं सूरजमुखी में नंबर वन जो है आपका यूक्रेन नंबर टू पर है रूस नंबर थ्री पर है, अर्जेंटीना सेब के बारे में बात कर लेते हैं सेब में नंबर वन पर है चीन नंबर टू पर है अमेरिका नंबर थ्री पर है तुर्की भारत पर सेब कितने नंबर पर आता है भारत पांचवें नंबर पर म और साले म और साले को मिलाकर बनते हैं मसाले। ठीक है मसाले का अगर बात की जाए मसालों में मसाले के बारे में नंबर वन पर है मसाला इतना दूषित कर दिया आज थू है मसाले पे मसाला आजकल गुटका को कहते हैं भैया मसाला है क्या हद है यार कैसे कैसे नाम चेंज कर दिए हैं चलिए समझते हैं मसाले का नंबर वन पर भारत क्योंकि तो वो वाला मसाला नहीं गुटका वाला इसमें ऐड नहीं करेंगे मसाले मतलब हल्दी मिर्च धनिया पुदीना इस तरह से ठीक है तो ये होते हैं मसाले क्योंकि तो कुछ लोगों को मसाला सिर्फ भाई पता है ऐसे करके नहीं करते ऐसे करके तो वो मसाला नहीं होता है नंबर दो पर बांग्लादेश नंबर थ्री पर तुर्की संतरा के बारे में बात करें संतरा मतलब ऑरेंज संतरा नंबर वन पर ब्राजील नंबर टू पर आपका चीन और नंबर थ्री पर अमेरिका भारत का नंबर जो है पांचवा है चलिए यहां पर बात करते हैं पौधों की उत्पत्ति पौधों की उत्पत्ति तथा स्थल सबसे पहले बात करेंगे स्थल तो आपका उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन से उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं नंबर वन पर है आपका मक्का उसके बाद उत्तरी अमेरिका में सोयाबीन को भी माना जाता है और नंबर तीन पर सूरजमुखी को ठीक दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका आपका यहाँ पर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका में मूंगफली नंबर दो पर आलू नंबर तीन पर शकरकंद नंबर चार पर तम्बाकू ठीक इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में अगर बात की जाए तो नंबर यहाँ पर है आपका गन्ना दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा ठीक है तो गन्ना चावल और केला इसी क्षेत्र का माना जाता है यूरोप की बात की जाए तो राई और जई राई और जई कहाँ पर माना जाता है यूरोप वाला देश वो यूरोप वाले यूरोप का महाद्वीप ठीक चीन के बारे में अगर बात की जाए तो चीन में चाय और जौ ठीक है चलिए चलिए खनिज संसाधनों के बारे में बात करते हैं खनिज पृथ्वी के धरातल से निकाले जाते हैं इनकी पहचान भौगोलिक तथा रासायनिक गुणों से होती है आइए समझते हैं खनिजों के बारे में बात कर लेते हैं मिनरल्स रिसोर्सेस ठीक आइए समझते हैं खनिजों के प्रकार सबसे पहले समझते हैं खनिज तीन प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज ठीक है समझ में आ गया आइए करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में धात्विक खनिज को भी तीन दो भागों में बांटा जाता है एक तो होता है लौह खनिज और दूसरा होता है अलोह खनिज तो आइए देखते हैं धात्विक खनिज को लोहे की मौजूदगी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है यानी कि एक धातु दा, बो होती है यानी कि एक प्रकार का धातु का बोध होता है जिसमें लोहे की या कहें लोहा की उपस्थिति होती है और धात्विक खनिज में दूसरा वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है जैसे कि मैंने क्या बताया लोह खनिज और अलोह खनिज पहले मैं बता दूं खनिज कितने प्रकार के होते हैं खनिज तीन प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन फिर तात्विक खनिज के बारे में बात आती है धात्विक खनिजों को दो में बांटा जाता है लो खनिज और अलोक खनिज तो आइए देखते हैं धातु खनिज खनिज को लॉ आयस की मौजूदगी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है सबसे पहला है लौह खनिज जिन इन खनिजों में लोहे का अंश होता है जैसे कि आपका लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमियम आपका निकल टंगस्टन और इन इनमें क्या होता है लोहे की मात्रा या कहें लौह अयस्क की मात्रा मौजूद होती है ठीक है नंबर दो पर आता है इसी में ही लोह अलोह अयस्क ठीक है अलोह खनिज अयस्क अलोह खनिज जिन खनिजों में लोहे की उपस्थिति नहीं होती है उनको अलोह खनिज कहते हैं जैसे कि नंबर एक पर आता है तांबा, नंबर दो पर एलुमिनियम नंबर तीन पर टिन, नंबर चार पर सीसा, नंबर पांच पर सोना नंबर छह पर चांदी नंबर सात पर प्लेटिनम नंबर आठ पर जिंक तो यहाँ पर दिखा देता हूं तांबा एलुमिनियम टिन सोना चांदी सीसा प्लेटिनम और जिंक जो है आपके अलोह खनिज में आते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में वो खनिज जिनमें चमक नहीं होती है ठीक है तो आइए देखते हैं जिप्सम, नमक, नाइट्रेट, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट। ये आपके अधात्विक खनिज हो गए इनको हम अलग पढेंगे एक एक करके तो फिर से बता देता हूं अधात्विक खनिज में क्या क्या शामिल किया जाता है जिप्सम एवेस्टस नमक गंधक नाइट्रेट संगमरमर क्या कहते हैं अधात्विक खनिज कहते हैं तीसरा प्रकार जो है खनिजों का वो है आपका खनिज ईंधन सबको अलग अलग बांट दूंगा मैं, ठीक है खनिज ईंधनों कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस यूरेनियम थोरियम फलाना डेम का तमाम चीजें ठीक है चलिए सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में ठीक धात्विक खनिज को मैंने बताया दो भागों में बांटा जाता है एक होता है जिसमें लोहे की मात्रा होती है और दूसरा होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है ठीक है तो धात्विक खनिज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैग्नी क्रोमियम निकेल टंगस्टन कोबाल्ट ये लोहएस की मात्रा वाला एल्यूमिनियम टिन सीसा सोना चांदी प्लेटिनम ये अलोह अलोह अलो खनिज हो जाएगा ठीक है तो आइए देखते हैं इनको पढ़ेंगे एक एक करके तो धात्विक खनिज में सबसे पहले बात करते हैं लोह एस्क के बारे में आइए देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोह एस्क के बारे में तो लोहा एस्क जो है लोहा को लोहे के अंश के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है सबसे पहला आता है मैग्नेटाइट लोहा एस्क ठीक है यह सबसे अच्छा लॉ एस्क होता है इसमें लोहे की मात्रा लगभग सेवन टू परसेंट तक होती है इसका जो रंग होता है पूरी तरह से काला होता है दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट आपका लोहस्क यह लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी लॉ निकाला जाता है वो उसमें सबसे अधिक मात्रा हेमेटाइट की होती है इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो सेवनटी तक हो सकती है तीसरे नंबर पर आता है जो है लिमोनाइट आपका लॉ इसमें धातु का अंश यानी कि लोहा

तो राइट ये सबसे घटिया किस्म का लौह आयस को होता है चलिए तो लोहो आयस का भंडार तथा उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो कि येलो कलर के घेरे में घिरे हुए हैं जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका आपका भारत रूस फ्रांस यूएसए और ब्राजील ये पूरे विश्व में जितना भंडार है उसका 90 परसेंट इन क्षेत्रों में एस का भंडार पाया जाता है यानी कि सभी को अगर मिला दिया जाए तो कुल एस का जो भंडार है 90 परसेंट किनों का हो जाएगा इन सभी क्षेत्रों का हो जाएगा उसके बाद भंडार के बाद बात की जाए अगर उत्पादनकर्ता के बारे में तो जो रेड कलर के घेरे में किसी घेरे हुए हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चीन रूस आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर देख सकते हैं जैसे है, फ्रांस और इसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन और ये स्वीडन है ये और ये यूएसए भी हैं ये तीन से चार पाँच से छः देश हैं ये प्रमुख रूप से 80 परसेंट उत्पादन करते हैं पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका सब 80 परसेंट कौन करता है ये कुल देश मिलकर करते हैं इसके बाद बात करते हैं जापान विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है लोहा इसका सबसे बड़ा आयातक देश है यानी कि विश्व में जितना आयात किया जाता है उसका 45 परसेंट अकेला जापान ही कर लेता है आयात आयात का मतलब होता है देश विदेश से अपने देश में मंगाना जैसे कि भारत से पड़ोसी देश है हमारा सबसे फ्रेंडली जो देश है तो उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको तो पाकिस्तान नामक जो देश है उससे क्या, क्या किया जाता है जैसे मान लीजिए पोदीना मंगाया जाता है पाकिस्तान से तो पोदीना जब भारत में मंगाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसे आयात करना कहेंगे क्यों पाकिस्तान से मंगाया है ठीक है तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऐसी चीज़ें ही हुआ पाता है वो पुदीना की चटनी बनाने के लिए वो पुदीना वगैरह निर्यात करता है देश विदेशों में और उसके पास वहां कुछ नहीं होता है चलिए छोड़ दिए उसकी बात है तो पूरे विश्व में पैंतालीस कुल आयात का क्या होता है अकेला जापान कर लेता है इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका जर्मनी फिर चीन फिर यूएसए ब्रिटेन इटली ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि और आयातक देश हैं आइए उत्पादनकर्ता और भंडार के बारे में बात कर लेते हैं लॉएस का उत्पादन और भंडार नंबर वन पर अगर उत्पादन कर भंडार की बारे में बात की जाए तो नंबर वन पर जो भंडार है सबसे अधिक भंडार किस्में है ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका ब्राजील यानी कि सबसे अधिक भंडार में है लस का ऑस्ट्रेलिया में नंबर दो में नंबर दो में आपका ब्राजील नंबर तीन पर आता है आपका रूस नंबर चार पर आता है भंडार के बारे में बात हो रही है ठीक है नंबर चार पर आता है आपका चीन नंबर पांच पर आता है आपका भारत ये भंडार हो गया यानी कि स्टोर यहां पर है निकालना निकालना वो चीज अलग है ठीक है अब बात करते हैं उत्पादन करने वाले देश नंबर वन में आता है आपका चीन यानी कि भंडार पे चौथे नंबर पर आता है लेकिन उत्पादन कितना करता है नंबर वन पर आता है उत्पादन करने में इसके बाद जो आपका ऑस्ट्रेलिया है भंडार के रूप में तो आता है नंबर वन पर लेकिन उत्पादन करने में नंबर दो पर ही रह जाता है ठीक है इसके बाद ब्राजील जो है आपका उत्पादन करने में नंबर तीसरे पर आता है भंडार में कितना आता आता है है नंबर दो पर ठीक इसके बाद भारत आता है, आपका चौथे नंबर पर उत्पादन करने में इसके बाद रूस आता है पांचवें नंबर पर फिर मैं एक बार में बता दे कंफ्यूजन ना हो भंडार के बारे में बात कर ली जाए तो नंबर वन नं पर ब्राजील नंबर दो पर आपका सॉरी भंडार के बारे में बात की जाए तो नंबर वन पर ऑस्ट्रेलिया नंबर दो पर आपका ब्राजील नंबर तीन पर आपका रूस नंबर चार पर चीन और नंबर पांच पर आपका आता है भारत उत्पादक देशों के बारे में अगर बात की जाए तो नंबर वन पर आपका चीन नंबर टू पर आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर थ्री पर ब्राजील नंबर फोर पर आपका भारत और नंबर पांच पर आपका आता है रूस लो एस का उत्पादकर्ता कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं यानी कि देशों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि लोह के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं आइए सबसे पहले बात करते हैं चीन में चीन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोह एस का अच्छा खासा वहां पर लोहैस की खान है या फिर वहां से निकाला जाता है तो चीन में दो क्षेत्र पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मंचूरिया मंचूरिया और सांसी चीन में दो क्षेत्र हैं मंचूरिया और सांसी से क्या होता है एस्क निकाला जाता है यूएसए के बारे में बात करते हैं यूएसए में आपको जो महान झीलों वाला क्षेत्र देखेगा यानी कि जो सुपीरियर झील है वहां पर एक महान झीलों में एक झील पड़ती है उसको कहते हैं सुपीरियर झील तो सुपीरियर झील के पास में ही एक मेसावी नामक राज्य है मेसावी नामक राज्य से आपका लौह एस निकाला जाता है इसके बाद यूएसए का एक राज्य है जिसको हम कहते हैं पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया और मेसावी से क्या निकाला जाता है लौह एस के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात अगर की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से जो है क्षेत्र जो कि लोहा इसके लिए प्रमुख माना जाता है इसके बाद स्वीडन स्वीडन की की अगर बात की जाए स्वीडन नामक देश है आपका यूरोप में यहां पर आप देख सकते हैं तो स्वीडन में किरूना नामक एक क्षेत्र है जहां से लोहे का अच्छा खासा भंडार मिलता है यानी कि वहां से निकाला जाता है ठीक है और वहां से उत्पादन किया जाता है इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अगर बात कर ली जाए दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्र है आपका पोस्ट मार्सबर्ग क्षेत्र और ट्रांसवाल ऐसे कुछ यहां पर क्षेत्र हैं जिनसे लोहे का उत्पादन किया जाता है के लोहे की प्रमुख खाने वहां से लोहा निकाला जाता है। या एस के निकाला जाता जाता है है या इसके बाद पूर्व पूर सोवियत संघ यानी कि पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में उसमें कई सारे देश से निकल आए थे तो जिसमें आपका आता है किबोयराज जो को यूक्रेन में है और मैग्नीटोर्स यानी कि पूर्व सोवियत संघ में आपका यूक्रेन में जो पड़ता है किबॉय राग अब यूक्रेन कहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है चलिए ये हो गया लोह के बारे में आगे बात करते हैं मैगनीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं मैगनीज का प्रयोग पहले का किया जाता है इसको समझते हैं मैगनीज का प्रयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में तथा कांच के उद्योग में इसका मैगनीज का निर्माण किया जाता है शुष्क बैटरी होती है जो सेल वगैरह आते हैं ना बैटरी वगैरह आती है उसको कहते हैं शुष्क बैटरी ठीक चलिए तो मैंने क्या बताया इसका प्रयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में तथा कांच के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है चलिए प्रमुख निर्यातक देश देख लेते हैं आपके जो मैगनीज का निर्यातक देश है सबसे पहले आता है आपका भारत देश इसके बाद यहां पर उत्तरी दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील इसके बाद यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश इसको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका यहीं पर एक देश पड़ेगा आपका गैवन गैवन के बाद यहीं पर एक देश है घाना और यहाँ पर है कांगो गढ़राज जिसको हम कहते हैं जायरे ठीक है कौन कौन से देश हैं ब्राजील दक्षिण अफ्रीका आपका घाना आपका गैवन कांगो गणराज्य और ये भारत ये क्या करते हैं प्रमुख निर्यातक देश हैं यानी कि अपने देश से दूसरे देश को यह भेजने वाले प्रमुख देश हैं आइए विश्व का सबसे अधिक आयातक देश कौन सा है यानी कि सबसे अधिक मंगाने वाला विदेशों से कौन सा है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ठीक इसके बाद यहां पर देख सकते हैं भंडारों उत्पादक के बारे में नंबर वन उत्पादक देश कौन सा है चीन नंबर दो पर कौन सा आता है आपका अफ्रीका ठीक दक्षिण अफ्रीका नंबर वन पर चीन मैग्निक का उत्पादन करने वाला देश और नंबर दो पर कौन सा है दक्षिण अफ्रीका अब भंडार के बारे में भी बात कर ली जाए तो भंडार में नंबर वन पर आता है दक्षिण अफ्रीका और नंबर दो पर आता है यूक्रेन भैया यूक्रेन कहां है यहां आप देख सकते हैं ये है यूक्रेन ठीक है ये आपका कांगो गणराज यह है गेवन और ये है आपका घाना ये यूएसए ये है ठीक चलिए तांवा के बारे में बात कर लेते हैं तांवा कौन कौन से क्षेत्रों से उत्पादन किया जाता है आइए समझते हैं सबसे पहले तो समझते हैं तांवा के प्रमुख अयस्क अयस्क क्या होता है और बोलते हैं उसको ठीक जो कि उससे प्राप्त की जाती है तो के प्रमुख अयस्क देख लेते हैं प्रमुख अयस्क है मैं जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं क्यू पार क्यू प्राइट पायराइट मेलाकाइट और कैम कोसाइट तांबे के प्रमुख अयस्क हैं तांबे को जस्ते के साथ मिलाकर पीतल तथा तांबे में तीन तथा तीन एलोमिनियम के साथ मिलकर कांसा बनता है चिली जाम्बिया कनाडा, जायरे मैक्सिको यूगोस्लाविया तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं जबकि यूएसए पश्चिमी यूरोपीय देश तांबा के प्रमुख आयातक देश है चलिएगा फिर से बता हूँ मैंने क्या बताया तांबे के कुछ प्रमुख अयस्क हैं जिनमें से मैंने आपको बताया था क्यू, क्यूपराइट पायराइट मेलाकाइट और कैम को साइड तांबे के प्रमुख तांबे को जस्ते के साथ मिलाकर जस्ता मतलब जिंक है आपका तो तांबे को जस्ता के साथ मिलाकर पीतल बनाया जाता है यहाँ पर पीतल के बर्तन देख सकते हैं और तांबे में टिन या एलोमिनियम को मिलाकर टिन या एलोमिनियम को मिलाकर क्या बनाया जाता है कांसा बनाया जाता है यहां पर आपका कुछ निर्यातक देश देख लेते हैं यानी कि विदेशों में भेजने वाले देश देख लेते हैं तो सबसे नंबर वन पर जो आता है आपका नंबर वन तो नहीं वैसे वो बाद में देखेंगे वैसे तो वैसे नंबर वन आप मान सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का अमेरिका दे, का देश इसको हम कहते हैं चिली चिली यानी कि मिर्चा वाला देश जो है मिर्च चिली क्यों रखा जाता है ये मेरा जो आइडिया है हल्का था पतला है मिर्ची की तरह इस तरह से फैला हुआ है इस तरह से तो मिर्ची की आकृति बनाता है यहाँ पर देख सकते हैं चिली तो चिली उसके बाद है जाम्बिया अब जाम्बिया पड़ता है जाम्बिया जाम्बिया आपका दक्षिण सॉरी जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक, आपका चिली, इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका का एक देश कैनेडा के बाद आपका आता है यहां पर कांगो गणराज्य ठीक है जिसको हम जायरी भी कहते हैं युगोसलाबिया वाला जो क्षेत्र है इसमें कई सारे देश शामिल है पहले था अब कई सारे देशों में बट गया जैसे बोसनिया सर्बिया मोन्टेगो इस तरह कुछ देश हैं

आया तक देश है, यानी देश उसको हम कहते हैं चिली किस महाद्वीप का देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली में जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं पतला सा मिर्ची जैसा एक देश है उसको कहते हैं चिली ठीक है नंबर दो पर आता है उत्पादन करना में तो उत्पादन करने में नंबर दो पर आ रहा है आपका चीन ठीक नंबर वन पर चिली और नंबर दो पर चीन यानी कि दोनों ये चीनी ची, ची मिर्च और चीनी ठीक है इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके भंडार के बारे में बात की जाए यानी कि वहां पर मौजूद जो स्टोर है उसको समझते हैं भंडार में नंबर वन पर आता है चिली यानी कि उत्पादन करने में भी और भंडारण में भी दोनों में आपका चिली प्रथम स्थान पर आए इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया ठीक है इतना काफ़ी है चलिए बॉक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं बॉक्साइड जो है आपका एल्युमिनियम का एस्क है यानी कि बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है लेकिन बॉक्साइड क्यों पढ़ाया जा रहा है एलोमिनियम क्यों नहीं क्योंकि भैया अभी लोहे के लोह, लोह के बारे में थी हमने लोहे के बारे में बात की और तांबा से जिस एस के निकाला जाता तो हमने उस के बारे में सिर्फ जाना आपको इंपॉर्टेंस जो दी मैंने तांबे को दी लेकिन यहाँ पर बॉक्साइड के बारे में क्यों जान रहे हैं एलोमिनियम के बारे में क्यों नहीं जान रहे उसको मैं यहाँ पर समझा दूंगा तो बॉक्साइड

एल्यूमिनियम बलुमिनियम निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली की या कहें जल विद्युत की आवश्यकता पड़ती है और भी अच्छी खासी मशीनों की जरूरत पड़ती है जो कि निकालना बॉक्साइड से एलुमिनियम निकालना काफी महंगा पड़ जाता है क्योंकि जो अब विकसित देश हैं जैसे कि आपका अफ्रीका महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है आपका जो गिनी वाला क्षेत्र है या फिर और भी इस तरह के जो क्षेत्र हैं तो क्या है कि इन क्षेत्रों में इतनी स्थिति नहीं है कि ये इतना पैसा नहीं है कि ये बॉक्साइड से एल्यूमिनियम तो ये सोचते हैं कि यार गोबर है अब गोबर में बढ़िया बढ़िया चीज निकालने के लिए बढ़िया से बढ़िया मशीनें लानी पड़ेंगी तो इससे बढ़िया है कि पैसे मिल रहे हैं तो सस्ते में निपटाने के लिए बॉक्साइड निकालो और दूसरे देश को भेज दो बॉक्साइड निकालो दूसरे देश को भेज दो इस तरह से ये करते हैं तो आइए समझते हैं मैं फिर से बता देता हूं कि बॉक्साइड प्रमुख रूप से उसकर् क्षेत्रों में पाया जाता है बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकालने में बहुत अधिक मात्रा में जलविद्युत की ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इस कारण ज्यादातर देश इस उद्योग तो में पिछड़े हुए हैं इसलिए ये बॉक्साइड का निर्यात कर देते हैं यानी कि विदेशों में ये भेज देते हैं बॉक्साइड उत्पादक देश और भंडारक करता देश के बारे में बात कर लेते हैं बॉक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर दो पर है आपका चीन फिर मैं बोल दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बारे में बात कर लेते हैं गिनी अफ्रीका यह है यह हाँ तो, तो, किनारे पर एक देश पड़ता है जिसको हम कहते हैं गिनी गिनी की राजधानी की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ आप गिनी देख लें हैं ये सबसे अधिक भंडारण वाला देश है सबसे अधिक भंडार कहाँ है गिनी में नंबर दो पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में अब से एलोमिनियम निकालने में अगर बात कर ली क्योंकि के बारे में बात कर रहे हैं तो एलोमिनियम भी देख लेते हैं एलोमिनियम का उत्पादन करने वाला देश इसका मतलब है इसके पास अच्छा खासा पैसा है नंबर वन पर आता है चीन और नंबर दो पर आता है रूस चलिए अब में बात करते हैं अब माइका तो देखते हैं यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में यहाँ कर बिजली के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है इसके अलावा इसका प्रयोग चश्मा की जो डंडी होती है ना ये मेरा जो चश्मा बोले या बोलें जो भी बोले तो इसकी जो डंडी होती है या बूढ़े बड़े लोगों का जो चश्मा बनता है उस तरह की जो डंडी होती है चश्मे में चिमनी का चिमनी में बनाने में चिमनी बनाने में रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है इसका रंग उजला तथा हरा तथा काला होता है यानी कि हल्का उजला हल्का हल्का हरा और हल्का काला भी होता है कई तरह के होते हैं तो उजले रंग का जो अभ्रक होता है यानी कि उजले रंग का जो अभ्रक होता है वो सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा अभ्रक माना जाता है भारत अभ्रक भारत अबरक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है इसके बाद नंबर दो पर आता है ब्राजील और उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका में पिछले बता देता हूं अबरक का सबसे अधिक उत्पाद निर्यातक करने वाला निर्यात करने वाले विदेशों में, में भेजने वाले में नंबर वन पर आता है भारत नंबर दो पर आता है ब्राजील नंबर तीन पर आता है दक्षिण अफ्रीका यह भारत यह है दक्षिण अफ्रीका और यह ब्राजील मुख आयातक देशों की अगर बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक आयात करने वाला जो देश है उसको कहते हैं आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है आपका ब्रिटेन उसके बाद आयात करने वाला जो देश है उसको कहते हैं जापान और यहां पर एक देश दिख रहा होगा यूरोप में इसको कहते हैं जमरनी सॉरी जर्मनी चलिए टिन के बारे में भी जान ले रहे हैं नहीं तो बुरा मन जाएगा तीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है इसके बाद म्यांमार है और उसके बाद पेरू में दिखा देता हूं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन नंबर दो पर है आपका यहां पर पेरू और दक्षिण अमेरिका का देश है और नंबर तीन पर है आपका म्यांमार ये यह यहां पर देख सकते हैं ठीक है क्योंकि बुरा कोई नहीं माने इसलिए सोना के बारे में बात कर लेते हैं सोना मतलब सोना स्लीपिंग हो नहीं सोना मतलब गोल्ड ठीक है आइए समझते हैं सोना इसके उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है इसके नंबर दो पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया ठीक लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा सोने का भंडार मतलब सोना मतलब गोल्ड का भंडार दक्षिण अफ्रीका में है ठीक यहाँ की एक रेंड पहाड़ी है आपका यहाँ पर रेंड या कहें बिट बार्स रेंड सबसे बड़ा सोने का उत्पादन करता क्षेत्र है इसके अलावा ट्रांसवाल क्षेत्र का एक क्षेत्र है वहां पर एक खान है उसको कहते हैं किम्बरले यहां पर आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा देता हूं किम्बरले की जो खान है यह भी सोने का प्रमुख उत्पादन करता क्षेत्र है ऐसे कह सकते हैं कि जो किम्बरले की खान है यहाँ से सोना निकाला जाता है और यहीं पर एक और क्षेत्र है जोहान्स वर्ग में आप लोगों को दिखा दूं यहां पर आप देख सकते हैं जोहान्स वर्ग वाला जो क्षेत्र है जोहांस वर्ग से भी सोना निकाला जाता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका जो सोना है सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश आपका चीन और नंबर दो पर कौन था ऑस्ट्रेलिया ठीक है लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा सोने का भंडार की अगर बात की जाए तो वो है आपका आ, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका नामक देश में यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्र है जैसे किड़ियों पर सोने का उत्पादन किया जाता है वहां से निकाला जाता है और ट्रांसफाल के क्षेत्र में किम्बरले की जो खान है वहां से भी सोना निकाला जाता है और दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र और है जिसको हम कहते हैं जोहस वर्ग से भी सोना निकाला जाता है चलिए चांदी के बारे में बात कर लेते हैं तो चांदी साधारण रूप से सीसा जस्ता तथा तांवा के साथ मिलती है बता दे रहा हूं कि जिस क्षेत्र से आपका तांबा निकाला जाता है जिस क्षेत्र से आपका सीसा निकाला जाता है जिस क्षेत्र क्षेत्र से से आपका जस्ता निकाला जाता है उन से आपकी चांदी भी मिल जाती है ठीक है चांदी के उत्पादक देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं नंबर वन पर आपका है मैक्सिको नंबर दो पर है आपका चीन और नंबर थ्री पर है आपका पेरू ठीक चलिए आगे बात करते हैं सीसा के बारे में बात कर लेते हैं सीसा इसको हम गिलास कहते हैं लेकिन परिभाषा गलत हो जाती है भारत देश के हिसाब से गिलास मतलब ये होता है ये पानी पीने वाला ठीक है अभी पानी पीता हूँ ना मैं वो गिलास तो वैसे ये गिलास फिर ये भी कहते हैं ये जो इसमें लगा है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं छोटे बच्चों को समझा नहीं पाते कि सीधा मन... इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं गिलास लेकिन उन्हें पढ़ा दिया जाता है चलिए समझते हैं गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है जो कि चूना पत्थर या अन्य परतदार चट्टानों की जो नसें होती हैं यानी कि परतदार चट्टान के ऊपर एक, एक, एक जो पत्थर परत होती हैं उनके बीच में नसों में पाया जाने वाला एक अयस्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं गैलेना कहते हैं ठीक है तो गैलेना अयस्क से आपका सीसा निकाला जाता है वैसे तो सीसा और जस्ता एक साथ मिलते हैं इसलिए जो सीसा है सीसा की जुड़वा बहन है जस्ता वैसे भैया होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं हम बहन कहते हैं तो अच्छी बात है सीसा की जुड़वा बहन जस्ता को माना जाता है इसका सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में <coughs> सॉरी इसका किसका सीसा का सबसे अधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में जबकि इसका सबसे अधिक उत्पादन करता जो देश है वह है आपका चीन ठीक है इतना काफी है आगे बात करते हैं जस्ता के बारे में बात करते हैं मैंने बताया था कि ये बहन है लेकिन मैं मेरे हिसाब से मेरा जो दिमाग कहता है ये भैया है जस्ता आपका शीशा का लेकिन आप बहन मानना चाहते तो बहन मान लेकिन मैं कहूंगा ये जुड़वा भाई है ठीक है चलिए जस्ता सबसे जस्ता का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है जबकि सबसे अधिक उत्पादन करता जो क्षेत्र है वो आपका यहां पर आप देख सकते हैं चीन ठीक है नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया यानी कि उत्पादन करता भी कौन है नंबर दो पर आपका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फिर से बता दे रहा हूं, बंडार सबसे सबसे अधिक अधिक में लेकिन सबसे उत्पादन करता ठीक है आजकल एक कविता गाई जाती है यूट्यूब करके चुटकी कहते हैं निकल ऐसे करके पहली पुरस्त निकल तो वही निकल है चलिए प्रयोग किया जाता है इसका इसका प्रयोग मैगनीज तथा क्रोमियम के साथ मिला मिलाकर इस्पात के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है इस्पात मतलब स्टील इस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है किसके साथ मिलाकर मैगनीज तथा क्रोमियम के साथ मिलाकर निकिल को स्टील इस या इस्पात बनाया जाता है इसके अलावा आपका जो निकिल है उसका प्रयोग भारी वायुयान भारी वायुयान के निर्माण तथा मोटर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है इसका सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस में होता है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है फिलीपींस कहां पर है? आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर आपका फिलीपींस है और ये नंबर दो पर उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया तो साथियों ये हो गया आपका त्रमुख धात्विक खनिज के बारे में ठीक है धात्विक खनिज के बारे में अब हम बात करते हैं खनिज ईंधन के बारे में खनिज ईंधन जिसको हम मिनरल फ्यूल भी कह है देते हैं ये इसमें आपका हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस यूरे यूरेनियम थोरियम सौर ऊर्जा भी इसमें पढ़ लेंगे आपका पवन ऊर्जा भी पढ़ लेंगे विद्युत ऊर्जा वाला भी हम इसमें देख लेंगे तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस्तेमाल के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है कौन कौन से दोनों हैं आइए समझते हैं सबसे पहला है गैर नवीकरण या परंपरागत संसाधन गैर नवीकरण से ही आप अंदाज लगा सकते हैं जिसका दोबारा गैर नवीकरण जिसका हम दोबारा प्रयोग न, न कर सके उसको हम क्या कहते हैं गैर नवीकरण या परंपरागत ऊर्जा संसाधन इसके तहत बे ईंधन आते हैं जो सिर्फ एक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं या कहें सिर्फ एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसे कि कोयला है पेट्रोल है प्राकृतिक गैस है इस तरह की चीजें हम गैर परंपरागत योग या परंपरागत ऊर्जा संसाधन में शामिल करते हैं दूसरा जो है नवीकरण आप अंदाज लगा सके नवीकरण यानी कि नवीन यानी कि उसको नया रूप देने का यानी कि इस्तेमाल करने के बाद फिर से उसका इस्तेमाल किया जा सके उसको हम कहते हैं नवीकरण योग्य गैर परंपरागत ऊर्जा ठीक है तो आइए फिर से बता देता हूं गैर नवीकरण योग परंपरागत ऊर्जा गैर नवीकरण या परंपरागत ऊर्जा संसाधन इसके तहत ईंधन भी आते हैं जो सिर्फ एक बार प्रयोग में आते हैं उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जैसे कोयला पेट्रोल प्राकृतिक गैस ठीक है दूसरा जो होता है नवीकरण योग गैर परंपरागत ऊर्जा जिसमें इससे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता जैसे है जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ठीक है चलिए समझते हैं आगे सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसमें हम लोग बात करेंगे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं कोयला के बारे में जिसको हम अंग्रेजों की भाषा में कोल कहते हैं क्या कहते हैं कोल समझ रहे हैं ना को नहीं कोल आइए बात करते हैं कोयला कहां से मिलता है कोयला जो है वह परतदार चट्टानों में मिलता है जब हम चट्टानों के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि चट्टाने तीन प्रकार की होती हैं उसमें एक चट्टान होती है जिसको हम कहते हैं परतदार चट्टान ठीक है अफसादी चट्टान भी हम इसको कह देते हैं तो परतदार चट्टानों से मिलता है कोयला जो है औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार था इसलिए इसको उद्योग धंधों की मम्मी या कहें जननी या कहें मदर कहा जाता है फिर से बता देता हूं कि जो कोयला था कोयला का कोयला से जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसका आधार क्या था उसका आधार आपका कोयला ही था क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे वगैरह चल रहे थे वो सारे के सारे किस पे आधारित थे कोयले से आधारित थे इसलिए औद्योगिक जो धंधों की जो मम्मी कौन है या कहें जननी कौन है आपका कोयले को माना जाता है आइए बात करते हैं कोयले के प्रकार समझते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कोयले चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला जो कोयला है उसको कहते हैं एंथ्रेसाइड कोयला मैं फिर से दिखा दे रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं ये कोयला एंथ्रेसाइड कोयला है कोयला पर कार्बन की उपस्थिति के आधार पर ठीक है तो कोयले कोयले इस में में कि कार्बन की जो मात्रा है वह तक हो सकती है यह जलते समय कम धुआं देता है और जलने के बाद राख भी न के बराबर छोड़ता है यह सबसे बेस्ट कोयला यानी कि सबसे सबसे उत्तम कोटी का कोयला होता है इसलिए इसका भंडार भी काफी सीमित होता है क्योंकि आप लोग दुनिया में जानते हैं कि अच्छे इंसानों की जो अच्छे इंसानों की जो किस्म है या कहें अच्छे इंसानों की मात्रा या कहें संख्या बहुत कम है मैंने क्या बताया इसकी मात्रा कम होती है इसका इसका वो सॉरी यह सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है इसलिए इसकी मात्रा क्या होती है काफी सीमित है ठीक है यह काफी कठोर तथा चमकदार होता है चलिए समझते हैं आगे दूसरा प्रकार है बिटुमिनस बिटुमिनस का मतलब होता है जिसमें से वो निकलता है आपका क्या बिटुमिनस कम में से निकलता है कोल वो निकलता है चार कोल जिसको हम डामर भी कह देते हैं आइए समझते हैं प्रकार का कोयला कोयला दूसरा होता है ये भी द्वितीय कोटी का कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 70 से 80 परसेंट तक हो सकती है यह जलते समय एंथरेड से अधिक धुआं देता है और काफी राख भी इससे बचती है इसे बिटमिनट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस कोयले को गर्म करते हैं तो इसमें से निकलता है यानी कि डामर निकलती है ठीक है जिससे आप लोगों को पता भी होगा कि डामर से रोड वगैरह बनाई जाती है ठीक है तो डामर निकलती है विश्व में जितना भी कोयला निकलता है उसमें से अस्सी परसेंट प्रकार का कोयला ही होता है इसका प्रयोग कोक कोयले के निर्माण में भी होता है तीसरा नंबर देखते हैं चलिए बात करते हैं लिग्नाइट या भूरा कोयले के बारे में तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 45 से लेकर 65 परसेंट तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, जाता है। इसमें की मात्रा काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये कोयले के निर्माण की प्रक्रिया पर शुरुआत हो चुकी है और हल्का कोयला बनने ही वाला है तो इसको हम क्या कहते हैं लिग्नाइट या भूरा कोयला कहते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वनस्पति काफी मात्रा होती है, है। चलिए

इसकी जो स्थिति है यानी कि जो पीट कोयले की जो स्थिति है यह कोयला कहलाने के लायक नहीं होती यानी कि जो कोयले के नाम पर धब्बा होता है जो पीट कोयला होता है कोयले के नाम पर धब्बा होता है क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से कोयला बनने की प्रथम स्टेज होती है इसमें नमी की इतनी मात्रा होती है कि इसे सबसे घटिया कोयला कहते हैं कि भैया जब नमी की मात्रा जब बहुत अधिक होगी तो वो जलाने की स्थिति में नहीं होगी इसलिए जो पीट कोयला होता है ये औद्योगिक महत्व तो इसका बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये जलाने लायक स्थिति होती नहीं इसकी ठीक है चलिए आइए बात करते हैं कोयला का भंडार तथा उत्पादक देशों के बारे में विश्व में सबसे अधिक भंडार कोयला का यूएसए में पाया जाता है नंबर दो पर है आपका रूसी संघ नंबर तीन पर है आपका चीन भंडार के बारे में बात हो रही है उत्पादक देश देख लेते हैं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चीन नंबर दो पर यूएसए और नंबर तीन पर भारत ठीक है चलिए ये हो गया आपका कोयला आगे बात करते हैं कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं यानी कि वो क्षेत्र यानी कि देश देश तो तो देख लिए कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कोयला का उत्पादन किया जाता है सबसे पहले बात करेंगे रूस के बारे में रूस में कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कि आपका कुछ बास, तुला और मास्को कहां पर है यहां पर आप रूस वाला चीज देख सकते हैं यहां पर कोयला के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से कोयला निकाला जाता है जैसे कि कुछ बास कोयला उत्पादन का क्षेत्र है टूला आपका रूस वाले क्षेत्र में ही और मास्को कोयला के लिए मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं। वैसे पर इतना बड़ा मैप मैंने लगाया है नहीं है यहां पर आपको देख सकते हैं मास्को है रूस में और यूक्रेन में अगर बात की जाए यूक्रेन बेटा कहां है यह है डोनेट्स ठीक है डोनेट्स ठीक है तो डोनेट्स या डोनवास क्षेत्र नंबर तीन पर बात करते हैं तो वो है आपका चीन तो चीन में सांसी या सेंसी सांसी, सेंसी तथा मंचूरिया कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपके चीन वाले क्षेत्र में चाइना में यहां से कोयला को क्या किया जाता है निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका की अगर बात कर ली जाए दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका माध्यम एक देश है उसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और नेटाल जो क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं इसके बाद जर्मनी की अगर बात कर ली जाए यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी की बात अगर की जाए तो जर्मनी में रूर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध कोयला का उत्पादन करने के लिए यूएसए में बात की जाए तो यूएसए का यहां क्षेत्र है यहां पर पड़ता है आपका अपलेसियन क्षेत्र मिसोरी और टेक्सस मिसोरी आपका राज्य है टेक्सस भी आपका यूएसए का राज्य है और अपलेसियन क्षेत्र है आपका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के बारे में आ, समझते हैं पे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस समझते हैं सबसे पहले पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस आज से लगभग 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले जब वनस्पति जो थी वनस्पति समुद्री जीव तथा जानवर अवसादों के नीचे क्या हो गए थे दब गए थे और बाद के समय में बाद के समय में इन जीवों इन जानवरों इन वनस्पतियों का क्या हुआ अवघटन हो जाता है और अपघटन के बाद इनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है फिर से मैं हूं कि लाखों करोड़ों साल पहले यानी कि लगभग 10 से 20 करोड़ साल पहले जो अवसादी क्षेत्र था अवसादी जो चट्टाने थी उनके नीचे आपकी वनस्पति जीव जानवर कुत्ते बिल्ली सुअर डायनासोर जो कुछ भी था सब दब गया बाद के वर्षों में जब इनका अपघटन हुआ तो वहां पर पेट्रोलियम तेल के रूप में वहां पर बन गए तो पेट्रोलियम को आप इस तरह से मान सकते हैं जिस तरह से हमारा जो शरीर होता है उसमें ब्लड या का खून या का रक्त होता है उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी ये रक्त का कार्य करता है यानी कि आप पेट्रोलियम निकाल लेते हैं तो इस तरह से स्थिति हो जाती है जैसे कि इंसान के शरीर से खून चूस लिया हो चलिए समझते हैं ये तो पृथ्वी की भावना है जो कि हम नहीं समझते हैं जो कि हमें शर्म आनी चाहिए मुझे तो आती है आप लोगों को पता नहीं आती है कि नहीं क्योंकि हम खून चूसते हैं पृथ्वी का चलिए समझते हैं और मैंने क्या बताया बाद के समय में यह क्या बन जाती है का पेट्रोलियम निर्माण होता है ये परतदार में है परतदार चट्टानों चट्टानों में में या अवसादी पाया जाता है। इसे निकालने के लिए कुएं खोदने पड़ते हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का जो दिल है उसमें ब्लड भरा हुआ है या खून या रक्त है उसमें हम छेद करते हैं और उस छेद करने के बाद यानी कि पृथ्वी में कुआ खोदने के बाद उसका खून या कहे उसमें से रक्त या कहे पेट्रोलियम के रूप में हम उसमें से निकाल लेते हैं पेट्रोलियम जो होता है पानी से हल्का होता है इसलिए यह पानी के ऊपर होता है और इसके ऊपर क्या होती है गैस होती है फिर से मैं बता दे रहा हूं जब हम कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदने के बाद क्या करते हैं कुआं खोदने के बाद सबसे पहले आपका गैस आएगी गैस के बाद आपका पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से नीचे आपका पानी होगा कुएं के द्वारा इसको तेल शोधन कारखानों में भेजा जाता है जैसे कि मान लीजिए ये यह यहाँ से हमने पेट्रोलियम निकाला पेट्रोलियम हमने निकाला कहीं से भी जहाँ भी कुआ वगैरह है उसमें तो क्या कर दिया हमने पाइप लगा दिए पाइप लगाने के बाद हमने रिफाइनरी आकर तेल शोधन साला होते हैं वहां पर भेजते हैं वहाँ पर उसकी रिफाइन

अपनी बाइक बिना हेलमेट के ले जाके वहां पर खड़ी कर देते हैं और पेट्रोल वाला आपको आसानी से पेट्रोल दे देता है वैसे नियम अभी बन रहा है कि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं देनी चाहिए तो आपको पेट्रोल कहां से मिलती है स्टेशन से या पेट्रोल पंप से वो कहां से आती है टैंकरों भर के आती है वो कहां से आती है आपके टर्मिनल से बड़े बड़े स्टेशन बना दिए जाते हैं वो टर्मिनल में कहां से आती है रिफाइनरी से आती है रिफाइनरी के द्वारा पाइप लगा दिए जाते हैं रिफाइनरी में कहां से आती है जहां क्षेत्र होता है जहां कुएं खोदे होते हैं वो सीधे संपर्क होता है पाइप से ठीक है अगर आपको रिफाइनरी वाला देखा है एक दो मूवी में मैंने देखा है जैसे कि मूवी थी आ, आर मेक डन ऐसी करके मूवी थी उसमें रिफाइनरी के बारे में दिखाया था किस तरह से वो खुदाई वगैरह करते थे तो कुएँ की चलिए तो कुएं के द्वारा इसको तेल शोधनशालाओं में कारखानों में भेजा जाता है भारत के बारे में खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे तो हम भारत की तेल शोधनशालाएँ पढ़ेंगे यहाँ पर जरूरत नहीं है चलिए समझते हैं भंडार तेल खनिज तेल का भंडार और उत्पादक देश विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार जो है वो बेनिन ज्वेला में है बेने ज्वेला जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है क्या कहते हैं इसको बेने ज्वेला कहते हैं दूसरा नंबर पर आता है भंडार की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप का एक देश है उसको कहते हैं हम सऊदी अरब नंबर पर आता है कनाडा और नंबर पर आता है लोगों को दिखा दूं यह है बैन्य नंबर दो पर सऊदी अरब नंबर तीन पर आपका यहां पर आप देख सकते हैं यह है एक देश कैनेडा ठीक कैनेडा और नंबर चार पर आता है आपका ईरान ठीक अब आती है बात उत्पादन करने की क्योंकि भैया देखो अब भाई हमेशा वाली बात होती है अब दूध का आप उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन खोया बनाना या खोया से बर्फी बनाना पर कोई दूध से पनीर बनाना दही बनाना ये सारी चीज़ें प्रक्रिया अलग होती हैं अब भंडार तो है वो निकालना ना निकालना वो चीज़ अलग है अब निकालने वाले देश देखते हैं सबसे नंबर वन पर आता है सऊदी अरब ठीक नंबर वन पर सऊदी अरब नंबर दो पर रूस नंबर तीन पर यूएसए और नंबर चार पर चून वो चीन ठीक मतलब इसका नाम थोड़ा ख़तरनाक है कंफ्यूज हो जाता हूं मैंने क्या बताया नंबर एक पर आपका सऊदी अरब नंबर दो पर आपका रूस उत्पादन करने में नंबर तीन पर रूस और नंबर नंबर तीन पर आपका यूएसए और नंबर चार पर चीन ठीक है चलिए पेट्रोलियम के प्रमुख तेल क्षेत्र देख लेते हैं यानी कि जो तेल है वो पेट्रोलियम है जहां से निकाली जाती है कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं आइए समझते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं कुबैत अब भैया कुबैत कहां है कुबैत है आपका एशिया महाद्वीप का एक देश यहां पर आप देख सकते हैं कुबैत कुबैत ऐसे देख सकते हैं इराक

रूस में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ नदियां हैं यह यूराल पर्वत यूराल पर्वत के आसपास दो नदियां हैं एक तो बोलगा नदी और यहां पर एक नदी आपको दिख रही हुई इसको हम कहते हैं यूराल नदी यूराल नदी और बोलगा नदी से आपका प्रमुख तेल शोधन क्षेत्र यानी कि वहां से तेल निकाला जाता है पेट्रोल निकाली जाती है इसके बाद आखिरी तो नहीं देखेंगे सेकेंड लास्ट देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अजरबैजान के बारे में अजरबैजान की जो राजधानी है उसको हम कहते हैं बाकू बाकू से आपका प्रमुख तेल क्षेत्र है? तेल कौन से है, तो अजरबैजान का बाकू ठीक? इसके बाद के बारे तो में बात तो पड़ता है आपका मारा तो आपका प्रमुख तेल क्षेत्र है जहां से तेल निकाला जाता है मतलब तो पेट्रोल निकाली जाती है चलिए आगे बात करते हैं चलिए प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर ले नेचुरल गैस के बारे में भी तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होती है मैंने बताया था कि सबसे पहले जो कुआं खोदा जाता है कुएं के सबसे नीचे होता पानी पानी के ऊपर होता है पेट्रोल पेट्रोल के ऊपर होता प्राकृतिक गैस क्योंकि पानी होता है पेट्रोल से भारी होता है या कहें जो पेट्रोल होती है पानी से हल्की होती है इसलिए क्या होती है वो पानी के ऊपर होती है पानी पेट्रोल से भी हल्की होती है गैस तो वो पेट्रोल के ऊपर होती है ठीक है समझ में आ गया चलिए तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश देख लेते हैं आपके यूएसए कनाडा रूस यूक्रेन और उज्बेकिस्तान आइए उनके क्षेत्र भी देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूएसए का यूएसए में जो प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है सबसे पहले आता है आपका टैक्सस एक राज्य है मैं जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं टैक्सस एक राज्य है यहां पर आपका लुसियाना लुसियाना जो मिसिसिपी मुहाने के ठीक पास में ये यह यहां पर आपका तेल गैस प्राकृतिक गैस निकाली जाती है न्यू मैक्सिको एक आपका ये राज्य ही है किसमें आपका यूएसए का ही इसके बात करते हैं कैलिफोर्निया एक राज्य ही है किसका यूएसए का इसके बाद कैनेडा में आ जाते हैं कैनेडा में यहाँ अलवर्टा है अल्वर्टा या एल्वर्ट यहाँ पर एक राज्य है और ब्रिटिश कोलंबिया से आपका क्या निकाला जाता है प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है निकाली जाती है इसके बाद बात करते हैं रूस में बात कर लेते हैं हल्की सी रूस में रूस में या रसिया में ओर वर्ग और पूल नामक दो क्षेत्र हैं। यहां से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है ठीक है यूक्रेन के बारे में भी बात कर लेते हैं यह है आपका यूरोप महाद्वीप यूरोप में एक देश है जिसको कहते हैं यूक्रेन यूक्रेन में एक जगह पड़ती है उसको कहते हैं सबेलिका सबेलिका। उम्मीद है इसमें होनी चाहिए नहीं है तो कोई बात नहीं है आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं तो सबे लिकास से क्या निकाली जाती है प्राकृतिक गैस निकाली जाती है इसके बाद बात करते हैं उज्बेकिस्तान मैंने आप लोगों बताया। यहाँ को बताया यहां पे कुछ छोटे छोटे देश हैं जैसे है। उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कब्रिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान ठीक है और किर्गिस्तान इस तरह के छोटे मोटे देश है उसी में एक पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान आप लोगों को दिख रहा होगा उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं गजनी गजनी मतलब मूवी वाला गजनी नहीं गजनी जो भारत पर आक्रमण करने आया था वो वाला गजनी तो गजनवी या गजनी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से प्रमुख प्राकृतिक गैस का उत्पादक क्षेत्र है इसके बाद चलिए भंडार और उत्पादक देशों के बारे में बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस का या नेचुरल गैस का विश्व में सबसे अधिक भंडार की अगर बात की जाए तो भंडार है नंबर वन पर आता है ईरान नंबर टू पर आता है रूस नंबर थ्री पर आता है कतर ठीक है और नंबर चार पर आता है तुर्कमेनिस्तान आइए मैं जूम करके दिखा देता हूं नंबर वन पर मैंने बताया ईरान नंबर टू पर आपका रूस नंबर थ्री पर आपका कतर और नंबर चार पर आपका तुर्कमेनिस्तान ठीक चलिए चलिए उत्पादक देश देख लेते हैं तो विश्व में सबसे अधिक नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश जो है वो है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर दो पर आता है आपका रूस अंग्रेजी में इसको रसिया कहते हैं ठीक है नंबर तीन पर आता है ईरान ये आपका एशिया महाद्वीप का ही देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान और नंबर चार पर आता है कतर ठीक है तो ये हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में दूसरा देखते हैं चलिए साथियों बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में ठीक है देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पवन ऊर्जा भूतापी ऊर्जा सौर ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा ठीक है जैसे कि आपका सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी तो आइए देखते हैं एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं इसका प्रयोग बार बार किया जाता है, यानी ऐसा ऊर्जा या कहीं ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता हो उसे गैर परंपरागत क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं यह है प्रदूषण नहीं करती इसकी विशेषता के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं यह है प्रदूषण नहीं करती यह आपकी ग्लोबल वार्मिंग में ग् कमी लाती है ठीक है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है पवन ऊर्जा भूतापी ऊर्जा सौर ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा को इसमें शामिल किया जाता है ठीक है तो आइए करके समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे जल विद्युत के बारे में या कहें हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो पावर के बारे में तो आइए समझते हैं जल विद्युत क्या होता है पानी के द्वारा जल को वो जल या पानी के द्वारा बिजली बना बनाई जाती है उसी को जल विद्युत कह देते हैं ठीक है जैसे कि इसमें कोई स्पेशल चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होता है पानी में से इसका कोई रोल नहीं होता है ना पानी का लवरता कम होती है ना ही पानी का आप जैसे मान लीजिए पानी में से कुछ नहीं होता पानी जो होता है ऊपर पंखा घुमाना होता है जिसे हम टर्वाइन कहते हैं तो टर्वाइन घुमाना होता है पानी सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं क्योंकि मैंने एक बार एक अंकल थे उनका क्या नाम था वो पप्पू की पार्टी के थे अंकल तो वो अंकल तो व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो देखा था अंकल कह रहे थे तो अंकल के तरह से बब्बा थे वो काफ़ी उम्र थी उनकी तो पार्टी में थे ऐसे हाथ जने चूसे वाला पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है तो वो अंकल उस पार्टी के थे अंकल कह रहे थे कि यार मोदी देख रहे हो कितना बेकार काम कर रहा है हैं मोदी देखो अब एक बात बताना मोदी है बिजली सारी पानी से निकाल लेगा तो फिर पानी में ताकत रहेगी नहीं और वो खेतों में जाएगा तो फसल होगी नहीं तो ऐसा कुछ नहीं तो पानी का कोई रोल नहीं होता यानी कि पानी का जो अंदर जो उसका जो भी रासायनिक उसमें जो तत्व होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई झोलझाल नहीं होता तो आई समझते हैं जल विद्युत के बारे में समझते हैं इसे यानी कि जो पानी से बिजली बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम सफ़ेद कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसमें इससे पर्यावरण का बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है पानी से बिजली को पानी से विद्युत या पानी से बिजली को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना या पूरा होना बहुत ही आवश्यक है कौन कौन सी वो शर्तें या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं उनको समझते हैं सबसे पहला पानी से बिजली बनाने के लिए पानी का या जल का बहाव तथा आयतन बहुत अधिक होना चाहिए आयतन मतलब उसमें काफी पानी होना चाहिए यह नहीं कि आपने क्या कर लिया कि जल का बहाव मान लीजिए बहुत तेज है उसके बाद भी उसका आयतन बहुत कम है ऐसा नहीं जल का बहाव बहुत तेज होना चाहिए साथ में उसका आयतन भी बहुत अधिक होना चाहिए जैसे कि आपका काफ़ी अधिक क्षेत्र में पानी होना चाहिए यानी कि आपने एक बाल्टी लिया और बाल्टी से उस उसके ऊपर पानी डाल दिया तो ऐसा नहीं बहुत तेज भाव और उसका आयतन भी क्या ना हो बहुत अधिक बहुत अधिक मात्रा में इसलिए क्या करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी नदी या कोई बड़ा नहर वगैरह होती है तो उसको क्या कर लेते हैं बीच में पानी को रोक के बांध बना लेते हैं इस तरह से और पानी इस तरह से बहुत तेजी से गिरता है तो क्या कर लिया आयतन बहुत अधिक कर लिया तब पानी इसमें डालते हैं यहाँ पर आयतन बहुत अधिक कर लिया क्योंकि तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया तो इसका जो आयतन है वो बहुत अधिक हो गया अब इसका बहाव भी बहुत तेज हो जाएगा ठीक है दूसरा होता है पानी जो है ऊंचाई से गिरना चाहिए क्योंकि तो पानी जब ऊंचाई से गिरेगा तो काफी तेज दबाव डालेगा इससे जो टर्वाइन होती है जो पंखा होता है वो बहुत तेज घूमता है इससे क्या रहेगा बिजली बनने में आसानी रहती है तीसरा देखते हैं बाजार मांग क्षेत्र पास में ही हो बहुत जरूरी है यानी कि बिजली तो बना रहे हैं अब मांग क्षेत्र यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि आप अमेरिका में बिजली बना रहे हैं तो भारत में तो भैया नहीं पहुंचा सकते क्योंकि बहुत पहुंचाने में ही बहुत खर्चा हो जाएगा अब ये तो है नहीं कि भैया ऐसा है बिजली बना ली ढाई ढाई सौ ग्राम के दो दो किलो के ये डिब्बे भर लो और रख लो ऐसा भी नहीं हो सकता बिजली या कहे जो विद्युत है या कह इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे बनाने के बाद उसे जिस जगह इस्तेमाल करना है वहां पर भेजना भी आवश्यक है क्योंकि तो उसको स्टोर हम ज्यादा नहीं कर सकते एक सीमा तक हम कर सकते हैं लेकिन स्टोर भी हम ज़्यादा उसको नहीं कर सकते क्योंकि पास में मार्केट होना चाहिए मार्केट के लिए मतलब सिटी होने चाहिए गांव में अगर पहुँचानी है तो गांव होने चाहिए तो ये भी आपको समझना चाहिए ठीक है बाजार मांग क्षेत्र पास में ही होना चाहिए ये नहीं कि तमिलनाडु में बिजली बन रही है और हम कश्मीर में पहुंचा रहे हैं या कन्याकुमारी में बिजली बन रही है हम कलकत्ता में पहुंचा रहे हैं ऐसा नहीं आसपास के क्षेत्र में ही वहां पर पहुंचानी चाहिए ठीक है इसके बाद परिवहन के साधनों का उप, उपलब्ध होना यानी कि वहां पर जो भी संसाधन है इसमें जो जो चीजें इस्तेमाल जा, की जाती हैं उनके लिए परिवहन का साधन भी होना आँ, 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 बहुत आवश्यक है बारह मासी नदियां होनी चाहिए छह महीने के लिए नदियां हैं पानी नहीं देती हैं और छह महीने के लिए पानी देती हैं इससे क्या रहेगा आप छह महीने तो बिजली बिजली के बिना तो आप एक घंटा भी नहीं रहना चाहते क्या आप ये चाहते हैं कि विद्युत जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो छह महीने के लिए मिले और छह महीने के लिए नहीं मिले ऐसा नहीं बारह मासी नदियां होनी चाहिए ठीक है तीव्र ढाल होना चाहिए ढाल जो है जब तीव्र होगा तो नदियां बहुत तेज स्पीड से बहती हुई आएंगी लास्ट जो है शर्त उसको सब पूरी दुनिया जानती है पूंजी का होना अगर पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है जैसे बेचारा पाकिस्तान गरीब देश है आप लोग देखते हैं तो पाकिस्तान से काफी सारी नदियां तो निकलती हैं लेकिन अब बेचारे पे पैसे नहीं है इसलिए वहां पर बिजली ज्यादा बना नहीं पाते हैं इसलिए क्या करते हैं वो पानी को पीकर और आपस में बिजली बनाते रहते हैं ठीक है तो इस तरह से तो इसका पूंजा पूंजी का भी होना बहुत आवश्यक है पानी से बिजली या पानी से विद्युत या जल से विद्युत बनाने के लाभ क्या क्या है सबसे पहला श्रम की बचत समझ रहे ना श्रम की बचत अब कोयले से बनाएंगे तो क्या करेंगे कोयला लेके आना पड़ेगा एक लेबर होगी कोयला पहुंचा रही होगी या फिर कोई मशीन चला रही होगी कोयला पहुंचा रही उसे जलाना है भट्टी में कोयला डालना पड़ेगा इस तरह की चीजें यहां पर क्या है श्रम में बचत यहां पर कुछ ज्यादा नहीं करना है सब कुछ सेटअप कर दिया है आपका पानी ऊपर से गिरेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बांध बना देंगे इस तरह से और बांध बनाने के बाद क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पानी रोक लेंगे और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आया और ये यहाँ पर टर्वाइन जब घूमी टर्वाइन घूमी तो ये जो जनरेटर है ये चालू हो गया जनरेटर चालू हो गया तो बिजली आपकी बनी बिजली जब बन जाती है तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र करके तारों के द्वारा ये क्षेत्रों में भेज देते हैं साधार्थी प्रक्रिया है कुछ करना नहीं है ये नहीं कि दो लेबर इकट्ठी करी कि थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आपका दूध हो रहा है तो दूध दूँने के लिए एक आदमी चाहिए भैंस को मक्खी नहीं लगे तो उसकी मक्खी मारने के लिए चाहिए गोबर कर रही है तो गोबर के लिए भी एक आदमी चाहिए ठीक है ये मान लीजिए एक ही आदमी करता है लेकिन अगर आप दस भैंस हैं बीस पच्चीस भैंस है तो आदमी थोड़े ज़्यादा चाहिए अब भूसा आसानी लगाने के लिए भी एक साथ आदमी चाहिए भूसा लाने के लिए दूर से मंगाने के लिए एक आदमी चाहिए उसके लिए उसके बाद भूसा के बाद उसको नहलाने के लिए भी एक आदमी चाहिए इस तरह की बहुत सारी चीजें गोबर उठाने के बाद उसे फेंकने के लिए एक आदमी चाहिए अब गोबर जहां फेंक दिया है तो भैया रोड पे तो फेंकेंगे नहीं अब उस जब गोबर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो उसको लिए ट्रॉली या ट्रैक्टर में भर के आप उसको खेतों में पहुंचाएंगे इस तरह से लंबी चौड़ी प्रक्रिया इसमें श्रम की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती नहीं है साधारण सी प्रक्रिया ठीक है दूसरा लाभ असमाप्त संसाधन पानी है आप सभी लोग जानते हैं पानी क्या हुआ नदियों के द्वारा नीचे गया एक बार इस्तेमाल हुआ अब इस्तेमाल होकर आगे बढ़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह से आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद मान लीजिए बांध है कोई और दूसरा कारण है तो पानी क्या हुआ जल के द्वारा फिर से ऊपर चला गया जल के द्वारा फिर से ऊपर चला गया बा... बादल बन गए बादल बनने के बाद फिर से पानी बरस गया यानी कि ये चक्र चलता रहता ये है ये असमाप्त है यानी कि ये समाप्त नहीं हो सकती समझ में आ रहा है ना यानी कि लॉट फेर के हम फिर से इस्तेमाल उसका कर सकते हैं अब कोयला है कोयला को हमने एक बार जला दिया अब कोयला को जला दिया तो हम कोयला के बाद हम जो राख बची उसको तो हम जला नहीं सकते वो तो फेंकनी नहीं होगी तो इस तरह से ये असमाप्त है इसको ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती चलिए सस्ती ऊर्जा कोयले से अन्य जो साधन है उनसे सस्ती पड़ती है क्योंकि पानी है ज्यादा खर्चा आता नहीं है पानी तो ऊपर से आ रहा है बस जरूरी है हल्की पूरी बारिश होनी चाहिए बाराणसी नदियाँ होनी चाहिए अन्य संसाधनों का संरक्षण अन्य संसाधन को भी संरक्षण होता है जैसे कि आपका इस अब आपकी जैसे मान लीजिए बिजली बना रहे हैं पानी से तो प्रदूषण नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है काफ़ी चीज़ों का बचत हुआ प्रदूषण से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऊपर जाकर जब भी चले जाता है तो प्रदूषण जैसे सी ओ टू कैसे कोयला जला कर हम कर रहे हैं तो क्या हुआ उससे सी ओ टू जैसे और भी कई सारे जो तत्व उससे निकले ऊपर जाकर वायुमंडल में क्या करते हैं ये डिस्टर्बेंस करते हैं तो इससे कोई खास नहीं अगर जब मान लीजिए आप हूँ मैं हूँ अब मैं हूँ मैं गंदा पानी पी लेता हूँ गंदा पानी मैंने पी लिया अब मैं बीमार हो गया अब भैया क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा भैया फर्क पड़ा बीमार हो गया अब मैं क्या करूंगा मैंने बीस रुपए कमाए थे बीस रुपए में से मुझे दस रुपए की दवाई लेनी पड़ेगी अब दस रुपए की दवाई लेनी पड़ेगी मैं एक दिन स्कूल नहीं गया पढ़ाने मेरी जो सरकार मुझे सैलरी देती है उसमें भी दिक्कत आई भैया सरकार का पैसा गया फालतू अब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उन्हें भी परेशानी तो इस तरह से काफ़ी बहुत से संसाधनों का संरक्षण हो सकता है किससे जब हम जल से विद्युत बनाते हैं बिजली से पानी से जब बिजली बनाते हैं चलिए आगे बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र और उत्पादनकर्ता देख लेते हैं उप्वोक, उपभोग उपभोक्ता है, यानी कि उपयोगकर्ता भी इसमें बहुत जरूरी है यानी कि बिजली का उपयोग हाल के हाल करना होता है उसको ज्यादा देर तक हम रख नहीं सकते यानी क्योंकि वैसे बिजली वैसे खराब तो नहीं होती है लेकिन वो हाल के हाल बनने के बाद तुरंत उसका इस्तेमाल भी करना जरूरी होता है ठीक है तो आई समझें विश्व का सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाला जो देश है उसको हम कहते हैं चीन चीन यह अकेला पूरे विश्व में जितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है उसमें आठ परसेंट आपका चीन ही उत्पादन करता है और जो पूरे एशिया की अगर बात की जाए जो पूरे एशिया में जो बिजली बनाई जाती है उसका चौंतीस परसेंट भाग अकेला चीन या चाइना पानी से बिजली बनाता है ठीक है चलिए आके देखते हैं विश्व में प्रति व्यक्ति खपत नॉर्वे में सबसे अधिक है यहां पर 99% जनसंख्या के पास बिजली का आ, क्या होता है मिलती है 99 परसेंट जो जनता है यानी 99 परसेंट जो लोग हैं उनको बिजली मिलती है जो कि यहां पर सबसे अधिक है ठीक है उपभोग करने वाले देशों के बारे में बात करते हैं प्रति व्यक्ति के बारे में बात हो रही है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति ठीक है उपभोग के बारे में बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाला देश चीन है दूसरे नंबर पर आता है आपका यूएसए तीसरे नंबर पर आता है रूस चौथे नंबर पर आता है जापान भारत के बारे में यहां पर जानना नहीं है ठीक है फिर से बता देता हूं दुनिया में सबसे अधिक बिजली का उपभोग करने वाला देश यानी सबसे अधिक बिजली का उपभोग कौन करता है नंबर 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 पर 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 चीन यूएसए आपका रूस और जापान ठीक अब कर, बात करते हैं उत्पादन करने वाले देश के बारे में दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है चीन सबसे उपभोग भी करता है यानी कि खाता भी है और यह बनाता भी है समझ आ गया ना तो सबसे अधिक उपयोग करने वाल उत्पादन उपयोग करने, करने वाला देश चीन नंबर टू पर कौन सा आता है सबसे अधिक उत्पादन नंबर टू पर ब्राजील नंबर फोर पर आपका कैनेडा और नंबर फोर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका लेकिन ध्यान रहे प्रति व्यक्ति खपत की बात अगर की जाए तो नॉर्वे सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक करता है चलिए अब बिजली बनाने वाली कुछ परियोजना के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि बीसवीं प्रतिशत है सबसे पहली आती है थ्री गार्जेज थ्री गार्जेज जल विद्युत परियोजना ठीक है कहां पर स्थित है चीन में चीन में किस नदी पर है यांग सीकयांग इसको हम सीकयांग नदी के नाम से भी जानते हैं आइए मैं आप लोगों को सीकयांग दिखा देता हूं ये आपकी यहां पर आप नदी देख सकते हैं सीकयांग नदी जो है यहां पर आपकी चीन से बहती हुई आती है और यहां पर आपका ची दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिरा देती है ठीक है नंबर दूसरे देखते हैं इतापी अभी यह बात ध्यान रखना थ्री गॉर्जेस जल विद्युत परियोजना है तो ध्यान रखे जहां पर जल विद्युत परियोजना है वहां पर बांध भी बना होता है यानी कि बांध अगर जल विद्युत परियोजना के बारे में बात बात कर रहे हैं अगर बात करते हैं अगर करते कि किस नदी पर वो वाली जल परियोजना है फलाना फलाना वाली तो फलाना फलाना अगर जल विद्युत परियोजना का नाम है तो एक ढेमाका डिमाका वहां पर क्या बना होगा फलाना डिमाका एक बांध भी बना होगा यानी फलाना जल विद्युत परियोजना है तो वहां पे डिमाका जल एक बांध भी होगा मैं फिर से बता जाऊं अगर मान लीजिए आपकी गंगा नदी है गंगा नदी पर कोई जल विद्युत परियोजना है तो झाइ सी बात है कि जल विद्युत परियोजना के साथ ही एक बांध भी बना होगा अब बांध बना होगा तो ध्यान भी रहे एक कृत्रिम झील भी बनी होगी क्योंकि जब जल विद्युत परियोजना होता है तो उसको जब हम रोकते हैं बांध बनाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है मान लीजिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है <coughs>

इतापु एक बांधवी बनाया चलिए इसको देखते हैं कहां पर है कहा ब्राजील और पराग्वे आइए मैं आपको आपको जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आपको एक दिख रही होगी नदी पराना नदी इसको हम परगना नदी भी कभी कभी कहते हैं तो ये इस तरह से आती है आती है और आपकी दो देशों के बीच की संयुक्त परियोजना है पराग्वे एक देश है और आपका ब्राजील नामक दो तो देशों की संयुक्त रूप से यह परियोजना है यहां पर बांधवी बना है इतापू बांध तीसरी परियोजना देखते हैं तीसरी परियोजना जो है गोरी परियोजना ये आपकी करोनी नदी पर है जो कि नदी के बारे में जानना यहां पर जरूरी नहीं है सिर्फ गुरी परियोजना देख लेते हैं आपकी नामक एक देश है यहां पर आप एक बांध भी बना है ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर बना हुआ है इसको नदी जान के बारे में जानना जरूरी है कोलंबिया नदी पर बना हुआ है आपको मैं पहले तो बेनुजिला दिखा दूं कहां पर स्थित है यहां पर आप बैनुंजिला देख सकते हैं बैनुजिला में यहां पे एक कुरी बांध बना हुआ है ठीक है चलिए गुरी ठीक इसके बाद ग्रैंड कुली बांध के बारे में बात करते हैं ग्रैंड कुली जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करते हैं ये कोलंबिया नदी पर बना हुआ है किसकी परियोजना है ये यूएसए की परियोजना यानी कि भारत अमेरिका की परियोजना यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया का पठार कोलंबिया के पठार में उत्तर में एक नदी आप देख रहे हैं यहां पर ये बनी है आपकी, आपकी कोलंबिया की नदी ठीक इस पे इस नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड कुली परियोजना यहाँ पर ग्रैंड कुली आप बांध भी देख सकते हैं तो मैंने क्या बताया इसके साथ क्या कंपलसरी होता है बांध बनता है और एक कृत्रिम सागर या कहें सॉरी कृत्रिम झील या लेक भी होती है मैनमेड जिसको हम लेक बोल देते हैं चलिए चलिए बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में इसको हम बिंड्स एनर्जी भी कह देते हैं पवन ऊर्जा के बाद इसी में हम जो बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में भी बात करेंगे जिसको हम सोलर एनर्जी कहते देते आइए देखते हैं एक एक करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में छोटा सा टॉपिक है हाल हाल समाप्त हो जाएगा चलिए चलिए समझते हैं पवन ऊर्जा के बारे में हल्का सा पहले बात करते हैं और इसके बारे में हल्की से पहले जानकारी देते हैं पवन या हवा हवा से अगर बिजली बनाई जाए तो अन्य साधन से आते हैं जल से तेरह अधिक गुनी बिजली बनाई जा सकती है क्योंकि ये उन क्षेत्रों में भी खासकर हो जाती है जहां पर नदियां नहीं पहुंच सकती तो सबसे पहले पवन ऊर्जा से चलने वाला पहला पवन मिल जो है हवा से चलने वाला जो मिल था नीदरलैंड में लगाया गया था भैया नीदरलैंड कौन से महाद्वीप का देश है नीदरलैंड आप यहां पर यह देख सकते हैं जर्मनी जर्मनी के यहां पर ऊपर देखेंगे ये किनारे थे बेल्जियम और लगजम्बर के ऊपर बेल्जियम बेल्जियम के ऊपर यहां पर देख सकते हैं नीदरलैंड तो नीदरलैंड में पहला हवा से चलने वाला मिल लगाया गया था यूएसए विश्व का सबसे अधिक हवा से बिजली का उत्पादन करने वाला देश है फिर से बता देता हूं यूएसए विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है किसका विंड ऊर्जा का या कहे विंड एनर्जी या कहें हवा से ऊर्जा बनाने में यूएसए के आप एक राज्य पड़ता है जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया यूएसए का यहां पर देख सकते हैं पश्चिमी तट पर एक देश है मुख्य राज्य है जिसको हम कैलिफोर्निया कहते हैं तो यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य में देश के 90 परसेंट पवन या कहें हवा से हवा की जो शक्ति है या के पवन ऊर्जा से चलने वाले फार्म आपके कैलिफोर्निया में यानी सबसे अधिक यही इस्तेमाल करता है और नंबर वन पर कौन सा है आपका यहां पर पूरी अमेरिका के 90 परसेंट जो मिल हैं या कहीं जो फार्म वगैरह हैं वो आपके कैलिफोर्निया में लगाए गए इस तरह से कैलिफोर्निया में आप जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे आपको पवन वाले या हवा से चलने वाले टर्माइन मिल जाएंगे ठीक है पवन ऊर्जा में भारत का पांचवा स्थान है इतना जानना काफी है फिर से बोल दे रहा हूं। USA का नंबर एक यूएसए में कैलिफोर्निया ऊर्जा के, के पहले बारे में तो हल्का से जानते हैं इससे अभी विद्युत का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है ये बात ध्यान रखें किससे सोलर एनर्जी या कहें या कहें सौर ऊर्जा के बारे में बात करें इससे अभी तक ऊर्जा का उत्पादन शुरू नहीं किया गया है, अभी सिर्फ सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा को सौर सेलों में क्या कर लिया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फिर से समझा देता हूं अभी तक आपकी जो सौर ऊर्जा है या का सोलर एनर्जी है उससे बिजली नहीं बनाई जाती बल्कि जो सोलर एनर्जी होती है जो सौर ऊर्जा होती है उसको नीचे जब लाया जाता है तो बैटरी चार्ज कर ली जाती है सेलों में भर ली जाती है और उनको चार्ज करके या इन्वेटर टाइप जो बीमारियां हैं उनको हम चलाने में इसका प्रयोग करते हैं फिर से बता जाऊं कि सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी है उससे अभी भी बिजली हम इस्तेमाल बनाना हम, हम लोगों ने भी शुरू नहीं किया है बल्कि क्या करते हैं ऊपर जो सोलर पैनल जो सौर ऊर्जा वाले इस तरह से प्लेट लगी होती है ना उसमें क्या करते हैं जब नीचे आती है तो वो क्रिया करती है और यहाँ पर आपको देख भी सकते हैं ये जो इस तरह से व्यवस्था लगी होती है और यहाँ पर ये जो बैटरी वगैरह होती है उसमें हम स्टोर कर लेते हैं

चलिए आर्विक शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं आर्विक या फिर एटॉमिक एनर्जी के बारे में या एटोमिक पावर के बारे में समझते हैं आर्विक शक्ति के बारे में बात करते हैं आर्विक शक्ति एटॉमिक पावर के बारे में सबसे पहले तो इसके दो साधन है यानी कि जो आर्विक शक्ति या कहें आर्णविक जो परमाणु जो शक्ति है उसके दो साधन है सब ये एक बात ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा जरूरी है यूरेनियम और थोरियम मेटल है या नॉन मेटल है ये भैया मेटल है यानी कि ये धातुएं हैं रेडियो एक्टिव है लेकिन ये ध्यान रखें क्योंकि लोग तो तो है। है परमाणु के द्वारा हम क्या बना लेते हैं बिजली बना सकते हैं ये दोनों धातु पिच ब्लैंड या यूरेनाइट तथा मोनाजाइट अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं ये दोनों धातुएं हैं फिर से बताते हुए दोनों धातु किस किस से पिचपिलेंट अगर पूछा जाती है तो किसका अयस्क है यूरेनियम का यूनाइट किसका अयस्क है यूरेनियम का और थोरियम का मोनोजाइट किसका है थोरियम और यूरेनियम का इस तरह की चीज है ठीक है एक किलो परमाणु से सत्ताईस हजार टन फिर से बोल दे रहा हूं एक सॉरी एक किलो परमाणु से सत्ताईस टन क्या किया जा सकता कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा की जा सकती है विश्व में वर्तमान में इकतीस देश ऐसे हैं जो इकतीस देश ऐसे हैं जो कि जो कि भाई बिजली परमाणु शक्ति से प्राप्त करते हैं ठीक है अब ये बात अलग है कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है ये चीज अलग है तो आइए समझते हैं एक एक करके शुरू <coughs> करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं परमाणु शक्ति परमाणु से या शक्ति से बिजली बनाने की कार्य अलग है यानी कि बिजली बनाना अलग बात है लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल करना या परमाणु बम उसके पास होना यह बात अलग है यानी कि दोनों में अलग अलग चीजें हैं दोनों को अलग अलग चीजें समझना चाहिए ये नहीं कि जो बिजली बनाते हैं उनके पास परमाणु बम भी होगा वो अलग बात है आइए देख लेते हैं पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो कंफ्यूजन पैदा ना हो अब वर्तमान में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ नौ ऐसे दो देश हैं जिनके पास परमाणु बॉम्ब था यानी कि जिन लोगों ने परमाणु बॉम्ब का, का परीक्षण किया था जो कि इजराइल जो था परमाणु बॉम्ब का परीक्षण करते करते क्या था ये गलती से इन्हने अपने घर में ही फोड़ लिया था मतलब उसका ब्लास्ट हो गया था करते करते एक वो हो गया था क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था इसलिए इन्हें अघोषित परमाणु देश कहा गया क्योंकि इन्होंने सफलता रूप से सफल रूप से परीक्षण नहीं कर पाया था तो वर्तमान में कुल आठ देश हैं जिनके पास परमाणु बॉम्ब है जिनमें से परमाणु बॉम्ब परमाणु अप्रसार संधि वाले देश कहलाते हैं जिनमें अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस और चीन तीन ऐसे हैं जिन लो, लोगों ने इस परमाणु इसके इस संधि के बाद आपका परमाणु परीक्षण किया था जो कि भारत पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ठीक है तो चलिए यह चीज भूल जाइए यह परमाणु बम वाले देश हैं जो कि आठ हैं ठीक है इनसे परमाणु ऊर्जा से कोई लेने देने नहीं है चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जो कि परमाणु से अपनी ऊर्जा बनाते हैं तो इसमें सबके बारे में नहीं जानना है ये इकतीस देश हैं लेकिन हमें सबके बारे में बात नहीं करनी है इसमें कुछ गिने चिन्ह देश हैं जो कि आपका अर्मेनिया के बारे में बात करेंगे अर्मेनिया जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट बिजली उत्पादन करता है यानी कि कुल जो उस देश में मान लीजिए सौ परसेंट बिजली है तो उसमें से किस ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका भाग होगा न्यूक्लियर पावर ठीक इससे इसके बाद बात करते हैं बेल्जियम के बारे में बेल्जियम कितना प्राप्त करता है थर्टी नाइन परसेंट इसके बाद आता है बुल्गारिया बुल्गारिया थर्टी फोर परसेंट इसके बाद आता है आपका चेक गणराज चेक गड़राज थर्टी फोर परसेंट इसके बाद आता है आपका फिनलैंड सबसे अधिक परमाणु शक्ति के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो है फ्रांस नंबर वन पर नंबर टू पर कौन सा आता है नंबर टू पर आता है आपका स्लोवाकिया नंबर थ्री पर कौन सा आता है सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने में नंबर थ्री पर आता है यूक्रेन और नंबर फोर पर आता है आपका हंगरी ये ध्यान रखें चलिए इसके बाद बात करते हैं Osionfish. आपका भारत देश कितने परसेंट पे है अभी क्योंकि ये जरूरी है भारत के देश के बारे में भी जानना जरूरी है भारत देश अभी थ्री पॉइंट वन परसेंट पर है इसके बाद रूस के बारे में भी जानना जरूरी है रूस आपका सेवेंटीन परसेंट पर है स्वीडन के बारे में भी बात कर लेते हैं स्वीडन भी आपका फोर्टी परसेंट पर है स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो थर्टी सेवन परसेंट पर है जो मैंने यहाँ पे टिक लगाए आपको उतना ही लिखना है उतने के बारे में ही पूछा जा सकता है इससे ज़्यादा नहीं इसके बाद यूक्रेन के बारे में बात की जाए लिखना आप कम से ज़्यादा से कम ठीक है यूक्रेन 59 53 परसेंट यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी आपका 17 परसेंट और यूनाइटेड स्टेट यानी कि नाइनटीन पॉइंट नाइनटीन परसेंट तो ये हो गया आपका परमाणु अयाड़ी शक्ति से प्राप्त करने वाले देश चलिए परमाणु शक्ति के बारे में बात चलिए तो हम एक नज़र यूरेनियम के उत्पादक देश भी देख लेते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं और जो यूरेनियम या कर परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश भी देखेंगे वो मैंने पीछे बता दिया उसको आप लिख लेना लेकिन यहाँ टॉप फोर के बारे में बात करूँगा जो कि पूछे जाते हैं अक्सर ठीक है उन्हीं को मैंने यहां पर शामिल किया है so, यूरेनियम का उत्पादक देश सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है कजाकिस्तान पर आप देख सकते हैं कजाकिस्तान नंबर दो पर है आपका कैनेडा देख सकते हैं और नंबर प, प, आपका ऑस्ट्रेलिया ठीक नंबर थ्री ये उत्पादक देश है अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा का उत्पादक देश परमाणु से ऊर्जा बनाने वाले यानी विद्युत वगैरह तो नंबर वन पर आता है फ्रांस यानी कि सेवेंटी से अधिक ये करता है नंबर टू पर आपका वैसे चार देश मैंने शामिल किया वैसे और भी नंबर उसके हिसाब से आप याद करेंगे यूएसए नंबर टू पर रूस नंबर थ्री पर दक्षिण कोरिया नंबर फोर पर चलिए तो ये हो गए आपके ऊर्जा संसाधन के बारे में खनिज ऊर्जा के बारे में चलिए बात करते हैं उद्योगों के बारे में उद्योग या इंडस्ट्रीज हम इनको कह सकते हैं तो आइए देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला आता है कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग में क्या, क्या होता है इसको हम डोमेस्टिक सिस्टम या पुटिंग आउट सिस्टम भी हम इसको कहते हैं चलिए समझते हैं इसका निर्माण की यह जो उद्योग होता है उसमें निर्माण या कहें विनिर्माण की यह सबसे छोटी इकाई होती है इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं इसमें जैसे कि आपका खाने का सामान हो गया कपड़ा हो गया चटाई हो गई बर्तन हो गए औजार हो गए फर्नीचर हो गए जूते हो गए चप्पल हो गई छोटी मोटी मूर्तियाँ हो गई इस तरह की जो घरेलू उत्पादन की चीज़ें होती हैं उनका हम कुटीर उद्योग में खासकर हम प्रयोग करते हैं ठीक है इस, इसके तहत स्थानीय इस कच्चे माल का उपयोग कर लिया जाता है इसमें रोजगार के साधन कम होते हैं कैसे होते हैं आई मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मान लीजिए मेरी मम्मी है या मेरी अम्मा है वो क्या कर रही हैं कि पड़ोस में ठेला लगाती हैं कचौड़ी का कचौड़ी का ठेला लगाती हैं मम्मी पापा मेरे जॉब कर रहे हैं ठीक है ये एक एग्जाम्पल है इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है मम्मी मेरी कचौड़ी का ठेला लगा रही हैं तो हम छोटे हैं पट के स्कूल से आए तो हमसे कह दी ऐसा बेटा है आ जाना थोड़ा हम थोड़ा घर का सब्जी रोटी बना लेंगे काम कर लेना तो मम जो कचौड़ी बनाते हैं थोड़ा सा दुकान थोड़ी मेरी ज्यादा चल जाती है तो हमने क्या किया आसपास के क्षेत्र से हमने आलू लिए पड़ोस से थोड़ा सा माल और लिया एक जगह से मैदा खरीदी एक जगह से तेल खरीदा ठीक है ना ये कचौड़ी वाला हो गया हम वहां पहुंचे कचौड़ी के साथ समोसे भी बनाए जाते हैं वहां पर पहुंचे हमने काम किया अब लड़का रखने की जरूरत नहीं क्योंकि छोटे पे मेरा छोटा वाला भाई काम कर रहा है वहीं पे प्लेट विलेट फेंक रहा है लोगों को समोसा दे रहा है और सारा और लोगों को पानी वगैरह वहीं पिला रहा है यह हो गया एक छोटा सा कुटीर उद्योग वही कचौड़ी वगैरह का दूसरा मान लीजिए छोटी सी हलवाई की दुकान रख ली पापा ने मेरी रख ली मेरा छोटा भाई मैं और एक लड़का लग और लगा लिया इतना ऐसे काम चल जाएगा अब पड़ोस का यानी स्थानीय कच्चा माल कैसे हो गया दुकान थोड़ी ज़्यादा चलती है हलवाई की दस बीस किलोमीटर से आसपास के क्षेत्र से हमने कभी कभी अस्सी नब्बे लीटर डेली दूध आता है दो चार पाँच किलो डेली खोया आता है कभी कभी पनीर हम अपनी दुकान पर बना लेते हैं और आसपास के क्षेत्रों से हम क्या करते हैं कच्चा माल वहाँ पर ले आते हैं क्या हुआ कच्चा माल कहाँ से लाए हम अभी ये तो है नहीं कचौड़ी का ठेला लगा रहे तो हम करीब दो किलोमीटर से आलू मंगाएंगे तीन किलोमीटर से क्या मंगाएंगे हम वो क्या होती है अरे रिफाइंड मंगाएंगे या फिर अब हमने हलवाई की दुकान रखी है तो वहाँ पर भी हम थोड़े समोसे वगैरह बना लेते हैं और मिठाई वगैरह बनाते हैं तो अभी ये तो है नहीं कि दस्सी पचास हजार किलोमीटर से हम आपका चीनी मंगाएंगे भैया स्थानीय माल है ना आसपास के क्षेत्रों से हम ले लेंगे जैसे दो आसपास के क्षेत्र में जो कोई मार्केट है वहाँ से चीनी ले आए और भी चीज़ें ले आए तो इस तरह से काजू बादाम किसमें से ये सारी चीज़ें कहाँ स्थानीय माल का क्या हुआ इसमें कच्चे माल का उपयोग हो गया दूध हो गया इस तरह की चीजें हो गई समझ में आ गया ना चलिए इससे रोजगार के साधन बहुत कम होते हैं क्योंकि ज्यादा रोजगार इसमें जनरेट नहीं हो पाता है अब हलवाई की दुकान में ज्यादा ज्यादा कितने लड़के रख लेगा दो लड़के रख लेगा मैं तो काम कर ही रहा हूँ उसकी दुकान पर मतलब मेरी दुकान है वो और पापा भी कहाँ पे काम करे तो कितने दो ज़्यादा दुकान चल गई तो हम दो एक लड़का और बढ़ा लेंगे अब समोसे की दुकान मान लीजिए तो उस पर कितना है तो इस पर उद्योग यानी कि इसमें बिल्कुल रोजगार भी ना के बराबर इसमें पैदा होता है चलिए दूसरा देखते हैं लघु उद्योग के बारे में इसमें क्या होता है इसमें भी स्थानीय माल की क्या होती है खपत होती है लेकिन बड़े स्तर पर समझ रहे हैं ना इसमें बड़े कारीगर बड़े मजदूर बड़े खार कारखानों की जरूरत पड़ती है समझ में आ रहा है ना इसमें बड़े बड़े कारीगर जैसे कि आपका मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे कोई आसपास बगल में जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री बन गई मतलब ज्यादा बड़ी नहीं करीब पचास साठ लोग उसमें काम कर सकें वहां आसपास के क्षेत्र से माल मंगाया इससे भी स्थानीय माल का हुआ ठीक है इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं ये बात ध्यान रखें इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि है। मान मैं मैं तो तो लीजिए उस फैक्ट्री में अब पचास साठ लोग जरूरत है काम करने की अब यह तो है नहीं कि हम पांच किलोमीटर से कोई दिल्ली से काम करने आएगा कोई बिहार से काम करने आएगा कहीं कोई बंगाल से आएगा क्योंकि ज्यादा रुपये भी नहीं मिलते लेकिन वहां पर क्या होता है इतना तो होता है कि उनकी जो क्षमता के अनुसार उन्हें पैसा दे दिया जाए ठीक है मैंने फिर से बताता हूं इसमें रोजगार

अब उसके लिए क्या है विदेशों तो में।, में तो भेजा नहीं जाएगा विदेशों लायक वहां की अभी स्थिति नहीं है वो क्या करेंगे मान लीजिए विदेशों लायक स्थिति गई लेकिन पहले अपने आसपास के क्षेत्र में वहां पर भेजेंगे उससे क्या रहेगा हमें पड़ोस से बढ़िया माल मिल रहा है बना हुआ उससे आसपास के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा ये पैसे बचेंगे ट्रांसपोर्ट उसको परिवहन का जो पैसा जाता है या जो किसी से हम दूसरी जगह से माल मंगाते हैं आगरा से दिल्ली से मुंबई से तो वहां से नहीं जाना पड़ेगा पास से मिल जाता है समझ रहा है ना इस तरह की चीजें तो वहां से क्या होगा बचत होगी स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी उनके बाद पैसा आ जाएगा समझा यार अब जैसे मैं हूँ वहां पर देखिए यार फैक्ट्री खुल गई यार मैनपुरी में फैक्ट्री खुली है यार छोटा सा शहर है उसके बाद फैक्ट्री खुली हमने क्या किया पापा से कही पापा फैक्ट्री खुल गई है हाँ बेटा क्या करना चाहते हो हम पापा वहाँ पे जाके समोसा का ठेला लगाना चाहते हैं ए हम वहाँ पे समोसे के ठेला लगाने पहुंचे अब दोस्त हमारा पहुंचा समोसा खाने समोसा खाने तो छोटे मोटे लोगों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं, मा, मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ मान लीजिए अब मैं नहीं लगा रहा आज बहुत समोसे का ठेला लगा लिया मेरा पड़ोसी समोसे का ठेला लगा रहा है समोसे का ठेला लगाया अब मैं उसकी दुकान पर खाने नहीं जाऊँगा उसकी दुकान चले गई तो बगल में मैं अपना ठेला लगा लूँगा

तीसरा बात करते हैं बृहद उद्योग के बारे में बृहद मतलब बहुत बड़े स्तर पर जैसे कि आपकी हवाई जहाज बनते हैं मोटरसाइकिल बनती हैं हैं बड़े बड़े आपके गाड़ियां बनती तो इस तरह की चीजें इसमें बहुत किलो कई कई किलोमीटर में फैक्ट्रियां होती हैं करीब दस दस बीस किलोमीटर में सिर्फ फैक्ट्री फैली होती है बड़े बड़े कारखाने होते हैं ठीक है यह फिर से बता दें बृहद उद्योग यह बहुत बड़े स्तर पर होता है इसमें बड़े बड़े बाजार शामिल होते हैं इसमें तरह तरह का कच्चा माल बड़े और कुशल कारीगर कुशल मजदूर विकसित प्रौद्योगिकी तथा अधिक उत्पादन इसमें होता है फिर से बता देता इसमें बड़े बड़े कारीगर बड़े बड़े आपके बहुत सारा कच्चा माल कुशल कारीगर विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है मशीनें वगैरह तमाम चीज प्रयोग की जाती हैं और इसमें उत्पादन भी होता है बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है जो कि स्टेट लेवल कंट्री लेवल एक देश से दूसरे देश में भी इसमें आयात और निर्यात भी किया जाता है जैसे कि मान लीजिए हवाई जहाज का है हवाई जहाज में कोई पार्ट वगैरह है तो कहीं दूसरे क्षेत्र से हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की सारी चीजें हम यहाँ पर क्या होता है बहुत बड़े स्तर पर होता है इसकी शुरुआत जो माने अगर ये जो है सबसे बड़ा इसको कहते हैं औद्योगिकीकरण जो कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वेटैन वाले क्षेत्र से फिर मैं बता जाऊं इसकी शुरुआत लगभग 200 वर्ष पहले वेटैन में हुई थी औद्योगिकीकरण की और लेकिन यह अब पूरे विश्व में फैल चुका है इसे ही हम कहते हैं कुटीर उद्योग अलग चीज होती है लघु उद्योग अलग होती है ठीक है उद्योग समझ में आ गया आइए अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जानने वाला इसको कहते हैं लौह इस्पात इसको हम कह देते हैं स्टील बर्तन बने होते है ना स्टील चलिए समझते हैं लौह इस्पात उद्योग या स्टील उद्योग में हम इसको कह सकते हैं लौह इस्पात विश्व का सबसे प्रमुख उद्योग है विश्व में जितनी भी धातु निकाली जाती हैं जितनी भी तरह की धातु बनाई जाती हैं उसमें 80 परसेंट भाग लौह इस्पात का या कहें स्टील का होता है फिर समझ में आ रहा है लोहा साना चांदी फलाना ढिमका ये वो तांबा जितनी तरह की धातु होती हैं उन सभी धातुओं में 80 परसेंट भाग किसका होता है आपका लौह इस्पात का होता है यह सबसे बड़ा माना जाता है बहुत जरूरी होता है यह सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख क्षेत्र लौह उत्पादन करता

इस्पात उत्पादन करता क्षेत्र था ठीक है इसके बाद ग्रेट लेक वाला क्षेत्र जो है ग्रेट लेक ग्रेट लेक में मैंने आप लोगों को बताया है पांच झीलों को शामिल किया जाता है उन सम्मिलित रूप से हम महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक क्षेत्र कहते हैं ठीक है थीके? जिसमें आपका गैरी वो शिकागो जो कि गैरी राज्य में है यहां पर आप देख सकते हैं शिकागो ठीक है जो कि गैरी राज्य में है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इंडियाना यहां पर है सॉरी शिकागो गैरी और यहां पर एक राज्य मिलेगा आपको इरी ठीक क्षेत्र है इरी ठीक है इसके बाद यहीं पर एक है बफेलो यहीं पर आप लोगों को बफेलो भी दिख जाएगा ये है आपका बफेलो और यहां पर आपको दिख जाएगा दुलुत और ये आपका क्लेवलैंड ठीक है मैं फिर से बता देता हूं उत्तरी लेख सॉरी ग्रेट लेक क्षेत्र यानी कि महान झील क्षेत्र जैसे पांच झीलों का क्षेत्र है वहां पर कुछ क्षेत्र है जैसे कि आपका शिकागो गैरी इरी क्लेवलैंड और बफेलो तथा दुलुत ये आपके किसके क्षेत्र हैं आपके लॉ इस्पात उत्पादन करने वाले क्षेत्र किस देश के यूएसए के और एक देख लेते हैं Detroit, ये डेट्रॉइड यहीं पर ही स्थित है आपका डेट्रॉइड ठीक है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ आप आपको दिख जाएगा Detroit, ठीक है इसके बाद एक और प्रमुख क्षेत्र जिसको हम कहते बर्मिंग बर्मिंगम इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो कि यूएसए में स्थित है ठीक है अब मैं बर्मिंगम आप लोगों को दिखा दूं यहां पर ये आपकी टेनेसी नदी है एक टेनेसी नदी घाटी परियोजना भी यही बहुत फेमस है टेनेसी नदी के ठीक नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा बर्मिंग आप अगर अपना मैप साथ रखेंगे तो इस दुनिया में सबसे खुशी वाला काम आप कर रहे होंगे ठीक है चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर पिट्स के बारे में बात चलिए तो एक हल्की सी जानकारी ले लेते हैं पिट्स एक जमाने में बहुत फेमस था लौ इस्पात उद्योग के लिए और अब इसे वो बात पहले जैसी इसमें बात नहीं रही यानी पिट्स मैंने बताया था यहाँ पर मैं जूम कर दू पिट्स मैंने बताया था लौ उत्पादन करता क्षेत्र था जो कि वो लौ इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था लेकिन

किसकी पेटी है जंग की पेटी है चलिए आगे बात करते हैं चलिए यूरोप में इस्पात उद्योग के बारे में देख लेते हैं बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में ब्रिटेन आप लोगों का जाना पहचाना है जिसने भारत देश को गुलाम बनाया था जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ठीक है आइए समझते हैं यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र है बर्मिंग ठीक है बर्मिंगहम सेफील्ड और लंकाशायर ये आपके यूरोप में स्थित ग्रेट ब्रिटेन में स्थित आपके प्रमुख लॉ इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं

ये आपका लोह इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है इसके बाद फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस में आप लोगों को एक जगह दिखेगी उसको हम कहते हैं सेंट इतीनी। सेंट इटिनी इटिनी आप लोग यहां पर देख सकते हैं फ्रांस फ्रांस वाले क्षेत्र में यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा सेंट इटिनी जो कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है सेंट इटिनी इसके बाद रूस के बारे में अगर बात की जाए या रूस यानी कि रसिया के बारे में तो यहां पर कुछ क्षेत्र है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले जो आता है यहां पर है मास्को या मॉस्को जो है यहाँ पर आपका प्रमुख क्षेत्र है लौ इस्पात कर इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र इसके बाद सेंट पीटर जो है पर आपका देख सकते हैं इसका पहले जो नाम था लेनिन था वर्तमान में इसका सेंट गीटर्ग नाम रखा गया है इसके बाद यूएसए आपका रशिया में एक और क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं तुला यहीं पर आप जो देख जाएगा तुला ठीक तुला या टुला भी हम इसको पढ़ देते हैं यूक्रेन की अगर बारे में बात करें तो यूक्रेन का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं डोनेट्स डोनेट्स जो है आपका डोनेट्स जो है आपका यूक्रेन में स्थित है जो कि प्रमुख लॉ प्रमुख क्षेत्र है चलिए एशिया के बारे में बात करते हैं एशिया महाद्वीप है जो कि आपका जाना पहचाना महाद्वीप है प्रमुख महाद्वीप है चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं जापान में जापान में नागासाकी टोक्यो, याकोहामा और नागायो में नागोया में प्रमुख रूप से लौह का इस्पात का यानी कि स्टील का उत्पादन होता है आइए मैं दिखा देता हूं आपका यहां पर दिख जाएगा टोक्यो, या याकोहामा भी इसको हम पढ़ देते हैं, नागोया और यहां पर देख सकते हैं हिरोशिमा, ठीक है नागा यह है नागाकी हिरोशिमा नागोया और याकोहामा ठीक है ठीक है आ गया ये आपके प्रमुख लोहे का लोहे से बनने वाले इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र जापान में इसका चीन की बात की जाए तो चीन में यहां पर आप देख सकते हैं संघाई और यह है आपका वोहान वोहान जूम कर देता हूं यहां पर संघाई नामक एक क्षेत्र देखेगा आपको संघाई पूर्वी चीन सागर के ठीक यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा और यहां पर जगह पर थी इसको हम कहते हैं वुहान ठीक है इसके बाद भारत में आ जाते हैं तो भारत में कुछ लौह इस्पात यानी कि इस स्टील का उत्पादन करने वाले क्षेत्र आप लोगों को मैं दिखा देता हूं सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा जमशेदपुर उसके बाद यहां पर राउरकेला राउरकेला बेटा किधर है कितना राउरकेला इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा विशाखापट्टनम यहाँ पर है विलाई यहां पर है भद्रावती बद्र, और यह आपका सलेम या सीलम मैं जूम कर देता हूं यहां आपको आपका दिख रहा होगा जमशेदपुर डल मियानगर बोकारो रांची राउरकेला विलाई विशाखापत्तनम वद्रावती और सलेम या सेलम ये आपके प्रमुख भारत के लॉ उत्पाद लौह इस्पात का उत्पादन करता क्षेत्र है बात करते हैं जहाज निर्माण उद्योग के बारे में क्योंकि जब लौह इस्पात के बारे में बात हो तो जहाज निर्माण के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले आइए बात करते हैं जहाज निर्माण के बारे में तो जहाज निर्माण उद्योग के लिए सबसे खास बात यह है कि अगर जहाज का निर्माण करना है तो उसके लिए इस्पात की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो आइए देखते हैं इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस बात की आवश्यकता होती है जहाज निर्माण की दृष्टि से जापान जो है वह प्रथम स्थान पर है कौन सा देश जापान नामक जो देश है जहाज निर्माण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है इसके बाद स्वीडन और उसके बाद दक्षिण कोरिया आता है स्वीडन कहां पर है आपका यह यूरोप का देश है जो कि स्केंडेबियन देश, देशों की श्रेणी में आता है इसके डेवियन, इसके डी, जो देश है उसमें तीन देशों को शामिल किया जाता है डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन तो स्वीडन जो है आपका दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर आता है उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं जापान जापान के पश्चिम की ओर जाएंगे तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया नामक दो देश दिख रहे होंगे आप लोगों तो दक्षिण कोरिया जो है तीसरे नंबर पर आता है जहाज निर्माण उद्योग के लिए आइए बात करते हैं जहाज निर्माण के प्रमुख क्षेत्र सबसे पहले जापान की ओर चलेंगे जापान में आपका टोक्यो प्रमुख क्षेत्र है याकोहामा प्रमुख रूप से यहां पर बनाए जाते हैं कोबे आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कोबे शिकागा यहां पर इसको कहां ये आपका कोबे इसके बाद आपको ओसाका भी दिख रहा होगा ओसाका ओसाका साका यहाँ पर ओसाका उसके बाद नागासाकी भी आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर नागासाकी नागा बॉम्ब फेंक दिया था ठीक है और हीरो और नागासाकी नागोया। नागोया पर पर आप लोगों को दिख रहा होगा इसके बाद जर्मनी में पहुंचे तो जर्मनी में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपका प्रमुख रूप से वो बनाए जाते हैं जहाज जिसमें आपका आता है कील और ल्यूबेक ठीक है ल्यूबेक ये जर्मनी के हैं यूएसए के बारे में भी बात कर लेते हैं डेलावेयर वाल्टीवेयर और रिचमांड नामक ये प्रमुख क्षेत्र यूएसए के है। रूस की बात की जाए तो लेनिन जो वर्तमान में इसका नया नाम है सेंट पिट्सबर्ग है ठीक है इतना आप लोगों के लिए काफी है जो कि जहाज निर्माण के लिए है चलिए आगे बात करते हैं चलिए जूट उद्योग के बारे में बात करते हैं जिसको पटसन भी कह देते हैं आइए देखते हैं विश्व का पहला जूट उद्योग का जो मिल था वह स्कॉटलैंड के डुंडी में लगाया गया था स्कॉटलैंड में एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं डूडी ठीक तो भारत में जूट का विकास पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट के सारे हुआ है जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है इसके अलावा बांग्लादेश में भी जूट की प्रमुख रूप से यहां पर मिले आप लोगों को दिख जाएंगे तो जूट का जो क्षेत्र है जो कि आपका डिगबोई गुवाहाटी इंफाल कोलकाता रानीगंज ये प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है चलिए बांग्लादेश तो आप लोगों को पता ही है ना ये इस तरह से आगे बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग कॉटन जिसको हम क्या देते हैं बात करते हैं सूती वस्तु उद्योग के बारे में तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास की आवश्यकता होती है जब मैं आप लोगों को कपास की कृषि के बारे में बता रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कपास होती है उसके रेशे के आधार पर उनको तीन भागों में बांटा जाता है जिनमें सबसे गजब का जो रेशा वाला जो कपास होता है वो यूएसए वाले क्षेत्र में और ब्राजील वाले क्षेत्र में उगाया जाता है वो जो घटिया किस्म तो सॉरी यूएसए में उगाया जाता है ब्राजील में नहीं ब्राजील में और भारत में घटिया किस्म की जो आपकी कपास है उगाई जाती है इसलिए भारत में और ब्राजील में अन्य देशों से क्या किया जाता है निर्यात किया जाता है किसका कपास आज तो फिर से बता दें सूत्री वस्तु तो उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास की जरूरत पड़ती है अकेला यूरोप नामक जो देश महाद्वीप है अकेला जो यूरोप है लगभग 50 परसेंट कपास का क्या करता है आयात करता है यानी कि अपने देश में मंगाता है अच्छी किस्म की जबकि विश्व की 50 परसेंट से आ, 50 परसेंट लगभग लग 50 परसेंट से अधिक कपास का जो उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं वो आपका भारत चीन यूएसए पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान फिर से मैं बोल दे रहा हूं अकेला यूरोप आधे से अधिक कपास का क्या करता है आयात करता है यानी कि अपने छह देशों में मंगाता है जबकि उत्पादन करने की बात करें तो विश्व में 50 परसेंट से अधिक मिलकर कुछ देश हैं जिनका नाम है भारत चीन पाकिस्तान यहां पर आप देख सकते हैं एक देश है इसको हम कहते हैं उज्बेकिस्तान और यूएसए ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं ये पचास परसेंट से भी अधिक कपास का, का उत्पादन करते हैं ठीक है आइए तो बात करते हैं चीन के बारे में तो चीन जो है सूती कपड़े के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है यानी कि जो पूरी दुनिया में जो सूती कपड़े का कपड़े का क्या किया जाता है उत्पादन उन्हें बनाया जाता है तो उसमें सबसे नंबर वन पर आता है आपका चीन आता है शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई आपका कहाँ पर स्थित तो है यहाँ पर शंघाई नामक एक शहर है उसको हम क्या कहते हैं चीन का मैनचेस्टर कहते हैं सूती कपड़े का सेवेंटी फाइव परसेंट उत्पादन चीन की यांग टी सी क्यांग की घाटी की घाटी क्षेत्र में होता है जबकि पच्चीस परसेंट जो चीन में उत्पादन होता है काय का आपका कपास का वो वांग वो वांग हो नामक घाटी जो है वांग नदी की जो घाटी है वहां पर किया जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हल्की सी जानकारी देते दे। हैं कौन कौन से क्षेत्र सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बारे में यहां पर कुछ क्षेत्र है सबसे पहले आता है नॉटिंगम उसके बाद आता है आयरलैंड ठीक आयरलैंड उसके बाद आता है लंकाशायर उसके बाद आता है मैनचेस्टर तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बर्मिंगम तो था जो कि आपका लॉयस पाथ उद्योग के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉटिंगम जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहां पर आपको देखेगा मैनचेस्टर जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर आपको देखेगा आयरलैंड गणराज्य जो कि आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहां पर आपको देखेगा इस क्षेत्र में आपको देखा जाएगा लंकाशायर ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं चीन के बारे में चीन में आपको यहां पर दिखेगा बीजिंग यहां पर दिखेगा और इस क्षेत्र में दिखेगा और यहां पर दिखेगा आपको बीजिंग दिखाई दिया मैंने और नांग चांग। तो फिर से बोल दे रहा हूं चीन में आपका मंचूरिया तियनसान बीजिंग नान चांग ठीक है जूम कर दे रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों को दिखा जाएगा बीजिंग संघाई नान चांग इसके बाद बात करते हैं जापान के बारे में जापान में आप लोगों को दिखा दू बता दू किंकी का मैदान क्वांटो का मैदान और दक्षिणी क्यूसू का क्यूसू जो क्षेत्र है यहां पर तो यहाँ पर दिखा दू मैं आप लोगों को दक्षिणी द्वीप जो कि आपका है क्यूसू और यहां पर दो मैदान हो और किंकी का मैदान और क्वांटो का मैदान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चलिए और प्रमुख क्षेत्र देखते हैं यूएसए के बारे में भी बात कर लेते हैं यूएसए यूएसए में दो प्रमुख दो से तीन प्रमुख क्षेत्र है सबसे पहला आता है न्यू इंग्लैंड न्यू इंग्लैंड नामक क्या है आपका एक क्षेत्र है यहाँ पर इसके बाद यूएसए में एक जगह पड़ती है जॉर्जिया और उसके बाद यूएसए में एक जगह पड़ती है उसको कहते हैं हम फ्लोरिडा इसके बाद एक और देश है उसको उसी में एक राज्य और है उसको कहते हैं अलबामा तो आइए जूम करके दिखा देता हूं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को न्यू इंग्लैंड दिखा दूं न्यू इंग्लैंड आप लोगों को दिख जाएगा कोने पे ठीक ये यह, यहाँ पर पूरा नहीं है यहाँ कोने पे एक राज्य है उसको हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड इसके बाद दूसरा जो है जॉर्जिया फ्लोरिडा और अलबामा दिखा दूंगा आप लोगों को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लोरिडा नामक राज्य ठीक है ये आप लोगों को फ्लोरा दिख रहा होगा आप लोग अपने साथ मैप रखें नहीं तो अम्मा की कसम चढ़ा दूंगा आपको मैप रखना ही होगा क्योंकि मेरे लिए इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा नहीं तो ऐसी हवा में बातें करेंगे आपके मजा नहीं आ रहा फिर मैं कुछ यूट्यूब पर नया ढूंढूँ क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये खुद का तजुर्बा है और मेरे खुद घर में परिवार के लोग जो इसे देखते हैं माँ बहन है मेरा भाई है तो उन्हें भी अच्छा लगता है तो ये नहीं कहते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा लगे इसलिए तारीफ करो ये मत कहो कि मैं भाई हूं इसलिए तारीफ करो भैया बताओ सही है कि नहीं ठीक है तो इस तरह से चीजें तो मैं जानता हूं इससे बेस्ट उन लो, लोगों ने और आप लोगों को भी नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आप लोगों को मैप रखना होगा साथ में जो कि आपके दिमाग में फोटो कॉपी हाल के हाल होती रहे ठीक है चलिए तो आइए फिर दिखा दू मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों को देखा जाएगा फ्लोडा ये आपका जॉर्जिया ये है आपका अलबामा ठीक यहां पर है आपका न्यू इंग्लैंड चलिए इसके बाद करते हैं इटली के बारे में इटली में दो प्रमुख क्षेत्र हैं मैंने आप लोगों को कई बार बताया चप्पल जैसी आकृति का एक देश है इस तरह से जो आप सैंडल पहनते हैं इस तरह से आप लोगों ने चप्पल देखी होगी छोटे पे मैंने जूते बनाए इस तरह से इस तरह से आप लोगों को ये ही। इस तरह से ठीक है ये आपका हाई हिल हो जाता है ये हिल हो गया और ये चप्पल हो गया तो चप्पल जैसी आकृति का एक देश है इसको हम कहते हैं इटली इटली में दो क्षेत्र हैं इसको हम कहते हैं नेपल्स यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा मैप आप अपने साथ रखें यहां पर देखेगा आपको मेलान चलिए उसके बाद देखते हैं ब्राजील में ब्राजील में चलते हैं ब्राजील में दो क्षेत्र है साओ पाउलो और आपका रियो रियोडी जेनेरियो देता हूं ब्राजील ब्राजील में यहां पर ब्राजीलिया है ब्राजीलिया के ठीक नीचे चलते चले जाएंगे दो क्षेत्र पाउलो और रियो डी जेनेरियो ठीक है चलिए रूस के बारे में बात कर लेते हैं रूस में एक ही क्षेत्र प्रमुख है जिसको हम कहते हैं इनो इबोनावो तो इबोनावो में आप लोगों को दिखा दूं ये है इबोनावो इबोनावो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है ठीक है चलिए आइए समझते हैं, आगे? के बात करते हैं ठीक है आइए देखते हैं पहले तो उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं नंबर वन कौन सा है आपका जो चीन नामक देश है यह रेशम वस्त्र का उत्पादन करने में इसका नंबर कौन सा है प्रथम स्थान पर है, ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में यूएसए नंबर वन पर है आयात आयात करने में यानी कि देश विदेश से मंगाने में रेशम के वस्त्र मंगाने में इसका स्थान कौन से स्थान पर आता है नंबर वन पर चीन उत्पादन करने में और यह आयात करने में अपने देश मगाने में मंगाने में चलिए आगे बात करते हैं कालीन उद्योग कालीन भैया आप लोग जानते होंगे ना वही वाला कालीन है ये कालीन या कारपेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक है हाल हाल समझते हैं आइए कालीन उद्योग यूएसए में प्लान पेंसिल्वेनिया न्यू इंग्लैंड न्यूयॉर्क फिया यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है आइए मैं दिखा देता हूं मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर न्यू इंग्लैंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर मैंने और क्या बताया यहां पर न्यूयॉर्क आप लोगों को दिख जाएगा पेंसिल्वेनिया आप लोगों को दिख रहा होगा फिलाडेल्फिया ये आपके यूएसए में कालीन के कालीन उद्योग के प्रमुख क्षेत्र है ठीक है इसके बाद भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा तथा मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए प्रमुख क्षेत्र है चलिए ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं ऊनी ठीक है जिसको हम भूल कह देते हैं आइए समझते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अर्जेंटीना दक्षिणी अफ्रीका ऊन के प्रमुख उत्पादन करता देश हैं लेकिन इन क्षेत्रों में ऊन के कपड़ों की मांग कम होने के कारण यहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग का ज्यादा क्या नहीं हो पाया विकास नहीं हो फिर से बता दे रहा हूं कि ऊनी वस्त्र उद्योग का यह कहें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका और ऊन के प्रमुख उत्पादक देश है लेकिन इन क्षेत्रों में उनके कपड़ों की मांग कम होने के कारण यहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग ज्यादा फल फूल नहीं पाए हैं कार्ड में बता देता हूं ये क्षेत्र आप लोगों को दिख जाएगा ये है आपका विश्वत रेखा या जीरो डिग्री आचांश ये क्षेत्र है और जीरो डिग्री के दक्षिण में आप इस तरह से चले जाएंगे तो यहां पर दिख जाएगा आपका न्यूजीलैंड ये है ऑस्ट्रेलिया ये है आपका इसको क्या कहते हैं हाँ दक्षिण अफ्रीका और ये है अब अर्जेंटीना ये क्षेत्र पड़ते हैं उष्ण क्षेत्र में फिर से मैं बोल रहा हूँ ये क्षेत्र उस गठबंधी क्षेत्र में पड़ते हैं इसलिए यहां पर जो ऊन के वस्त्र हैं अब भैया गर्मी पड़ रही है तो ऊन के कपड़े तो आप पहन के घूमेंगे नहीं स्वेटर तो आप पहनेंगे नहीं तो इन क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन तो किया जाता है लेकिन इन क्षेत्रों में इन वस्त्रों का उपयोग बहुत कम किया जाता है इसलिए इन क्षेत्रों में उत्पादन तो की जाती है ऊन उन। लेकिन ऊन के वस्त्र या ऊन से बने हुए कपड़ों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है अब कपड़ों का विकास कहाँ हुआ आइए उसको भी समझते हैं इसलिए ये देश क्या करते हैं यानी कि अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये देश क्या करते हैं इन इसलिए ये देश जो उनका उत्पादन करते हैं वो इनका निर्यात कर देते हैं यानी कि दूसरे देशों में भेज देते हैं इसलिए यूएसए ब्रिटेन भारत जापान रूस में ऊनी वस्त्र उद्योग का बहुत अच्छे से विकास हुआ है फिर से मैं बोल दे रहा हूं दक्षिण अफ्रीका में सॉरी दक्षिण अफ्रीका अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में ऊन का अच्छा खासा क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है लेकिन ऊन से बने हुए कपड़ों का उत्पादन इन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता वो किया गया है क्यों, क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पहने का कौन भैया समझ में आएगा ना इसलिए कहां पर विकास का अधिक हुआ है आपका यूएसए ब्रिटेन रूस भारत और जापान चलिए ऊन के बारे में हल्की सी जानकारी देते हैं ऊन उन भेड़ ऊंट, बकरी खरगोश तथा लामा से प्राप्त की जाती है या फिर से मैं बोल दे रहा हूँ ऊन जो है ऊंट के बाल भेड़ के बाल बकरी के बाल खरगोश के बाल और लामा के बालों से प्राप्त की जाती है समझ में आ गया उत्पादन की दृष्टि से भेड़ की ऊन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन और आयात और निर्यात भेड़ की ऊन का ही किया जाता है समझ में आ गया लेकिन अगर गुणवत्ता के आधार पर बात करें क्वालिटी के आधार पर अगर बात की जाए तो संसार की सबसे अच्छी ऊन अंगोरा ऊन होती है जो कि एक अंगोरा नामक एक खरगोश होता है उससे प्राप्त की जाती है यहां पर खरगोश देख रहे हैं अंगोरा जो कि सारे डाउट आपके क्लियर जाएंगे के आप लोग समझते होंगे अंगोरा एक कुत्ता होता है कुत्ता नहीं होता खरगोश होता है ठीक है तो फिर से बोल देता हूं कि उत्पादन की दृष्टि से भेड़ की ऊन सबसे अधिक उत्पादित की जाती है और उसका ही आयात निर्यात बहुत अच्छी खासा किया जाता है लेकिन गुणवत्ता के बारे में बात की जाए क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो सबसे अच्छी ऊन अंगोरा नामक खरगोश की मानी जाती है ठीक है ठीक है इस चलिए आगे बात करते हैं पश्मीना एक बकरी है जिससे ऊन निकाली जाती है यहां पर आप पश्मीना बकरी देख सकते हैं तो पश्मीना ठीक है क्या है ये पस्मीना जो ऊन है पस्मीना गॉड से या पस्मीना बकरी से निकाली जाती है ब्रिटेन की अगर बात कर दी जाए तो ब्रिटेन में एक बकरी पाई जाती है एक बकरी की प्रजाति है उसका नाम है लिंकन सीप जिस तरह से अब्राहम लिंकन है उनसे इनका इस बकरी का कोई संबंध नहीं है लिंकन नामक लिंकन सीप होती है लिंकन नामक जो भेड़ है उसकी ऊन दुनिया की सबसे लंबी ऊन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं वक्री जो है यहां पर आपकी इस तरह से लंबी लंबी इसकी ऊन का रेशा है ठीक है इसके बाद सहतुस संसार का सबसे हल्का और गर्म ऊन होता है फिर से मैं बता रहा हूं सहतूस एक ऊन का प्रकार होता है समझ में आ गया ऊन का एक प्रकार होता है जो कि सबसे हल्की और सबसे गर्म ऊन होती है यह चीन से प्राप्त की जाती है जो कि एक एंटीलोप से निकाला जाता है यहां पर आप एंटीलोप देख, सकते हैं एंटीलोप होता है हिरन की तरह देखने वाला एक जानवर होता है यहां पर मैं जूम करके दिखा देता रहा हूं ये इसका बच्चा है ये नाश्ता करने जा रही है तो एंटीलोप सैतूस पुल ठीक है एंटीलोप से निकाली जाती है सही है चलिए चलिए ऊन से बने वस्त्रों वाले क्षेत्र देख लेते हैं क्योंकि तो मैंने बताया था ऊन के बारे में तो यहाँ पर बात नहीं करनी है कि ऊन का उत्पादन कहाँ कहां होता है मैंने बता दिया अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में उनका उत्पादन किया जाता है इनके बारे में बात नहीं करनी है बात करते हैं हम उन क्षेत्रों के बारे में जिन क्षेत्रों से ऊन आयात करने के बाद यानी कि यहां से यहां पर ऊन मंगाने के बाद उनका क्या किया जाता है वस्त्र बनाए जाते, है। बना जाते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं सबसे प्रमुख देख बात करते हैं सबसे पहले यूएसए में यूएसए में न्यू इंग्लैंड तो आपका समय आ जाता है रॉड वो न्यू इंग्लैंड यहाँ पर एक क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड वाला क्षेत्र यहीं पर आपको दिख जाएगा एक मैसा चुएट मैसा चुएट यहाँ पर दिख जाएगा और यहां पर एक है, रोड आइलैंड करके रोड 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 आइलैंड या दीप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि इन क्षेत्रों में ऊन का जो ऊन से कपड़े बनाने का उद्योग है इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत अच्छी खासी फलती फूलती है यहाँ पर बहुत विकास हुआ है इसको बात करते हैं जापान के बारे में ठीक है जापान में अगर बात की जाए तो आपका प्रमुख क्षेत्र है ओसाका नागासाकी टोक्यो याका याकोहामा और आपका मिल जाएगा टोक्यो टोक्यो याकोहामा नगोया और आपका यहाँ पर दिख जाएगा एक ये है आपका नगोया ओसाका और कोबे ठीक है चलिए चीन के बारे में अगर बात की जाए तो चीन में दो प्रमुख क्षेत्र हैं एक तो है शंघाई और दूसरा है कैंटन ठीक इटली के बारे में बात की जाए इटली में मैंने आप लोगों को बताया चप्पल जैसी आकृति का एक देश है या सैंडल जैसी इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इटली में दो प्रमुख क्षेत्र हैं आपका एक तो नेल्सन और पो नदी की घाटी अब भैया नेपल्सन है पर आप नेपल्स देख सकते हैं और यह है आपकी पो नदी पो नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको हम कहते हैं पो नदी घाटी ठीक है चलिए इसके और बात करते हैं जर्मनी के बारे में जर्मनी में सैक सोनी सैक सोनी नामक एक क्षेत्र है जो कि जर्मनी नामक देश में पड़ता है ठीक है चलिए ये है आपका सेक्सोनी और ये अगर मैं यहां पर कैंटन आप लोगों को दिखा देता हूं चीन में इस क्षेत्र में आपका कैंटन पड़ता है ठीक चलिए तो मैंने क्या बताया जू, जर्मनी में आपका उ, एक क्षेत्र है और दूसरा है रूर प्रदेश ठीक इन क्षेत्रों में आपका प्रमुख रूप से किसका उद्योग फला फूला है ऊन से वस्त्र बनाने का उद्योग चलिए अब ये आखिरी है इस उद्योगों के बारे में सब उद्योग हमने पढ़े अब हम कुछ इसमें उनके बारे में जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग कर दिया है वहां पर तो एक एक करके सबको जान लिया अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनमें कुछ क्षेत्र है मैं यहाँ पर मैप में नहीं जाऊंगा आप लोगों को सिर्फ मैं बोलूंगा आप अपना देश अपने हिसाब से लगा लेना बर्मिंगम जहाज निर्माण के लिए आपका यूएसए में है एक बर्मिंगम आपका यहाँ पर भी है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रिटेन में लेकिन उसके बारे में नहीं बात हो रही है यूएसए वाले में तो यूएसए में बर्मिंगम जहाज निर्माण के लिए एसन लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी में है हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है आपका यहाँ पर दिखेगा एक दीप है आ, मिलान जो है या मिलान इसको पढ़ते हैं मिलान तो नहीं है मिलान है इटली में पड़ता है ठीक है ये आपका इटली किसके लिए प्रसिद्ध है सिल्क वस्त्र उद्योग या हम इसको कह सकते हैं

काफ़ी फेमस है ये मैनचेस्टर आपका ग्रेट ब्रिटेन में है इसके बाद करें सिएटल के बारे में सिएटल वायुयान निर्माण के लिए क्योंकि यह सारा इनको मैं अलग अलग बांटता तो दिक्कत आती सिएटल जो है आपका यूएसए वाले क्षेत्र का ही है सिएटल आपका वायुयान निर्माण के लिए ठीक है ओसाका के बारे में बात की जाए तो आपका यहाँ पर जापान में है ओसाका सूती वस्त्र उद्योग लोहा तथा इस्पात तो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जापान डुंडी के बारे में बात की जाए तो आपका जूट के लिए प्रसिद्ध संघाई के बारे में बात की जाए संघाई आपका चीन है जो कि चीन में स्थित है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए सेंट वर्ग जो है पोत निर्माण के लिए जो कि आपका रूस में स्थित है इसका पहले नाम था क्या नाम था लेनिंग्रा ठीक है इसके बाद बात करते हैं चेलिया विंसक आपका इस्पात कारखाना जो कि रूस के लिए प्रसिद्ध रूस में स्थित है ऑन्टेरियो जो है कागज निर्माण के लिए जो यूएसए वाले क्षेत्र में है टेक्सास जो क्या रासायनिक उत्पादन करता है ये बहुत अच्छी खासा टेक्सास में है यूएसए में है ठीक है बाकू आपका अजरबैजान में है इसकी राजधानी भी है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है पिट्स वर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है ठीक है तो ये हो गया आपका इस्पात उद्योग लौह उद्योग जो भी उद्योग थे सभी के बारे में ठीक है चलिए चलिए परिवहन के बारे में बात करते हैं परिवहन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इसको हम कहते हैं परिवहन परिवहन की परिभाषा क्या होती है परिवहन का सीधा सा मतलब होता है इंसानों को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ठीक है? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना फिर से मैं बता देता हूं परिवहन का मतलब होता है वस्तुओं या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परिवहन कहलाता है परिवहन के साधनों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन के बारे में तो उसके बारे में हम बात करेंगे सड़क और रेल मार्गों के बारे में बात करेंगे दूसरा जो है वायु परिवहन के बारे में वायु परिवहन यानी कि ऊपर जो आसमान में रोडें बनी होती हैं ये मजाक वाली बात नहीं है ये रियलिटी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बनी होती हैं तो उन्हीं निश्चित मार्गों पे हवाई जहाज चलते हैं या जो वायु होते हैं वो जो एरोप्लेन होते हैं चलते हैं नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं जल परिवहन के बारे में बात करेंगे इसमें समुद्र समुद्री तथा आंतरिक मार्गों के बारे में बात करने वाले हैं इसमें पाइपलाइन परिवहन के बारे में नहीं पढ़ेंगे लेकिन परिवहन का साधन होता है ठीक है चलिए सबसे बात, पहले बात करते हैं स्थल परिवहन के बारे में ठीक है लैंड ट्रांसपोर्टेशन ठीक उम्मीद है यही होना चाहिए, इसका इंग्लिश में। चलिए। तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं नंबर वन सड़क परिवहन नंबर टू रेल परिवहन आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में आइए देखते हैं जो सड़क परिवहन होता है कम दूरी को तय करने का सबसे सस्ता साधन होता है यह रेल तथा जल परिवहन से बहुत ही बेहतर होता है क्योंकि सड़कें हमारे दरवाजे तक हमें पहुंचा देती हैं क्या समुद्र का भी जो मार्ग है क्या हमें दरवाजे तक पहुंचा सकता है क्या रेल है क्या हम अपने गेट तक ले जा सकते हैं नहीं तो इसलिए जो सड़क परिवहन होता है चाहे फिर वो गाड़ी हो आपका मतलब बस हो आपका टेम्पो हो रिक्शा हो हमारे रोड जो होती हैं, हमारे घर तक जाती हैं, ठीक है चलिए सड़कों पर सड़कों पर भौगोलिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है इसलिए या कहें यही एक कारण है कि सड़कों का जो निर्माण होता है या कहें मैं फिर से बता सड़कों पर भौगोलिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है है यही एक कारण कि मैदानों में सड़कों की सघनता या कहें घनापन अधिक होता है जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की जो सघनता होती है या कहें घनापन होती होता है वह बहुत कम होती है ऐसे फिर से मैं साधारण समझा में जाता हूँ कि मैदान जो होते हैं वहां पर सड़कें बनाने में बहुत आसानी रहती है वहां पर खर्चा भी कम आता है लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है है सड़कें आसानी रहती है। यही कारण कि मैदानों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह सड़कें होंगी लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए वहां पर सड़कें बहुत कम बनी होती हैं क्योंकि वहां पर यह नहीं कि पहाड़ के बिल्कुल एक सड़क इधर जाती है एक सड़क बोल जाती है ऐसा नहीं होता है पहाड़ियों क्षेत्रों पे बहुत कम सड़कें आप लोगों को मिलेंगी उतनी मिलेंगी जितनी आवश्यकता है समझ आ गया चलिए सड़कों के विकास में आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है मतलब पैसा होगा होगा तभी तो होगा। अब जैसे पाकिस्तान है दुनिया का सबसे गरीब देश है तो वहां पर सड़कें क्या है सड़कों की स्थिति बहुत खराब है बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि ऊबड़ खाबड़ जहां पर सड़कें छोड़ो वहां पर हवाईया छोड़ो सड़कें की स्थिति बहुत रेल तो बहुत मुश्किल से वहां पर देखने को मिलती है समझ में आ गया ना चलिए

जापान में विश्व में जापान नामक जो देश है यहाँ पर जापान देख सकते हैं आप जापान में सड़कों की सघनता सबसे अधिक है यानी कि प्रति 100 किलोमीटर या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की संख्या जो है वह बहुत अधिक है कहा पर जापान में क्योंकि जापान जो है उस पर पैसे की कमी है नहीं लेकिन वहां पर जनसंख्या भी कम है क्षेत्रफल भी बहुत कम इसलिए क्या है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत बेस्ट से बेस्ट सड़कें बना रखी हैं ठीक है चलिए सड़कों में समझते हैं महामार्ग या हाईवेज के बारे में बात करते हैं आइए देखते हैं हाईवे क्या होते हैं महामार्ग महामार्ग जो होते हैं या हाईवेज होते हैं लंबी दूरी के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों को कहते हैं इनमें दोनों ओर से आने जाने की क्या होती है फिर से बता दें जो महामार्ग होते है, हाँ होते हैं हैं हाईवे वो लंबी दूरी को तय करने के लिए क्या बनाई जाती है पक्की सड़कें बनाई जाती हैं और इनकी खास बात यह होती है कि इनमें दोनों तरफ आने जाने की व्यवस्था होती है यानी कि एक तरफ आने का रोड बना होता है और एक तरफ जाने का रोड बना होता है ठीक है फिर से बता दें दोनों ओर आने जाने दोनों ओर आने जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग सड़कें बनी होती हैं विश्व के यानी कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं उनके उनके जो पतन नगर हैं या बंदरगाह से जुड़े हुए जो शहर हैं उनका सीधा कनेक्शन महामार्गों से होता है क्योंकि आपको क्या है जैसे मान लीजिए अमेरिका है अमेरिका का कोई आप मान लीजिए कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यहाँ पर क्या पड़ता है ए, आपका तटीय क्षेत्र है तो महामार्गों का क्या है या हाईवे जो है सीधे जो पत्तन नगर हैं या कहें जो न, न, बिल्कुल उसके तट पर लगे हुए हैं उनसे सीधा संबंध होता है क्योंकि माल जैसे मान लीजिए बीच वाले क्षेत्र से यहाँ पर मान लीजिए ओहायो से लेकर गए ओहायो से क्या पहुंचा हमें किनारे ले जाना है तो यहाँ पर बिल्कुल तटीय क्षेत्र पर ले आएंगे तो सीधे क्या है ये हाईवे से जुड़े हुए क्षेत्र होंगे चलिए आगे बात करते हैं तो आइए महामार्गों के बारे में बात करते हैं प्रमुख सबसे पहले बात करेंगे हम अमेरिका के प्रमुख महामार्ग यानी कि अमेरिका के हाईवे अमेरिका यहां पर उत्तरी अमेरिका और दोनों दक्षिणी अमेरिका दोनों को सम्मिलित रूप से मैं यहां पर अमेरिका महाद्वीप बोल रहा हूं ठीक है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में अमेरिका कौन सा अब यहां पर आ रही है अमेरिका अमेरिका में महामार्ग हाईवेज को मोटरवेज कहते हैं यानी कि भारत देश में जैसे कि हाईवे एन एच फोर एन एच फाइव एन एच सिक्स लेकिन वहां पर क्या कहते हैं मोटरवेज फाइव मोटरवेज थ्री इस तरह से ठीक है जैसे यहां पर हाईवे बोलते हैं वहां पर मोटरवेज कहते हैं इसके बाद सबसे पहला जो हाईवे है उसको हम देखते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग ट्रांस कैनेडियन महामार्ग के बारे में बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है यह ब्रिटिश कोलंबिया के बैंकूवर से न्यू फॉकलैंड के सेंट जोन्स तक जाता है मैं फिर से बता दू ट्रांस कैनेडियन जो महामार्ग है हाईवे कहां पर है आपका कैनेडा वाले क्षेत्र में है जो कि कहा किससे किसको जोड़ता है यह ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का है बैंकूवर से मैं आपको दिखा देता हूं ब्रिटिश कोलंबिया है यह राज्य इसका एक यहां पर क्षेत्र है इसको हम कहते हैं बैंकूवर बैंकूवर से यहां से जाता है और यह चलता चलाता है थंडर वे तक पहुंचता है और यह क्यूबेक तक पहुंचता है और यहां पर इस तरह से मुड़ जाता है और यहां पर जाकर हेलीफेक्स है, तक जाकर इस तरह से इसको पार करता हुआ न्यू फॉकलैंड का जो एक राज्य है न्यू फाउंडलैंड यहां पर क्षेत्र पड़ता है उसका एक छोटा सा शहर है उसको हम कहते हैं सेंट जॉन्स फिर से बोल दे रहा हूं कि ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो कि कनाडा का सबसे लंबा महामार्ग है हाईवे है यह बैंकूवर से सेंट जॉन तक जाता है या हम ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक जाता है और देख लेते हैं यहां पर है ये हम इसको कह सकते हैं अलास्का राजमार्ग जो कि अलास्का वाले क्षेत्र में है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है बस अलास्का किस क्षेत्र में पड़ता है राजमार्ग आपका यूएसए में इसके बात करते हैं पैन अमेरिकन महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग के बारे में बात करते हैं पैन अमेरिकन हाईवे के बारे में तो पैन अमेरिकन जो हाईवे है यह है कैनेडा से अब भैया कैनेडा कहां है आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह है आपका कैनेडा यहां से शुरू होता है कैनेडा तो कैनेडा से ऊपर से नीचे चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे इस तरह से यहां से आएंगे और ये इस तरह से नीचे चलते चले आएंगे चलते चले आएंगे और यहां पर इस तरह से यह ब्यूनस ब्यूनस आरस तक यहां पर आकर अर्जेंटीना तक पहुंचता है फिर से मैं बोल दे रहा हूं यह कनाडा यहां यानी सबसे पहले कनाडा फिर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके बाद मेक्सिको फिर मध्य अमेरिका यानी कि जो बीच वाला भाग मध्य अमेरिका उसके बाद दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है ठीक है यह विश्व की सबसे लंबी परियोजना है इसका अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है बल्कि है निर्माणाधीन है तो नि, यहां विश्व की सबसे बड़ा महामार्ग कौन सा कहलाएगा इसका भी निर्माण नहीं हुआ है ठीक है कौन सा है आपका पेन अमेरिकन अगर दिया हो ऑप्शन में तो ठीक है चलिए यूरोप के देश जर्मनी में इसको ऑटोबान कहते हैं इतना काफी है यहाँ के कोई प्रमुख मार्ग नहीं जानने में फिर से में बोल दे रहा हूं यूरोप में महामार्गों को या हाईवेज को ऑटोबान कहते हैं ठीक है चलिए रूस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं रूस में रूस में सड़कों का ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है उसका कारण मैं बताऊंगा फिर से बोल देना रूस में सड़क मार्ग का ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि रूस की अगर बात की जाए तो एक पूरा महाद्वीप की तरह फैला हुआ है एक क्षेत्र यहां से शुरू होता है और पूरा अंत तक यहां तक चला जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है इसलिए रूस में रेल मार्गों का अच्छे खासा विकास हुआ है बल्कि किन का विकास नहीं हुआ है सड़कों का विकास नहीं हुआ है ठीक है चलिए बात करते हैं चीन की बारे में हल्का जान लेते हैं चीन चीन की एक परियोजना है जिसको कहते हैं अबोर अबोर यानी वन वेल्ट वन रोड परियोजना यह परियोजना दो में चीन के राष्ट्रपति सी जिंगपिंग के द्वारा शुरू की गई थी इतना काफी है यहाँ पर देख सकते हैं वन वेल्ट वन रोड परियोजना तो इस तरह से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये है आपका ये इस तरह सेंट्रल एशिया होती हुई और ये ईस्ट यूरोप होते हुए यूरोपीय यूनियन होते हुए और वेस्ट एशिया नॉर्थ एशिया और अपने अफ्रीका वाले क्षेत्र में इस तरह से ये इस तरह से होती हुई साउथ ईस्ट एशिया होती हुई और ये यहाँ पर चिंगपोंग करके एक देश शहर है यहाँ पर ये पहुंच जाता है ठीक है चलिए भारत के बारे में बात करेंगे भारत के बारे में महामार्गों के बारे में हाईवे के बारे में भारत पढ़ेंगे तब हम वहां पर जाएंगे यहां पर ज्यादा उसके बारे में घुसेंगे नहीं चलिए भारत के कई महामार्ग हैं जिनमें सबसे प्रमुख जो है एन एस सेवन है यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है इस तरह से ठीक है इतना काफी है यहां पर चलिए सड़क मार्गों के बारे में देख लेते हैं दुनिया में कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है तो दुनिया में सबसे अधिक सड़क अगर बात की जाए लंबाई के बारे में मतलब पैसे मतलब लंबाई के हिसाब से नहीं कि सबसे लंबी सड़क वैसे नहीं बता रहा हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ कि कितने क्षेत्रों में कितनी फैली हुई हैं दुनिया में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण कितना कहाँ पर हुआ है यूएसए में नंबर दो पर है चीन और नंबर तीन पर है भारत और नंबर चार पर है ब्राजील यानी कि सबसे नंबर वन पर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका उसके बाद आता है आपका चीन चीन में सबसे अधिक रोड बनी है यानी कि जैसे ए, NH4 है उसकी लंबाई जोड़ लेंगे और सारी रोडों को जोड़ लेंगे नंबर पर और वो सड़क मार्ग के बारे लंबाई के बारे में हुआ है, ठीक है चलिए चलिए बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में आइए देख लेते हैं इसको समझते हैं रेल परिवहन रेल का सबसे अधिक जाल यूरोप तथा पूर्वी यूरोप में पाया जाता है यूरोप तथा पूर्वी यूरोप में पाया जाता है विश्व का कुल रेल मार्ग का 25 परसेंट भाग अकेला यूएसए में है समझ में आ गया चलिए तो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में बात कर लेते हैं ट्रांस साइबेरियन मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बात करते हैं जो कि आपका यूएसए में इस तरह से यहाँ से शुरू होता है व्लादिवोस्टक तक और इस तरह से यहाँ से होता है ये आपका इस तरह से ये चीता ये आपका यहाँ पर पहुंचता है और ये इस तरह से यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर सेंट पीट्स वर्ग यानी कि लेनिन तक पहुंच जाता है तो समझते हैं इसको यह संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 9300 किलोमीटर इसकी लंबाई है यह वाल्टिक सागर के पास एक क्षेत्र पड़ता है उसको हम कहते हैं सेंट पिट्सबर्ग या इसको हम कह देते हैं लेनिन गिराद, तो लेनिन गिराद से यह से चलते चले जाते हैं और पूर्व में चलते चले जाएंगे यहां पर है प्रशांत प्रशांत महासागर महासागर के पास स्थित एक क्षेत्र है उसको हम कहते हैं व्लादिवोस्टक तो मैं फिर से बता देता हूं विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग जो है उसको हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो कि आपका वाल्टिक सागर के सेंट पिट्सबर्ग से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक देश जिसको हम कहते हैं तक जाता है, ठीक है? चलिए इस रेल मार्ग पर इस रेल मार्ग पर कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे कि आपका मॉस्को ठीक सिरजान ठीक इसके बाद यहां पर है आपका ओग्रास इसमें इसमें लिखा हुए थे सेंट पीटर्सबर्ग तो पड़ता ही आपका सिरजान हो गया मॉस्को यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्को हो गया इसके बाद यहाँ पर आपको लोगों को दिख जाएगा एक ग्रास उसके बाद यहाँ पर मैं अगर जूम कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा चीता ठीक है चीता एक क्षेत्र है ठीक इसके बाद यहीं पर एक पड़ता है सोब्रे योवस्क सोब्रे योवस्क थोड़ा तो तो ड्रामने नाम होते हैं ज़्यादा खींचना पड़ता है जीप को चलिए दूसरा देखते हैं रैंडमार्ग दूसरा रैंडमार्ग है कैनेडियन पेसिफिक मार्ग जिस तरह से आपका मैंने आपको जब हाईवे पढ़ाया था कैनेडियन वाला तो वो आपका बैंकूवर से इस तरह से जाता है और रेल सड़क के बारे में बात हो रही थी सड़क इस तरह से पहुंचती है और सेंट जॉन्स तक जाती है ये आप कंफ्यूज मत होना सड़क सेंट जॉन तक सें, सेंट जॉन्ज तक जाती है ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू फाउंडलैंड तक बैंकूवर से लेकर सेंट जॉन तक कौन सा सड़क मार्ग के बारे में ये हो रही है रेल मार्ग के बारे में आइए रेल मार्ग समझते हैं यह मार्ग कैनेडा के पूर्वी तट पर स्थित हेलीफेस्ट को फिर से मैं बोल दे रहा हूँ यह रेलमार्ग कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग के बारे में हो रही है Railmark, e hai, यह रेलमार्ग कैनेडा के पूर्वी तट पर कैनेडा के पूर्वी तट यह हैलीफेस्ट इस छोटा सा शहर स्थित है हेलीफेस्ट को प्रशांत महासागर के तट से फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित शहर फैंकूबर से जोड़ता है इसकी लंबाई सात हजार पचास किलोमीटर है है? मैं जूम कर देता हूं मैंने क्या बताया पूर्वी तट पर स्थित हेलीफेस्ट है, नामक एक शहर है यहां से शुरू होता है है ओटावा और, ये थंडर वे और इस तरह से विनीपेग तक जाते जाते यहां पर एक नदी है, फे, 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 फ्रेजर नदी नदी फ्रेजर फ्रेजर के मुहाने पर एक देश स्थित है शहर स्थित इसको हम कहते हैं बैंकूवर तो यहां से लेकर बैंकूवर तक यह रेल मार्ग जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग आइए समझते हैं यह सिडनी को पर्थ सिडनी को पर्थ से जोड़ता है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है आइए मैं दिखा देता हूं इसको मैं जुम्म करता हूं जुम करते हुए सिडनी ऐसे जाता है आपका ये पोर्ट अगस्टो गैलडर झील आपका कोवन झील और यहाँ पर पर्थ पर पहुंच जाता है जुम कर देता हूं सिडनी आपका यहाँ से जाएगा यहाँ पर पहुंचते 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 यहाँ पर कूल गाड़ी होते हुए तो, पर्थ पर पहुंच जाएगा ठीक है चलिए चलिए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ रेल मार्ग के बारे में उसके बाद अमेरिका के बारे में भी बात करेंगे ट्रांस एंडिज रेलमार्ग एंडिज का मतलब जानते हैं एंडिज पर्वत एंडिज पर्वत का ट्रांस यानी कि एंडीज के पार ठीक है तो ट्रांस एंडिज रेलमार्ग के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का यह रेलमार्ग चिली में बाल परेजो को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आर एस से जोड़ता है आइए मैं दिखा देता हूं मैं इसको जूम कर देता हूं यह आपका चिली जो कि मिर्च की तरह लंबा एक देश है यहां पर आप देखेंगे वाल परेजो, बाल पेरेजो से इस तरह से एक रेल मार्ग जाता है जो कि ब्यूनियस आर को जोड़ता है ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं मध्य ट्रांस महादीपी रेलमार्ग मध्य ट्रांस महादीपी रेलमार्ग के बारे में बात करते हैं यह यूएसए का सबसे लंबा रेल मार्ग है यहां पर आप देख सकते हैं ये यूएसए का सबसे लंबा रेल मार्ग है यह न्यूयॉर्क को अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है जो कि यूएसए के पश्चिमी तट पर है आइए मैं जूम कर देता हूं यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक क्षेत्र है इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क से यह ट्रेन जाती है इंडियाना होते हुए और ये मिसोरी और ये कांसास जाते हुए कोलोराडो में और ये यहां पर पहुंचे नेवादा और यहां पर कैलिफोर्निया में पहुंचने के बाद यहां पर एक छोटा सा छोटा काफी बड़ा है जो कि पत्तन नगर है सैन फ्रांसिस्को से जोड़ती है चलिए आगे बात करते हैं एशिया के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं एशिया भी कोई कमजोर हल... नहीं है आइए ट्रांस एशियन रेलमार्ग के बारे में बात करते हैं यह एक किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है ठीक है फिर से समझना एक लाख सत्रह हजार पांच सौ किलोमीटर लंबा रेल मार्ग होगा जो कि अभी बनकर तैयार नहीं।, नहीं हुआ है इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है जिसका नाम क्या है ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क इसका काम उन्नीस में शुरू हुआ था यानी कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब ये शुरू हुआ था उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तब तक यह पूरा नहीं हो पाएगा मुझे जो उम्मीद है ठीक है तो फिर बता ट्रांस एशियन रेल मार्ग पांच सौ किलोमीटर लंबा है यह रेल मार्ग अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है इसका काम उन्नीस से शुरू हुआ था यह एशिया तथा यूरोप में एकीकृत रेलवे नेटवर्क बनाने की परियोजना पर्युण, यानी कि एशिया व यूरोप को एकीकृत यानी कि जोड़ने वाली यह परियोजना है इसमें लगभग 28 देश लाभान्वित होंगे या कहें इससे 28 देश लाभ प्राप्त करेंगे समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए रेल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं ये इस तरह से आप देख सकते हैं अभी इसमें यह निकलेंगे कि लंबी रेल मार्ग के बारे में लंबा तो आपका यूरोप ये रूस वाला है वो लंबाई के बारे में बात नहीं हो रही ये जाल के बारे में हो रही है जैसे एक रेल मार्ग ये गया फिर दूसरा ये जा रहा है तीसरा ये जा रहा है इसके बाद ये जा रहा है फिर ये किए जा रहा है इस तरह से ये इस तरह से ऐसे करके बहुत सारे जो रेल मार्ग हैं उन सभी को जो जोड़ लिया जाएगा तो उसकी सबकी लंबाई निकल आएगी ठीक है तो सबसे अधिक कहां पर रेल मार्ग है सबसे अधिक है आपके अमेरिका में नंबर दो पर आता है चीन नंबर तीन पर आता है रूस और नंबर चार पर आता है भारत ठीक है चलिए चलिए वायु परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं वायु परिवहन आइए देखते हैं वायु परिवहन उन देश क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां पर रेल और सड़कें नहीं पहुंच सकती समझ में आ गया यह सामरिक महत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामरिक महत्व मतलब युद्ध के लिए जैसे कि आपका रणनीति के लिए जैसे कि आपका किसी क्षेत्र में आपका गाड़ियाँ नहीं जा सकती ट्रेनें नहीं जा सकती तो वहाँ पर क्या है आपके हवाई जहाज़ पहुँच सकते हैं बड़े बड़े मिसाइल वाले जो वो होते हैं ना लड़ाकू विमान वो पहुँच सकते हैं ठीक है विश्व में लगभग एक देश हैं उनमें लगभग सभी देशों के पास वायु परिवहन की सुविधा है लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी हवाई अड्डा जैसी चीज मौजूद नहीं है जैसे कि आपका वेटिकन सिटी वहां पे हजार लोगों की जनसंख्या वो तो भूली जाओ कोई जरूरत नहीं है अंडोरा सान मरिनो आपका मोरक्को और भी कई सारे देश हैं, यहां पर हमें जरूरत नहीं है यह है आपका अंडोरा ठीक यह है आपका मोनेक् यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा यह आपका सान मरीनो ठीक और यह है आपका वैटिकन सिटी यहां पर ठीक है चलिए बात करते हैं आगे वायु परिवहन के कारण आज ऐसी स्थिति बन गई है कि विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसकी दूरी 25 घंटे से 35 घंटे से अधिक हो यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अगर जाना हो तो 35 घंटे से अधिक का समय नहीं लग सकता ठीक है चलिए विश्व के कुल वायु मार्ग का 60% परसेंट अकेला यूएसए प्रयोग करता है फिर से मैं बोल दे रहा हूँ पूरी दुनिया में जितना वायु परिवहन की सुविधा या जितना कुछ भी होता है उसमें साठ परसेंट अकेला आपका यूएसए करता है ये बहुत बड़ी बात है समझ में आ रही ना क्योंकि हम लोग हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो ऐसे ऐसे आज भी लोग होंगे मुझे जो उम्मीद है मैंने अगर मैं अपना दिमाग खींच लग लगाऊँ तो मुश्किल से मुश्किल थर्टी परसेंट या थर्टी परसेंट से भी कम ऐसे लोग होंगे जो कि हवाई जहाज़ में या बैठे हों समझ रहे ना तो वहां पर सिक्सटी परसेंट करता है वहां पर बीस पच्चीस परसेंट ऐसा कोई व्यक्ति हो जो है हवाई जहाज में न बैठा हो ये यहाँ की स्थिति है चलिए आगे बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में इसका सीमित विकास हुआ है क्योंकि तो वहां पर कुछ जरूरत नहीं हुई कुछ वहां पर और भी बहुत सारी परेशानी हो आर्थिक रूप से ठीक है चलिए चलिए वायु मार्गों के बारे में बात करते हैं वायु मार्ग दो प्रकार के होते हैं नंबर एक है अंत महाद्वीपीय वायु मार्ग उसको हम समझेंगे और महाद्वीपीय वायु मार्ग चलिए समझते हैं अंत अंतर या अंतर महाद्वीप वायु मार्ग जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाने वाला मार्ग होता है ठीक है इससे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाया जा सकता है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा लंबा वायु मार्ग जो है दूरी के बारे में बात नहीं हो मार्ग के बारे में बात नहीं कि आप ये कहेंगे यहां से कतर से हाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई वो एक बार में जाता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है मैं कह रहा हूं मार्ग जैसे कि आपका ओटावा से आप किसी प्लेन में बैठे फिर ओटावा वाला जो आपका पहुंचा क्या बोलते हैं उसको लंदन में उतरा फिर वही जो मार्ग है वहीं से प्लेन उतरा आपका पेरिस में पहुंचा वही फिर आपका यहाँ पर तुर्की माले इस्तांबुल में पहुंचा वही आपका यहाँ पर सऊदी अरब में पहुंचा फिर कतर में पहुंचा फिर आपका इंडिया का जो दिल्ली है या का मुंबई है वहां पर जाके उतर गया फिर इस तरह से जाके यहाँ पर टोक्यो में पहुंच गया इस तरह से बता रहा हूं ठीक है तो आइए समझते हैं मैंने क्या बताया दुनिया का सबसे लंबा वायु मार्ग जो है वो आपका न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क से लंदन लंदन से पेरिस पेरिस से रोम रोम से काहिरा काहिरा से दिल्ली दिल्ली से मुंबई मुंबई से कोलकाता और कोलकाते कोलकाता से हांगकांग से टोक्यो तक जाता है यहां पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क से लंदन लंदन से पेरिस पेरिस से रोम रोम से यहां पर है कायरा कायरा से आपका दिल्ली ठीक है इस तरह से यहां पर दिल्ली दिल्ली से मुंबई मुंबई से कोलकाता और कोलकाता से हांगकांग हांगकांग से टोक्यो इस तरह से जाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दूसरा देखते हैं महाद्वीपीय है मार्ग महामार्ग वो वायु मार्ग के बारे में इतना काफी है वो ठीक है चलिए यह एक ही महाद्वीप के

तो प्रमुख महाद्वीपीय वायु मार्गों के बारे में बात कर लेते हैं एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों के बीच वायु मार्ग है यह जैसे कि आपका न्यूयॉर्क शिकागो मॉन्ट्रियल मार्ग आपका शिकागो टोर्नेडो यहां पर है मॉन्ट्रियल इस तरह से ठीक है न्यूयॉर्क बॉस्टन यहां पर ये इस तरह से ठीक है चलिए दूसरा जो है लंदन पेरिस फ्रैंकफर्ट प्राग बोर्सा लंदन पेरिस में पहुंचा आपका फ्रांस में पहुंचा पेरिस में जर्मनी में पहुंचा फ्रैंकफर्ट और चेक गणराज्य में पहुंचा प्राग पोलैंड में पहुंचा ठीक है यहां का प्रमुख मार्ग किसका है यूरोप का चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय वायु मार्ग क्या होते हैं ये वो मार्ग होते हैं जो एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग क्षेत्रों में अलग शहरों को जोड़ता है यह अपने ही देश में लंबी दूरी को तय करने वाले वायु मार्ग होते हैं चलिए बात करते हैं न्यूयॉर्क शिकागो सैन फ्रांसिस्को। ये प्रमुख है इतना काफी है जानना ठीक है तो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क शिकागो सैन फ्रांसिस्को चलिए बात करते हैं आगे प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है भारत के बारे में ही बात करेंगे और भी दोस्तों की हमें जरूरत नहीं है एक दो होंगे तो उसके देख लेंगे भारत के बारे में बात करेंगे भारत में प्रमुख रूप से एक दो तीन चार प्रमुख हवाई अड्डे और भी हैं उनके हमें यहाँ जानकारी नहीं लेनी है प्रमुख चार हवाई अड्डे हैं सबसे पहला आता है कोलकाता कोलकाता में हवाई अड्डा है जिसका पहले नाम दमदम एयरपोर्ट था लेकिन वर्तमान में कोलकाता एयरपोर्ट को हम नेताजी सुभाष एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं दूसरा जो है वो है दिल्ली एयरपोर्ट या दिल्ली हवाई जहाज हवाई अड्डा इसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है तीसरा जो एयरपोर्ट है उसको हम कहते हैं मद्रास इसका नाम मीन बक, मीन बक्कम मीन बक्कम एयरपोर्ट इसका नाम है मुंबई की अगर बात की जाए तो सांता क्रूज एयरपोर्ट यहां का एक प्रमुख हवाई अड्डा है चलिए अमेरिका के बारे में हल्का पूरा देख लेते हैं अमेरिका में आटा लाटा आटा लाटा शिकागो लॉस एंजल्स ठीक है जिसको हम एल ए कह देते हैं जे एफ कैनेडी और ला गार्सिया ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं के अमेरिका के ठीक है फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस में पेरिस

ये हो गया आपका वायु परिवहन के बारे में ठीक है चलिए चलिए साथियों बात करते हैं जल परिवहन के बारे में जो कि काफ़ी ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हम लोगों के लिए आइए समझते हैं क्लियर करते हैं जल परिवहन को तो जल परिवहन होता क्या है साधी सीधी साधी बात है पानी में चाहे नाव हो चाहे जहाज़ हो चाहे कोई भी यातायात का साधन हो जो पानी में चलता है और उससे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो उसे हम जल परिवहन कह देते हैं चलिए समझते हैं पुराने समय में जल परिवहन के लिए जल मार्गों का प्रयोग किया जाता था ज़्यादा दूरी तथा ज़्यादा भार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता रास्ता या कहीं सबसे सस्ता साधन होता है क्योंकि जल परिवहन के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें जल मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता कि ये वाला हाईवे बना लो वो वाला हाईवे बना लो वहां क्या होता है वो पहले से ही जलमार्ग जो होते हैं वो बने हुए होते हैं क्योंकि महासागर जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं भैया कैसे होते हैं कि कोई सा भी महासागर देख लीजिए ये वाला जल है तो इस तरह से यहां से आ रहा है इस तरह से ये जुड़ा है कहीं पर भी आप जाना चाहें चले जा सकते हैं और ये पार हो ही जाता है आप लोगों को पता ही क्योंकि ये तो गोल है ना पृथ्वी तो इस तरह से आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं मतलब कोई यहाँ पर जलमार्ग बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है ठीक है समझ में आ गया यानी कि ये हर जगह एक दूसरे से मिले हुए हैं जबकि रास्ते की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से पार करना पड़ेगा ये फिर बॉर्डर पार करना पड़ेगा और ये फिर यहाँ पर पार करेंगे फिर ये इस तरह से तो वो चीज़ अलग तो क्या आप मैंने बताया कि ज़्यादा दूरी तथा ज़्यादा बाहर वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है जबकि जल परिवहन के लिए सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें जलमार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता क्योंकि महासागर जो होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं जिस तरह से हमारे बोनि होते हैं क्या एक हमारे वो सरकार है ना दिल्ली में एक मुख्यमंत्री वो कहते हैं सब मिले हैं जी सब लोग मिले हैं नहीं उसी तरह से यहाँ पर जितने भी जो महासागर हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं जिस तरह से वो कहते हैं ना सब मिले हुए उसी तरह से यहाँ पर मिले हुए हैं इसमें सभी आकार के जहाज़ नाभे और जो भी यातायात के जो जल में चलाए जा सकते हैं वो सारे चलाए जा सकते हैं इसमें बस जरूरत तो इस बात की होती है कि जो किनारे होते हैं मान लीजिए ये वाला अफ्रीका महाद्वीप का तट है या कहें ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का तट है या कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तट है या फिर भारत देश का तट है या कहें ऑस्ट्रेलिया का तट है तो बस ज़रूरत ये होती है कि किनारे जो होते हैं जहाँ पर पत्तन है जहाज़ सॉरी जहाँ पर नावें हैं जहाज़ हैं उनको क्या किया जाए खड़ा कर किया जाए क्योंकि बीच समुद्र में तो नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि एक्सी एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे क्योंकि चलते फिरते रहे तो तो एक आइडिया लगता रहता ठीक है तो मैं क्या बता रहा था बस जरूरत इस बात की होती है कि दोनों छोरों पे चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो दोनों छोरों या कहें दोनों किनारों पर केवल पत्तन की सुविधा प्रदान कर दी जाए यानी कि किन कौन कौन सी सुविधा होती है जो एक बंदरगाह के लिए होती है वो सारी सुविधाएं कर दी जाए बस इतना काफ़ी है कोई पानी में कोई रोड नहीं बनानी है कोई पर भी इधर उधर हाईवे नहीं बनाना कुछ भी नहीं करना बस पत्तन की व्यवस्था कर दी जाए क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लंबी दूरी तक करनी है कोई परेशानी हो जाती है कोई भी आवश्यकता है तो वहां पर उन्हें रुक कर आसानी से ईंधन वगैरह जो भी लेना हो वहां से ले सकें ठीक है इसकी सबसे अच्छी बात यह भी होती है यानी कि जल परिवहन की सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि यह अन्य अन्य जितने भी परिवहन के साधन हैं उनसे बहुत ही सस्ता पड़ता है क्योंकि जल जो होता है या कहें पानी जो होता है ज़मीन के मुकाबले काफ़ी कम या कहें बहुत कम ही घर्षण करता है इससे ऊर्जा लागत भी कमाती है मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं घर्षण मतलब साइंस की भाषा में कुछ भी कहते हो लेकिन मेरी बिल्कुल साधारण भाषा में घर्षण मतलब होता है रगड़ा रगड़ी करना जब इस तरह से आप चलते हैं तो घर्षण होता है जब आप जमीन पर चलते हैं तो हमेशा घर्षण के ही आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से जब आप रगड़ा रगड़ी करते हैं ना तो जब जमीन पर आप चलेंगे तो आपके जूते मान लीजिए आप ज़मीन पर ज़्यादा चलते हैं तो आपके जूते हैं बहुत ज़्यादा घिसेंगे आप जमीन पर गाड़ी चलाते हैं सड़क होती है खुरदुरी होती है तो वहां पर क्या होता है आपके पहिए बहुत ज़्यादा घिसेंगे लेकिन अब वही गाड़ी अगर हम पानी में चलाएं तो क्या होगा बिल्कुल ना के बराबर जूते घिसेंगे बिल्कुल ना के बराबर आपके पहिए घिसेंगे समझ आ रहा ना इससे घर्षण कम होगा इससे क्या होगा लागत कम आएगी क्यों क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है जो उसमें फ्यूल वगैरह डाला जाता है क्योंकि पानी में तो हल्का सा तैरना है ना तो हल्का सा केवल क्या लगाना होता है हल्का अल, सा सिर्फ केवल ताकत चाहिए नहीं तो हल्की चीज़ जितनी आप गाड़ी पर चढ़ाई पे चढ़ाई चड़ा, जा रही है गाड़ी तो वहाँ पे क्या हो रहा है चढ़ाई पे चढ़ाई जा रही है गाड़ी तो उसमें क्या होगा ज़्यादा ईंधन खाएगा डला आ रहा है तो कम ईंधन खाएगा तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है आप आसानी से यहाँ पर चल सकते हैं केवल आपको तैरना होता है हल्का सा ईंधन की आवश्यकता पड़ती है बस इससे क्या होता है लागत कम आती है घर सर कम होता है तो वहाँ पर जो जान की सुविधा होती है जैसे कोई भी मान लीजिए जहाज है तो वो सालों साल तक चलेगा क्योंकि उसमें घिसरा घिस कुछ रहा नहीं है बस जंग वगैरह से बचाने के साधन करने चाहिए हल्के से ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए आगे बात करते हैं तो जल परिवहन के जो साधन हैं या कहें जो मार्ग वगैरह हैं जिनमें हम यात्रा कर सकते हैं या कहें जहाज नावें वगैरह चला सकते हैं उनको हम दो भागों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यानी कि दो भागों में हम उनको बांट सकते हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन से दो भाग हैं सबसे पहला आता है समुद्री जलमार्ग यानी कि जो समुद्र में यात्रा की जाती है एक महासागर एक एक महासागर से दूसरे महासागर की तरफ तो उसको हम कहते हैं समुद्री जलमार्ग या सी रूट्स दूसरा जो होता है आंतरिक आंतरिक जलमार्ग यानी कि इन लैंड वाटरवेज ठीक है तो आइए समझते हैं एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं समुद्री जलमार्ग के बारे में तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं समुद्री जलमार्ग ठीक इसको हम कहते हैं सी रूट आइए देखते हैं समुद्री मार्ग ठीक है तो समुद्री मार्ग के पहले तो हम बात कर लेते हैं लाभ कौन कौन से लाभ होते हैं यहां पर आप लोग जो दिख रहे हैं ना जितना डार्क है उतना ही अधिक यहां पर क्या की जाती है यात्रा की जाती है ठीक है समुद्री मार्ग के लाभ लाभों के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि इसके बेनिफिट क्या है सबसे पहले समुद्र जो होते हैं हर दिशा में मुड़ सकने वाले हमें मार्ग देते हैं चाहे वो किसी भी दिशा में हमें जाना हो अगर हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो हम इस ओर ऊर्जे भी जा सकते हैं कहीं पर भी आप जा सकते हैं कहीं पर भी तो क्या है सभी दिशाओं में मुड़ने वाला क्या है आपका मार्गों का यहां पर निर्माण है पहले से ही कोई भी रख, रख 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 रखाव की लागत नहीं लगती है कि भैया पहिये घिस रहे हैं या फिर कोई और परेशानी तो इस तरह की कोई ज्यादा रखरखाव की लागत नहीं आती है जमीन और हवा परिवहन जो होता है यानी कि वायु परिवहन और स्थल परिवहन से क्या होता है दोनों से काफी सस्ता होता है ठीक है भारी माल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से ले जाया जा सकता है क्योंकि अब अभी अभी ये कहें कि नहीं हवाई जहाज से ले जाएंगे हवाई जहाज से एक व्यक्ति नहीं जा पा रहा है एक व्यक्ति बेचारा यात्रा नहीं कर पाता है जहाज में कैसे कर लेगा वो तो अब फिर सामान क्या ले जाएगा उसमें तो प्रति किलो के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो कैसे वो परम के हिसाब से ले जाएगा अब उसे ले जाना है ट्रक का ट्रक मान लीजिए ट्रक के ट्रक ले जाना है अब भैया काय में रखेगा ट्रक ट्रक के ऊपर रख के ले जाएगा या हवाई जहाज में ले जाएगा एरोप्लेन में किसी बड़ी चीज में नहीं जा पाएगा ना अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े जहाजों और जहाज बहुत बहुत बड़े होते हैं जिसमें कम से कम सौ सौ तीन तीन चार चार सौ ट्रक जा सकते हैं ठीक है तो मैं क्या बताया जमीन और हवा परिवहन से या कहीं स्थल परिवहन और वायु परिवहन से काफी सस्ते होते हैं भारी माल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाने के लिए यह सबसे सस्ता साधन होता है जल वो सॉरी जल्द खराब होने वाला या नष्ट होने वाले अगर कोई सामान है मान लीजिए कोई ऐसी चीज ले जा रहे हैं जो कि जैसे आप मान लीजिए उत्तरी अमेरिका से हमें भारत देश के लिए ले जाना है तो अब भाई ऐसा है कि उससे खराब हो सकता है उसमें माल वगैरह तो उसके लिए क्या सुविधा की गई है बड़े बड़े हैं तो जैसी बात है कमरे कमरे एक एक दो दो तो कमरे आप दे सकते हैं तो उसमें क्या है बातानुकूलित सुविधा से युक्त अगर आवश्यकता हो यानी कि कोई ऐसा माल है कोई खराब हो सकता है कोई परेशानी सकते हैं तो वातानुकूलित तो मतलब एसी एयर कंडीशनर वाला माहौल वहां पर पैदा कर सकते हैं चलिए समझते हैं आगे प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में बात करते हैं ज्यादा डीप है नहीं जाएंगे उतना ही तैरेंगे जितनी आवश्यकता है चलिए समझते हैं प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आइए देखते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यह मार्ग विकसित देशों के बीच में मौजूद है क्योंकि आप लोगों को पता ये है यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ठीक है यह विकसित देश तो आप लोगों को पता ही है ये आपका यूरोपीय क्षेत्र पड़ जाता है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ जाता है तो यहां पर यह भी विकसित देश है आपका ये दक्षिण अमेरिका के भी कुछ विकसित देश हैं आप लोगों को पता है और यूरोप तो विकसित है ही तो यह मार्ग विकसित देशों के बीच मौजूद है जो कि उत्तर पूर्वी पर उत्तर पूर्वी जो अमेरिका है या कर उत्तर पूर्वी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के देशों को जोड़ता है यहाँ पर आप देख सकते है इस हैं इस तरह से ये वाले जो क्षेत्र हैं इस तरह से पर तो जि, यात्रा हो सकती है इस तरह तरह से से तो जिस यात्रा हो सकती है उस हिसाब से यहाँ पर डीप कलर किया गया यानी कि डार्क कलर किया गया यानी कि अधिक कलर किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक वाला आप अंदाज लगा सकते हैं कलर से सबसे अधिक जलमार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग कौन सा है तो आपका ये उत्तरी अटलांटिक वाला उससे थोड़ा कम ये उसके बाद ये इस तरह समझ में आ गया चलिए तो यह मार्ग विकसित देशों के बीच में मौजूद है, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र से उत्तरी पूर्वी अमेरिका वाले क्षेत्र से पश्चिमी यूरोपीय देशों को पहुंचना है आपको आपको कैनेडा से जाना है मान लीजिए आपको आयरलैंड तो आप यहां से जाएंगे समझ आ गया क्योंकि यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी है सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है क्योंकि विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इसी जलमार्ग से होता है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग से या कहें समुद्री जलमार्ग से एक चौथाई व्यापार होता है इसको बृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं चलिए दूसरा देखते हैं आइए समझते हैं भूमध्य सागरीय है। हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के बारे में भूमत सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के बारे में हल्का सा जानते हैं अब भाई यह भूमत सागर कौन सा ये आपका भूमत सागर और ये है हिंद महासागर ठीक है तो इस तरह से ये वाला जो मार्ग है इस तरह से यहाँ से जो यात्रा कराने वाला क्षेत्र है इसको समझते हैं ये यह है किसी अन्य जलमार्ग की तुलना में यानी कि जैसे मैंने अभी उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला बताया तो वो सबसे व्यस्तम जलमार्ग है लेकिन अब यहां पर टॉपिक समझना किसी भी अन्य जलमार्ग की तुलना में अधिक देशों और अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करता है व्यापार की बात नहीं हो रही लोगों को और अधिक देशों को यह क्या करता है वो क्या बोलते हैं? सेवाएं देता है यह मार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को अब यह पश्चिमी यूरोपीय देश कौन से हैं? ये आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जोड़ता है आइए मैं फिर से दिखा देता हूं मैंने बताया कि पश्चिमी देशों से आपका आपका जो पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहां पर आप इसमें जा सकते हैं ठीक है दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में हम जा सकते हैं इस वाले क्षेत्र से ठीक है इस क्षेत्र इस, इस तरह से यहां पे इस तरह स्वेज नहर को पार करते हुए दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं और हम जा सकते हैं आपका दक्षिण पूर्वी एशिया अब दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा हो गया ये हो गया आपका पूर्वी एशिया और ये दक्षिण पूर्वी एशिया यहां पर जाना हो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है इस तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया जाना है आपको यहाँ पर जा सकते हैं आपको यहाँ पर जाना है यहाँ जा सकते हैं आपको इंडिया में जाना है तो आप भारत देश में भी पहुंच सकते हैं आपको म्यांमार जाना है तो आप इसी मार्ग से जाए कहां पर पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात हो रही है समझ मारा आपको जाना है जैसे आपको यहां पर पहुंचना है कहां पर चाइना है तो आप इसी मार्ग से होते हुए इस तरह से पहुंचेंगे ठीक है तो अधिक अधिक देशों को और लोगों को यह सेवाएं प्रदान करता है तेज नहर खुल जाने से इन इन देशों के बीच में यानी कि मान लीजिए पहले भूमध्य सागर का जो व्यापार हुआ करता था वो इस तरह से होता था इस तरह से आपका पश्चिमी अफ्रीका फिर दक्षिणी अफ्रीका और इस तरह से यहाँ पर आपको पहुंचना था पाकिस्तान में या ईरान में या भारत में या फिर म्यांमार में या थाईलैंड में या इंडोनेशिया में या फिर चीन में या फिर फिलीपींस में या फिर जापान में अगर जाना होता था तो क्या करते थे हम इस रूट का इस्तेमाल करते थे इस मार्ग का इस्तेमाल करते थे लेकिन हुआ क्या एक जमाना ऐसा था उन्नीस के समय क्या था आपका जो सुवेद नहर था उसका क्या हो गया वो सुएज नहर खुल गई जब सुएज नहर खुल गई तो इस मार्ग को आप जाइए भूल अब क्या करना होता था भूमध्य सागर से ऐसे ना आकर क्या करते थे इस तरह से हम इस तरह से यहां पर ना आकर कैसे क्या करते थे हम अपना छे हजार 400 किलोमीटर की जो रास्ता थी एक्स्ट्रा हमको तय करनी होती थी वो अब नहीं करनी पड़ती अब हम जो यहां से लेकर यहां तक अगर 6000 से यहां तक का जो उ, मार्ग हुआ करता था उसको नहीं करनी पड़ती अब हम क्या करते हैं यहां से भूमस सागर से बैठे और सुयजनगर नहर को पार करते हुए लाल सागर में पहुंचे और यहां पर जीवूती होते हुए और अरब सागर में हम प्रवेश कर जाते थे और इस तरह से आपका छः किलोमीटर लंबी जो यात्रा थी बिना फालतू की वो अब नहीं करनी पड़ती तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ सुयजनगर नगर नहर खुल जाने से इन देशों के बीच की जो दूरी थी 6400 किलोमीटर कम हो जाती है इसके कुछ प्रमुख बंदरगाह भी हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जैसे कि आपका यहां पर जब आप स्वेज नहर से पहुंचेंगे तो स्वेज नहर भूमत सागर से स्वेज नहर की तरफ प्रवेश करने वाले होंगे तो आपको सबसे पहले पोर्ट सईद दिखेगा उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको पोर्ट अदन दिखेगा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पोर्ट न, मुंबई देखेगा यहाँ पर मतलब बंदरगाह और भी है उसके बारे में मैं बात नहीं करनी है पोर्ट मुंबई देखेगा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ श्रीलंका पहुंच जाएंगे तो कोर्ट को पोर्ट कोलंबो देखेगा तो इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रमुख शहर हैं ये पत्तन है या हम इसको कह सकते हैं बंदरगाह हैं और भी कई सारे हैं जैसे कि आप यहाँ पर मलक्का पहुँचेंगे फिर चीना चाइना में यहाँ पर पहुँचेंगे इस तरह से अलग अलग शहर आप जोड़ सकते हैं चलिए और देखते हैं तीसरा क्षेत्र देखते हैं इसका नाम है उत्तम आशा उत्म तमाशा अंतरिक अंतरीय समुद्री मार्ग समझते हैं यह आपको इस तरह से यहां पर दिख रहा होगा आपका ब्राजील वाले क्षेत्र से आपको दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र से अगर हमें ब्राजील जाना है या फिर अर्जेंटीना जाना है या फिर हमें यहां पर मान लीजिए यहां पर एक देश और है ये बेलनजोला जाना है तो हम किस मार्ग से जाएंगे उत्तम आशा अंतरिक्ष से जाएंगे कहां से अफ्रीका मार्दी थे तो आइए देखते हैं यह मार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों व पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका के ब्राजील अर्जेंटीना नामक देशों से हमें जोड़ता है फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये आपका यूरोपीय क्षेत्र है यूरोपीय देशों को आपका दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्रों से इस तरह से यहां पर ब्राजील है अर्जेंटीना है आपका वेनेजुला है आपका फ्रेंच गुआना है तो इन देशों से आपको तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को जोड़ता है कौन सा उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग ठीक है इसके बाद आपका जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका से हमें पहुंचना है दक्षिण अफ्रीका से हमें ब्राजील जाना है दक्षिण अफ्रीका से इन क्षेत्रों से जैसे आप मान लीजिए अंगोला से हमें ब्राजील जाना है या उरुग्वे जाना है या अर्जेंटीना पहुंचना है तो हम उत्तम आशा मार्ग से हम इस क्षेत्र को या कहें इस यात्रा को सफल बनाएंगे इससे इसके द्वारा यानी कि जो या कहें किसा अंतरि समुद्री मार्ग जो है इसका प्रयोग बहुत कम होता है यानी कि इसके द्वारा बहुत कम यातायात की जाती है चलिए सबसे ज्यादा व्यस्तम कौन सा है उत्तरी अटलांटिक

उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय देशों से एशिया के पत्तन नगरों से है जो मार्ग है जोड़ता है कौन से आप मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका वाले जो क्षेत्र हैं इस तरह से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का ये अलास्का मान लीजिए या कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया राज्य मान लीजिए या फिर मान लीजिए आप यहाँ पर पोर्टलैंड है या मान लीजिए आपको सैन फ्रांसिस्को से एशिया की तरफ जाना है तो आपको इस मार्ग से जाना होगा जैसे कि मान लीजिए इसके प्रमुख पत्तन नगर हैं जैसे कि आपका वैंकूवर सिएटल पोर्टलैंड सेंट फ्रांसिस्को याकोहामा कोवे संघाई सिंगापुर हांगकॉन्ग मनीला फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको कहाँ जाना है आपको यहां पर दिखेगा बैंकूवर ठीक अब बैंक ओवर से हम इस तरह से तो उल्टा रास्ता तय करेंगे नहीं पृथ्वी बोल रहे तो हम घूम के कहाँ जाएंगे इधर आ जाएंगे ठीक है तो मैंने क्या बताया मान लीजिए आपको बैंक ओवर से कहाँ जाना है जापान में याकुआ में जाना है तो आपको ये वाला मार्ग लेना होगा आप इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से ये वाला मार्ग लेंगे और ये यहां पर आ जाएगा ठीक है या फिर ऐसे मान सकते हैं इस तरह से पृथ्वी है और यहाँ पर आपका ये प्रशांत महासागर है ये आपका एशिया वाला क्षेत्र और यह अमेरिका वाला क्षेत्र तो आपको किस तरह से जाना होगा इस तरह से आप जाएंगे इस तरह से ठीक है एशिया में अगर जाना है तो इस तरह से अमेरिका वाले आपको उत्तरी अमेरिका से जाना है या फिर मैक्सिको से जाना है या फिर कैनेडा से जाना है आप इस तरह से यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि तो ये पूर्व होता है ये पश्चिम होता है मैप के उसके हिसाब से ग्लोब के हिसाब से आपको मैं दिखा दू क्योंकि ग्लोब में जो आपका ये है कहाँ पर है हाँ उत्तरी अमेरिका नॉर्थ पैसिफिक पेसिपक पैसिफिक ओशियन तो आपको जब इसमें देखेंगे ना इसमें आप जब ग्लोब देखेंगे अगर आपके पास हो तो यह आपका पूर्वी होगा और ये आपका पश्चिमी होगा यानी कि यह जो ये वाला भाग देख रहे हैं ना ये वाला ये एशिया वाला भाग जो पश्चिमी है और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा पूर्वी कहलाएगा तो आपको अमेरिका से या यूनाइटेड स्टेट से आपको कहां जाना है आपको पहुंचना है कैनेडा में बहुत सॉरी यूनाइटेड स्टेट से आपको पहुंचना है जापान में तो आपको इस मार्ग से जाना होगा उत्तरी प्रशांत महासागरी मार्ग आपको जाना है आपका मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट में आपको नेवादा से जाना है आपको कहां पर फिलीपींस में मनीला में तो आपको इस मार्ग से जाना होगा अब अगर आप जब ग्लोब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैं आपको के के कुछ नगर दिखा देता हूं। आप नगर देख सकते हैं वैंकूवर से आपको याकोवामा जाना है मनीला जाना है तो आप इस मार्ग से जाएंगे पोर्टलैंड यहां पर आप देख सकते हैं सेंट सैन फ्रांसिसको कुछ पत्ता नगर है यहां पर मनीला आ जाएगा आपकी फिलीपींस की राजधानी है हांगकांग एक अलग देश है जो कि चीन के अंतर्गत आता है ठीक है चीन का इस पर अधिकार है छोटा सा देश है बहुत वहां की संस्कृति और चीन की संस्कृति में काफी अंतर है और यहां पर अगर मान लीजिए आपको यूएसए से या फिर अमेरिकी क्षेत्र से किसी शंगाई में आना है तो आपको इसी मार्ग से आना पड़ेगा क्यू क्यूसो योशिमा सुकू जेकाकू ओ ओसाका नागोयाकोमा टोक्यो इस तरह के अगर क्षेत्र में आना है तो आपको उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से आना होगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं ये तो उत्तरी वाला बात कर अब हम दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है यह पश्चिमी यूरोपीय यह पश्चिमी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और पनामा नगर हो नहर होते हुए प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों तक होकर जाया जा सकता है फिर से बता दे रहा हूं मैंने क्या बताया कि ये आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हैं अगर हमें कहाँ जाना है पश्चिमी यूरोपीय देशों को जाना है तो हम इस तरह से यात्रा नहीं करेंगे हमने यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लिया पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे है मान लीजिए तो हमने यहाँ से लिया इस तरह से और हम इस तरह से यूरोपीय देश इधर पढ़ते हैं ये यूरोपीय देश ये है आपका यूरोप है ना इधर तो हम इस तरह से नहीं जाएंगे कि हम इस तरह से पहुंचे और ये इस तरह से हमारा आ रहा है और हम इस तरह से अफ्रीका होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नहीं हमें बहुत दूरी पड़ जाएगी हम किस तरह से जाएंगे हम यूरोपीय देश से हम निकलेंगे और यहां से ऐसे चलते चले आएंगे चलते चले जाएंगे और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यहां पर आपका पनामा नहर में पहुंचेंगे पनामा नहर को पार करते हुए प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाएंगे और प्रशांत महासागर में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आप यहाँ पर प्रवेश जब जैसे करेंगे प्रशांत महासागर में तो आप कहाँ पर आ जाएंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में आ जाएंगे समझ आ गया कहां पर आ जाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में आप कर जाएंगे तो हैं हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है और आपका पनामा नहर अगर प्रवेश कर जाते हैं पनामा नहर को पार कर देते हैं तो हम किन क्षेत्रों से मिल जाते हैं जाके यूरोपीय देशों को भी हमें पनामा नहर के द्वारा ऑस्ट्रेलिया तक जाने का मौका मिलता है चलिए यहाँ पर एक प्रमुख जो बंदरगाह है यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो कि है होनोलुलूलू बोल देते इसको होनो लुलू है इसका नाम तो ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागरी बंदरगाह के बारे में वो प्रशांत महासागरी आपकागरी वो दक्षिण प्रशांत महासागरी समुद्री मार्ग ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ठीक है जी. तो ये हो गया आपका समुद्री मार्ग के बारे में प्रमुख के बारे में चलिए आगे बात करते हैं चलिए आंतरिक जलमार्ग के बारे में बात करते हैं इंटरनल वाटरवेज या फिर इनलैंड वाटरवेज चलिए समझते हैं आंतरिक जलमार्ग पहले हम देख लेते हैं होता क्या है ऐसी नदियां या झीलें जो कि देश के अंदर कहते जैसे भारत देश उसके अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं कुछ बड़ी बड़ी झीलें हैं जिनमें क्या कर सकते हैं नावें चला सकते हैं तो बता ऐसी नदियां ऐसी झीलें जिनमें नावें चलाई जा सकती हैं उनको हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं ऐसी ही नदियां तथा झीलों का प्रयोग आंतरिक जलमार्ग के रूप में हम करते हैं इन मार्गों से आपका कोयला है सीमेंट है इमारती लकड़ी है धात्विक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता जाता है खासकर उन क्षेत्रों में जिनमें अन्य साधन पहुंचे नहीं पहुंचाए नहीं जा सकते या अन्य साधन वहां पर पहुंच नहीं सकते जैसे कि आपका ट्रेन वहाँ पर नहीं पहुँचाई जा सकती और समुद्री जलमार्ग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता या फिर आ, हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पर क्या है जैसे मान लीजिए आपको पता ही अब नदियाँ तो निरंतर बहती रहती हैं बड़े बड़े पेड़ों में से बहती हैं तो वहाँ पर क्या है जैसे कहीं पर कोई खदान वगैरह मिल गई वहाँ से खान वगैरह निकल रही अब भैया वहाँ खुदाई शुरू कर दी अब खुदाई कर दी तो अब भैया एकदम हम वहाँ पर रेल मार्ग तो हम पहुँचा नहीं देंगे सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर खनिज उत्पादन होने लगा है तो ऐसा नहीं करेंगे हम हम क्या करेंगे अगर लग रहा है कि आसपास कोई नदी है तो उस नदी तक पहुंचाने के लिए उस झील तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे एक रे, आ, मार्ग बनवा देंगे या फिर हम आ, सड़क बनवा देंगे तो उससे क्या रहेगा हमें आसानी रहेगी इससे हम लोहा पहुंचा सकते हैं लोहस्क है जो भी हम लोहेस्क मतलब कोई सा भी एस्क धातु का जो एस्क है वहां पर पहुंचाया जा सकता है उससे क्या कर सकते हैं मार्ग से जाकर हम अपने प्रमुख जो नगर है वहां तक पहुंचाया जा सकता है चलिए चलिए समझते हैं प्रमुख वाणिज्यिक आंतरिक जलमार्गों के बारे में बात कर लेते हैं दुनिया के प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे अब कहेंगे भारत के बारे में भारत के बारे में जब पढ़ेंगे जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर के बारे में बात हो रही है तो को ही समझेंगे चलिए पहले, सबसे पहले बात करते हैं डेन्यूब जलमार्ग जो कि आंतरिक या इंटरनल वाटर वेज है तो आइए देखते हैं डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत होगा यहाँ पर इसमें डेन्यूब नहीं दिख रही मैं आप लोगों को डेन्यूब नदी दिखा देता हूँ यहां पर आप लोगों को दिख रही होगी एक नदी जिसको हम कहते हैं डेन्यूब डेन्यूब यहां से ब्लैक फॉरेस्ट वाले क्षेत्र से निकलती है यानी जर्मनी वाले क्षेत्र से और ये यहां पर बहती हुई पूर की ओर बहती है बहती 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 आपका यहां पर अपना पूर की ओर पहुंच के अपना जल गिरा देती है ठीक है ये फिर से बोल दे रहा हूं डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है फिर से बता दे रू यहाँ पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से आपकी डेन्यूब नदी निकलती है और ये पूर की ओर बहना शुरू कर देती है यह यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है फिर से बोल दे रहा हूं डेन्यूब नदी जो है प्रमुख नदियों में से एक है जो कि यूरोप में बहती है यह है अपना ब्लैक सी याद हैं काला सागर में अपना जल गिरा देती है मैं फिर से बता देता हूं यहां से जर्मनी से ब्लैक फॉरेस्ट वाली चीज से निकलती है ऑस्ट्रिया में बहती है स्लोवाकिया में बहती है हंगरी में बहती है क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा पर बहती है इसके बाद सर्बिया में प्रवेश कर जा जाती है और यहां पर रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा पर बहती है और इसके बाद मंगोलिया की सीमा पर आ मालदोबा की सीमा पर आने के बाद ब्लैक में अपना जल गिरा देती है समझ में आ गया इससे यानी कि जो आपका डेन्यूब की जो जलमार्ग है डेन्यू नदी का जो जलमार्ग है इससे आपका गेहूं मक्का इमारती लकड़ी मशीनरी के सामानों को हम क्या करते हैं निर्यात करते हैं दूसरे देशों में समझ में आ गया चलिए चलिए दूसरा जलमार्ग देखते हैं राइन नदी का जलमार्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं यह है आपका नीदरलैंड वाला क्षेत्र नीदरलैंड वाले क्षेत्र से आपकी यहां पर राइन नदी निकलती है नीदरलैंड और बेल्जियम वाली सीमा से इस तरह से यहाँ पर राइन नदी निकले और ये नीचे की ओर बहती हुई लग्जम्बर्ग होती हुई और लक्जम्बर्ग के बाद यहां पर यह आपका ये इस तरह से स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर पहुंच जाती है सॉरी फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर पहुंच जाती है उसके बाद यहाँ पर स्विट्जरलैंड होती हुई और ये यहाँ पर अपना मुहाना बना देती है मैं जूम कर देता हूँ ये आपकी राइन नदी जो है यहाँ से निकलती है आपका बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा से इस तरह से आती आती ये लग्जम्बर होती हुई फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर होती है स्विट्जरलैंड में होती हुई और इस तरह से अपना जल यहाँ पर गिरा देती है ठीक है तो नीदरलैंड के रोस्टरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में एक नगर है उसको हम कहते हैं पर जाएगा आप लोगों को स्विट्जरलैंड बेटा कहां पर है यहाँ पर यहां पर एक स्विट्जरलैंड नामक एक देश है उसमें एक नगर पड़ता है उसको हम कहते हैं बेसल ठीक है तो नीदरलैंड के रोस्टरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल नगर तक सात किलोमीटर लंबे मार्ग में आपकी नावे चलाई जा सकती हैं इस प्रदेश में रायन नदी की जो घाटी है रायन नदी जो है जिस क्षेत्र से निकलती है वहां पर क्या होता है आपका जर्मनी वाले क्षेत्र से निकलती है जो कि रूट प्रदेश से होती भी जाती है इसलिए जो रायन नदी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है तो आई समझते हैं मैंने क्या बताया रूर नदी पूर्व से आकर यहाँ पर एक नदी दिख रही होगी आपकी रूर आ, कहा है बेटा रूर वाला नदी इसमें नहीं दिख रही है आ, 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 ठीक है तो ये है आपकी रूर नदी यहाँ पर रूर नदी जो है आपके पश्चिम पूर्व से आकर राय नदी में मिल जाती है तो मैं फिर से बता देता हूँ ये कोयला क्षेत्र से गुजरने कार्ड या कहें रूर प्रदेश वाले क्षेत्र से गुजरने कार्ड विनिर्माण की दृष्टि से ये यूरोप के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला वाले क्षेत्र से निकलती है तो कोयला का बढ़िया बढ़िया माल निकला खुदाई की और आपके नदियों में जो यातायात के साधन जैसे कोई भी नाव है या फिर छोटा मोटा जो बोर्ट वो क्या बोलते हैं बोट वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें कोयला वगैरह रख के और जहां पर जरूरत है वहां पर वो कर देते हैं कोरियर गया तो यह कोयला से गुजरने छड़े है विनिर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है यह जलमार्ग माना जाता है यह जलमार्ग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है यूरोपीय देशों के लिए ठीक है यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस बेल्जियम नीदरलैंड लक्जमबर्ग के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है मैं फिर से बता देता हूं अब भैया उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर मैंने क्या बताया आपका जो नीदरलैंड है बेल्जियम है लक्जमबर्ग है यहाँ पर जब आप यूरोप का मैप देखेंगे जब आपने हमेशा कहा है आप मैप ले लें आपको अगर पढ़ाई करनी है अगर सिर्फ उल्लू बनाना है घर वालों को और बेवकूफ़ बनाना है तो आप नहीं खरीदें क्योंकि मैंने इस दुनिया में अगर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीका समझा है तो बुक लेते समय अगर कोई सपोर्ट करता है माता पिता भाई बहन अगर कोई कहता है कि पढ़ाई करें और उनने अगर दो रुपए दिए तो जोड़ के तोड़ के कैसे भी करके आप बुक लेने के लिए कंजूसी न करें नहीं तो आपका पढ़ना बेकार है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी समझाने वाला नहीं होता सिर्फ और सिर्फ बुक के अलावा क्योंकि मैंने इस दुनिया में इससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं देखी क्योंकि बुक्स जो होती हैं उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता आपको मैं भी नहीं समझा सकता आपको जब समझ में आएगा ये वीडियो जब बुक भी पढ़ लेंगे इसके साथ इस वीडियो के देखने के बाद बुक भी पढ़ लेंगे तो इस दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं ये जो ज्ञान होता है कि ऐसी चीज होती है जब तक आप मरेंगे नहीं या जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरे साथ रहेगा इसे ना कोई छीन सकता है ना ही इसका कोई बंटवारा कर सकता है ना भाई दोस्त कोई भी नहीं छीन सकता आपसे इसलिए जो साधन है सरल है और बिल्कुल आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं सौ डेढ़ सौ रुपये की बुक आती है एक बार ले लो आपको दसवीं साल तक नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैप में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है बहुत ज़्यादा अगर आपके पैसे हैं ज़्यादा आपके पास तो आप हर साल ले सकते हैं ठीक है समझ में आगे ना तो मैप जरूर लेना ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना है सच में पढ़ना है तो बुक ले लें मैप की एटलस की आती है स्कूल ऑक्सफोर्ड स्कूल करके ऐसी कुछ बुक आती है मैं एक बुक लिस्ट बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट चलिए तो मैं फिर से बताता हूँ यह जलमार्ग जल्मार, स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस बेल्जियम नीदरलैंड और लक्जमबर्ग वाले औद्योगिक क्षेत्रों से जाता है उनको उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है चलिए आगे बात करते हैं बोलगा जलमार्ग के बारे में बात कर लेते हैं बोलगा नदी आप लोगों को पता होनी चाहिए यूरोपीय क्षेत्र और रूस वाले क्षेत्र में आपकी बोलगा नदी बहती है ठीक है तो यह रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है यह ग्यारह हजार दो सौ किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जिसमें ग्यारह हजार दो सौ किलोमीटर लंबे जलमार्ग तक नावें चलाई जा सकती हैं मैं आप लोगों को बोलगा नदी दिखा दूँ, बोलगा ये आपकी बोलगा नदी आ रही है ये इस तरह से बोलगा नदी आपकी आई और कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा देती है ठीक है चलिए तो दिखाई दे रही होगी आपको बोलगा नदी ठीक है चलिए चलिए बात करते हैं आगे दूसरा जलमार्ग चौथा पांचवा देखते हैं ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो कि उसमें दो तीन जलमार्ग हैं जिसमें सबसे प्रमुख है सेंट लॉरेंस जलमार्ग ग्रेट लेक क्षेत्र जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ग्रेट लेक महान झील क्षेत्र जो है वहां पर पांच झीलों का क्षेत्र है जिसमें आपकी आती है सबसे पहले सुपीरियर उसके बाद इरी उसके बाद मिशीगन उसके बाद इरी वो मिशीगन उसके बाद यूरन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हो ऑनटेरियो बोल दे रहा हूँ महान झील क्षेत्र या का ग्रेट लेक एरिया या का क्षेत्र यहाँ पर आपको पांच झीलों का क्षेत्र दिखेगा सुपीरियर मिशीगन ह्यूरन इरी और ऑन्टोरियो ऑंटोरियो जो झील है वहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सेंट लॉरेंस नदी यहां पर निकलती है और मॉन्ट्रियल होते हुए क्यूबेक होते हुए और इस तरह से यहां पर सेंट लॉरेंस अपनी जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी वहां पर अपना जल गिरा देती है किस तरह से रहती है ये इस तरह से यहाँ पर ऑन्टोरियो से निकली और इस तरह से ये यह. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आ, लेक और, आ, ियो है यहां से इस तरह से निकलती है ठीक है समझ में आ गई चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही तो मैंने क्या बताया उत्तरी अमेरिका को वृद्ध झील उत्तरी अमेरिका की वृद्ध झील है यहां का महान झील क्षेत्र जो है उनको सुनहर तथा वेलैंड नहर व इरी नहर के द्वारा आपस में जोड़ती हैं यानी कि जो ये जिले हैं इन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाली यही मार्ग है वहां पर कुछ वो बनाई गई हैं जिसमें सू नहर जिस वेलेंड नहर इरी नहर वेलैंड इरी ठीक है इस तरह की कुछ प्रमुख नहर है सेंट लॉरेंस की नदी जो है व्रत झीलों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग का निर्माण करती है यानी कि सेंट लॉरेंस नदी है यह आपको कां से मिल पहुंचा सकती है समुद्री क्षेत्र तक पहुंचा सकती है क्योंकि यहाँ पर जो पांचों नहरें हैं वो पहुंचे झीलों हैं इनको तो छोटी छोटी नहरों से जोड़ दिया गया एक दूसरे से लेकिन इन नहरों के द्वारा या इन झीलों को हमें कहां पर पहुंचना है इन झीलों से हमें हमें पहुंचना है उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो कैसे जाया जाएगा उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा सेंट लॉरेंस जलमार्ग क्योंकि इन क्षेत्रों से मान लीजिए हमें लेक सुपीरिया से पहुंचना है हमें मान लीजिए हेलीफे पहुंचना है तो किस मार्ग से पहुंचेंगे हम हम इस यहां से पहुंचेंगे किसी भी तरह से नहर लेता लेते लाते और इस तरह से ये जो आप लोगों को दिखा दूंगा जूम करके ये सुप, लेक सुपीरियर है इस तरह से यहां पर नहर बनी है यहां पर इससे जुड़ी है इस तरह से ठीक है तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसके बाद इसमें से ऑन्टोरियो से सेंट लॉरेंस नदी निकल जाती है ठीक है यहां पर यहां, यहां पर दुलित तथा बफेलो कुछ प्रमुख शहर कहें कुछ क्षेत्र यहाँ पर स्थित है मैं आपको दुलुत दिखा दूँ दुलित तो आजा बेटा दुलुत कहां पर है ये आपको सुपीरियर झील है ना तो यहां पर आपको दिख जाएगा दुलुत यहीं पर आपको बफेलो भी दिख जाएगा यहां पर ही यह एक क्षेत्र इसको हम कहते हैं बफेलो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिसिसिपी जलमार्ग अब भैया मिसिसिपी नदी कहा जब मैंने बिस्की नदियों के बारे में बताया था तब मैंने बताया था कि एक नदी है उसको कहते हैं मिसिसिपी मिसिसिपी नदी जो है मिसिसिपी की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मिसिसिपी एक राज्य भी है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ से मिसिसिपी नदी निकली ऊपर से ये इस तरह से यहाँ से बहती हुई नीचे शिकागो होते हुए एलनोइस होते हुए और ये आपका मिश्य होते हुए मश्योरी होने के बाद टेनेसी पहुँचती है टेनेसी के पास में ही ये इसमें एक नदी मिल जाती है उसको कहते हैं ओहायो उसके बाद आगे पहुंचती है ओहायो के पास एक टेनेसी नदी यहाँ पर मिल जाती है उसमें टेनेसी जल विद्युत परियोजना भी एक बांध भी, भी बनाया गया टेनेसी बांध उसके बाद ये आपका अलवामा पहुंचती है अलवामा के बाद मिसिसिपी होते हुए यहाँ पर लुसियाना के पास अपना ये मुहाना बना देती है कौन सी नदी मिसिसिपी नदी इस तरह से ऊपर से नीचे यहां पर आती है और इस तरह से यह इस तरह से अपना जल गिरा देती है ठीक है यह मिसिसिपी ओहायो जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है यूएसए के आंतरिक जलमार्गों को यानी कि आंतरिक भागों को यानी कि यूएसए से जैसे हमें कहां पर जाना है मान लीजिए दक्षिण यहां पर मान लीजिए हमें मोंटाना से हमें कहां पहुंचना है यहां पर जाना है हमें मैक्सिको की खाड़ी में कहीं पर तो हमें किस मार्ग से जाना होगा ये आपका मिसिसिपी से क्योंकि मिसिसिपी आपका कहाँ से शुरू हो जाता है यहीं से शुरू हो जाता है इस तरह से ये इस तरह से ठीक है ये की खाड़ी तक हमें जाना है तो किस तरह से हम पहुंचेंगे मोटाना से हमें पहुंचना है तो ये वाला मार्ग लेंगे या हमें पहुंचना है मान लीजिए हमें ऑरेगौन से, है. तो से है? जाना है तो कहां पर किस मार्ग से जाएंगे मिसिसिपी जलमार्ग से ठीक है चलिए तो ये हो गए आपके आंतरिक जलमार्गों के बारे में जानकारी आगे समझते हैं चलिए आंतरिक जलमार्गों के बारे में हल्की सी एक जानकारी लेते हैं नहरों के बारे में जो कि इनको अगर न पढ़ा आंतरिक जलमार्गों के बाद और या कहीं नहरों के बारे में इन दोनों के बारे में न पढ़ा तो फिर आंतरिक जलमार्ग या फिर जलमार्ग पढ़ना बिल्कुल बेकार है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये नहरें पूछी जाने वाली नहरों में से हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नहरें हैं प्रमुख नहरें जिन नहरों में नौपर्वें का सुविधा दिया गया है या उनमें नावें चलाई जाती हैं आइए देखते हैं नो परवाहन नहरें नहरें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये दोनों नहरें न होती तो आज ये स्थिति आती कि हमें कम से कम 10 से 12 दिन का सफर सिर्फ फालतू में ही करना होता समझ रहे हैं ना दस से बारह किलोमीटर का सफर हमें सिर्फ करना होता वो गाना भी सुना है, तो है।, है किलोमीटर किलो बहुत सारी परेशानियां होती आइए समझते हैं इन दोनों नहरों को इनमें से एक है सुज नहर और दूसरी है पनामा नहर आपको मैं हल्का सा यहां पर जानकारी दोनों को हम लोग बारी बारी समझेंगे ठीक है ये दोनों नहर है पूर्वी तथा पश्चिमी विश्व को दोनों के लिए प्रवेश द्वार का काम करती है यानी कि पूर्वी विश्व के लिए और ये पश्चिमी विश्व के लिए क्या करती है ये प्रवेश द्वार का कार्य करती है आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि अगर स्वेज नहर या फिर अगर न माने जब स्वेज नहर नहीं थी तब क्या स्थिति हुआ करती थी तब ये स्थिति होती थी कि मान लीजिए आपको यूरोप से या कहीं इंग्लैंड से कहां आना था भारत या फिर मान लीजिए इंडोनेशिया आना था तो आप इस तरह से आते थे ये इस तरह से ये 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 इस तरह से यहां पर आते थे और यहाँ पर ये इस तरह से आया करते थे तो कितना हमें घूम कर आना पड़ता था आप अंदाज लगा सकते हैं कम से कम छः हज़ार सात हज़ार किलोमीटर से लेकर कम से कम दस दस हज़ार किलोमीटर तक की कि हमें दूरी तय करनी पड़ सकती थी यानी कि पड़ा करती थी क्योंकि अगर इंग्लैंड से भारत आना है तो थोड़ी कम है लेकिन इंग्लैंड से जाते इंडोनेशिया आना है या पूर्वी चीन वो चीन में पहुंचना है या फिलीपींस पहुंचना है तो हमें कम से कम दस से ग्यारह किलो ग्यारह किलोमीटर क्या करनी होती थी फालतू की यात्रा करनी हुआ करती थी ठीक है और 6400 किलोमीटर तो मिनिमम हुए हुआ ही करती थी लेकिन जब सुयज नहर खुल जाती है या नहर का जब निर्माण हो जाता था तो हम क्या करते थे यहां से नीचे उतरे बहुमत सागर में प्रवेश कर गए और सुयज नहर से लाल सागर में पहुंचे लाल सागर में पहुंचने को आदन की खाड़ी और इस तरह से अरब सागर की खाड़ी में बोल सॉरी अरब सागर में और इन तरह से इंडियन ओशियन इनकी हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आप आसानी से रास्ता तय कर सकते हैं ठीक है तो हुआ क्या कि आपका अठारह में ये आपका यहाँ पर बन के ये ने तैयार हो गई उसके बाद क्या था आपका कम से कम 6400 किलोमीटर तक की जो यात्रा थी फालतू आपको करनी होती थी वो नहीं करनी पड़ती है ठीक है अब अब दूसरी तरफ आ जाए अब मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था मान लीजिए आपको अमेरिका से जाना है यहाँ पर मान लीजिए ये मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को है ठीक है कैलिफोर्निया के पास में सैन फ्रांसिस्को पड़ता है तो सैन फ्रांसिस्को से मान लीजिए हमें पहुंचना था यहाँ पर ब्राजील में तो हमें कैसे जाना होता था इस तरह से ये पूरा पार करते हुए समुद्र के मार्ग से बात कर रहा हूँ इस तरह से और ये कम से कम आठ से नौ हज़ार किलोमीटर की एक्स्ट्रा यात्रा करने के बाद आप यहाँ पर ब्राजील वाले क्षेत्र में या कहें बेनिज़ेला पहुँचे तो ये क्या हुआ करता बहुत बड़ी एक दुखद बात हुआ करती थी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी तो जब ये नहर बन जाती है पनामा उन्नीस में तो ये भी परेशानी खत्म हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुज नहर आपका मेरेडियन सी भूमद सागर और यहाँ पर देख सकते हैं रेड सी ये आपकी छोटी सी स्वेज कैनल या सुज नहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरिबियन सी है और ये यहाँ पर एक छोटा सा नहर बनी हुई है जिसको हम कहते हैं पनामा नहर आइए एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सुएज नहर के बारे में जो कि नौ परवेन के लिए प्रसिद्ध है सबसे महत्वपूर्ण नहर है आइए समझते हैं इस नहर का निर्माण की रहने वाले फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वाले थे इन्होंने क्या किया काफी सोच विचार करने के काम काफी पहले शुरुआत कर दी और करते करते पूरा प्रस्ताव वगैरह रखा और शुरुआत कर दी इनके काम की काम की शुरुआत की थी इन्होंने 25 सितंबर अठारह में अठारह के बाद 10 साल तक इन्होंने काम करवाया और 10 साल तक सितंबर आते आते अठारह की सितंबर आते आते इनका काम समाप्त हो गया और 17 नवंबर अठारह में इससे यात्रा होनी शुरू हो गई थी तो दस साल के अंतराल में ये जो नहर थी बनकर तैयार हो जाती है तो मिस्र के मिस्र है आपका यहां पर आप देख सकते हैं मिस्र के उत्तर में आपका पोर्ट सईद और मिस्र के दक्षिण की ओर अगर बढ़ेंगे तो पोर्ट सुज है ठीक है तो आइए समझते हैं दोनों को मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद सहीद मिस्र के दक्षिण में पोर्ट सुज है और पोर्ट और पोर्ट आपका पोर्ट सुज और पोर्ट पोर्ट आपका सईद के दोनों के बीच में आपका भूम सागर तथा लाल सागर स्थित है तो यह है आपका लाल सागर और यह है आपका भूमत सागर सागर तो भूमत सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण करवाया गया था जिसको हम क्या कहते हैं स्वेज नहर कहते हैं तो भूमत सागर तथा लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था इस नहर की लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो एक किलोमीटर यह नहर लंबी है इस नहर को से हर रोज कम से कम सौ जलियान आते जाते हैं इस पर इस इसे पार करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगता है क्योंकि काफी ट्रैफिक वगैरह रहता है इसलिए 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है नॉर्मली पार करने में क्योंकि मैं एक बार गया था तो मैं अपनी साइकिल ले गया था इस नहर में तो मैंने पार करते करते साइकिल मतलब नहर में तो नहीं थी साइकिल जो थी मेरी उसके ऊपर थी बोट के ऊपर जो पार करते करते कम से कितना समय लगा दस से बारह घंटे चलिए आगे बात करते हैं दूसरी नहर देखते हैं पनामा नहर के बारे में तो एक नज़र में आप लोगों को पहले मैं यहाँ पर जूम कर दूँ मैप एक नज़र में आप लोगों को डलवा दूँ मैप में ये आपका जो मेरीडियन सी यानी कि जो आपका मोहन सागर है वहाँ पर आपको दिख जाएगा पोर्ट सईद और यहाँ पर नीचे चलते चले जाएंगे चलते चले, 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 चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो लाल सागर है ना यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोर्ट सूच ठीक है चलिए तो चलते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा पोर्ट सईद और ये पोर्ट सूच ठीक चलिए चलिए आगे बात करते हैं पनामा नहर के बारे में बात करते हैं जो कि स्वेज नहर के बाद दूसरे नंबर पर आती है इंपॉर्टेंट के मामले में चलिए समझते हैं यह नहर यह है आपका पूर्व और यह है आपका पश्चिम यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है फिर से बता देता हूँ यह पूर्व में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ती है जो कि पश्चिम में है ठीक है इसका निर्माण 1914 में ओ, किया गया था यूएसए के द्वारा यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण 1914 में किया गया था इसकी जो लंबाई है वो आपकी 77 किलोमीटर है इस नहर से न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को बीच में लगभग तेरह हजार किलोमीटर की दूरी कम हो गई फिर बोल दे इस नहर के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क के बीच में लगभग कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय कम हो गई तेरह हजार किलोमीटर की दूरी कम हो गई इस नहर का आर्थिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना कि स्वेज नहर का है लेकिन फिर भी दक्षिणी अमेरिका के लिए यह बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के लिए तो बहुत महत्व रखता है क्योंकि भले स्वेज नहर जितना इसमें वो व्यापार ना होता हो लेकिन फिर भी आपका दक्षिण अफ्रीका वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दोनों प्रेम संबंध सॉरी संबंध रखने के लिए काफी अच्छा है चलिए आगे बात कर लेते हैं एक दो नहर और देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो कि आपकी यूरोप की नहरों के बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं एक दो नहर है उसको देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं कील नहर के बारे में कील नहर पूछी जाती है यह जर्मनी में स्थित है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है आइए मैं जूम कर देता हूं कील नहर को यह आपका जर्मनी है बेटा आजा हाँ जर्मनी में मैंने कौन सा बताया यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर है ठीक है कौन सी नहर कील नहर ठीक आइए दूसरी नहर देखते हैं दूसरी नहर है बोलगा बोलगा जो है रूस में है स्थित यह नहर यह आपकी रोबो रोस्तोव रोस्तोव से बोलगा गिराद को जोड़ता है अब भैया रोस्तोव कहां है ये आपका यहां पर दिख जाएगा बोलगा नहर बोलगा नहर रोस्तोव को किससे जोड़ता है आपको बोलगा ग... बोलगा को रोस्तोव से जोड़ता है ये नहर के बारे में बात कर लेते हैं एक नदी भी है लेकिन हमें यहां पर नहर के बारे में बात करना है ये आपका पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ये जो नहर है आपको ये जो नहर है उत्तरी सागर को उत्तरी सागर यहां पर देख सकते हैं उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है ठीक है यहां पर उत्तरी सागर से काला सागर को जोड़ती है तो ये हो गई आपकी नहर जो भी थी जरूरी ठीक है चलिए बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में या सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल के बारे में आइए समझ लेते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में हम किसी जानकारी लेंगे ऊपरी ऊपरी क्षेत्र में तय रहेंगे ज्यादा ग्यारह में नहीं जाएंगे जितनी जरूरत तो है उतनी इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हैं है जनजातियों चलिए मानव की उत्पत्ति देखते हैं इंसानों का पहला पूर्वज आज से साढ़े छह करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में रहता था यह इंसान की तरह बिना वाला कपी था बंदर नहीं कहेंगे कपी कहेंगे ठीक है चलिए प्रजातियों का वर्गीकरण देख लेते हैं कुछ प्रजातियां है जैसे कि आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप ईस्ट यूरोप साउथ यूरोप तुर्की ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान नॉर्थ इंडिया इंडिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिडिल ईस्ट इस तरह के आपके क्षेत्रों में कुछ प्रजातियां हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो देखते हैं पॉके साइड प्रजाति या इसको काके साइड भी हम पढ़ते हैं स्वेत्र प्रजाति भी इसको कहते हैं यूरोपाइड भी कहते हैं इसको काकेशियन रेस भी कहते हैं ये ध्यान रखना प्रजाति और रेस भी इसको कहा जाता है बर्ग और रेस इनको दोनों में हम रख सकते हैं चलिए देखते हैं यह प्रजाति जो है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है विश्व की आधी जनसंख्या इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है ये उत्तरी यूरोप में क्षेत्र अब उत्तरी यूरोप कौन सा क्षेत्र है ये आपका उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी एशिया अब भैया दक्षिणी पश्चिमी एशिया कौन सा है ये आपका दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी एशिया मध्य यूरोप में भी मध्य यूरोप वाला क्षेत्र में भी यह बहुत अधिक है यूरो उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर गर्मी ज़्यादा पड़ जाएगी उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर कुछ ये प्रजातियां मिलती हैं यानी कि यहाँ पर कुछ लोग पाए जाते हैं इनका रंग की बात की जाए तो एकदम सफ़ेद ऊंची और पतली नाक सामान्य से ऊंचा कद और गहरी नीली आंखें कभी कभी भूरी आंखें हो जाती हैं कभी कभी ये हरी हुई आँखें इनकी हो जाती हैं कभी कभी मिल जाएगा देखने को चलिए दूसरा प्रजाति देखते हैं उसका नाम है मंगोलॉइड मंगोलॉइड प्रजाति कौन क्षेत्र में पाई जाती है इन ये मध्य तथा पूर्वी एशिया मध्य कौन सा है ये आपका मध्य एशिया और ये है आपका पूर्वी एशिया मध्य तथा पूर्वी एशिया में ये प्रजातियां आपको देखने को मिल वाला चीन वाला क्षेत्र इस तरह की ठीक है इनके थोड़ी सी पहचान के बारे में बात करें तो ये इनका सिर चौड़ा ठीक है सिर चौड़ा कपाल जो होता है जो जो हड्डी वाला अंदर का जो ढांचा होता है कपाल छोटा नाक ऐसी कभी कभी तो होती भी नहीं इनकी नाक या फिर सीधी होगी बिल्कुल रंग इनका थोड़ा पीला होगा आंखें होती, है इनकी छोटी होती है, कभी कभी इनकी होती भी नहीं है दिखती भी नहीं हमें तो ये चाइनी होते हैं हैं होती है। बाल इनके सीधे होते हैं सीधे मतलब कांटेदार बाल होते हैं मतलब इनके जो बाल अगर कटवा के बड़े ज्यादा करके और आप बाड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं इससे जानवर वगैरह नहीं आएंगे इतने सीधे इनके बाल होते हैं मतलब एकदम खड़े कांटे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी की एकदम डिजाइन बन रही है बालों की इनके घुंगा लेकिन इनकी कैसी है सीधी आ रही है इस तरह से तलवार जैसी चलिए ये हो गया मंगोलाय के बारे में कौन से क्षेत्रों जितना पाया जाता है एशिया में और पूर्वी वो ईस्ट एशिया में और आपका मध्य एशिया में चलिए निग्रोइड प्रजाति के बारे में बात कर लेते हैं यह इंसानों की पहली प्रजाति है यानी कि जब इंसानों का क्या हुआ था इंसानों का जब आ, मैंने बताया था शुरुआत हुई थी तब सबसे पहली जो प्रजाति है आपकी निग्रोइड प्रजाति पाई जाती थी ठीक है जो कि आपका आ, बिना पूछ वाला कपी हम इनको कह सकते हैं चलिए समझते हैं एक एक करके इंसानों की ये पहली पे जाती है इनका मूल स्थान जो है वह अफ्रीका तथा ओशिनिया वाले क्षेत्र में अब भैया ओशिनिया कौन सा है ओशिनिया मतलब एशिया ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास के जो द्वीप है उन सबको सम्मिलित रूप से ओशिनिया कहते हैं ये अफ्रीका तो आप जानते ही हैं ठीक है चलिए इनका रंग की बात अगर कर ली जाए तो रंग कभी कभी बिल्कुल काला मतलब दिन में भी नहीं दिखते हैं ये कभी कभी और कभी कभी ये भूरे और कत्थई भी हो जाते हैं बाल इनके घुंगाले होते हैं और मजबूत शरीर होता है नाक इनकी चौड़ी होती है कभी कभी तो इनके पूरे शरीर पे नाकी नाक ही नाक दिखती है इतनी बड़ी हो जाती है ठीक है नाक चौड़ी होती है ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं इनको दो भागों में बांटा जा सकता है सबसे पहला है अफ्रीकी निग्रोइड यानी कि जो बिल्कुल काले होते हैं ठीक है ये अफ्रीका में पहले जो कि स्थानीय जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है जैसे कालाहारी बुस्मैन है बेसिन बेसिन जायरे में आपकी, आपकी पिग्मी मिल जाएगा ठीक है इसके बाद दूसरी जो प्रजाति है उसको हम कहते हैं एशियाई निग्रोइड एशिया क्षेत्र में जो पाई जाती है एशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्र में इनको भी हम दो भाव में मानते हैं एक तो वो जो कि भारत जैसे क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि सबसे पहली है द्रविड़ प्रजाति जो कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है और दूसरी प्रजाति जो है वो है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति हमारे बारे में पूछा जाता है कि हम किस प्रजाति से संबंध रखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति या हम इसको हम कह सकते हैं एशियाई निग्रोइड या हम अफ्रीकी निग्रोइड प्रजाति हम कह सकते हैं अपने आप को ठीक है चलिए चलिए दूसरा देखते हैं मैंने क्या बताया दक्षिणी द्रविड़ प्रजाति जो कि आपकी एशियाई निकलॉयड से ही संबंधित है दूसरी प्रजाति जो है ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है दक्षिण पूर्वी एशियाई एशिया में और आपका ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में तथा दक्षिण भारत में ये प्रजाति निवास करती है यहाँ पर आपको कुछ दिख भी जाएगा इस तरह के ये लोग ये दक्षिण भारत के कुछ लोग हैं चलिए चलिए बात करते हैं जनजातियों के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का वो इस, इस चैप्टर का जो मैंने बताया कि ज्योग्राफी है मानव भूगोल और उसकी मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल तो आइए देखते हैं सबसे प्रमुख है यहाँ पर जनजातियों के बारे में बात करेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और उनका जो स्थान है वहाँ बात करेंगे एक एक करके समझेंगे पहले यूरोप की यानी कि एशिया की फिर यूरोप की फिर दक्षिण वो अफ्रीका की फिर दक्षिण अमेरिका की फिर उत्तरी अमेरिका की इस तरह से हम महाद्वीपों के आधार पर हम इनके बारे में जानकारी लेंगे सबसे पहले बात करते हैं एशिया की प्रमुख जनजातियाँ क्योंकि इससे आसानी रहेगी समझने में हमें चलिए सबसे पहले जो जनजाति है उसको हम बात करेंगे कागाय कागाय निन कागाय निन ठीक है तो आइए देखते हैं ये आपकी दक्षिण यहाँ पर फिलीपींस वाला जो देश फिलीपींस देश है वहाँ पर जो दक्षिणी द्वीप है उसको कहते हैं मिंडाओ मिंडाओ द्वीप है यहाँ पर तो फिलीपींस के मूल निवासियों को हम कागायन कहते हैं ठीक है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं फिलीपींस में ये यह मिंडाओ यहां पर क्षेत्र है यहां के मूल निवासी ये कहलाते हैं ठीक है दूसरी जनजाति आइनू हम इसको कहते हैं ये जापान के जापान में रहने वाली या कहें जापान में पाई जाने वाली जनजाति है यह जापान के मूल निवासी है यानी कि वहां के हमेशा से रहने वाली जो जनजाति कौन सी थी आपकी आइनू ठीक यहां पर जनजातियों की मैंने इमेज भी लगा रखी है जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप ये है आपकी आइनू कहां है बेटा आइनू आइनू ये जापानी आइनू जनजाति है मैं जूम करके दिखा देता हूँ ये ठीक है चलिए सेमांग के बारे में अगर बात की जाए तो सेमांग आपकी मलेशिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है मलेशिया कहां पर यहाँ पर यानी कि थाईलैंड के ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मलेशिया मलेशिया में कौन सी है शेमांग ठीक ये आपकी मलेशिया की जनजाति है शेमांग तीसरी चौथी देखते हैं चांगपा चांगपा आपकी तिब्बत और लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलती है जो कि यहाँ की ये यह है तिब्बत और लद्दाख वाला क्षेत्र इसके बाद बात करते हैं बद्दू बद्दू जो है इनको हम वेदवन भी कह देते हैं वद्दुन या बेदू या बद्दू ठीक है यह अरब की प्रमुख जनजाति है जो कि सऊदी अरब में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर ठीक तीस छठवीं जनजाति देखते हैं वो है कजाक कजाक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी ये है आपकी कजाक ठीक मध्य एशिया में मध्य एशिया कौन सा है आपका कजाकिस्तान तजाकिस्तान चीन वाला क्षेत्र यहां पर किनारे में अगर देखेंगे उज्बेकिस्तान और आपका तुर्की वाला जो क्षेत्र है ये यहां पर पाई जाती है कुछ भाग रूस में भी आ जाता है ठीक है तो फिर से बोल दे रहा हूं कजाक जो है मध्य एशिया में मिलती है कौन सी कजाक ठीक चलिए बात करते हैं कालमुख के बारे में कालमुख भी आपका मध्य एशिया में मिलती है लेकिन कौन से क्षेत्र में खासकर मिलती है यूक्रेन तथा कुछ भाग इसमें रूस का भी शामिल कर लिया जाता है रूस में भी ये कुछ इक्का दुक्का जनजातियां मिल जाती हैं कौन सी कजाक वो कालमुख ठीक है अब यहां पर मैं जनजातियों को एक नजर डलवा देता हूं ये आपकी कांगयान कागाएन यहां पर है आपकी आइनु ट्रैक्स ये है आपकी बद्दू या वेदू यहां पर है आपकी कजाक्स ठीक है ये आपकी चांगपा और ये आपकी सेमंग ये है आपके कालमुख ठीक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चलिए यूरोप की प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ याकूत जनजाति आपका चुक्ची जनजाति आपका लेप्स या सामी तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियों को देख लेते हैं तो देखते हैं ये जो जनजातियाँ हैं लेप्स या सामी सबसे पहली है यह उत्तरी स्कैंडेवियन क्षेत्रों में उत्तरी रूस के प्रायद्वीप में ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं मैं फिर से दिखा देता हूँ उत्तरी अगर क्षेत्र में जाएंगे तो नॉर्वे और स्वीडन वाला क्षेत्र पड़ेगा यहाँ पर कोला प्रायद्वीप आप लोगों को दिख रहा होगा ये लेप्स लैंड भी आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में लेप्स जनजाति इसलिए इसको लेप्स लैंड कहते हैं ठीक है समझ में आ गया तो ये जो लेप्स जनजाति है या सामी जनजाति है इनका जो इनकी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं ये जनजातियां मत्स्य संग्रहण रेंडियर पालन और शिकार शिकार से अपना जीवन यापन करते हैं मत्स्य पालन का मत्स्य संग्रहण मतलब मछली पकड़ना मछली का संग्रहण करना मतलब इकट्ठा करना और उनप रेंडियर पालन का रेंडियर पालन करना रेंडियर का पालन करना रेंडियर एक कुत्ता का नाम होता है ठीक है और आपका शिकार करना इस तरह से अपना ये जीवन यापन करते हैं कौन लेप्स या सामी दूसरी जनजाति देख लेते हैं चुगची चुगची यहां पर आपकी चुगची दिख रही होगी ये साइबेरिया साइबेरिया के लोगों को चुगची कहते हैं फिर से बोल दे रहा हूं साइबेरिया के लोग जो चुकची प्रायद्वीप में रहते हैं उनको चुकची क्या कहते हैं चुकची आ... जनजाति के नाम से जाना जाता है अब साइबेरिया कहा है ये हाँ पर आप देख सकते हैं यह है साइबेरिया है आपके जो उत्तर पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र पर एक पड़ता है उसको कहते हैं तुर्की तुर्की के आसपास के क्षेत्र में जो पशु चार करने वाली जनजाति होती है और शिल्प का व्यापार करने वाली जो जनजाति होती है उसको हम याकूत कहते हैं यहां पर देख रही होगी आपको चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां जो कि बहुत जरूरी है जानना आइए बात करते हैं यहां पर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ पिग्मी ट्राइब्स यानी कि पिग्मी जनजाति हौसा जुलू और ये है आपकी यहां पर मसाई ठीक है आइए समझते हैं जुलू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल प्रांत के बन बांटूवासी लोगों को हम क्या कहते हैं जुलू कहते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं यह आपका दक्षिण अफ्रीका वो अफ्रीका महाद्वीप माध्यप दक्षिण अफ्रीका देश यहाँ पर एक प्रांत है या कहीं एक, एक, एक राज्य है जिसको हम कहते हैं नेटाल प्रांत तो नेटाल में जो बांटू भाषी लोग यानी बांटू भाषा को जो बोलते हैं जैसे कि हिंदी भाषी लोगों को कोई को जनजाति का नाम देते हैं तो बांटू भाषी लोगों को हम जूलू कहते हैं उलू नहीं जूलू कहते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे जूलू ट्राइब्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मसाई पूर्वी अफ्रीका में ये घुमक्कड़ प्रजाति की घुमक्कड़ एक जनजाति है क्या नाम है इसका मसाई जो कि पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका कौन सा होता है ये वाला पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र है इसमें हम कुछ देशों के खास खासकर कर सकते हैं जैसे केन्या युगांडा और टांगा निका मैं आइए मैं दिखा देता हूं केन्या आपका युगांडा और तंजानिया यहाँ पर टांगा निका भी एक क्षेत्र है नदी का जो किनारा है वो नदी की जो घाटी है टांगा निका नदी की वहां पर ठीक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पिग्मी के बारे में बात कर लेते हैं पिग्मी जो है जायरे बेसन या हम इसको कांगो नदी का बेसन भी कह देते हैं क्योंकि नाम बदल गया है वर्तमान में इसको हम कांगो कहते हैं तो पिग्मी जनजाति आपकी कांगो नदी के बेसन में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है ठीक है कौन सी पिग्मी यहां पर देख सकते हैं पिग्मी उसके बाद बात करते हैं हाउसा हौसा भी कहीं मिल जाएगा कहीं हाउसा भी मिल जाएगा कहीं हौसा मिल जाएगा लिखा हुआ तो आपको फीलिंग के हिसाब से समझ लेना है कि ये हाउसा है चलिए देखते हैं ये कौन से क्षेत्र में मिलती है नाइजीरिया अब भैया नाइजीरिया कहाँ है आइए मैं नाइजीरिया दिखा दे देता हूँ यह नाइजीरिया चलिए और देख लेते हैं बुस्मैन के बारे में बात करते हैं बुस्मैन जो है दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं जो कि, जो कि बोस्तवाना क्षेत्र में खासकर पाया जाता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कालाहारी मरुभूमि मर या मरुस्थल है यहाँ पर जो बोस्तवाना नामक एक देश है इन क्षेत्रों में आपकी पोर बुस्मैन नामक जनजाति प्रमुख रूप से मिलती है भयंकर दौड़ धावक होते हैं यानी बहुत अच्छा खाता ये दौड़ते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीग्रो के बारे में तो नीग्रो जो जनजाति है मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में मिल जाएगी मध्य अफ्रीका कौन सा हो जाएगा ये मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं फुलानी के बारे में फुलानी जो है पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है पश्चिमी अफ्रीका कौन सा ये आपका पश्चिमी अफ्रीका कहलाएगा इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं नाइजीरिया साहिल वाला क्षेत्र साहिल आप लोगों को मिल जाएगा ये आपका साहिल वाला क्षेत्र है पूर्वी सूडान ये सूडान है सूड का ये पश्चिम पूर्वी और ये पश्चिमी तो पूर्वी सूडान में ये जनजाति आप लोगों को खासकर मिल जाएगी इसका नुबा नाम की जो जनजाति है वो आपकी सूडान में मिल जाएगी सूडान कौन सा ये है? ठीक है तो यहां पर आपको मिल जाएगी नुबा ये है आपकी फोलानी है आपकी निग्रो और ये है आपकी बुस्मैन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका महाद्वीप की जिसमें हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को हम शामिल करेंगे तो अमेरिका की प्रमुख जनजातियों को देखते हैं सबसे पहले ये रेड इंडियंस रेड इंडियंस जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, जो आकार में मंगोलाइट प्रजाति से काफी मिलते जुलते हैं यह नाम कोलंबस ने दिया था फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो इन रेड इंडियंस जो जनजाति है यह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं इनका जो आकार और जो इनकी सबल सूरत थोड़ी सी मंगोलाइट जो लोग होते हैं उनसे मिलती है इनका जो नाम रेड इंडियंस रखा गया था वो कोलंबस के द्वारा रखा गया था जो कि एक यूरोपीय थे होता क्या है कि मैं जो थे इंडिया की खोज करने निकले इंडिया की खोज करने जब कोलंबस निकले तो भैया यात्रा करने लगे समुद्री यात्रा करते 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 उन्हें जब देखा कि यार हम एक महाद्वीप पर तो पहुंचे लोगों ने बताया था कि इस तरफ से जाएंगे तो आप इंडिया पहुंच जाएंगे वहां पर इंडियंस आप लोगों को मिलेंगे जब उनने वहां सकल देखी तो भैया वहां पे उन्होंने कहा कि जो हमें इंडियंस की जो मैंने सकल सूरत थोड़ी सी चमड़ी बताई थी वो थोड़ी सी भूरे कलर के थोड़े कत्थई कलर के होते हैं और थोड़ा कम कद थोड़ा वैसा होता है तो उनने देखा यार ये तो चॉकलेट ही चॉकलेट ही नहीं है ये तो एकदम रेड है यानी कि लाल लाल एकदम गोरे गोरे रखे हुए तो उनने इन लोगों को यानी कि जो यहाँ की जो जनजाति थी प्रमुख रूप से जो रहती थी उसको क्या कहा रेड इंडियंस कहा ठीक है किसने कहा कोलंबस ने चलिए दूसरी जनजाति देख लेते हैं एक्सिमो एक्सिमो जो है आपकी कैनेडा में ग्रीनलैंड में और टुंडरा प्रदेश में प्रमुख रूप से मिलती है एक्सिमो जो जनजाति होती है यह इग्लू इग, इग, नाम का एक या एक बर्फ का घर बनाती है जिसको हम इग्लू कहते हैं कभी कभी आपको इग्लू जनजाति भी मिलेगी जो कि बिल्कुल गलत है इग्लू कोई जनजाति नहीं होती इग्लू एक घर होता है जो घर बनाते हैं जो एक्सिम लोग उसको कहते हैं हम इग्लू ठीक है बर्फ बर्फ के घर से बने हुए को क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं इसके बाद बात करते हैं एलेट्स एलेट्स जो है अलास्का में पाई जाती है कहां पर है ये अलास्का में ठीक इसके बाद बात करते हैं हो ठीक है हो जो है यूएसए के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों को कहते हैं हो यहां पर आप देख सकते हैं ओलंपिक पेनुस्यूला ठीक है तो ओलंपिक हो कहां पर मिलती है ओलंपिक प्रायद्वीप में इसके बाद मापचो के बारे में बात की जाए तो मापचो उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में मिलती है उरुग्वे अर्जेंटीना कहां है मैं आपको उरुग्वे अर्जेंटीना दिखा देता ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना ठीक है तो यहां पर जनजातियों को मैंने बना भी दिया है एक्सिमो एलिट एलेट, एलेट्स रेड इंडियंस और ये है मापचो और हो चलिए ऑस्ट्रेलिया की जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहली जनजाति है जो आपका है विरा दु जूरी ठीक है आप कुछ भी पढ़ सकते हैं बायरा दु जूरी जो भी पढ़ना चाहें ठीक है तो ये जो जनजाति है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है खासकर ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में टपीरो टपीरो ट्राइब या टपीरो जनजाति जो है वह न्यू गिनी में मिलती है न्यू गिनी कहाँ है ये आप न्यू गिनी मिल जाएगी पापुवंश जो लोग हैं पापुवंश जो ट्राइब्स है वो न्यू गिनी के मूल निवासी हैं पापुआ के <coughs> मूल निवासी हैं यहाँ पर मिलेगी एयरबोजिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं ठीक है समझ में आ गया माओरी जो जनजाति है वो आपकी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं ठीक है पापुवंस जो है बहुत खतरनाक जनजाति बोली जाती है बताते हैं कि इनके जैसे मेरा आइडिया है जो मैंने सोचा जो यहाँ पर इनके जो रिश्तेदार हैं इनकी रिश्तेदार की दावत आई थी इनके पिताजी की दावत आई थी कि ऐसे ऐसे बगल में बापर सिस्टम हो रहा है तो बोला कि पिताजी को भी लेके आना तो ये क्या करते हैं जैसे इनके कोई रिश्ते रिश्तेदार मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं उनकी सुखा लेते हैं उन्हें सुखा के उन्हें उन्हें उसके ऊपर कुछ केमिकल वगैरह लगा लु के उन्हें धूप में रख के सुखा लेते हैं जब दावत दावत का टाइम आया तो जैसे पिताजी का ना आया तो सिर्फ पिताजी को लेके जाएंगे और अगर पिताजी का नहीं आया तो उन्हें घर पे छोड़ जाते हैं क्योंकि तो सब लोग जाते हैं तो पिताजी को भी दावत में ले जाना उनका फर्ज बनता है क्योंकि बड़े लोगों को ले जाना बहुत जरूरी होता है इसलिए यह क्या 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 करते हैं अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं ठीक है तो इनके ये यहाँ जहाँ तक इंदाज़ पिताजी होंगे क्योंकि ये भाई नहीं हो सकता तो इन्होंने क्या कर लिया इन्हें सुखा के वहाँ पर रख लिया अब ये क्या कर रहे हैं ले जा रहे हैं रिश्तेदारी में रक्षा अच्छा बंधन हो सकता है हो रहा हो तो राखिया की बनवाने जा रहे हो लेकिन बस इतना पता है कि सुखा लिया इनने तो साथियों ये हो गई आपकी प्रमुख जनजातियाँ ठीक है चलिए आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक अंतिम घड़ी आ चुकी है इस पूरे वीडियो की आइए समझते हैं नगरीकरण के बारे में बात करते हैं नगरीकरण या से, शहरीकरण के बारे में इसको हम अर्बनाइजेशन भी कह देते हैं चलिए तो देखते हैं इसको इसमें कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं दो तीन टॉपिक हैं और ये वीडियो का अंत हो जाएगा ठीक है तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नगरीकरण के बारे में विश्व में कुल लोग जो शहर में रहते हैं मतलब शहरों में रहते हैं सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर मैंने यहां पर उन लोगों को रखा है तो दुनिया में सबसे अधिक शहरों में रहने वाली जनसंख्या किस देश में पाई जाती है चीन में कितने लोग रहते हैं इसमें अस्सी करोड़ अस्सी करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार सौ या हम मोटा मोटी इसको कह सकते हैं 80 करोड़ लोग आपके शहर में रहते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या है किसकी चीन की दूसरे नंबर पर भारत देश में शहर में रहने वाले अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक किस देश के लोग शहर में रहते हैं तो वो चीन का उसके बाद अगर चीन न हो तो क्या लगाएंगे इंडिया तो दुनिया में सबसे अधिक शहर में रहने वाले लोगों की संख्या किस देश में पाई जाती है तो वो है आपका चीन में वो भारत में कितने चवालीस करोड़ इसको हम पैंतालीस करोड़ भी कह सकते हैं मोटा मोटी चवालीस करोड़ निन्यानवे लाख चौंसठ हजार पाँच सौ बीस ठीक है तो इतना है तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट चौथे पर आता है ब्राजील पाँचवें पर इंडोनेशिया तो पांच काफ़ी है जानना ठीक है इतना आप लिख सकते हैं अब हम थोड़ी जानकारी के लिए ले देते हैं जापान में फिर उसके बाद रशिया फिर मैक्सिको फिर नाइजीरिया फिर पाकिस्तान पाकिस्तान को भी लिख लेना क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और बहुत खूबसूर खूबसूरत देश है थोड़ा गरीब ज़रूर है बुद्धि से भी गरीब है और पैसे से तो बेचारा भिकारी है ही तो भिकारी देश नहीं बोलेंगे सॉरी मैंने उसकी बेजगी कर दी उसके लिए दिल से सॉरी लेकिन है भिकारी ये पक्का है उसके बाद फिर से मैं सॉरी बोलूँगा चलिए तो पाकिस्तान लिखना है जरूरी है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है खूबसूरत देश है बांग्लादेश भी लिख लेना ठीक है और यहाँ पर चलिए इतने देश हैं जो कि आपके सबसे अधिक जनसंख्या में रहते हैं तो एक नंबर एक पर चाइना नंबर दो पर आपका इंडिया नंबर तीन पर यूनाइटेड स्टेट नंबर चार पर आपका ब्राजील नंबर पांच पर इंडोनेशिया नंबर छह पर आपका जापान और पाकिस्तान लिख ही लेना ठीक है और आपका बांग्लादेश लिख ले लेना देश को मैं हल्के से दिखाई दूं आपको नंबर वन पर आपका चीन नंबर टू पर भारत नंबर थ्री पर आपका यूनाइटेड स्टेट नंबर चार पर आपका ब्राजील नंबर पांच पर आपका इंडोनेशिया नंबर छह पर जापान और और देशों को अगर हम स्किप कर दें तो नंबर सात पर आपका पाकिस्तान और देशों को स्किप करें तो नंबर पर आपका बांग्लादेश चलिए अब बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक देश परसेंट के आधार पर जनसंख्या के आधार पर अगर बात की जाए तो नंबर वन पर आता है चीन नंबर दो पर आता है भारत नंबर तीन पर आता है यूनाइटेड स्टेट नंबर चार पर आता है आपका ब्राजील नंबर पांच पर आता है मैं भूल गया चलिए कोई बात नहीं पीछे देख लेना तो कुवैत सिंगापुर हांगकॉन्ग अर्जेंटीना जापान ब्राजील ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन यूएसए कनाडा, फ्रांस स्पेन मलेशिया ये वो तमाम देश हैं जो कि आपके परसेंटेज के आधार पर यानी कि पूरे देश में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं समझ में आ गया ना तो आइए देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लेना लाइन वाइज नंबर वन पर आपका कुबैत लिखना ही लिखना है नंबर टू पर सिंगापुर हंड्रेड है नंबर तीन पर हांगकॉन्ग हंड्रेड परसेंट नगरीकृत देश है ये अर्जेंटीना आप लिख लेना जापान आपको लिखना पड़ेगा ब्राजील आपको लिखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया आपको लिखना पड़ेगा ब्रिटेन आपको लिखना पड़ेगा और यूएसए लिखना पड़ेगा इसके बाद आ जाते हैं मलेशिया आपको लिखना पड़ेगा आपको साउथ अफ्रीका लिखना पड़ेगा चीन लिखना पड़ेगा इंडोनेशिया भूटान पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत ठीक और म्यांमार उसके बाद नेपाल और श्रीलंका हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको तो हर हालत में लिखना ही लिखना है ठीक है तो नंबर वन पर आपका कुवैत नंबर टू पर सिंगापुर नंबर थ्री पर आपका हॉन्गकॉन्ग उसके बाद भारत से अगर तुलना की जाए तो जो आप तो एशियन देश हैं तो चीन इंडोनेशिया इस तरह से चलिए आइए एशिया के सबसे अधिक नगरी के देशों के बारे में बात कर लेते हैं तो दुनिया में वो एशिया की बात हो रही है कुवैत नंबर वन पर है सिंगापुर नंबर वन पर है हांगकॉन्ग नंबर वन पर है ठीक है यानी कि इनमें से तीन को तीनों में से कोई एक आएगा तीनों नहीं देंगे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अब आता है नंबर दो पर जापान नगरीकृत देश मलेशिया तीसरे नंबर पर चीन चौथे नंबर पर इंडोनेशिया पांचवें नंबर पर भूटान छठवें नंबर पर पाकिस्तान सातवें नंबर पर बांग्लादेश आठवें नंबर पर भारत नवे नंबर पर आपका म्यांमार इस तरह से यहां पर अफगानिस्तान इस तरह से अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं तो यहां से ले लें आप पाकिस्तान बांग्लादेश भारत म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका ये तीन से चार देश दे दिए जाते हैं और इनसे ही भारत की तुलना करके पूछ लिया जाता है ठीक है चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के नगरीकृत देश दक्षिणी अमेरिका के नगरीकृत देश यूरोप के नगरीकृत देश अफ्रीका के नगरीकृत देश ऑस्ट्रेलिया के नगरीकृत देश आइए एक एक करके देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नगरीकृत देश के बारे में बात की जाए सबसे अधिक नगरीकृत देश है अर्जेंटीना और नंबर दो पर है ब्राजील इतना काफी है जानना और भूल जाए सबको सब उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो नंबर वन पर है आपका यूएसए नंबर टू पर है आपका कैनेडा इसके बाद बात करते हैं यूरोप के बारे में यूरोप में ब्रिटेन नंबर वन पर है स्पेन नंबर टू पर है फ्रांस नंबर थ्री पर है और रूस जो है आपका नंबर फोर पर है उथ तो अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक देश को आप रख लीजिए दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में एक रख लीजिए आप केवल ऑस्ट्रेलिया चलिए यहां पर दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया है नगरीकृत देश जनसंख्या के आधार पर नगरीकृत देश परसेंटेज के आधार पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंफ्यूजन आपको हो वो दूर हो जाएगा क्योंकि यहां पर जनसंख्या के बारे में बात की यहां पर मैंने

सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर तो दुनिया में सबसे अधिक नगर में रहने वाले या शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो है आपका टोक्यो याकोहामा नंबर वन में आता है आपका तीन करोड़ पिचासी लाख ठीक है चलिए दूसरे नंबर पर आता है इस, इंडोनेशिया इंडोनेशिया का देश वो इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता कितनी है इसकी जनसंख्या तीन करोड़ तैंतालीस लाख ठीक है उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है नगरीग्रस्त जनसंख्या के आधार पर चौथे पर आता है मनीला जो कि आपकी फिलीपींस की राजधानी है पांचवें पर आता है सियोल जो कि आपकी कोरिया की है उसके बाद मुंबई आता है छठवें पर उसके बाद शंघाई सातवें पर उसके बाद न्यूयॉर्क जो कि जरूरी था उसके बाद साओ पाउलो जो कि दक्षिण अमेरिका में मददीप का भी एक देश शहर लेना था उसके बाद मैक्सिको सिटी जो कि आपका दसवें नंबर पर है उसके बाद बीजिंग बारहवें पर है ढाका तरहवें पर है उसके बाद भारत के दो तीन यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के दे दिए मैंने जो कोलकाता है वो उन्नीस पर है लाहौर तीस पर है बंगलोर है आपका बत्तीस पर है और लंदन जो है पैंतीस पर है जो कि जरना जरूरी था क्योंकि ये सोचेंगे कि सबसे अच्छा दे, देशों में गिनती होती है तो जो लंदन होना चाहिए दूसरे तीसरे पर होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है चलिए अब बात करते हैं लोगों द्वारा बोले जा बोली जाने वाली भाषा के बारे में यानी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें जनसंख्या का परसेंटेज कुल लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और कितने देशों के द्वारा बोली जाती है भाषा और किस देश की ये प्राथमिक रूप से ये भाषा मान्यता वहां प्राप्त है आइए देखते हैं सबसे पहले दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के बारे में अगर बात की जाए तो वो है मदारिन जो कि चाइना की, की प्राइमरी कंट्री है चाइना एक इसके लिए किसके लिए मदारिन के लिए कितने देशों के द्वारा बोली जाती है ये तेरह देशों के द्वारा कितने स्पीकर हैं इसके मिलियन में मैंने दिया है वैसे करोड़ में अगर निकालना है तो दस तो का भाग दे देना करोड़ निकालेगा यानी नौ में अगर करोड़ का भाग देंगे नौ में वो नौ में यहां पर नौ सौ अठारह अरे बेटा सही है नौ सौ अठारह में अगर दस का भाग देंगे तो निकल आएगा आपका नाइनटी वन पॉइंट एट यानी कि मोटा मोटी इक्यानवे करोड़ लोग मदारिन भाषा बोलते हैं कितने परसेंट है कुल जनसंख्या के पूरी दुनिया के ग्यारह ठीक है दूसरे नंबर पर आती है स्पेनिश किस देश की प्राथमिक प्राथमिकता प्रात्मे, प्राप्त स्पेन की यह भाषा है कितने देशों के द्वारा बोली जाती है इकतीस देशों के द्वारा ठीक है कितने स्पीकर हैं इसके मिलियन में तो नाइन फोर्टी सिक्स वो फोर हंड्रेड सिक्सटी यानी चार सौ साठ यानी कि मोटा मोटी छियालीस करोड़ इसके ठीक कितने परसेंट बोलते हैं इसको फाइव पॉइंट सेवन अब परसेंट की यहां पर जरूरत नहीं है अब सिर्फ लोगों की जरूरत है इंग्लिश के बारे में बात की जाए तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की प्राथमिक भाषा है ठीक है कितने देशों के द्वारा बोली जाती है अगर बात की जाए सबसे ज्यादा देशों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा देशों के द्वारा लोगों द्वारा नहीं तो वो है आपकी इंग्लिश ठीक है अंग्रेजी भाषा कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है थर्टी सेवन और मिलियन हिंदी के बारे में बात की जाए तो हिंदी है इंडिया की प्राथमिक ठीक है चार देशों के द्वारा बोली जाती है कितने पीपल हैं यानी कितने बोलने वाले लोग हैं तीन सौ इकतालीस मिलियन दस का भाग दे देंगे तो चौंतीस करोड़ निकल आएगा ठीक है चलिए अरबिक यानी कि अरबी भाषा सऊदी अरब की प्रमुख भाषा ही है उनसठ देशों के द्वारा बोली जाती है तीन मिलियन है बंगाली बांग्लादेश चार देश दो अट्ठाईस मिलियन पुर्तगीज पुर्तगाल की है पंद्रह देश दो सौ इक्कीस ठीक है मिलियन रसिया यानी कि रूस में बोली जाती है उन्नीस देश से बोलते हैं एक सौ चौवन मिलियन जापानी तो देश बोलते हैं एक सौ अट्ठाईस मिलियन वेस्टर्न पंजाबी जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में खासकर बोली जाती है नाइन्टी टू मिलियन मराठी इंडिया की प्रमुख भाषा है जो कि आपकी अड़तीस मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है बो एट्टी थ्री ठीक है तिरासी तेलुगु एट्टी टू ठीक है चलिए तो, तो समझ में आ गया मदारे नंबर एक पर है स्पेनिश नंबर दो पर है इस इंग्लिश नंबर तीन पर है और हिंदी नंबर चार पर है इसके बाद जो बंगाली मराठी तमिल तेलुगु इस तरह की भाषा है तो भारत के बारे में बात करेंगे तब हम जानेंगे चलिए ये हो गया आपका भाषाओं के बारे में अब हम हल्का सा समझ लेते हैं लास्ट पेज समझते हैं विश्व में जनसंख्या के आधार पर कुछ देश हैं जो कि हमें जानना नहीं था लेकिन हल्का सा मैंने डाल दिया है है सबसे अधिक जनसंख्या अब इसमें कौन किस देश की की चीन नंबर वन पर है भारत नंबर पर है अमेरिका नंबर तीन पर है इंडोनेशिया नंबर चार पर है ब्राजील नंबर पांच पर है पाकिस्तान नंबर छह पर है नाइजीरिया नंबर सात पर है बांग्लादेश नंबर आठ पर है रूस नंबर नौ पर है और मैक्सिको नंबर दस पर है ठीक है तो ये हो गया जनसंख्या के आधार पर देश ये हो गया आपका नगरीकरण का टॉपिक चलिए तो ये हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट और आप लोग शेयर करेंगे सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 90 वो 100 परसेंट में से 73 परसेंट जो मेरा व्यू आता है वो विदाउट सब्सक्राइबर के यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसके बाद भी वो लोग देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें और सभी साथियों को अगले वीडियो के लिए शुभकामनाएं तो क्योंकि अगर मेरा मन हुआ तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैंने ये सीरीज है वो कर देनी है समाप्त आज से क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा काम है एक्स्ट्रा तो महीने दो महीने या तीन महीने में कुछ नहीं करने वाला अगर मुझे लगेगा कि मैं टाइम निकाल सकता हूँ आप लोगों के लिए तो निकालूंगा तो अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम शेयर करें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें और अन्य लोगों के लिए तो चूकें नहीं शेयर कर दें चलिए